सेठ जी था 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 आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूं तो दो बार नमस्कार कर लीजिए जी अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूं तो दो बार नमस्ता कर लीजिए अरे दो बार नमस्ता कर लीजिए जी अरे नमस्ता कर लो नमस्ते नमस्ते अले भैया नमस्ते कर लो गुड इवनिंग इविन गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ ये बात जोरदार तरीके से फायर और दिल चलते रहने चाहिए मैं पहले आपको बता दूं ताकि क्या मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आपका भी बना रहेगा उधर से जितना आप प्यार फेंकोगे इधर से उतना कंटेंट मैं आपकी तरफ फेंकूंगा समझ गए ना अगर आपने प्यार को कम रखा तो कंटेंट कम हो जाएगा ओ धमकी आते ही आ तो भैया स्वागत है आपका आज की प्रचंड सीरीज में और आज का लेक्चर अपन ने रखा है हेलो एल्केंस हेलो एरेंस का एक ही शॉट में पूरा हेलो हेलो हेलोअरेंस खत्म करना है हमें आज पूरा हेलो हेलो हेलोरेंस को धुआं धुआं कर देंगे दोस्त ए धुआं धुआं धुआ कर देंगे भैया हेलो हेलो एरेंस का कैसे पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बता देता हूं कैसे कैसे आपको उधर से रिप्लाई करना है वो बता देता हूं ताकि माहौल बना रहेगा सुन लीजिए ठीक है ना हम लोग बीच बीच में पीवाई क्यूज करते रहेंगे पूरे चैप्टर को पूरे एन वगैरह कवर करते हुए पढ़ेंगे है ना नीट के और जेई मेंस के जो इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज है वो भी अपन कर लेंगे ठीक है ना जेई मेंस के भी कर लेंगे ना है हाँ जेई मेंस के भी कर लेंगे ठीक है ना और आपको उधर से जैसे ही मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको रिप्लाई देते रहना है प्रॉपर आपस में बातचीत नहीं करनी है प्रॉपरली पढ़ना है लगभग पाँच से छह घंटे का ये चैप्टर रहेगा जितना अच्छे से आप रिप्लाई करोगे उतना जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा वरना फिर चलता रहेगा है ना कैसे कैसे पढ़ेंगे आइए जैसा कि आपको पता है समय कम है माल ज्यादा है तो स्टार्ट करने में ही फायदा है ठीक है ना तो कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूं क्लास ट्वेल्थ की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रही है आप पहली बात तो कोई चैप्टर स्किप नहीं करोगे आप बिल्कुल भी यहां से भागोगे नहीं वरना आपको अगला चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा उसका अगला भी नहीं आएगा उसका अगला भी नहीं आएगा मैं पहले ही बता देता हूं आपको ठीक है ना मेरा नाम योगेश जैन है आपको पता ही है अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन हेलो ऑफ हेलो फिर हम देखेंगे बेसिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन के अंदर टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे सॉल्वेंट हो गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं लिविंग ग्रुप क्या होते हैं ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे पहले ताकि आपको आगे रिएक्शन पढ़ने में तकलीफ ना आए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलकेन देखो एनसीईआरटी में पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है बाद में केमिकल प्रॉपर्टी लेकिन मैं पहले आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा क्यों क्योंकि उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केमिकल प्रॉपर्टी का रोल आता है NCRT को ना पता है वो तो लिख दिया बस है ना इस समझ फर्क आ तो आ, आ, तो पड़ रहा है, है इसलिए हम पहले पढ़ेंगे, उसमें SN1, SN2, E1, E2, ये सारी पढ़ेंगे उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ कूदेंगे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन जिसमें इलेक्ट्रोविलिकुशन रिएक्शन एस एन ई ए एस एन ए आर बेंजाइन मैकेजम वगैरह वो सब पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हेलो एल्केलोर जहाँ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उन सब की बात आती है फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हमें देखने हैं जैसे फ्रियोन वगैरह होते हैं डी डी टी वगैरह होता है क्लोरोफॉम वगैरह वो सब हमें देखने हैं और बीच बीच में पीवाई क्यूज करते रहेंगे जो बच जाएंगे पीवाई क्यूज वो हम लोग एंड में करेंगे तो एंड तक आप लोगों को कंटिन्यू रखना है दोस्त ठीक है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं एक हैशटैग चलाते रहना है आपको बीच-बीच में हैशटैग क्या है हैशटैग समा हैशटैग समा क्या है हैशटैग समा है हैशटैग समा का मतलब सुन लीजिए हैशटैग समा का मतलब है स्वाद आया मजा आया स्वाद आया मजा आया हैशटैग समा लव हैशटैग समा फायर ये सब आपको करना है चलिए शुरू करते हैं फिर समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से शुरू करते हैं कि क्या होता है हेलो एल्केन और क्या होता है हेलो एरीन वहां से शुरू करते हैं दोस्त ना वहाँ करते है ना वहां से शुरू करते हैं आइए दोस्त आपके पास होता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन में से इस हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पर हेलोजन लगा देते हैं हाइड्रोकार्बन में इस हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पर हेलोजन लगा देते हैं जिससे क्या बनता है हमारा हमारा बनता है हेलो एल्केन क्या बनता है दोस्त हेलो एल्केन बन जाता है क्या बन जाता है हेलो एल्केन बन जाता है अब यहीं पे अगर मान लीजिए आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रखा हो जैसे मान लीजिए आपने बेंजीन ले रखा हो अब बेंजीन में से इस हाइड्रोजन को निकाल के अगर आप इसकी जगह पर इस हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन लगा रहे हो जैसे हमने इस हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन लगाया था तो यहां से आप बना सकते हो ए आर एक्स ए आर एक्स क्या होता हेलो एरीन क्या होता है हेलो एरीन कहीं कहीं पे बीच बीच में मैं हेलो एल्केन को अल्काइल हेलाइड भी बोल सकता हूं कॉमन नेम होता है वो अल्काइल हेलाइड भी कह सकता हूं मैं उसे बीच बीच में हेलो एरिन को मैं बीच बीच में अराइल हेलाइड भी बोल सकता हूं अराइल हेलाइड भी कहते हैं उसे क्या कहते हैं अराइल हेलाइड भी कहते हैं अब ये जो हेलो एल्केन है ये हेलो एल्केन फर्दर ध्यान से देखिएगा इस तरह से कैटेगराइज है ये मोनो हो सकता है मतलब मोनोहेलो एल्केन हो सकता है दोस्त मोनो मोनोहेलो एल्केन हो सकता है ये डाई हेलो एल्केन हो सकता है आपका ये आपका ट्राई हेलो एल्केन हो सकता है ये आपका टेट्रा हेलो एल्केन हो सकता है ये आपका पॉलीहेलो एल्केन भी हो सकता है डिपेंड करेगा आप कितने नंबर ऑफ हेलोजन लगा रहे हो हाइड्रोजन हटा के ठीक है जैसे मान लीजिए आपने एक हाइड्रोजन की जगह पर एक हेलोजन लगाया तो ये मोनोहेलो एल्केन है जैसे ये भी मोनोहेलो एल्केन है जैसे ये भी मोनोहेलो एल्केन है टाई हेलो एल्केन कैसे होते हैं डाई हेलो एल्केन जब आप एक एटम पे दो हेलोजन लगा दो इस तरह से या अड़ोसी पड़ोसी पे दो हेलोजन लगा दो कहने का मतलब है आपने दो हाइड्रोजन की जगह दो हेलोजन लगा दिए अगर आप एक एटम पे दो हेलोजन लगा रहे हो तो इसको बोलते हैं जैम ये क्या है जेम डाई हेलाइट इसको क्या बोलते हैं बेटा जेम डाई हेलाइट कहते हैं अगर आपने अड़ोसी पड़ोसी पे मतलब नेबर कार्बन पे दो हेलोजन लगा रखे हैं तो इसको बोलते हैं विसिनल ये टर्मिनोलॉजी काम आएगी अभी आपके ठीक है ट्राई हेलोलकिन क्या है कि तीन हाइड्रोजन के तीन हेलोजन लगा दिए जैसे कि क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए ब्रोमोफॉर्म जैसे आयोडोफॉर्म ठीक है तीन क्लोरीन लगा दिए तीन ब्रोमिन लगा दिए तीन लगा टेट्रा हेलो क्या होता है कि हमने चार बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम प्रो लेवल तक जब बोल रहा हूँ सवाल करा दूंगा तो समझने आ रही है तुम्हारा लैग, हो रहा, है क्या? लैग हो रहा है क्या दोस्त यार आप थोड़ा सा देखो मैंने आपको क्या बोला था रिप्लाई आपको करना पड़ेगा वरना फिर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो नहीं हो पाएगा ना यार यार लैग हो रहा है क्या देखना यार एक दो बार स्क्रॉल तो हुआ है लैग हो रहा है क्या रिफ्रेश करना यार

ये वाला ही देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइए जरा देख लीजिए दोस्त अगर आपने एक हेलोजन लगा रखा है तो इसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन अभी बताया था आपको मोनो हेलो एल्केन मान लीजिए आपने दो हेलोजन लगा दिए तो इसको क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन आप दो हेलो एल्केन ऐसे भी लगा सकते हो तो इसको भी क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन बोलेंगे ठीक है सर डाई हेलो एल्केन बोलेंगे अगर आपने मान लीजिए तीन हेलोजन लगा दिए तो इसको ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे अभी बताया मैंने आपको ट्राई हेलोअल्केजन मोनोडाइट्राइट्रा पेंटा जितने हेलोजन लगा रहे हो उसके बेसिस पे इसी तरह से अगर आपने बेंजीन पर एक हेलोजन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा मोनोहेलो बेटा मोनोहेलो हो जाएगा अगर आपने दो हेलोजन लगा दिए कहीं पर भी ऑर्थोमेटापेरा कहीं पर भी तो ये क्या हो जाएगा डाई हेलो एरिन हो जाएगा क्या हो जाएगा डाई हेलो एरिन अगर मान लीजिए आपने तीन हेलोजन लगा दिए कहीं पर भी तीन हेलोजन कहीं पर भी तीन हेलोजन लगा दिए लेटर सपोज आपने यहां लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा ट्राई हेलो एरिन नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लगाना और कुछ नहीं करना ठीक है अरे पढ़ना है देख मेरी बात सुन ओए पहली बात तो मेरी बात सुन ले है ना हल्के में मत लियो पढ़ना है तो पढ़ियो नहीं तो भग जाइयो यहाँ से ठीक है ना मैं पहले बता दूं मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे ठीक है ना एक तो मेहनत कर रहे हैं ऊपर से कुछ भी बोलेगा क्या अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस को पहले हम देखते हैं एसपी थ्री हाइब्रिडाइज वाला सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा एसपी थ्री हाइब्रिडाइज वाला एसपी थ्री हाइब्रिडाइज वाले कैसे होते हैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों अल्लाह भैया ध्यान से देखिएगा इधर आइए जैसे यहां पर देखिए यहां मैं लिख रहा हूं आर अब यहां पर आप देखोगे तो इस कार्बन से कोई भी पाई बॉन्ड अटैच नहीं है जब कार्बन से कोई पाइबोन नहीं होता है तो वो कैसा होता है SP3 होता होता है। है? है। है, मतलब ये कैसा है? SP3. और इस कार्बन 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 से से मात्र एक ही कार्बन है. जब कार्बन से एक ही ही अटैच अटैच जब तो वो क्या हो जाता है प्राइमरी तो प्राइमरी है ना आप है ना अगर मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरह से दो आर लगा दिए और इस तरह से लिख दिया अब आप यहां पे देखो अगेन एक दो तीन और एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड चार सिग्मा बॉन्ड है मतलब यहां पर भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है अगेन ये कार्बन भी कैसा है दोस्त एसपी इस कार्बन से इधर कार्बन और इधर कार्बन मतलब कितने कार्बन है दो कार्बन है मतलब ये टू डिग्री कार्बन है टू डिग्री कार्बन से अगर आपका हेलोजन जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड या सेकेंडरी हेलो एल्केन इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड या सेकेंडरी हेलो एल्केन देखते रहना दर, देखते रहना नजर हटी दुर्घटना घटी यहां पर मान लीजिए मैंने तीन इस तरह से लगा दिए आर ग्रुप ठीक है ना तीन आर ग्रुप लगा दिए अब इस कार्बन से अभी भी कोई पाईबोंड अटैच नहीं है अभी भी ये कार्बन कैसा है एसपी थ्री इस कार्बन से तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच है मतलब ये थ्री डिग्री कार्बन है और थ्री डिग्री कार्बन से आपका हेलोजन लगा हुआ है तो ये क्या है अल्काइल हेलाइट इसको क्या बोलेंगे बेटा अल्काइल कह देंगे ना क्या कह देंगे टर्श्री अल्काइल हेलाइट कह देंगे बात समझ गए आप अल्काइल हेलाइट कह देंगे ठीक है अभी बात खत्म नहीं है मेरी सुनते रहिए आप अभी एस थ्री वाला देख रहे हैं अपन एस थ्री वाला देख रहे हैं इधर देखते रहना अब आपको इस तरह की सिचुएशन भी मिल सकती है कि आर सी एस डबल बॉन्ड सी एच यहां पर सी एच टू फिर आपका हेलोजन लगा हो जब आपको डबली बॉन्डेड कार्बन से ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे जुड़ा कार्बन इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड अटैच नहीं है इस वाले कार्बन से तो ये कैसा है एसपी है इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है मतलब ये वन डिग्री भी है इस पोजीशन को जब डबल बॉन्ड से जुड़ा एसपी कार्बन होता है उस पोजीशन को बोलते हैं आपका अलाइल पोजीशन कौन सी पोजीशन बोलते हैं अलाइल पोजीशन तो ये क्या है अलाइलिक हैलाइड है और वो भी कौन सा प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड है क्या है ये प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं इसको बेटा प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड अब अगर मैं यहां पर जैसे यहां एक r जोड़ा है ना वैसे ही मान लीजिए अगर मैं यहां पे इस h को हटा के यहां r जोड़ देता है इस जगह पर इस कार्बन से दो कार्बन हो जाते तो ये कैसा हो जाता टू डिग्री हो जाता तो इसको क्या बोलते सेकेंडरी अल्काइल अब मान लीजिए, मैंने यहां से इस हाइड्रोजन को हटा के एक और आर जोड़ दिया तो अटैच हो जाते तो ये कैसा हो जाता थ्री डिग्री हो जाता तो ये क्या हो जाता हो जाता इतना सिंपल है, है? सेकेंडरी मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे कि sp3 वाली कैटेगरी में ये क्यों आया है वो भी मैंने आपको बता दिया क्लियर है फिर इसके अलावा यहां पर ये बेंजीन है और बेंजीन से यहां सी एस टू और फिर यहां पर cl अब आप वापिस से देखिए इस कार्बन से इस कार्बन से कोई बॉन्ड अटैच नहीं है कोई बॉन्ड अटैच नहीं है इसका मतलब ये कार्बन कैसा है दोस्त एस पी थ्री है पहली बात इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है मतलब ये कैसा है वन डिग्री है दूसरी बात मतलब प्राइमरी है बेंजीन से जुड़ा एसपी थ्री कार्बन बेंजीन से जुड़ा ये एसपी थ्री कार्बन इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन क्या बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन तो ये क्या होगा मेरे भाई ये होगा प्राइमरी बेंजाइलिक हेलाइट क्या होगा बेटा गुड्डू ये क्या होगा प्राइमरी बेंजाइलिकलाइट अब देख गेम देख गेम देख मास्टर hey चीटर है रे इधर देख यहां पर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के आर लगा दू तो अब इस कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये कैसा हो गया टू डिग्री हो गया ना गुड्डू अगर मान ले मैं इसको हटा के यहां लगा दू आर एक और तो ये कैसा हो गया इस कार्बन से इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन कैसा हो गया थ्री डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा टर्सरी हो जाएगा बात समझ गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लियर है गुड्डू बढ़िया क्लियर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लियर है तो ये सारे आपके कौन से थे एस पी हाइब्रिडाइज्ड वाले थे एक नॉर्मल वाले होते हैं एक अलाइलिक वाले होते हैं एक -like वाले अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हमारी कहानी को और हम क्या देखेंगे मेरे दोस्त एस वाले हम कौन से देखेंगे अब एस वाले देखेंगे आइए दोस्तों हेलो दोस्तों आइए दोस्तों इधर देखिए एस पी हाइब्रिडाइज्ड वाले कौन से होंगे आइए अरे ये सस्ती सस्ती चीजें फटाफट निपटाते हैं इसको एस पी टू हाइब्रिडाइज वाले कौन से होंगे इधर देखिए तो सही नजर इधर दिखाइए तो सही यहां पर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच यहाँ सी एल ध्यान से देख मेरे दोस्त इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड अटैच है जब कार्बन से एक पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है पी और पी की टचिंग टचिंग वाली मोहब्बत से पैरेलल पी और बेटल की टचिंग मोहब्बत से मतलब इस कार्बन का एक पी इसके साथ लफड़े में है और कार्बन के पास एक एस और तीन पी होते हैं एक पी इसके साथ लफड़े में है तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने जाएंगे एक एस और दो पी तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा गड्डू इसका हो जाएगा sp2 टू टू हो जाएगा ना sp2 टू हो जाएगा तो sp2 टू कार्बन से ये हेलोजन अटैच है तो ये sp2 हेलाइड है बात समझ गए आप दिस इज sp2 हेलाइड अब जब sp2 कार्बन इस पोजीशन को ये जो sp2 वाली पोजीशन है ना इस पोजीशन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन क्या बोलते हैं विनाइल पोजीशन बोलते हैं विनाइल पोजीशन तो ये क्या हो गया आपका विनाइलिक हेलाइड हो गया बेटा क्या हो गया विनाइलिक हेलाइड हो गया विनाइल हेलाइड बोल लो या विनाइलिक हेलाइड बोल लो सही है अगर यहां ओ होता तो विनाइल अल्कोहल हो जाता उस तरह से फिर यहां पर देखिए जैसे मैंने यहां पर ले लिया बेंजीन और इस बेंजीन पर मैंने सी लगा लिया बी लगा लिया हेलोजन लगा लिया कुछ भी लगा कुछ भी लगा अब आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन पे जिस अरे हमें सिर्फ मुद्दे की बात करनी है जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसकी बात करनी है इस कार्बन से एक पाइबोंड अटैच है पाइबोंड अटैच है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्त ये sp2 होगा यानी कि ये sp2 वाला हेलाइड है पहली बात sp2 वाला हेलाइड है ठीक है दोस्त

हेलो हेलो को कर सकते हैं एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन हेलोजन कितने लगे हैं उसके बेसिस पे ठीक है दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे sp3 थ्री और एसपी टू एसपी थ्री वाले ये सारे थे और एसपी टू वाले ये सारे हैं ये आ, वेरी गुड शाबाश आगे बढ़ते हैं दोस्त इसी बात पे आगे बढ़ते हैं आइए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड भी बताई देता हूं लगे हाथ जब इतना बता दिया तो वो भी बताई देते हैं नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होगा क्या वो गुस्सेल नेचर का होगा या वो हसमुख मिजाज का होगा वो होगा कैसा ये है आपका कार्बन और ये है आपका हेलोजन हेलाइट भैया तुम भी गजब करते हो यार ये देख इस कार्बन से इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन कार्बन से अगर तीन कार्बन अटैच होते हैं तो वो थ्री डिग्री कार्बन होता है और अगर थ्री डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच है तो वो टर्सरी हेलाइड होता है इतना सिंपल है भाई कार्बन से कितने कार्बन अटैच है उस बात पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिपेंड करता है ठीक है टाइम ट्रेवल ठीक है ठीक है सर सिचर अरे यार भाई यार और हेलोजन है। है और और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट आपने सुना होगा और सर सुना सुना तो लग रहा है सुना सुना तो लग रहा है सर इंडक्टिव इफेक्ट तो कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का

कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं सुनिएगा दोस्त अलग दोस्त अगर मैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं सुनिएगा जैसे मैंने यहां पर आर आई आरसीएल और आरएफ ले लिया और यहीं पर मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी आर आई ले लिया एक रिलेशन बताता हूं मैं आपको बहुत तगड़ा कि जो लेंथ होती है ना लेंथ वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हैं सही में कैसे बता रहा हूं आइए सुनिए बॉन्ड लेंथ कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो सुनिए आप याद है आपने बचपन के वो दिन जब आप चौक से खेला करते थे स्कूल जाया करते थे तो एक लंबी चौक हुआ करती थी और एक चौक का टुकड़ा हुआ करता था जब लंबी चौक हुआ करती थी तो आप खट्ट देने से उसको तोड़ देते दे थे मजा मजा तोड़ के और फेंक के मारते थे लेकिन जब चौक का टुकड़ा होता था टूटता ही नहीं था टूटता ही नहीं था बात समझ रहा लंबी चौक टूट जाती है छोटी चौक नहीं टूटती तो लंबा बॉन्ड वीक होता है छोटा बॉन्ड मजबूत होता है बात समझ गए लंबा वीक छोटा मजबूत इसलिए लंबा वीक छोटा मजबूत बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ बात समझ गया आप अरे क्लियर है क्लियर बा क्लियर बा नहीं क्लियर बा क्लियर बा अब आप यहां पे देखो आर आई आर 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 बी सी एल एफ भाड़ में गया आर का हाइब्रिडाइजेशन भाड़ में गया फिर ही करो उसको अपने को यह पता है कि आर के अंदर होता है कार्बन और आयोडीन के साथ है तो लेटर सपोज ये कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा टू पी फाइव पी अगर आप एस पी थ्री पी लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये क्या बनाएगा टू पी फोर पी ये क्या बनाएगा टू पी थ्री पी और ये क्या बनाएगा टू पी टू पी और आपको पता है कि टू पी टू पी वाला बोन है ना वो छोटा होता है टू पी थ्री पी बड़ा टू पी फोर पी और बड़ा टू पी फाइव पी और बड़ा तो कौन सा बड़ा ये बड़ा फिर ये इससे छोटा ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा है गुड है ये सबसे छोटा है जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा तो भाई जल्दी से बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दीजिए भैया जी अगर बॉन्ड ना भैया जी बोलिए बोलिए भैया जी बात समा चलना चाहिए फायर चलना चाहिए लव चलना चाहिए कंटेंट भरपूर मिल जाएगा ये बात अपोजिट हो जाए शाबाश तो आर एफ फिर आर सी एल फिर आर बी आर फिर छोटा टूटेगा तो नहीं ना मजबूत होगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त इसी बात पे मजा आ रहा है खुशियां भर रही है जीवन में रक्त में घुस हेलो हेलो चुका है हालांकि वो है नुकसानदायक ही आइए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी बीच बीच में टर्मिनोलॉजी आएंगी परेशान करेंगी चिड़चिड़ा करेंगी दुख दर्द पीड़ा आएगी चिचड़ापन आएगा भय आएगी चिंता आएगी शर्मिंदगी आएगी उन सबको हम दूर कर लेते हैं पहले ए? हाँ जाओ सुनिए कोई भी रिएक्शन जो होती है कोई भी रिएक्शन में होता है सबस्ट्रेट जिसको आप रिएक्टेंट भी बोलते हो सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट और एक होता है रिएजेंट ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में गुफ्तगु करते हैं मतलब आपस में एक दूसरे पर अटैक करते हैं किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में बिना सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते कोई ना कोई सॉल्वेंट होना चाहिए और क्या बन जाता है दोस्तों? प्रोडक्ट बन जाता है दोस्तों, प्रोडक्ट बन जाता है ठीक है सब सुनते रहना सुनते रहना सबस्ट्रेट जो है वो आपके सारे चैप्टर हाइड्रोकार्बन हो गया हेलो एल्केन हो गया हेलो एरेन हो गया अल्कोहल हो गया फिनोल हो गया इथर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एस्टर हो गया अमाइन हो गया जितने भी आपके चैप्टर है वो सब सबस्ट्रेट हैं रिएजेंट थोड़ी देर में मैं बताऊंगा रिएजेंट कौन कौन से होते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल अभी फिलहाल हमें देखना है कि सॉल्वेंट क्या होता है अभी फिलहाल हमें क्या देखना है सॉल्वेंट क्या होता है ये सारा का सारा माल मिला के एक सॉल्यूशन बनता है सारा माल मिला के क्या बनता है एक सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में होता है सबस्ट्रेट और सबसे कम मात्रा में होता है रिएजेंट सुनना ये मात्रा में होता है अधिक ये मात्रा में होता है कम मतलब ये क्वांटिटी में ज्यादा होता है ये क्वांटिटी में कम सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पर ये रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पर ये रिएजेंट अटैक करता है बात समझ रहे हो अटैक करता है रिएजेंट क्या होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है रीजन क्या होता है जो सबसेट पे अटैक करता है ये ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा ये कम क्वांटिटी में अब पहले हमें देखना है वॉट इज सॉल्वेंट देखना मजा आएगा जीवन में खुशियां खुलेगी इधर देखिए आप सॉल्वेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले सॉल्वेंट जो है आपके दो प्रकार के होते हैं तो ना भाई सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं एक सॉल्वेंट होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट मेरे भाई दीदी और एक सॉल्वेंट होता है आपका पोलर सॉल्वेंट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है एक पोलर सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है जिसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा जीरो, क्या होते जिसका क्या होगा? -जीरो।, मतलब जीरो नहीं होगा नॉट इक्वल टू जीरो नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं जैसे सीसीएल फोर सी बी आर फोर कार्बन डाइसल्फाइड साइक्लोहेक्सेन बेंजीन पेट्रोल केरोसिन एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट ये आपके कैसे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं गुड इधर देखना पोलर सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेरे भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसको आप पी पी एस बोलते हो एक होता है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मेरे भाई एक क्या होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जिसको आप पी एस बोलते हो ठीक है दोनों के दोनों ही आपके कैसे हैं पोलर नेचर के होते हैं अब पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक में क्या अंतर है वो बता रही हूं क्या बता रही हूं सुनते रहे जब आपका हाइड्रोजन फोन से अटैच हो फोन मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर आपका हाइड्रोजन अटैच हो तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है अगर आपका हाइड्रोजन िन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं हो मतलब वो किसी और चीज से अटैच हो सकता है कार्बन हो हो सकता है सल्फर हो, हो है ना हाँ अरे बोर्ड के लिए इनफ है नीट के लिए इनफ है जेम एंस के लिए इनफ है ठीक है अब आ जाओ इधर आ जाओ है ना टेंशन मतलब मतलब भाई अरे भैया जो हमें जानते हैं कुछ लोग हमें नहीं जान पा रहे हैं तो बता दीजिए प्लीज बता दीजिए कुछ लोग हमें नहीं जान पा रहे हैं आइए एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए दोस्त है ना प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन फोन से अटैच है जैसे पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिस डब्बे में डालो वैसा तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है तो ये कैसा है प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे अमोनिया यहां हाइड्रोजन ते। नाइट्रोजन से अटैच है तो ये भी एक एक कैसा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे दारू दारू हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ये भी कैसा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ठीक है जैसे एच एफ भी कैसा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दीज आर प्रोटिक सॉल्वेंट ये सब पोलरप्रोटिक सोल्वेंट अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां मांगे नहीं तो मैं अगले पेज पे बता रहा हूं आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो वरना वैसे शायद पीडीएफ पीडीएफ मिल जाती होगी आपको आई डोंट नो ठीक है ना तो मैं थोड़ा साइड हो गया हूं क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों क्लियर है कुछ भी बेसिक नहीं चाहिए था राजा पढ़ ले अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूं देखो मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बता चुका हूं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के आपको बता रहा हूं अगले पेज पे वहां जगह नहीं थी आइए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल फिर कह रहा हूं फोकस होके सुन लीजिए अगर ये जो मैं समा बांध रहा हूं ना आप समझिए ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ कनेक्टेड है अगर आप अभी से नहीं सुनना चालू करोगे तो आगे तकलीफ लेक्चर के अंदर ही तकलीफों में आ जाओगे मैं फिर बोल रहा हूं आपको एक एक चीज कनेक्टेड है तो जिस तरह से मैं फ्लो चला रहा हूं उस फ्लो को चलने दीजिए मजाक मस्ती घर पे रखिए समय बहुत कम है आपको भी पता है अगले तीन महीने बहुत क्रुशियल है आप लोगों के लिए इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये किया है भाई है ना थोड़ा सा तो आप भी एफर्ट लगाओ ना फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जहां हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड नहीं होता मतलब फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे डाई मिथाइल इथर इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एसिटोन इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि सी एस थ्री एस डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एच सी ओ एन यहां पे मिथाइल यहां पर मिथाइल इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पी डबल बोंड ओ एन यहां पर सीएस थ्री यहां पर सी एस थ्री एन यहां सी एस थ्री यहां सी एस थ्री यहां एन यहां सी एस थ्री यहां सी एस थ्री अब सुनना मेरे भाई ध्यान से देख मेरे भाई इसको ध्यान से देख ये कैसा होता है ये ऐसा होता है मिथाइल मिथाइल यहां पेयर यहां लोन पेयर मतलब ये कैसा है पोलर नेचर का तो होगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट तो आएगा जितने मैंने लिखे हैं ना सब में कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट आएगा यकीन मान मेरा आएगा अब मुद्दे की बात यह है कि यहां हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है यहां हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है कार्बन से कनेक्टेड है कार्बन से अटैच है इसका मतलब ये कैसा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर इसको क्या बोलते हैं बेटा डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं अब इसको देख यहां पर भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है कार्बन से कनेक्टेड है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है इसको बोलते हैं एसीटोन ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है और ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है क्योंकि ये है नेल पॉलिश रिमूवर इसको बोलते हैं डी एम एस ओ यहां पर भी हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है कार्बन से अटैच है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं है तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं बेटा डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड बोलते हैं डीएमएसओ इसको बोलते हैं डीएमएफ डीएमएफ बोले तो डाइमिथाइल फॉर्म ये इसकी फुल फॉर्म है सोलवेंट है ने, अरे ने था तो यहां पर भी आप देखो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है यहां पर भी हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है ध्यान से पहचान एक कार्बन का अमाइड तो क्या बोलेगा फॉर्मअमाइड इससे दो मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल फॉर्मअमाइड ठीक है सर हेलो ठीक है सर इसका नाम होता है एच एम पी ए चंपा नहीं है एच एम पी ए है हम्पा है इसकी फॉर्म होती है हेक्सा मिथाइल अमाइड क्या होती है हेक्सा मिथाइल अमाइड होती है सर देखो एक दो तीन चार पांच छह मिथाइल और ये अमाइड जो है ये फॉस्फोरस का अमाइड है बेटा ये कैसा है फॉस्फोरस का अमाइड है इसलिए इसको उसको फॉस्फोर अमाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं है। <laughs> बोल है? सर अलगे बदलो भारी है बात तो सही है यार <laughs> आइए वाह यार क्या ऑब्जर्वेशन है भाई पढ़ाई लिखाई छोड़कर है ये है आपका टी एच एफ टी एच एफ बोले तो हाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान आप ध्यान से देखोगे ना बेटा यहां कार्बन से ही हाइड्रोजन अटैच है सब जगह कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है यह भी आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है और आइए आपके जीवन में बढ़िया खुशियां घोल दें इसको देखिए तो सही और देख के मुस्कुराइए तो सही और खुशियां भरिए तो सही यह होता है डब्बा क्राउन डब्बा इथर इसको क्या बोलते हैं डब्बा क्राउन डब्बा इथर इस डब्बे में आता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें क्या आते हैं नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन आते हैं सुनिएगा दोस्त यहां कितने ऑक्सीजन है चार अब कार्बन गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ तो कार्बन है और चार ऑक्सीजन है तो आठ और चार कितना हो गया बारह तो इसका नाम हो गया ट्वेल्व क्राउन फोर इथरबडी अब यहां पर देखिए इस कार्बन से भी हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है तो यह भी कैसा है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है यहां तक किसी को कोई दर्द दिक्कत परेशानी चिचिड़ापन दुख भय पीड़ा हताश चिंता तो नहीं है बता दीजिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्त मैंने आपको सॉल्वेंट बना दिया है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बोलिए दोस्त अब बोल दीजिए दोस्त शर्माइए नहीं बोलिए दोस्त तो शर्मा कह रहे हैं चले आगे वेरी गुड अब आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं अब अपन पढ़ते हैं रोल ऑफ सॉल्वेंट कि इन सॉल्वेंट का आखिरकार किरदार क्या है इनका रोल क्या है रिएक्शन में क्यों पढ़ा रहा है ये हमें जबरदस्ती क्यों हमारे माइंड के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ये तो बता देता हूं हमने तीन तरह के सॉल्वेंट पढ़े एक पढ़ा नॉन पोलर सॉल्वेंट एक पढ़ा प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पढ़ा अप्रोटिक सॉल्वेंट तीनों के अंदर हम नमक को हैं हाँ और बचपन से हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे में जैसा घुलता है लाइक डिजोल्व लाइक जैसे में जैसा घुलता है लाइक डिजॉल्व लाइक सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का और उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में नमक को घोल के देखते हैं कि घुलता है कि नहीं घुलता है ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां से एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन में आपको मदद मिलेगी समझने में हम बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें पढ़ने वाले हैं बात समझना मैं कोई रट्टाफिगेशन आपको नहीं देने वाला मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने वाला हूं तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुने मेरे दोस्त ठीक है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट आइए दोस्तों यहां पर देखिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा आपके पास है नमक आप मार्केट गए मार्केट से आपने नमक की थैली खरीदी उसको फाड़ी उसमें से थोड़ा सा नमक निकाला और नमक निकालने के बाद आपने क्या किया उसको बेंजीन जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें घोलने की कोशिश करी आप जानते हो कि बेंजीन नॉन पोलर है और प्लस और माइनस होने की वजह से पोलर है तो क्या कभी नॉन पोलर में घुल सकता है क्या बताओ ना क्या इस नॉन पोलर पोलर आइटम घुलेगा कि नहीं घुलेगा बोलना यार बोलना भाई मैंने पहले बता दिया अनुश्री क्लास आपकी पांच छह छह घंटे के करीब चलेगी उससे पहले नहीं हो पाएगा ठीक है ना <coughs> नहीं घुलेगा इसका मतलब यहां पर इनसोल्यूबल हो जाएगा और इनसोल्यूबल कौन कौन होंगे ये कैटाइनिक के स्पीसी और ये एनैनिक स्पीसी दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा दोनों के दोनों आपके इनसोल्यूबल हो जाएंगे मतलब केटायन और एनायन दोनों ही आपके कैसा हो जाएंगे इनसोल्यूबल इनसोल्यूबल और एनायन भी कैसा हो जाएगा बेटा इनसोल्यूबल हो जाएगा यह कहानी थी नॉन पोलर की अब मैं यहां ले रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ध्यान से देखना बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे जीवन में तो एक ही है सबसे आसान है नल खोलो पानी भर लो पानी से बढ़िया पोलर प्रोटेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता क्या ले लिया हमने पानी ले लिया और हमारे बच्चों को पता है कि पानी में नमक घुलता है कि नहीं घुलता है बताइए भैया पानी में नमक घुलता है कि नहीं घुलता है बताइए अगर पानी में नमक नहीं घुलेगा तो हमारी मम्मी जो हमें सब्जी बना के खिला देती है जो मम्मी का प्यार है क्या उतना मिल पाएगा क्या सोच के देखिए पानी में तो नमक घुलता है ना भाई सुनिए यहां पर यह सोल्यूबल हो जाएगा अब कहानी देखिए मुद्दे की बात यह है कि आपको पता है कि पानी के अंदर नमक घुल जाता है लेकिन मेरा मुद्दा क्या है कैसे घुलता है क्या बात कर रहे हो सर हां घुल तो जाता है कैसे घुलता है आइए यहां ये कैटाइनिक यहां एनायन है ध्यान से देखिएगा ये कैटाइनिक के स्पीसी है और इसके इर्द गिर्द पानी नाम के गुंडे इस तरह से पानी नाम के गुंडों ने इसको चौतरफा घेर लिया है इसको पानी नाम के गुंडों ने इस तरह से चौतरफा घेर लिया है इस कैटेनिक स्पीसी को आप जानते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन पे होगा डेल्टा माइनस हाइड्रोजन पे होगा डेल्टा प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो यहाँ क्या आएगा डेल्टा प्लस कबड्डी 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 इस तरह से सारे प्लस और माइनस बना लिए अब आपको यह भी पता है कि जीवन में मोहब्बत अपोजिट में ही होती है तो यह प्लस और यह माइनस एक सेकंड रुक जाइए दोस्त एक सेकंड रुकना कैसे इस पानी नाम के गुंडे ने इसको घेरा है वो देखिएगा ओ एस टू 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 ओ एस टू, ओ एस टू। इतने सारे पानी नाम के गुंडों ने इसे घेर लिया है यहां डेल्टा माइनस यहां डेल्टा प्लस कबड्डी 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 इस तरह से यहां से देखिए यहां से मोहब्बत चालू हो गई ना भैया देखिए तो सही झमाझम जम मोहब्बत चल रही है ये ये इस तरह से पानी नाम के गुंडों ने पूरी तरह से एनए प्लस को चारों तरफ से घेर लिया है इस ऑक्सीजन के माइनस वाले पार्ट ने एन प्लस को चारों तरफ से घेर लिया है तो इस सीएल माइनस का क्या होगा आइए देखते हैं यहां पर यह सीएल माइनस है इस सीएल माइनस को भी पानी नाम के गुंडे दूसरी स्टाइल में घेरते हैं वो इस तरह से घेरते हैं हाइड्रोजन वाली साइड से अगेन कबड्डी 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 यहां से प्लस वाली साइड से माइनस को भी घेर लेंगे सब तरफ से मोहब्बत ही मोहब्बत चल रही है मोहब्बत के दिन आने वाले हैं तो इस तरह से कैटायन और एनायन दोनों को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया अब मुद्दे की बात सुन ये घुला क्यों इसके बीच में भी कोई ना कोई बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी किसने प्रोवाइड करी ये जो इसको चारों तरफ से घेरा है घेरने के बाद जो ये बॉन्ड बना है इस बॉन्ड से जो एनर्जी निकलेगी उसे बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी पानी है तो हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी यह हाइड्रेशन एनर्जी किसके बराबर रही होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बराबर रही होगी इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर रही होगी तब जाके ये घुल पाए होंगे इसका मतलब यहां पर क्या होता है यहां पर कैटायन एंड एनायन बोथ आर सोल्यूबल कैटायन एंड एनायन बोथ आर सोल्यूबल आपके पोलर प्रोटिक सोलवेंट के अंदर कैटायन और एनायन दोनों के दोनों ही खुल जाते हैं क्लियर है यहां तक कोई दर्द दिक्कत परेशानी नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्लियर है कैसे यहां पे घुला वो बात समझ में आई चलिए आगे बढ़ते हैं अब तीसरी कैटेगरी लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देखते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट घोल पाएगा या नहीं घोल पाएगा या सिर्फ केटाइन को घोल पाएगा या सिर्फ एनाइन को घोल पाएगा या दोनों को ही नहीं घोल पाएगा पोलर अप्रोटिक एग्जाम पोलर अप्रोटिक का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड हमें किसको घोलना है दोस्त नमक को एनए को घोलना है एन प्लस है सी एल माइनस है और डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड ऐसा होता है हमें देखना है कि इस डीएमएसओ के अंदर क्या ये नमक घुल पाता है या नहीं घुल पाता है लेट सी हियर यहाँ पर हम एन ले, ले, ले लेते हैं और यहाँ पर ये यह जो आपका दिख रहा है ना आपको डीएमएसओ देखना वो कैसे चालाकी से इसके करीब आएगा पता है कैसे आएगा इस, इस तरह से यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल यहाँ पर ओ 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 यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल पर ओ मिथाइल और यहां मिथाइल और आपको पता है दोस्तों आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस अगेन वही कबड्डी वाला सीन है डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस यहां डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा प्लस अब आप देखिए हमारे प्लस को तो माइनस पसंद है ना है ना तो इस तरह से डायमिथल सल्फोनिल ऑक्साइड के ऑक्सीजन वाले पार्ट ने एन ए प्लस को चारों तरफ से घेर लिया मतलब यहां पर कैटायन तो क्या हो गया सोल्यूबल हो गया तो सोल्यूबल हो गया अब बात आती है एनायन की यहां पर मैं लिख रहा हूं डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड ध्यान से देखिएगा दोस्त दोस्त ध्यान से देखिएगा यह है डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड और आपको पता है यहां है डेल्टा प्लस और यहां है डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और हमें किसको घोलना है सीएल को घोलना है यह है आपका सीएल इस सीएल को हमें इस सल्फर के करीब पहुंचाना है तभी तो अट्रैक्शन आएगा ना भाई तभी तो घुल पाएगा ना भाई देखते हैं क्या ये सीएल माइनस उस सल्फर के डेल्टा प्लस तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है आपको पता है ये मिथाइल है ना छोटा मोटा नहीं है पता है कैसा है कार्बन हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में मिथाइल फैला हुआ पूरे ब्रह्मांड में मिथाइल फैला हुआ है मतलब मिथाइल छोटा मोटा नहीं है इतना बड़ा है मिथाइल छोटा मोटा नहीं है इतना बड़ा है और हमारा क्लोरीन खुद थर्ड पीरियड का है वो कोई छोटा है के आ? वो कोई छोटा है के वो तो वही बड़ा है अब जब तक ये सीएल माइनस इस सल्फर के करीब नहीं पहुंचेगा तब तक अट्रैक्शन नहीं आएगा तब तक घुल नहीं पाएगा अब सुनिए तो सही अगर इस सीएल को यहां पहुंचना है तो ऐसे घुसना पड़ेगा अंदर अगर ये घुसता है तो देखो ये देखो टकरा गया टकरा टकरा गया गया इनसे तो ये छिल गया यहां से। यहां से से छिल गया खून आ गया खून यहां से खून आ गया तो क्या ये अंदर घुस पा रहा है क्या क्या ये अंदर घुस पा रहा है क्या इसको अरे देख तो सही यार मैं इसको रहा हूं इधर देख तो सही मैं इसको यहां पर एंट्री दिलवा रहा हूं मैं इसको बोल रहा हूं तो घुसना ये घुसना चाह रहा है लेकिन ये मोटा मोटा इस मोटे को घुसने ही नहीं दे रहा ये मोटा मोटा इसको घुस नहीं दे रहा ये रगड़ खा गया इधर से भी रगड़ आ रही है इधर से भी रगड़ आ रही है तो रगड़ रगड़ छिलन खून तो क्या घुस पाया गया क्या घुस पाया गया नहीं घुस पाया अब तेरे को ऐसा लग रहा होगा सर हो सकता है आप यहां से नहीं घुसा पा रहे हो तो यहां से एंट्री दिलवा दो अले तेरे को पता है यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये लोन पेयर के बड़े बड़े कान Osionfish. ये लोन पेयर के बड़े बड़े कान अब तू तो सोच रहा है कि इधर से आ जाए जैसे ही इधर से आएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का गुच्छा ये इलेक्ट्रॉन का गुच्छा और मिथाइल इसको रिपेल लगा रहा है ये इधर से एंट्री मार रहा है इधर से भी रगड़ आ गई इसने ये लोन इसके ऐसे करके कि भगरे रेपट दिली इधर से भी नहीं घुस पा रहा क्या ये इधर से घुस पा रहा है क्या इधर से रेपट दिली भाग बिचारा सी माइनस कहीं से भी नहीं एंट्री ले पा रहा कहीं से भी एंट्री नहीं ले पा रहा आपका सी एल माइनस इसका मतलब एनायन सोल्यूबल नहीं है कैटायन सोल्यूबल है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में काम की बात क्या निष्कर्ष क्या आया वो सुनिए आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कैटायन तो सोल्यूबल है कैटायन इज सोलूबल बट एनायन इज इनसॉल्यूबल काम की बात ये निकल के आई कि कैटायन तो सोल्यूबल है लेकिन एनायन इनसोल्यूबल है तीन निष्कर्ष निकल के आया बेटा नॉन पोलर के अंदर दोनों इनसोल्यूबल पोलर प्रोटिक के अंदर कैटायन एनायन दोनों सोल्यूबल पोलर अप्रोटिक के अंदर कैटायन तो सोल्यूबल लेकिन एनायन इनसोल्यूबल बहुत काम में आएगा आगे तक बहुत काम में आएगा ध्यान रखियो बहुत काम में आएगा बहुत भयंकर काम में आएगा मजा आया रू तक ये बात पहुंची तो उधर दिल फायर चलाना है यार क्या कंजूसी कर रहा भाई मोटिवेशन चाहिए ना अपने को भी यार चलाते चलाते फटाफट कंजूसी नहीं अब बात करते हैं रिएजेंट की रिएजेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया ये, ये, ये बात ये बात ये बात भाई फुल, ये ये ये। फुल माहौल बन रहा है मैंने बोला माहौल बनाएंगे बोला था ना माहौल बनाएंगे अभी और बनेगा अभी तो देखते जाओ आप आगे दुल्हन रिएक्शन आएगी तो बहुत माहौल बनेगा ऐसे थोड़ी ना रिएजेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और जो कम क्वांटिटी में होता है भाड़ में जाए डेफिनेशन हमारे लिए तो क्या होते हैं दो तरह के रिएजेंट होते हैं एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस लिखते हैं क्या लिखते हैं ई प्लस है आपका इलेक्ट्रोफाइल एनयू माइनस को क्या बोलते हैं दोस्त न्यूक्लियो आपको पता है आपको पता है फाइल का मतलब पता है क्या होता है मोहब्बत मोहब्बत और किसी को किसी से मोहब्बत कब होती है जब उसके जीवन में उस चीज की कमी हो तो इसको इलेक्ट्रोफाइल इसको किससे मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है मतलब इसके जीवन में किस चीज की कमी चल रही है इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीसी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है मेरे दोस्त कैसी स्पीसी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है या इसको ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी है ये कैसी होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी बात समझ गए बात समझ गए न्यूक्लियोफाइल मतलब इसको किससे मोहब्बत है न्यूक्लियस से मोहब्बत है न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज का गुच्छा किसी को पॉजिटिव से कम मोहब्बत हो सकती है जब उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन हो मतलब ये कैसी स्पीसी है ये है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी ऐसी है दोस्त इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी क्यों क्योंकि इसको तो न्यूक्लियस से मोहब्बत है ये कैसी है न्यूक्लियस लविंग स्पीसी है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है ठीक है अब कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल वो देख लेते हैं दोस्त मजा आ जाएगा जिंदगी में खुशियां आ जाएगी हमारे है ना रक्त में हमारे ऑर्गेनिक हीमोग्लोबिन घुस चुका होगा बात समझ रहे हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह जीवन में खुशी हीमोग्लोबिन चल रहा होगा आइए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसी जितने भी आपके जीवन में पॉजिटिव चार्ज आप देखोगे वो सब आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं अभी मैं जगह छोड़ रहा हूँ कुछ लिखूंगा ऑल फ्री रेडिकल स्पीसी जो आपकी फ्री रेडिकल वाली होती है वो भी भिखारी होती है उसको भी इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है वो भी इलेक्ट्रोफाइल जहां जगह खाली होगी उसी को तो भरेंगे ना समझ रहे हो जगह खाली होगी उसी को तो भरेंगे तो ऑल वैकेंट पी या डी ऑरबाइटल स्पीसी वो भी कैसी होती है इलेक्ट्रोफाइल और अंत में मिसलेनियस जो बचा कुचा माल है वो यहां लिख दिया जाएगा दोस्त बचा कुचा माल यहाँ लिख दूंगा दोस्त यहां लिख दूंगा अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसी में आपके कौन कौन आ सकता है जैसे H प्लस आ सकता है R प्लस आर प्लस बोले तो कार्बन पे प्लस इस तरह से NO2 प्लस हो सकता है आपका NO प्लस हो सकता है आपका X प्लस हो सकता है आपका OH प्लस हो सकता है एक्सेट्रा सेक्ट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी मतलब बहुत कुछ हो 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 सकता है प्लस गया R हो गया हो गया मिथाइल पे NO OH है इनको दो इलेक्ट्रॉन लेके आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा करके दुआ देंगे फिर ऑल फ्री रेडिकल स्पीसी फ्री रेडिकल कौन से जैसे H रेडिकल आर रेडिकल आर रेडिकल बोले तो सी एस थ्री कार्बन पेरेडिकल और आप ले सकते हो X पे रेडिकल आप ले सकते हो ओ आर रेडिकल या ओ एच रेडिकल एक्सेट्रा मतलब किसी पे भी रेडिकल है तो वो भी कैसा है उसके जीवन में भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो भी कैसा फील करता है भिखारी तो वो भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं फिर वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल जिनके पास खाली पी पड़ा होता है या खाली डी ऑर्बिटल होता है फ्री रेडिकल का मतलब पूछ रहे हैं भैया होता है फ्री सीएस थ्री सी एल यहां पर यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का तो कार्बन को कार्बन का दे दो क्लोरीन को क्लोरीन का दे दो तो ये बन गया रेडिकल और यह बन गया रेडिकल तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी होती है एक दो तीन चार पांच छह और ये ऑड इलेक्ट्रॉन सात ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आठ चीज होते हैं इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका मतलब यह क्या है भिखारी है ये होता है फ्री रेडिकल ऑल वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल बैटल आइए दोस्तों जैसे बी थ्री हो गया जैसे ए थ्री हो गया जैसे एस फाइव हो गया जैसे एफ थ्री हो गया एक्सेट्रा ये सब भी किसकी तरह बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिखाऊंगा आपको इधर देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर फाइव होता है तो आप क्या लिखोगे वन एस टू ये तो है ग्राउंड स्टेट में जब आप इस एक एस को उचा के यहां लेके जाओगे उचका के मतलब तो ये टू एस वन टू पी टू ये टू एस में एक इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल होते हैं तीन दो पी में भर दिए एक पी खाली है इसका मतलब बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है है ना तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अब मिसलेनियस कैटेगरी में किसको रखेंगे देखिए आ, आ, भाई कुछ भी रट्टा नहीं मानना अभी इतना प्रयोग होगा ना ये इतना ज्यादा प्रयोग होगा ना इतना प्रयोग होगा इतना प्रयोग होगा इतना इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे इतना रगड़ेंगे ना इसको कि अपने आप याद हो जाएगा ठीक है अब यार एक बात बता मेरे दोस्त जब बचपन में तू ऐसे है ना जब तेरे को मैडम पढ़ा रही थी तो मैडम ने ऐसे डॉट 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 लगा के दिए थे फिर मैडम ऐसे रेपट की देती थी ऐसे कर करके तो तू ऐसे हाथ कांपते थे तेरे तू अगर ऐसे बना देता था तो तेरे ऐसे दे लेती थी मैडम और मैडम दे लेती थी तो सब गिला, -गिला हो जाता था। फिर वापिस से तू सही होता था फिर वापिस मैडम ऐसे डॉट बना के देती थी फिर डराती थी फिर जाके तू ये बनाता था तो कभी तेने मैडम से पूछा कि ये ए क्यों होता है, है? है? पढ़ यार पढ़ा रहे हैं यार तसल्ली रख हैं एक ही दिन में खा लेगा सारा थोड़ा तसल्ली रखना थोड़ा सा समय दे अभी आ जाएगी चीज़ें यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस तो इस डेल्टा प्लस की वजह से ये किसकी तरफ बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है जैसे बी आर, टू। बी आर टू के क्या होता है एंटी बॉन्डिंग खाली होती है सुनना सुनना जैसे है ना कभी है ना बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसे बनता है एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर से लाता है एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर से लाता है इनके बीच में मोहब्बत होती है बॉन्ड बन जाता है तो बता रहा हूं आपको ये अपना इलेक्ट्रॉन लाया ये अपना इलेक्ट्रॉन लाया इनके बीच में गुफ्तगु हुई और ये बन गई टॉफी टॉफी बन गई ये बन गया बॉन्ड ये होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल और इसके पीछे छोटी छोटी टुई छूट जाती है टुई मतलब थोड़े से लोब्स छूट जाते हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये तो बॉन्डिंग हो गया इसके पीछे जो टুই छूटरी ना टুই ये टুই क्या है ये टুই आपकी एंटी बॉन्डिंग है जो खाली है तो वहां पे अटैक होके भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर सकती है है ना ठीक है अब सुनिए अब मैं आपको एक 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 मजाक और कर लेते हैं आइए है ना अभी इधर तो तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मजाक कर लेता हूं इसको मैं बोल रहा हूं डाकू इसको बोल रहा हूं चोर इसको बोल रहा हूं भिखारी और इसको बोल रहा हूं आम आदमी आम आदमी है ना आम आदमी तो ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ वाला है डाकू चोर भिखारी आम आदमी आपने देखा होगा पुरानी जो मूवीज होती थी उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे ना घोड़े पे डाकू आते थे टुकड़ुक टुकड़ुक करके और गांव के गांव चला देते थे, थे पूरे गांव लूट लेते थे और कोई पसंद आ जाता था तो उठा के भी ले जाते थे मतलब डाकू इज वेरी खतरनाक डाकू क्या करते थे पूरे गांव के गांव चला देते थे, थे पूरा लूट के ले जाते थे गांव को और मतलब जो मिलता था उसको उठा के भी ले जाते थे तो डाकू इज वेरी खतरनाक वेरी खतरनाक डाकू चोर जो है चोर थोड़े ईमानदार होते हैं चोर क्या करता है चोरी करता है चला जाता है नुकसान नहीं करता ज्यादा ऐसे मतलब आग वाग नहीं लगा देता घरों में आग लगा दी नहीं चोर आता है चोरी करेगा ईमानदारी से और चला जाएगा तो चोर थोड़ा कम मतलब वो हो गया ठीक है फिर भिखारी भिखारी तो मांग के लेता है ए भाई देना दे दिया दे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं वो तो मांग के लेता है कि अगर कोई दे जाए तो ठीक है ठीक है ना मांग के ले रहा है चुरा नहीं रहा है डाका नहीं डाल रहा है मांग के ले रहा है है ना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है फिर आम आदमी हम जैसे लोग जिनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई अच्छा ऐसा है ठीक बा तो क्या हो जाएगा उससे अच्छा फायदा हो जाएगा अच्छा ठीक है अच्छा तुम कह रहे हो तो कर लेंगे वो वाली सिचुएशन है आम आदमी की वो वाली सिचुएशन है आम आदमी की कि हाँ ठीक है कोई दे रहा है तो ठीक है ना मांगना है ना कुछ करना है कोई दे देगा तो रख लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं बात समझ में आ गई <coughs> अब बात आती है यहां पे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसी जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसी होती है वो आपकी न्यूक्लियोफाइल होती है वो आपकी कैसी होती है न्यूक्लियोफाइल दूसरे नंबर पर आता है ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसी जितनी भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसी होती है वो भी आपकी कैसी होती हैं न्यूक्लियोफाइल होती हैं तीसरे नंबर पे आता है ऑल पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसी जो पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसी होती हैं वो, है वो भी आपकी कैसी होती हैं दोस्त वो भी न्यूक्लियोफाइल होती हैं आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे नजर आते हैं इधर ध्यान से देखना <coughs> जैसे एच माइनस हो गया आर माइनस हो गया आर माइनस मतलब सी पे माइनस जैसे एन एच टू माइनस हो गया जैसे ओ एच माइनस हो गया जैसे एक्स माइनस हो गया जैसे एस एच माइनस हो गया इत्यादि एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले कैसे हैं इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं फिर ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसी जैसे पानी हो गया ऑक्सीजन पे लोन पेयर है जैसे अमोनिया हो गया नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जैसे आपकी दारू हो गई दारू में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है जैसे आपका आर एस एच हो गया सल्फर पे लोन पेयर है एक्सेट्रा ये सब आपके कैसे हैं ये भी इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसी है तो ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसी में एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं मतलब नॉन पोलर वाले ये डबल बॉन्ड की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ना ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करता है ये ट्रिपल बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं जैसे आपकी बेंजीन में तो भर भर के इलेक्ट्रॉन है एक्सेट्रा ठीक है ना इन सबके पास इलेक्ट्रॉन है दे ऑल बिहेव न्यूक्लियोफाइल कोई तगड़ी होगी कोई बेकार होगी आइए मैं बता देता हूं ये अरबपति ये करोड़पति और ये लखपति लाख के नीचे बात नहीं करने भाई थोड़ा स्टेटस मेंटेन करके समझ रहे हो अरबपति करोड़पति और लखपति ये अरबपति है मतलब भर भर के पैसा है इतना पैसा है कि गिना ही नहीं जा रहा अरब कितना होता मुझे भी नहीं पता <laughs> करोड़पति थोड़ा उससे कम पैसा और लखपति बहुत कम है इनकी तुलना में मतलब ये सबसे तगड़े न्यूक्लियोफाइल फिर ये फिर ये सबसे तगड़े फिर उससे कमजोर और ये सबसे कमजोर बात समझ में आ गई सर यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है और आप समझ सकते हो कि अगर कोई फ्री हो तो कुछ भी कर ले क्या ही फर्क पड़ रहा है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है अपनी मस्ती में फ्री है अकेला है अपने हिसाब से जी रहा है और अगर कोई बंधन में बंध गया तो परमिशन लेनी पड़ती है समझ पा रहे होंगे ठीक है ना परमिशन लेनी पड़ती है बात समझ गया है तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की कहानी मैंने आपको बता दी अब आइए अगली कहानी की तरफ चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन कौन से फैक्टर न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट करेंगे यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस प्रीवियस ईयर ये प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर में आए सर सही है नहीं हाँ आइए दोस्तों सबसे पहले तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या है आपने जीओसी के अंदर बेस वगैरह पढ़े होंगे है ना एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ दोनों एक ही जैसे होते हैं बस पर्पस अलग अलग होता है पर्पस अलग है उद्देश्य अलग है तो मैं आपको अंतर बताता हूं फिर बेस की तरह ही न्यूक्लियोफाइल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है ना सुनिएगा <coughs> स्पीसी विच डोनेट्स स्पीसी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटोन ओनली ऐसी स्पीसी जो प्रोटोन को ही इलेक्ट्रॉन देती है प्रोटोन मतलब जो सिर्फ H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे जो सिर्फ H प्लस को इलेक्ट्रॉन देती है वो बेस होती है वही स्पीसी सेम टू सेम स्पीसी सेम टू सेम सुनना यहां से किया कॉपी और यहां से किया पैसट यह कर दिया मैंने कॉपी पैसट एच पी सी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट प्रोटोन प्रोटोन को छोड़ के प्रोटोन को छोड़ के किसी और को दे रही है हो सकता है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे रही हो जैसे कार्बन प्लस को दे रही हो किसी रेडिकल को दे रही हो कहीं बी एस थ्री में जाके इलेक्ट्रॉन दे रही हो लेकिन एच प्लस को छोड़ के किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे रही हो तो वह न्यूक्लियोफाइल है अगर एच प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वह बेस है क्लियर है क्लियर है क्लियर है अब जैसे जैसे आप बोलते थे बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलते थे बेसिक स्ट्रेंथ वैसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कितना तकड़ा न्यूक्लियोफाइल है समझ लो समझ लो समझ लो आओ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पढ़ लें न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो न्यूक्लियोफाइल कब बढ़िया होगा सुनिए आप सुनना ध्यान से न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी होती है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन कब देगा जब इलेक्ट्रॉन को रख के दिक्कत में परेशानी में दर्द में चिड़चिड़ापन में आ रहा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना वरना क्यों देगा यानी कि स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन को रख के परेशानी में आ रही हो चिड़चिड़ी हो रही हो वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी तो उतनी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगी जैसे आप ऐसे समझो आपने ये सुना होगा कोई भी स्पीसी क्या बनना चाहती है कोई भी स्पीसी न्यूट्रल बनना चाहती है कोई भी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहती अगर आर पे माइनस है तो आर माइनस आर बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा जब इलेक्ट्रॉन कुर्बान करेगा तभी बनेगा आप ऐसे समझो ना मान लीजिए आप किसी शादी में गए और शादी में जाके आपने क्या किया आपने ना आपने ना भर भर के खा लिया आपने ना यहाँ पे चावल भर लिए यहाँ पर उसके पीछे धाल यहाँ पे इस जगह पे वो दही वो होता तो है ना दही बड़े दही बड़े भर लिए फिर यहाँ पर इस जगह पे दाल भरी हुई है फिर इस जगह पे इस जगह पे आप आए इस जगह पे आपने मटर पनीर फंसा रखा है इस जगह पे आपने वो मलाई कोफ्ता फंसा

मोसा जी फूफा जी आ गए बेटा तुमने वो काजू कतले खाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार पूरा मुंह भरा हुआ है पहले इसको निकालना है जब तक आप उसको निकालोगे नहीं कहीं से भी तब तक आप स्टेबल फील नहीं करोगे आप कब स्टेबल फील करोगे जब आप नॉर्मल खाना खाए होंगे तब बात समझिए आप तो उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की भी बात है या बेस की भी बात है कोई भी स्पीसी क्या बनना चाहती है न्यूट्रल बनना चाहती है तो जो भी इलेक्ट्रॉन को रख के तकलीफ में आ रही होगी वो उतनी जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगी उतनी जल्दी देगी तो उतनी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगी क्या कहने हैं सर क्या कहने हैं मजा ही आ गया मोर इज दी अनस्टेबिलिटी मोर इज अनस्टेबिलिटी ऑफ स्पीसी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोर विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियो सेम ही चीज हैिटी है, है? जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को रख के न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी सिंपल है क्या ही कहना है बोलिए <coughs> अब पहला फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं सुनिएगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है बेटा भाई हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन देना है इलेक्ट्रॉन कब कोई दे पाएगा जब उसके पास होंगे तभी तो देगा ना तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होगी किसी की जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की चाहत होगी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, उतनी उतनी ज्यादा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी और इलेक्ट्रॉन देने की चाहत कब ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगी जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगे देने वाले पीछे से देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो आगे सप्लाई चलती रहेगी खींचने वाले लगेंगे तो सप्लाई रुक जाएगी तो देने वाले कौन से होते हैं प्लस एम प्लस एच प्लस आई जियो सी जियोसी जियो सी जा सी, जा सी, जा सी तो माइनस एम माइनस एच माइनस आई मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लस एम प्लस एच प्लस आई होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी क्लियर है क्या बोलिए <coughs> बोलिए ए क्लियर ए क्लियर है कर तो मत पढ़ो ना बेटा जाओ घर पे कितने का तुम्हें पढ़ने के लिए बंद कर दे मोबाइल और सो जा हृदय उड़ के बढ़िया ठंड हो रही है सो जा क्यों टाइम खराब कर रहा है बेवकूफ है क्या ए बेवकूफ है क्या ए टाइम का है खराब कर रहा है जा बाहर घर के बाहर कहीं रेत पड़ी होगी रेत में जाके गड्ढा खोद और खेल ले छोटे बच्चों के साथ खेल ले रेत में जाके गड्ढा खोद के खेल ले बेटा खेल ले उसमें पाओ फंसा ले पाओं फंसा के रेत में और ऐसे बैठ जा और फिर उसमें से ऐसे रेत को साइड में कर फिर फंसा फिर साइड में कर ठीक है पहला फैक्टर था दूसरा फैक्टर देखिए दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूट्रल बनना चाहती है गलत तो नहीं कह रहा कोई भी न्यूट्रल बनना चाहती है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी स्पीसी पे वो उतना ही ज्यादा परेशान होगी उतने ही ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आ रहा होगा तो वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी बस इतनी सी बात से मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूं और मुझे विश्वास है हमारे बच्चों पे कि वो कर लेंगे आपको बताना है कि इनमें किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है अगर ये ए है ये बी है ये सी है या डी है तो आप ही को बताना है दोस्तों ये पहला सवाल है और मुझे विश्वास है आप बता देंगे हमारे बच्चों पर मुझे विश्वास है भैया अरे भैया हमारे बच्चों पर हमें विश्वास है बताइए दोस्तों दो सवाल करके बता दीजिए बोलिए ना दोस्त यह बात गड्ड यही ना बात देखता ही सवाल सॉल्व कर दिया जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ये दूसरा फैक्टर था तीसरा फैक्टर देखिए देखते रहिए तीसरा फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये फैक्टर हमें कहा लगाना है इन सेम पीरियड इन सेम पीरियड पीरियड के अंदर हमें ये फैक्टर लगाना है बेटा पीरियड आपने सुनाड हो होता, होता है तो पीरियड में स्टेबल होगा <coughs> एग्जाम्पल करना आपको ये बेटा करना आप ही को है और मुझे विश्वास है हमारे बच्चों पर वो कर लेंगे मुझे है विश्वास हमारे बच्चों पर कि वो कर लेंगे एक बार खुद से ट्राई करो फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही सही करिए 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 कर लीजिए फटाफट बड़ से अल्लाह कर लो ना भैया जी बता दीजिए दोस्त आपको पता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव स्टेबल होता है और हमें किसकी चाहत है अनस्टेबल की दर्द में कौन आ रहा है दर्द में आ रहा है ये तो सबसे पहले अपना दर्द कौन खत्म करना चाहेगा ये फिर ये फिर ये फिर ये अरे क्या पागल वागल हो गए ना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव हो स्टेबल होगा स्टेबल होगा तो देगा क्यों देगा तो हमें क्या करना है हमें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंड निकालनी है कौन जल्दी देगा जो जितना अनस्टेबल फील कर रहा होगा पलट गई जनता पलट गई जनता पलट गई रे जनता पलट गई देखो अगले वाले में बताओ आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एसपी की कार्बन एसपी टू से ज्यादा और कार्बन एसपी टू की कार्बन एसपी थ्री से ज्यादा होती है एसपी SP की एसपी टू से ज्यादा एसपी टू की एसपी थ्री से ज्यादा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अगर मैं यहां परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूं तो दो लोगों में सौ रुपए बांटे हैं तो यहां पचास परसेंट होगा यहां थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट होगा और यहां ट्वेंटी फाइव परसेंट तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये आपका एसपी है दो पाई बॉन्ड की वजह से ये आपका एसपी टू है और ये आपका एसपी थ्री है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव स्टेबल है इसलिए ये ऑर्डर निकल के आएगा क्लियर है सीबी है वेरी गुड बेटा है ना सी बी ए ये निकल के आएगा मुझे अनस्टेबल चाहिए अब अगला फैक्टर देखो आप बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफाइल को सेम मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब जो मैं फैक्टर लिखने जा रहा हूं यहां जाके इस जगह पे जाके बेस और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं आइए देखिए जरा जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज भी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज भी होता है और मेरे दोस्त मैं बेवकूफ नहीं था तो मैंने आपको सॉल्वेंट का रोल पढ़ाया मैंने आपको नॉट बेवकूफ अब काम आएगा वो दोनों चीजें कैसे हो सकती है सर ये होगी आपकी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और ये कहानी चलेगी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर इधर सुन लीजिए आप दो एग्जाम्पल ले रहा हूं जीवन में खुशियां भर दूंगा ये चीजें समझा दूंगा लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा प्लीज थोड़ी देर के लिए फोकस होना पड़ेगा अरे बेटा पहले वाले में अच्छा मोर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ स्पेशी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोर विल बी इट्स न्यूक्लियस जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा तभी तो देगा ना है तो ये अनस्टेबल है ये स्टेबल है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उस पर नेगेटिव स्टेबल है यह अनस्टेबल है अनस्टेबल है, है तो जल्दी देगा आइए इधर थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे ज्यादा देर के लिए नहीं बोल रहा थोड़ी देर के लिए आम की बात है इसलिए बोल रहा हूं आगे समझ में तो बहुत तगड़ी चीज आपके दिमाग में घुल जाएगी इधर ध्यान से देखिए इसके अंदर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भर रखा है पानी सबसे बेस्ट एग्जांपल है और मैं किसके बीच में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना चाह रहा हूं अभी यहां पर मेरी बात चल रही है ग्रुप की यह हमें किसमें देखना है इन सेम इन सेम ग्रुप ग्रुप के अंदर हमें यह बात करनी है यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी f माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और I- माइनस इसकी तुलना करनी है आप सुनते रहना आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए भटक गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है मैं ईमानदारी से चल रहा हूं यहाँ पे देख लेना आप। आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन का बड़ा होता है ब्रोमीन का और बड़ा होता है आयोडीन का और बड़ा होता है ये है आपका फ्लोरीन, यह है आपका क्लोरीन ये है आपका, आपका ब्रोमीन और यह है आपका आयोडीन यहां पे आपका F- माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और यह I- माइनस और इस पूरे के पूरे सेटअप को मैं कर रहा हूं कॉपी और मैं कर रहा हूं सॉरी <coughs> <coughs> और यहां पे मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डीएमएसओ ले रहा हूं इन दोनों में फर्क देखना है हमें कि क्या फर्क आएगा पोलर प्रोटिक में क्या कहानी चलेगी और पोलर अप्रोटिक में क्या कहानी चलेगी समझा रहा हूं सुनिएगा ये कैसे निकल के आया वो बता रहा हूं हर कोई नहीं बताएगा बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से एफ <coughs> माइनस <coughs> <coughs> छोटा है आई माइनस बड़ा है आपने एक डेंसिटी सुना होगा डेंसिटी होता है मास डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है डेंसिटी आज मैं आपको बता रहा हूं चार्ज डेंसिटी एक होता है चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज बटे वॉल्यूम किसी वॉल्यूम में कितना चार्ज है अच्छा ये जितना कम होगा बटे में जितना कम होता है

चार्ज डेंसिटी कैसी है ज्यादा है और मैं बेवकूफ नहीं था थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्वेंट का रोल बताया था मैंने बताया था पोला प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कैटायन और एनायन दोनों के दोनों घुलनशील होते हैं यानी कि सोल्यूबल होते हैं बहुत आर सोल्यूबल इन प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों प्रोटिक सॉल्वेंट में यानी कि F माइनस मतलब ये एनायन में सोल्यूबल होंगे ये तो हमें कहानी पता है चारों तरफ से पानी नाम के गुंडे घेर लेंगे इसकी चार्ट डेंसिटी ज्यादा है मतलब इतनी सी जगह पे वो माइनस बहुत ज्यादा भरा हुआ है भयंकर माइनस तो वो क्या करेगा इतनी जगह माइनस है तो वो ज्यादा दूर तक की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तगड़ी चुंबक बन गया वो दूर की चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकता है मतलब, मतलब जब F- को मैं पानी की लेयर से घोलना चाहूंगा तो एक लेयर के पानी के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेंगे उसके बाद दूसरी लेयर के भी कर लेंगे तीसरी लेयर के भी कर लेंगे चौथी लेयर के भी कर लेंगे साइज छोटा है चार डेंसिटी ज्यादा है चार्ज ज्यादा है डेंसिटी चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा पानी के लेयर ज्यादा पानी के लेयर उसको क्या कर लेंगे वो कर लेंगे वॉल्यूबल कर लेंगे लैग हो रहा है भैया यार क्यों हो रहा है ये ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा फिर क्या मतलब है अरे यार रिपीट क्या कर दीजिए यार मैं कोई रिपीट करने आऊंगा यहाँ पे सुन लो अब ध्यान से सुनना मूड मत खराब करो यार बहुत सारा पढ़ाना है मजाक तो चल नहीं रहा है चार डेंसिटी क्या होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम जितना कम होगा चार डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी तो एफ माइनस छोटे साइज का है तो उसमें चार्ज डेंसिटी कैसी होगी बेटा ज्यादा होगी <coughs> उसमें चार डेंसिटी ज्यादा होगी अगर इसमें चार डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चौथी लेयर पांचवी लेयर इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो ये तो भयंकर तरीके से घुल गया ये तो सॉल्युबल हो गया अब ये ये, ये 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 रामेश्वर क्या बोल रहा है इसको देखो यार हद करता है ये बताओ एक बार है ना फायर चला दो एक बार दिल चला दो इसको इसकी औकात दिखा दो बेटा है ना आ गया मेरा ससुराल से ये है ना तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे मतलब ये ज्यादा सोल्यूबल हो गया और अगर ये ज्यादा सोल्यूबल हो गया अगर ये ज्यादा सोल्यूबल हो गया तो ये तो स्टेबल हो गया और अगर ये स्टेबल हो गया तो देगा क्यों तो स्टेबल फील कर रहा है फंस गया है तो देगा ही नहीं देगा ही नहीं ना अब यही आई माइनस

एफ माइनस को ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट किया है कहने का मतलब क्या चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी तो ये कैसा हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इसी चीज को अगर आपको <coughs> ऐसा फील नहीं हो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहीं के यहीं अभी के अभी सुन लीजिए ध्यान से आपने कार्डबोर्ड लिया उस पर आपने सूखी मिट्टी होती है ना ऐसे धूला उड़ जाता है ऐसे धूला उड़ जाता है वैसी वाली मिट्टी आपने उस कार्डबोर्ड पे बुरख दी यहां से यहां तक का कार्डबोर्ड लिया आपने जो पूछ रहा हूं वो बताना है ना अब आपने क्या एक टेनिस की बॉल ले ली हरे रंग की और एक फुटबॉल ले ली बड़ी सी एक टेनिस की बॉल ले ली हरे रंग की छोटी सी और एक फुटबॉल ले ली बड़ी सी आपने क्या करा दोनों को बाल्टी में पानी पानी की बाल्टी में डुबोया टेनिस की बॉल को डुबोया टेनिस की बॉल पूरी गच्च गीली अब आपने क्या करा वो कार्डबोर्ड जिसपे सूखी मिट्टी पड़ी हुई थी आपने उस टेनिस की बॉल को उस पर रोल कराया एक रोल मिट्टी चिपकेगी दूसरा रोल फिर मिट्टी चिपकेगी तीसरा रोल फिर मिट्टी चिपकेगी चौथा रोल फिर मिट्टी चिपकेगी मतलब यहां से लेकर यहां तक वो छह सात बार रोल होगी और हर रोल होने पर उसके ऊपर मिट्टी चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी चिपकेगी क्योंकि छोटी बॉल है और ज्यादा घूमेगी ज्यादा बार रोल करेगी तो ज्यादा मिट्टी की लेयर चिपकेगी अब यहीं पर आपने फुटबॉल लिया और उस फुटबॉल को गीला करके अब फुटबॉल को घुमाया ये फुटबॉल घूमी एक लेयर मिट्टी की ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार घूम गई तो दो लेयर मिट्टी की इतनी सी यहां तक की डिस्टेंस में फुटबॉल कितनी बार घूम पाई दो बार किसमें ज्यादा मिट्टी चिपकी है बता मेरे दोस्त टेनिस की बॉल में या फुटबॉल में मिट्टी किस पे ज्यादा चिपकी मिट्टी किस पे ज्यादा चिपकी टेनिस की बॉल पे या फुटबॉल पे जल्दी बता टेनिस की बॉल पे टेनिस की बॉल पे क्यों छोटी थी तो ये टेनिस की बॉल ये फुटबॉल इसको ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल वहां मिट्टी की जगह पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे ज्यादा सोल्यूबल होगा स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने लायक नहीं होगा नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज झूठ बोल रहा था क्या मैं झूठ बोल रहा था क्या नहीं ना अब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है मेरे भाई और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन तो सोल्यूबल होता है एनायन नहीं होता झूठ नहीं बोल रहा हूं थोड़ी देर पहले बताया अभी तो कुछ ज्यादा पढ़ाया ही नहीं है ये यह देखी दरी पढ़ाया केटायन इज सॉल्यूबल बट एनायन इज इनसोल्यूबल इन पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट मतलब ये जो बेचारे महाशय बैठे हुए हैं ना अंदर ये सब इन सोल्यूबल है इनको किसी भी प्रकार की सोल्यूबिलिटी नाम की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है मतलब जो होगा वो इनके खुद के कारण होगा ये स्टेबल या अनस्टेबल खुद के कारण होंगे अब ये है एफ माइनस छोटा सा ये है आई माइनस इतना बड़ा अब ऐसे सोचो कि आपके घर में एक हॉल है और एक किचन है आपके घर में दस मेहमान आए सुनना एक तगड़ा एग्जाम्पल देता हूं आपके घर में दस मेहमान आए और दस मेहमान आए आपने उनको किचन में सुला दिया एक छोटे से किचन में उनको सुला दिया वो कैसा फील करेंगे वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे बिल्कुल छोटी सी कंजेस्टेड जगह पर आपने उनको सुला दिया तो वो जल्दी चले जाएंगे परेशान हो उनको मेहमान नवाजी आपकी अच्छी नहीं लगेगी जबकि आपके घर में दस मेहमान का अगला सेट आया अगले दस मेहमान जो आए उनको आपने हॉल में सुलाया बड़े से हॉल में आराम से फेल पसर के सो रहे हैं हाँ हाँ बढ़िया मेहमान नवाजी चल रही है हाँ अगर ऐसी लगवा देते तो और सही लगता आनंद आ रहा है आपके यहाँ तो वो जल्दी से नहीं जाएंगे जो हॉल में है हालांकि जो किचन में है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे है ना लेकिन वो बात अलग है कि किचन में कौन है मजे वहाँ भी हो सकते हैं बल्कि वहाँ ज़्यादा हो सकते हैं पास पास है तो लेकिन समझ गए होंगे आप है ना तो लेकिन यह बात तो है किचन में कैसा फील कर रहे होंगे कंजस्टेड और हॉल में कैसा फील कर रहे होंगे कंफर्टेबल तो छोटी साइज में इतनी सी साइज में वो माइनस ठूस ठूस के भरा हुआ है और इतनी बड़ी साइज में वो माइनस फेल पसर के भरा हुआ है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये तो आप बोलोगे ये स्टेबल होगा और अगर ये स्टेबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा जो अनस्टेबल है जिसके दर्द आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो देगा ना तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा छोटी साइज वाला मतलब एफ माइनस फिर सी एल माइनस फिर बी आर माइनस फिर आई माइनस बोल मजा आया स्वाद आया समा बोल मजा आया स्वाद आया कि नहीं आया अरे क्लियर है अरे मजा आया स्वाद आया कि नहीं आया यो महौल, ये ना बात बोल माहौल ये, ये, ये।, ये तो तेरे जीवन में एक चीज तेरे को पता चली पता है क्या है? कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सेम न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरीके से न्यूक्लियोफिलिक शो करते हैं ना अगर तेरे को क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो हो ये सॉल्वेंट लिख के नहीं दिया हो, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है पानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आंसर किसके हिसाब से देगा पीपीएस के हिसाब से अगर उसको पूछना होगा तो पीएस लिख के देगा बोलेगा इन डीएमएसओ डीएमएसओ के अंदर बताओ अगर नहीं लिखा तो क्या मान के देगा पानी मान के यदि क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं हो सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो पीपीएस माने तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के सॉल्व करें आइए आगे चलें अब इसमें एक फैक्टर और आ जाता है वो भी पढ़ा देता हूं

बेस को तो इस नन्हने मुन्ने से H+ को इलेक्ट्रॉन देना है लेकिन जो न्यूक्लियो है उसको पता है कहां पे अटैक करना है जैसे एस डबल ओ एम ई एम ई उसको तो इस डेल्टा प्लस पे जाके अटैक करना है तो अगर वो बड़ी साइज का हुआ तो उसको घुसने में दिक्कत होगी एंट्री मारने में दिक्कत होगी तो यानी कि न्यूक्लियो कैसा होना चाहिए आपका बल्कि नहीं होना चाहिए छोटा होना चाहिए बल्कि होगा तो बेकार हो जाएगा बस अब कर लेगा तू अब कर लेगा एग्जाम्पल सीएस थ्री ओ माइनस और ये ओ माइनस ए और बी इसमें न्यूक्लियोफिली की स्ट्रेंथ बतानी है तेरे को पहला क्वेश्चन है ये फिर दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये मोटे ग्रुप और ये लोन पेयर ये ए और बी आंसर बता आंसर बता बेटा वेरी गुड तो ए कम बल्कि है बी ज्यादा बल्कि है इसमें तो तीन तीन मिथाइल लगे हैं मोटा मोटा है तो ए ग्रेटर देन बी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ए की बी से ज्यादा हो जाएगी नीचे वाले में नीचे वाले में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बताना जरा नीचे वाले में नीचे वाले में भी ये देखो ये खुला खुला है इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये बल्कि बल्कि ये मोटे मोटे ग्रुप उस लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन ही नहीं देने देंगे तो ए ग्रेटर देन बी यहां पर भी बात समझ गया आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्लियर है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्लियर है बेटा बोलिए क्या आपको न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्लियर है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्लियर है तो आइए एक क्वेश्चन कर लीजिए ये पीवाईक्यू ये 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 पीवाईक्यू आ गया फॉर I माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी ये पीवाईक्यू ये इसके लिए मैं आपको मात्र थर्टी सेकेंड दे रहा हूं अगर आपके पास पोल आ जाए तो देख लीजिए थर्टी सेकेंड दे रहा हूं करिए कर लीजिए दोस्तों बोलिए ये 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 बात ये बात ये बात ओके लेट सी ओ, ओ सही में नहीं है देखे जरा युवराज ने तुरंत आंसर दिया है पॉइंट फाइव सिक्स सेवन में श्री ने पॉइंट सिक्स सिक्स में गोसिया ने वन पॉइंट जीरो टू में नेहा ने वेरी गुड बेटा शाबाश यार मजा आ गया तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बतानी होती है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है तो ये आंसर आ जाएगा वेरी गुड यार सावास यार मतलब जीवन में खुशियां भर दी एक और पीवाई क्यू नहीं जेई मेन्स का पीवाई क्यू नहीं सर नहीं कितना तो औसम यार ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफ्लिसिटीज और इसके लिए भी मैं आपको मात्र थर्टी सेकेंड दे रहा हूं वैसे तो देने भी नहीं चाहिए बताइए दोस्त बोलिए दोस्त आ रहा है क्या आ रहा है क्या मजा आ रहा आ रहा भैया तो आंसर विल बी मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए देखते हैं भाई ये क्या है बे? तो देखो F माइनस और OH एच माइनस सुनना मेरे भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है तो ये तो हो नहीं सकता और ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है तो कोई भी स्पीसी क्या बनना चाहती मतलब चार्ज वाला जल्दी देगा ना न्यूट्रल बनना चाहती है ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है तो ये जल्दी देगा लेकिन D विल बी दी करेक्ट आंसर ये चार्ज वाला है यह न्यूट्रल वाला है तो चार्ज वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा D विल बी दी करेक्ट आंसर सर वे यार वो पोल आया नहीं होगा आपके पास मुझे पता है अब एक और लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप उसके बाद फिर हमारी रिएक्शन वाली चीज़ें चालू हो जाएंगी है ना प्लीज़ ईमानदारी से पढ़िए बेटा है ना आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं हमें तो कोई वैसा मतलब वो भी नहीं है, है ना आप लोगों के लिए ही ये सीरीज प्लान की गई है तो आप ही लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए है ना बढ़िया से पढ़ना चाहिए मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके बाहर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ लो इसलिए बोल रहा हूँ है ना लिविंग ग्रुप क्या होता है एक ऐसी स्पीसी जो सबस्ट्रेट को छोड़ के चली जाती है जब उस पर रिएजेंट अटैक करता है ठीक है ना एक ऐसी स्पीसी जो सबस्ट्रेट को छोड़ के चली जाती है जब रिएजेंट अटैक करता है अब कोई भी सबस्ट्रेट को छोड़ के कब जाएगा जब छोड़ने के बाद वो खुद स्टेबल फील कर रहा होगा मान लीजिए दोस्त किसी को जैसे मान लो कि मान लीजिए ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए क्या पता मेरे पिताजी सुन ले एक तो है ना मान लीजिए मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल दें निकल निकल जाए सब अब मैं घर से बाहर कब निकलूंगा जब मैं निकलने लायक होंगे थोड़े बहुत पैसे वैसे होंगे तो निकल जाऊंगा नहीं होंगे तो हाथ पांव जोड़ लूंगा पिताजी के पिताजी माफ कर दो आगे से ऐसा नहीं करूंगा चोरी तो और पढ़ रहा हूँ आपके पिताजी आगे से नहीं करूंगा आज माफ कर दो पिताजी आगे से नहीं करूँ सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा ठीक है ना सही तो बात कह रहा हूं अगर मैं घर से बाहर निकल गया और मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा तो कोई भी छोड़ के कब जाता है जब छोड़ने के बाद वो स्टेबल फील कर रहा हो यानी कि लिविंग ग्रुप कैसी स्पीसी होनी चाहिए स्टेबल स्पीसी होनी चाहिए बात तो सही है ना बात तो सही है ना स्पीसी विच लीव्स दि सबस्ट्रेट स्पीसी विच लीव्स दि सबस्ट्रेट फॉर्म ऑफ इन दंपाउंड या तो वो स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में निकले स्टेबल गैस के फॉर्म में निकले या फिर वो स्टेबल आयन के फॉर्म में निकले तो वो आपका लिविंग ग्रुप होती है जब वो स्टेबल फॉर्म में निकले आपको बताए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेसिक स्ट्रेंथ है और बेस कैसे होते हैं

और इसकी रिएक्शन जो है वो हम किससे करा रहे हैं यहां बन गया सीएससी एन यू और यहां पर एफ माइनस आपको बस इधर फोकस करना है नेतागिरी बिल्कुल नहीं करनी है दो मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी बस एक मिनट रुक जाओ दो मिनट में क्लियर होंगी एक मिनट रुक जाओ यहां पर सीएल यहां पर बी आर यहां पर आई और यहां पर मेरे भाई यहां पर सीएल यहां पर बी आर और यहां पर आई एक्चुअल में हो क्या रहा है ये इस पर अटैक कर रहा है ये बाहर निकल रहा है आपके लिए ये मुद्दा है ही नहीं कि कैसे अटैक कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है आप तो ये देखो कि ये निकल के जा रहे हैं ये है सबस्ट्रेट इनको छोड़ के जा रहे हैं एफ सी एल बी आर और आई अगर मैं आपसे पूछू ये जो एफ सी एल बी आर आई है अगर मैं इसमें आपसे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछूं तो क्या आप नहीं बता सकते क्या क्या हमारे बच्चे नहीं बता पाएंगे निकलने के बाद इनमें से कौन स्टेबल फील कर रहा है नहीं बता पाएंगे वही कॉन्सेप्ट है किचन और हॉल बताओ ना जरा कि किचन और हॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होंगे बताइए ना जरा जल्दी से बता दीजिए ना दोस्त तुरंत बता दीजिए तुरंत तुरंत कह दीजिए दोस्त कि कौन जल्दी लीव करेगा जो निकलने के बाद स्टेबल फील कर रहा होगा वो जल्दी लीव करेगा दोस्तों जब ग्रुप में देखते हैं अरे यार कैसे लोग हो यार कुछ भी आंसर कर रहे हो यार अरे किचन है एक हॉल है हॉल में दस लोग कंफर्टेबल हैं किचन में अनकंफर्टेबल है छोटी साइज में इलेक्ट्रॉन कंजेस्टेड होता है पास पास में माइनस होते हैं चिड़चिड़ापन आता है रिपल्शन आता है बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स फॉर्म में पड़े होंगे स्टेबल फील होगा तो निकलने के बाद इनमें से स्टेबल फील कौन करेगा बड़ा साइज वाला क्या कर रहा है यार यार ये बड़ा साइज है यार बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन कैसा फील करेगा डिस्पर्स स्टेबल फील करेगा ये छोटा साइज है छोटी सी साइज में माइनस चार्ज कंजेस्टेड पड़ा हुआ है लॉजिकली पढ़ा है। है रह, रहा हूं लॉजिकली पढ़ ही नहीं रहा यार। लगा रखा क्या कर रहा है यार यार तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा बेटा ठीक है और देख और देख सी एस थ्री ओ एच टी एस थ्री ओ एस टू प्लस अरे सीरियस होके पढ़ यार भाई जब टाइम दे ही रहा है तो सीरियस होके पढ़ समझना बात को गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं तो तेरे को मोटिवेट कर रहा हूँ भाई मोटिवेट होने का बहुत शौक है तेरे को तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ मेरे भाई मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि जब तू तो टाइम दे ही रहा है तो फिर ढंग से देना यार चीज़ों को सुनना है यार मास्टर कुछ बोल रहा है तो सुन ही नहीं रहा है यार समझ बात को यार अब यहाँ पर देख ये दोनों स्पीसी सबस्ट्रेट में से निकली है अब आपको बताना है कि इसमें से तगड़ा लिविंग ग्रुप कौन सा है ओ एच माइनस है या पानी है मैंने तेरे को बताया था कोई भी स्पीसी क्या बनना चाहती है न्यूट्रल बता अरे इसमें थोड़ी ना पोला देखते हैं। वो न्यूक्लियोफ्लिसिटी में देते टाइम देखते हैं तो निकल चुका है इसमें नहीं देखते ये तो निकल चुका है हा वेरी गुड अब हुई ना बात कोई भी स्पीसी क्या बनना चाहती है बेटा न्यूट्रल बनना चाहती है तो ये निकलने के बाद स्टेबल फील कर रहा है न्यूट्रल है ये निकलने के बाद दर्द भरा फील कर रहा है क्योंकि ये चार्ज है वेरी गुड अब अब ना ना बात अब आया ना देख और कैसे होते हैं देखो और कैसे होते हैं आपके जो लिविंग ग्रुप होते हैं देखना ध्यान से ये न्यूक्लियो जब ये यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर यह बनेगा और यहां से जो स्पीसी निकलेगी वो निकलेगी एन और एन जो है वो दुनिया की सबसे तगड़े लिविंग ग्रुप है वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप क्योंकि जब यहाँ से एन निकलती है तो लगभग नौ किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है खैर उससे हमें मतलब नहीं है लेकिन एन गैस इज़ वेरी स्टेबल इतनी ज़्यादा स्टेबल है ना तो वो किसी से रिएक्ट करती है ना किसी को रिएक्ट करने देती है मतलब वो एनवायरमेंट में 78 परसेंट मौजूद है नाइट्रोजन कह रही है कि ना हम तुम्हें परेशान करेंगे ना हमें तुम परेशान करो अब क्या है कि जैसे इतनी ज़्यादा मौजूद है कि हम हमारी गाड़ियों के टायरों में उसको डलवा के घूम रहे हैं तो नाइट्रोजन चेक रही है आ बड़बक हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं ना तुम्हारे किसी चीज से रिएक्ट कर रहे हैं हमें टायर में डाल दिए हो तेज तेज घुमा रहे हो चक्कर आ रहा है वे क्या कर रहे हो कोई तेज चला रहा है एकदम से ब्रेक लगा देता है झटका लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों किए हो हमने क्या किया है स्टेबल है हम तो समझ रहे हो तो ये नाइट्रोजन गैस है आपकी क्लियर है और देखो और कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं और कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन आपने H से से करा दी आपको इस बात कोई लेना देना नहीं है कि रिएक्शन कैसे हो रही है आप तो बस ये देखो जो निकल रहा है वो क्या है आप यहां देखोगे इसकेट के, के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा यहां पर तीन हाइड्रोजन है यहां पर भी तीन हाइड्रोजन है यहां पर भी तीन हाइड्रोजन है मतलब टोटल मिला के यहां पर बेटा नाइन अल्फा हाइड्रोजन है और नाइन अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटाइन एक्सेप्शनली स्टेबल होता है है ना एक्सेप्शनली <coughs> स्टेबल होता है बेटा एक्सेप्शनली थोड़ा सा स्टेबल होता है बात समझ हो मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है स्टेबल कंपाउंड हो सकता है गैस हो सकती है आयन ये आयन थे ये गैस थी ये कंपाउंड था तो आयन भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो सकती है गैस भी हो सकती है और कैसे हो सकते हैं लिविंग ग्रुप और कैसे कैसे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं वो देखिए आप यहां बेंजीन यहां एस डबल ओ डबलओ माइनस ठीक है देखते रहना बेटा तो कर रहा हूं कॉपी पैसठ कॉपी और ये पैसठ यहां पर मैं लिख रहा हूं मिथाइल यहां पे ब्रोमो यहां पर एनोटू ये है ए ये है बी ये है सी आपको बताना है इनमें से कौन तगड़ा लिविंग ग्रुप है आपको खुद को करना है जय जियोसी करके जय जय इसका नाम है ओ टी एस इसको ओ टी एस बोलते हैं इसको ओ बी एस बोलते हैं इसको ओ एन एस बोलते हैं इसका नाम होता है टोसाइलेट आयन बेटा क्या होता है ये टोसाइलेट आयन इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट आयन और इसको क्या बोलते हैं नोसाइलेट आयन इसका नाम है नोसाइलेट आयन आपको कंपेयर करना है एबीसी में बेटा एबीसी में कंपेयर करना है एनोटू जो है ना देखो यहां तक की कहानी तो तीनों में सेम है है ना तीनों के तीनों चीजें सेम ही लिखी हुई बस ये एनोटू जो है यहां पर माइनस एम शो कर रहा है बी आर जो है वो यहाँ पे माइनस आई और सी एस है वो यहाँ पे प्लस एच या प्लस आई भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज है कोई भी स्पीसी क्या होना चाहती है न्यूट्रल इससे हमें इलेक्ट्रॉन खींचने हैं माइनस एम है, माइनस आई वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं प्लस एच प्लस आई वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन को और बढ़ा रहा है वो और चिड़चिड़ा हो रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सी वाला फिर आपका कौन है बी वाला फिर आपका ए वाला माइनस एन से सबसे ज्यादा खींचेगा फिर माइनस आई से फिर ठीक है ना ना ये फिफ्थ वाला है और कैसे कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे सी एफ एफ यहां पर एस डबल बोन्ड ओ डबल बोन्ड ओ ओ माइनस इसको बोलते हैं ओ टी एफ ओ टी एफ मतलब ट्रिफलेट आयन इसका नाम क्या है ट्रिफलेट आयन और इसको हम ऐसे बोल देते हैं सुपर लिविंग ग्रुप ताकि आपको ऐसे ध्यान रह जाए कि ये भी बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप है इसको सुपर लिविंग ग्रुप बोल देते हैं बेटा ये एन आई भी अच्छा खासा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है बढ़िया से तो ये सुपर लिविंग ग्रुप है हम तो कंपेरिजन करा रहे हैं दीज आर लिविंग ग्रुप्स तो सर आपने तो सारे तगड़े तगड़े लिविंग ग्रुप बता दिए तो बेकार कौन से हैं पुअर कौन से हैं बात समझ लो ये तो सब तगड़े तगड़े हैं तो सर पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं वो भी तो बताओ वो भी तो बताओ जरा बता रहा हूँ ना पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं जैसे एफ फ्लोरिन हो सकता है आपका जैसे आपका एन एम थ्री प्लस हो सकता है जैसे आपका एस ई टी टू प्लस हो सकता है जैसे आपका सी एन हो सकता है जैसे आपका ओ एच हो सकता है जैसे आपका ओ आर हो सकता है एक्सेट्रा ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है ये निकलना ही नहीं चाहते हैं ये सब कैसे हैं ढीठ हैं ढीठ लिविंग ग्रुप हैं ये सब है? है, निकलना ही नहीं चाहते हैं दे ऑल आर पुअर लिविंग ग्रुप दे ऑल आर लिविंग अरे यार ये लैग का क्या इशू है यार तोड़ देते हो यार तुम लोग यार फ्लो टूट जाता है बेटा ऐसे मजा नहीं आता फिर पूरा फ्लो टूट जाता है ऐसे क्या ले क्या ले गए यहाँ पे जबरदस्ती यारैग उड़ा है यार करवाओ यार ये सुपर लिविंग ग्रुप है इसको ट्रिपलेट आयन बोलते हैं ठीक है और ये सारे पुअर लिविंग ग्रुप है बेटा प्लस टू प्लस सी एन, ओ, एच, ओ, और, ये सब कैसे हैं पुअर लिविंग ग्रुप यानी कि ढीट लिविंग ग्रुप निकलना ही नहीं चाहते हैं निकलना ही नहीं चाहते हैं ये आपके लिविंग ग्रुप की कहानी हो गई है ना होपफुली आप समझ गए होंगे अब अपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से फिनिश हो गई है का क्या प्रॉब्लम है चल रहा है टाइम कर रहे हैं कैम कर रहे हैं ना मतलब ठीक है मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे कोई बात नहीं देखो बेटा मेरी बात सुनो आ, आ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से है ना प्लीज़ मैं आई एम ए टीचर आई एम नोट अ रोस्टिंग पर्सन मैं कोई रोस्ट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे उसके लिए अपन अलग से बात कर लेंगे अगर आपको रोस्ट होना हो तो वो भी मैं कर लेता हूँ लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है वो सब करने का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आप सपेमर्स हैं प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए उनके भविष्य का सवाल है अगर वो डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारे आप लोगों के लिए आप जैसे सपेमर्स का ही वो इलाज करेंगे क्योंकि आप तो सुधरने वाले हो नहीं आप तो सपे हो आप तो सपे ही रहोगे जीवन भर तो आपकी तो हरकतें ऐसी रहेंगी तो आपको बार बार रोस्ट किया जाएगा आप परेशान हो जाओगे आप तकलीफ़ में आओगे तो जब हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो वो आपका इलाज करेंगे ठीक है सफ़ेमर भैया आपकी जलेगी आपकी जलाएंगे अभी देखना हमारे बच्चे यहाँ पे आपकी जलाएंगे भयंकर तरीके से अभी देखना यहाँ पे बच्चे है ना आग लगाएंगे आग तो आपकी जलेगी अब आपकी जलेगी तो आप कहाँ जाओगे एम्बुलेंस में जाओगे हॉस्पिटल में जाओगे है ना तो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका इलाज कर देंगे तो इनको पढ़ने दो ठीक है सपे मर ए सफे मर ठीक है ठीक है सफ़े मर हाँ वेरी गुड वेरी गुड अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन मेरे भाई अब हमारे पास रिएक्शन पढ़ने का टाइम आ चुका है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से फिनिश हो गई है माहौल बन चुका है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आपके दिमाग में सेट होगी होगी कि क्या होता है लिविंग ग्रुप क्या होता है सबस्टेट क्या होता है रिएजेंट क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है कुछ पीवाई भी अपन ने देख लिए हैं लगातार हम लोग देखते ही रहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पहले मैं हेलो हेलो एल्केन एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा शो करता है। एक होती है एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ लिया लेकिन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा डोंट वरी दोबारा पढ़ा दूंगा आपको टेंशन नहीं लेनी है थोड़ा हो जाएगा मतलब है ना मैं पढ़ाऊंगा आप टेंशन मत लेना तीसरी है रिएक्शन विद मेटल ठीक है ना ये तीन रिएक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एस एन वन एस एन टू अगर हमें समय मिलेगा हमारी इच्छा होगी तो हम एस एन एन जी पी भी पढ़ लेंगे एस एन वन रिएक्शन एस एन टू रिएक्शन और एस एन एन जी पी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ई वन ई टू और ई वन सी बी ये तीन तरह की रिएक्शन हम देखेंगे हेलो एल्केन्स की ठीक है फिर हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल इसमें हम पढ़ेंगे एक रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल में और दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनाड ग्रिगनाड का फॉर्मेशन करेंगे बेटा ये दो रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन से चलिए मचा देते हैं फटाफट से फटाफट से न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन आइए दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इसको शॉर्ट में एस एन से डिनोट करते हैं एस का मतलब सब्सटीट्यूशन एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ये जो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्टीट्यूशन रिएक्शन है मेनली दो प्रकार की हमें देखनी है एक एस एन वन और एक देखनी है एस एन टू एस एन वन वन का मतलब क्या है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइए दोस्त माहौल बनाते हैं एक नंबर तगड़ा माहौल बनेगा अगर ये दो रिएक्शन समझ में आ गई ना तेरे को आज का काम हो गया ये ध्यान रख लियो। अगर तेरे को एस एन वन एस एन टू तेरे रगो में बस गई ना तेरे खून में एस एन वन एस एन टू दौड़ गई ना तेरा काम हो गया हेलो हेलो हेलोल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी पीवाई क्यू कराऊंगा इसके साथ साथ जब देख ना तू मजाक ना कर रहा

गलत नहीं है लेकिन उसने मतलब उसको वैसे ही देना पड़ता है मैथ ऑफ प्रिपरेशन फिर केमिकल प्रॉपर्टी अच्छा नहीं लगता ना किताब में एक सिक्वेंस अच्छी नहीं लगती फिर वो है ना टू का मतलब क्या है टू का मतलब है बाई मोलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ये दो प्रकार के रिएक्शन है अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं फिर अपन एस एन वन को एकदम चौड़ में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे इसकी रेट के सवाल करेंगे फिर एस एन टू को चौड़ में पढ़ेंगे फिल्म पूरा मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे सब कुछ ठीक है ना <coughs> आपके पास क्या है यहां पर आपके पास अल्काइल हेलाइड है और इस अल्काइल हेलाइट की रिएक्शन आपको किससे करानी होती है दोस्त किसी न्यूक्लियोफाइल से करानी होती है अब यहां पर आपको लेना पड़ता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां सॉल्वेंट का गेम चलता है आपको एस एन वन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहां से यह कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटता है और यहां बनता है आपका कार्बोगेटाइन और कार्बोगेटाइन बनता है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वो रीअरेंजमेंट भी करता है कार्बोगेटाइन जब भी बनेगा रीअरेंजमेंट भी करेगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट वो कार्बोगेटाइन घूम घुमा के आएगा रीअरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद जाके ये न्यूक्लियोफाइल जो है उस कार्बोगेटाइन पे अटैक करेगा और यहां से क्या बन जाएगा बेटा आर एन यू बन जाएगा कहने का मतलब क्या है कि इस एक्स की जगह पर यह न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हुआ है पहले कैटायन बना है फिर हुआ है और ये यूनिमोलिकुलर तरीके से हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ है बायोमोलिक्युलर में देखो यहां दो स्टेप की रिएक्शन है बीच में कार्बोकेटायन बना था बायोमोलिकुलर में क्या होगा यहां पे आपका अल्काइल हेलाइट रहेगा और उसकी रिएक्शन आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ करानी पड़ेगी लेकिन यहाँ आप सॉल्वेंट लोगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां कोई इंटरमीडिएट कार्बोकोटाइन नहीं बनता यहाँ सीधे क्या लग जाएगा ये आर एन यू लग जाएगा मतलब इस एक्स की जगह पर क्या लग जाता है ये न्यूक्लियोफाइल लग जाता है ठीक है ना यहाँ दो स्टेप की यहाँ एक स्टेप की है यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकोटाइन बनता है यहाँ कोई इंटरमीडिएट जैसा कुछ नहीं बनता ये एक जनरल आइडिया दिया है मैंने आपको एस एन वन और एस एन टू का ये दो रिएक्शन हमें चौड़ में पढ़नी है आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम एस एन वन जैसे आपने ये इस तरह का बिल्ली और बिलाव वाला भी खेल देखा होगा एस एन वन एस एन टू का दिखाता हूं मैं आपको बहुत पुराना डायग्राम है, है ना आप यहाँ पे देखो ये जो बिल्ली है ये ये जो ये जो है ना ये बिलाव ये सपेमर है ये सपेमर है ये बेचारा आराम से सो रहा है मजे कर रहा है सपेमर क्या कर रहा है सपेमर देख रहो जबरदस्ती एक सोते हुए को परेशान कर रहा है ये इसको देखता जा रहा है म्याओ म्याओ करने लगा और ये यहां से बेचारा उठ के चला गया इसने पहले जगह खाली करी है इसने जगह खाली कर दी और उस जगह पे आके सपेमर हो गया और बेचारा वो देखता रह गया कि मेरी जगह पे सो गया मतलब पहले यहां से ये यह हटा है पहले यहां से यह हटा है फिर ये हुआ है तो इस तरह की रिएक्शन होती है एस एन वन रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन यहाँ पे पहले जगह खाली हुई है अब यहाँ पे देखो ये सपे मर तो और खतरनाक है ये सपे मर तो फिर भी बस म्याओ ही कर रहा था ये सफे मर तो और खतरनाक है एक सोती हुई बिल्ली को सफे मर ने पीछे से हमला मारा हिप ऐसे करके सपे मर ने जबरदस्ती उसकी जगह हड़प ली बेचारी बिल्ली बाहर निकल रही है सफे मर के डर से ये सपे मर ने पीछे से अटैक किया और पीछे से अटैक करके इसको डरा धमका के बाहर फेंक दिया और खुद उसकी जगह पे बैठ गया बेचारा ये ऐसे देखता रहा सपे मर बेकार सपे मर तो ये है एसेंटू रिएक्शन जिसमें जगह खाली नहीं होती पीछे से अटैक होता है जगह खाली नहीं होती पीछे से अटैक होता है इस तरह से है ना जगह खाली नहीं होती यहां पहले जगह खाली हुई है फिर सपेमर बैठा है यहां सपेमर आक्रमक है आक्रमण करके बैठ रहा है पीछे से ठीक है अब हम पहले पढ़ेंगे एस एन वन रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन देख रहे हैं अब प्लीज फोकस होकर पढ़ना बेटा अगर अभी एस एन वन और एस एन टू आ गई तो पूरा लेक्चर झमाझम मस्त तरीके से चलेगा नहीं आए तो फिर तकलीफ आ जाएगी अगर आप फोकस होकर सुनोगे तो मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना और अगर आप फोकस होकर नहीं सुनोगे तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा आपकी ठीक है ना एस एन वन वन का मतलब यूनिमोलिकुलर एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एस का मतलब सब्सटीट्यूशन और रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आइए दोस्त एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ है R1, वन यहाँ है R2, टू यहाँ है R3 और यहाँ है हेलोजन ये आपकी रिएक्शन है ये आपका हेलो एल्केन है अल्काइल हेलाइट और इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है दोस्त इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ और आपको यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और जो आपका प्रोडक्ट यहां पे बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्त वो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये ध्यान से देखना आप क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके वो बता रहा हूं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो बता रहा हूं आप यहां आपका प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे आपके देखना यहां पर जिस जगह पर एक्स है उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल लग जाए जिस तरफ एक्स है उसके अपोजिट तरफ न्यूक्लियोफाइल लग जाए ये दो प्रकार के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिस तरफ तरफ आपका है है अगर उसी न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो इस तरह के प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन क्या बोलते हैं बेटा रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं जिस तरफ हेलोजन लगा है उसके अपोजिट में आपका न्यूक्लियोफाइल लगे तो उसको बोलते हैं बेटा इनवर्जन प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इनवर्जन प्रोडक्ट कहते हैं और इन दोनों के बनने की संभावना एग्जैक्टली सेम है बराबर बराबर है मतलब ये भी पचास टका बनता है और ये भी पचास टका बनता है और अगर ये दोनों पचास टका पचास टका बन रहे हैं और यहाँ काइरल सेंटर है तो ये दोनों मिला के माल क्या कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर माल कहलाता है दोनों का माल मिला के क्या कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर माल कहलाता है अगर काइरल सेंटर पर यह घटना घट रही है तो क्यों? क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज है ये दोनों मिरर इमेज बराबर बराबर मिरर इमेज मिक्सर होता है ठीक <coughs> है? अब ये घटना कैसे घट रही है उसकी बात करते हैं यानी कि अब बात करते हैं मैकेनिज्म की उस मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा कि पोला प्रोटिक की जरूरत क्यों पड़ी कौन से अल्काइल हल्काइट ये जल्दी रिएक्शन देंगे ये यूनिमोलिकुलर कैसे है कितनी स्टेप की रिएक्शन है क्या इंटरमीडिएट बनेगा स्लो स्टेप क्या होगी रेट किस बात पे डिपेंड करेगी और आपका जो लिविंग ग्रुप है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्वेंट ये क्यों लेना पड़ा क्यों ये दोनों चीजें बनी वो सब कुछ उसी से एक्सप्लेन होगा और आपके मन में अगर ये विचार आ रहा हो क्या सर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है हाँ है जी है मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर इसलिए फोकस होकर सुनना आइए सब कुछ उसी पे निर्भर करेगा बेटा ये हमारे पास R1 R2 R3 थ्री वाला कंपाउंड है यहां पे अपन ने ले लिया इसको अब हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है पानी है पानी ये पानी है मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बोन्ड कार्बन हेलोजन बोन्ड का नेचर बताया था यह है आपका कार्बन यह हेलोजन और आपको पता है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहां पर डेल्टा प्लस होगा और यहां पर डेल्टा माइनस होगा इस प्रकार से अब हमें क्या करना है हमें इस बोन्ड को तोड़ना है और यह बोन्ड अपने आप तो टूट नहीं सकता क्योंकि अगर अपने आप टूट जाता तो बनता ही क्यों बात तो सोटा का कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा मैं इस बोन को तोड़ना चाहता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे ही तोड़ दूंगा क्या ये अपने आप टूट जाएगा अगर अपने आप टूट सकता होता तो बनता ही क्यों भाई अपने आप तो टूट नहीं सकता है आप इसको ऐसे समझना आप इसको समझना थोड़ी देर के लिए ये भाभी जी हैं और ये भैया हैं ये भाभी जी हैं और ये भैया हैं और भाभी जी और भैया में थोड़ा मन मुटाव चल रहा है और भाभी जी और भैया जो है वो सेपरेट होना चाहते हैं अब अगर सेपरेट होना चाहते हैं तो एकदम से तो नहीं हो जाएंगे बाहर से कोई होगा वो उनको भिड़ाएगा थोड़ा उनके जीवन में और तनाव पैदा करेगा तब जाके ही वो अलग हो पाएंगे अपने आप तो नहीं हो पाएंगे तो ये भाभी जी जो है वो भैया को मतलब नहीं मतलब कि हटो जीवन से वैसी हो गई है बिल्कुल तो ये क्या करती है पानी नाम के गुंडों को हायर कर लेती है ये जो ये जो ये जो भाभी जी है ना ये पानी नाम के गुंडों को हायर कर लेती है तो पानी नाम के गुंडे क्या करते हैं ये जो हेलोजन है ना इसके चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं इस तरह से भैया को चारों तरफ से घेर लेते हैं हेलोजन को यहां पे ये लोन पेयर है और ये माइनस है और आप ये जानते हो कि ये डेल्टा प्लस कबड्डी कबड्डी वाला गेम जानते हो ना कबड्डी 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 बेवकूफ नहीं हूं मैं हर चीज में मेरा लॉजिक है कबड्डी याद आ गया वहां से कनेक्टेड है डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस ये पानी नाम के गुंडे जो है ये भैया को अपनी साथ अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से कि भैया आ जाओ अब आप हो गया आपका खेल हमें भाभी जी ने पैसा दिया है अगवा कर लिया इनको इस तरह से सभी तरफ से अट्रैक्ट कर लिया भैया को ये पानी नाम के गुंडे इस एक्स को अपनी और अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी और अट्रैक्ट कर रहे हैं एक अभी कर रहे हैं अभी कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये पूरी तरह से इस हेलोजन को अपने अंदर संभालेंगे तब एक आवाज आएगी पता है कौन सी कौन सी? तब ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा करके एक आवाज आएगी करके से बॉन्ड टूट जाएगा और टूटेगा तो ये एक्स माइनस के फॉर्म में बन जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ये खेच रहे हैं खेच रहे हैं खेच रहे हैं एक ऐसी आएगी टक करके ये टूट जाएगा और क्या बनेगा वो देखिएगा आप यहां सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि ये भाभी जी हो गई फिरी यहां पे आ जाएगा प्लस यहां है आपका आर वन यहां है आपका आर टू यहां है आपका आर थ्री और भैया जो है वो एक्स माइनस साइड में हो गए भैया जो है साइड में हो गए और मैं बेवकूफ नहीं हूं मेरे दोस्त मेरी बात सुनना ये बॉन्ड हमने किससे तोड़ा प्रोटिक तोड़ा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने क्यों तोड़ दिया क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट में और एनायन दोनों सोल्यूबल होते हैं तो सॉल्युबिलिटी के नाम पे जो एनर्जी निकलेगी वो इतनी रही होगी जितनी इस बॉन्ड की एनर्जी रही होगी तभी तो टूटा होगा अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा भाई समझ रहे हो मतलब ये भी घुल रहा है और ये भी घुल रहा है और ये दोनों घुल रहे हैं उस घुलने के नाम पे जो एनर्जी निकली होगी वो इतनी रही होगी तब जाके बॉन्ड एनर्जी के बराबर रही होगी तब जाके बॉन्ड टूटा होगा इसलिए यहां पे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है बोल मजा आया स्वाद आया कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की जरूरत क्यों पड़ी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्टोली पढ़ो कॉन्सेप्टोली क्यों पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी वेरी गुड यहाँ तक की बात क्लियर है अब क्या देखो भैया अब जो है भाभी जी बिल्कुल मतलब कि भैया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हम तो बन गए हैं प्लस और भैया जो है वो उदास से साइड में बैठे हुए हैं अब तो सब बिखर ही चुका है सब कुछ टूट चुका है क्या ही होगा <coughs> 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 कुछ हो नहीं सक रहा है अच्छा अब यहाँ पे बातें करते हैं यहाँ पे बातें करते हैं सुनिएगा सुनना एक्चुअल में क्या है एक्चुअल में क्या है ये बॉन्ड कब जल्दी टूटता जितना ज्यादा स्टेबल ये कैटन बनता मतलब जितनी जल्दी वो भावी जी मतलब कि अरे नहीं नहीं मेरे को तो भैया मैं तो मस्त केटैन बनने वाली हूं मेरे को तो फ्री करो जितना ज्यादा स्टेबल ये कैटन बनता उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटता कि नहीं टूटता टूटता और कैटैन कब बढ़िया बनता थ्री डिग्री ग्रेटर देन टू डिग्री ग्रेटर देन वन डिग्री इसमें किसी को कोई दर्द दिक्कत परेशानी तो नहीं है और तो थ्री डिग्री होता तो तुरंत बनता टू डिग्री होता तो थोड़ा धीरे और वन डिग्री में बहुत मुश्किल से बनता मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि बॉन्ड कब जल्दी टूटता जब बनने वाला केटेन स्टेबल फील करता टका बात है पता है ये स्टेप जो है ना ये स्टेप आपकी स्लो स्टेप है ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसके आगे तो मैंने अभी कुछ लिखा भी नहीं ये स्लो स्टेप क्यों है क्योंकि आपने एक ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी से आप देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ सबको ऑक्टेट कंप्लीट है एवरीबडी का ऑक्टेट कंप्लीट है एक ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी से एक दो तीन चार छः एक ऑक्टेट आपने बनाई है एक ऑक्टेट कंप्लीट से एक इनकम्प्लीट स्पीसी बनाई है तो ये क्या है स्लो स्टेप है थोड़ा सा तो मतलब भैया भाभी को अलग कर थोड़ा सा तो स्लो ही होगा प्रोसेस लेकिन उस स्लो में भी ये कब फास्ट हो सकता है जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है छोटा का बात है तो भाई साहब ये पहली स्टेप स्लो है इसमें कोई दर्द नहीं है जिसमें आपका कार्बोगटाइन बना है जितना बेहतरीन कार्बोगटाइन बनेगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी अब दूसरी कहानी सुनो अगर मान लो आपके पास ये अल्काइल ग्रुप फिक्स हो जाए और ये एक्स बदलता रहे आप बात को अल्काइल ग्रुप फिक्स हो जाए और एक्स बदलता रहे मतलब आपके पास सिचुएशन बन जाए आर RCL, RBR और RI. अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम आ जाए तो फिर ये जो निकल रहे हैं ना ये कितना स्टेबल फील कर रहे हैं? ये कितना ज्यादा दर्द में थे उनके साथ रह के उस डिपेंड करता है ये जितना निकलने के बाद खुश फील करेंगे ना अरे कि जान छूटी भाई साहब उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगी और ये कब स्टेबल फील करेंगे एक छोटा किचन और एक बड़ा होल कॉन्सेप्ट है भाई वो छोटा किचन और बड़ा होल किचन में माइनस अनस्टेबल हॉल में माइनस स्टेबल कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा आर आई वाला आई माइनस ज्यादा स्टेबल है एफ माइनस कम स्टेबल है तो जब अल्काइल ग्रुप सेम होगा तो फिर इस हेलोजन पे डिपेंडेंसी आएगी ये जितनी जल्दी लीव करेगा ये जल्दी लीव कब करेगा जब स्टेबल फील करेगा तो आई बी आर सी एल एफ में कौन जल्दी लीव करेगा ये बात बेटा रोनी शाबाश ये बात महक वेरी गुड मनल आदर्श शाबाश यह बात आया ना आया ना आया ना। निकलने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल फील करेगा उतनी ज्यादा आपकी ये रिएक्शन फटाफट होगी अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो जाएगा तो किस पर डिपेंड कर रही है लिविंग ग्रुप पर डिपेंड कर रही है लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा यहां पर जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी मजा आ गया भाई साहब दो तो बातें चल गई हमें यह पता चल गया पोला प्रोटिक सोलवेंट क्यों चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें पता चल गया स्लो स्टेप क्यों है क्योंकि ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट से बनी है हमें पता चल गया ये काम कब जल्दी हो सकता है जितना ज्यादा स्टेबल के बनेगा उतनी जल्दी हो सकता है हमें यह पता चल गया कि अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो सारा खेल इस हेलोजन पर डिपेंड करेगा जितना ज्यादा तगड़ा यह लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी ये बाहर निकलेगा इतनी बातें हमें पता चल चुकी है अब बात करते हैं रेट की जब भी आप रेट लो लिखते हो तो आप किससे लिखते हो स्लो स्टेप से लिखते हो दिस इज योर स्लो स्टेप अब स्लो स्टेप में आपको कितने लोग दिख रहे हैं एक तो आपको ये अलका दिख रहा है और एक पानी दिख रहा है तो आप पता है क्या बोलोगे? सर, जो रेट है सर वो रेट जो है अल्काइल अलकाइट पे डिपेंड करेगी और सर ये पानी पे लेकिन बेटा आपने एक चीज सुनी होगी कि आपका जो अधिक मात्रा में होता है जो सॉल्वेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम वन मान लेते हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है अल्काइल हेलाइट पे पानी तो बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वन मान लिया तो यहां सिर्फ अल्काइल हेलाइट पे डिपेंडेंसी आ रही है तो इसका कॉफिशेंट वन है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया वन आ गया इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना वन आ गया वन आ गया ऑर्डर कैसे निकालते हैं ऑर्डर निकालते हैं रेट लो से ये रेट लो लिखा उससे ऑर्डर निकल के आया है अब बात आती है मोलिकुलरिटी की वॉट इज मॉलिकुलरिटी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑर्डर रेट लो से निकालते हैं मोलिकुलरिटी क्या होता है वो सुनिएगा स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सॉल्वेंट को भूल जाओ सॉल्वेंट इज नॉट काउंटेड एज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल या तो रिएक्टेंट और reagent, ये यही काउंटेबल होते हैं मोलिकुलरिटी के अंदर हमने कितने मॉलिक्यूल लिए रिएजेंट क्या यहां पे पिक्चर में अभी तक उस न्यूक्लियोफाइल को कहीं देखा आपने इतनी स्टेप में आपने उस न्यूक्लियोफाइल को कहीं ऑब्जर्व किया है आप बोलोगे कि नहीं किया कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उन दोनों में से केवल ये मतलब आपका अल्काइल हेलाइट पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी इसकी मोलिकुलरिटी वन दैट्स वाई दिस इज यूनिमोलिकुलर दैट्स वाई दिस इज यूनि मोलिकुलर मैन समझा गया बन गया क्या प्रो दैट्स वाई दिस इज यूनि मोलिकुलर क्योंकि स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए यूनि मॉलिक्यूलर है समझ गया? हमें यह पता चल गया कि पोलाप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया है हमें पता चल गया कि स्टेबल केटायन बनेगा रेट बढ़ेगी हमें पता चल गया अल्काइल ग्रुप सेम है तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा ऑर्डर वन है मोलिकुलरिटी वन है स्लो स्टेप ये वाली है क्योंकि ऑक्टेट से इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रही है हमारा क्या बन रहा है कार्बो केटायन बन रहा है सर हमारा क्या बन रहा है कार्बोगेटैन और अगर कार्बोगेटैन बनता है तो रीअरेंजमेंट तो होगा ना अगर हो सकता होगा तो मतलब अगर स्टेबल उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है एक्चुअल में क्या है जब भाभी जो है भैया से अलग हुई तो थोड़ा क्या है थोड़ा सा अब क्या है कि अलग हो गई है तो इंडिविजुअल हो गई है तो थोड़ा सा एकदम मेकअप वेकअप करना पड़ेगा तभी तो जीवन में कोई और आ पाएगा ना ऐसे थोड़ी ना तो अपने को मस्त मेकअप वेकअप पूरा रीअरेंजमेंट एकदम वापिस से समझ पूरा वैसे करके अपने आप को बिल्कुल क्लियर है तो रीअरेंज वीअरेंज कर लिया मतलब अगर ठीक है अगर बढ़िया है तो ठीक है वरना अपने आप को पूरा रीअरेंज वगैरह करके और फिर हाँ अब अब मैं ठीक हूँ अब मैं ठीक हूँ समझ रहे और ये केटायन है और कार्बो केटायन का मतलब क्या होता है वैकेंट पी और ये आपको पता होगा कि कार्बो केटायन का मतलब क्या होता है वैकेंट पी और बाइटल अब ये तो हो गए अलग अब इनके जीवन में आ रहे हैं हमारे न्यूक्लियो इनको इनसे कोई मतलब नहीं है यह प्रोसेस स्लो था इसके बाद इन्होंने अपने आप को रीअरेंज वगैरह कर लिया और मतलब ठीक है मतलब है ना अब ये न्यूक्लियो इनके जीवन में आ रहे हैं और यह न्यूक्लियो पता है इधर से भी आ सकते हैं और ये न्यूक्लियो इधर से भी आ सकते हैं अगर इधर से आए तो ये बनेगा इधर से आए तो ये बनेगा दोनों तरफ से आ सकते हैं जीवन में सब जगह खाली खाली है पहले दिक्कत थी पहले यहां भैया थे तो इधर से नहीं आ सकते थे अब तो दोनों तरफ से आ सकते कोई दर्द ही नहीं है ये तो इसलिए यहां दो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्चुअल में केटाइन एक कैसा दिखता है वो बताता हूँ आपको गेम समझना ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना ये कार्बोकेटाइन वो दिखता कैसा है वो बता रहा हूं आपको ये रहा आर वन ये रहा आर टू और ये रहा आर थ्री ठीक है ना आर वन आर टू आर थ्री यार ये मत करे यार कि क्लास कब तक चलेगा मैं क्या यहां पे खेल थोड़ी ना खेल रहा हूं है? क्या चल रहा है यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या आपके साथ लूडो खेल रहा हूं ताश के पत्ते खेल रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा मतलब जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक, तक चलेगा अब उसमें क्या पता आज की रात हो जाए कल की रात हो जाए मुझे भी नहीं पता आई डोंट नो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर न प्रिडिक्ट द्यूचर देन आई विल बी समिंग एल्स ये है मेरे दोस्त R1, R2, R3 और ये है आपका कार्बोगेटाइन जो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से देखो आप एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से ये आपका R1, R2, R3 और इस तरह से ये कार्बोगेटाइन है अब ये जो कार्बोगेटाइन है ना इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है इसमें इधर से भी आ सकता है अगर मैं इसको ऐसे रख लू ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है अगर आने के बाद समझना आने के बाद सेंटर बनता है आने के बाद, फिर से सेंटर बनता है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और दोनों तरफ से आने के चांस एकदम बराबर बराबर हैं, फिफ्टी फिफ्टी है रेसिमिक मिक्सचर बनेगा अब यहीं पे मैं अपनी बात से पलट रहा हूं क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं अपनी बात से पलटने का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया था सुनना ध्यान से प्रीवियस ईयर में इसी बात पे क्वेश्चन आ गया था बात कर सर एक्चुअल में ये प्लस और माइनस जब टूट रहे होते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन होती है सुनना बहुत ध्यान से मेरे दोस्त ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये असर्शन रीजन ये स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करेक्ट इन करेक्ट वाले सवालों में पूछा जा रहा है आजकल के papers में आजकल के exams में तो प्लीज थोड़ा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं हालांकि पढ़ा हम बहुत टाइम से रहे हैं इसको लेकिन अब क्या है कि उनके समझ में आने लगी है कि ये भी पूछना चाहिए भाई जब ये बोन टूटेगा तो एकदम से ऐसा थोड़ी ना कि प्लस बन गया माइनस बन गया और दूर हो गए <laughs> एक मोमेंट तो ऐसा होगा एक मोमेंट ऐसा होगा जब ये प्लस और माइनस जस्ट बने होंगे अब भी अब भी एक सिचुएशन एक मोमेंट है जब ये प्लस और माइनस जस्ट बने हैं, इसी के अगले ही पल में ये सेपरेट होने वाले होंगे लेकिन अभी मोमेंट है मोमेंट है अभी बिल्कुल चिपके हुए लास्ट मोमेंट लास्ट पल जब ये साथ में है इसके जस्ट बाद ये सेपरेट होने वाले हैं। एक मतलब बन चुके हैं और चिपके हुए हैं चिपके हुए हैं इसका मतलब ये क्या है इंटीमेट आयन पेयर या इसको बोलते हैं टाइट आयन पेयर ये पूरी तरह से प्लस बन चुका है ये पूरी तरह से माइनस बन चुका है और जैसे ये प्लस बन चुका है उस न्यूक्लियोफाइल को बस इसी चीज का इंतजार था कि भाई तुम प्लस तो बनो मैं आ रहा हूं लेकिन ये माइनस यानी कि भैया अभी यहीं पे मौजूद है तो क्या ये भैया इधर से इसको आने देंगे वो बोलेंगे भैया मेरे पास यहाँ लोन पेयर है और लोन पेयर और ये भी नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस साइड से तो वो डर के मारे नहीं आएगा भैया के भैया के डर के मारे इस साइड से तो नहीं आ पाएगा वो इधर से तो नहीं आ पाएगा क्योंकि भैया इधर रिपल्सन लगा देंगे तो वो किधर से आएगा वो इधर से पहले से ही आना स्टार्ट कर देगा क्योंकि पूरा प्लस बन चुका है न्यूक्लियोफाइल तो मौका देख रहा था पूरा प्लस बन जाए मैं आना चालू करूं मतलब जिस तरफ एक्स है उसके अपोजिट में पहले से ही अटैक होना चालू हो गया मतलब पीछे वाला अटैक मतलब ये वाला प्रोडक्ट मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट शुरू से ही पहले से ही बनना चालू हो गया मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट रिटेंशन से थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है अभी मैंने क्या बोला था फिफ्टी फिफ्टी बनेगा अब मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट रिटेंशन से ज्यादा बन जाता है क्योंकि ये पहले से ही पीछे से अटैक पहले से नहीं जैसे ही प्लस बन गया ना तो पहले ही इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा फिर जैसे सेपरेट होंगे तो उधर से भी आ जाएगा वो बात की कहानी है लेकिन पहले इनवर्जन वाला हल्का स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बनता है रेसिमिक मिक्सचर बनता है साफ लेकिन अगर स्पेशली लिख के दे दे क्या ओ, मतलब है ना कि एस एनवन रिएक्शन में इनवर्जन प्रोडक्ट इज ग्रेटर जी हाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा रिटेंशन से ज्यादा बेटा अभी हाँ फोर्टी नाइन फिफ्टी वन मान लो अभी मैं ब्रेक व्रेक नहीं दूंगा अभी अबे क्या यार तुम समझदार नहीं हो गया आर यू किड पांचवी छठी क्लास के बच्चे हो क्या गहरी बात चल रही है समझ में नहीं आ रही क्या कितनी गहरी बात चल रही है अभी इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है इनके बारे में बात करनी है अभी क्लास स्टार्ट हुई है तुमको ब्रेक चाहिए भाई दो घंटे नहीं हुए हैं पूरे अद्धे यार ऐसे पढ़ोगे क्या यार एक तरफ तुम कहते हो बेसिक से पढ़ाओ और टॉप तक पढ़ाओ और एक तरफ तुम्हें ब्रेक चाहिए मास्टर लगातार बोल रहा है खड़ा हुआ है एनर्जेटिकली बोले जा रहा है वो नहीं मांग रहा ब्रेक और तुम्हें ब्रेक चाहिए अरे फ्लो बिगड़ जाता है भाई सॉरी तो ज्यादा बोल दिया ना अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं इसके पॉइंट्स लिखते हैं क्या क्या पॉइंट अपन ने कवर अप किए देखो बेटा अरे ये भावुक हो जाता हूं मैं यार मैं एक तो ईमानदारी से इतनी बढ़िया चीज बता रहा हूं तुम्हें रेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस एन वन रिएक्शन मैंने आपको ईमानदारी से इतनी तगड़ी तगड़ी चीज बताई आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो आप बोल रहे हो ब्रेक यार हद यार थोड़ा सा यार अप्रिशिएट करना सीखो बेटा आओ सबसे पहली चीज ये कितने स्टेप की रिएक्शन है मिनिमम दो स्टेप की है एक और दो मिनिमम दो स्टेप की अगर ये रीअरेंज करेगा तो दो से ज्यादा भी हो सकती है ठीक है ना तो स्टेप कितनी है दो दूसरी चीज स्लो स्टेप कौन सी है बेटा स्लो स्टेप आपकी पहली है जिसमें कार्बोगेटाइन बन रहा है तीसरी चीज यहां इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कार्बोगेटाइन अगर कार्बोगेटाइन बन रहा है दोस्तों पक्की पक्की बात है रीअरेंजमेंट भी होगा उसके बाद अगर मैं यहां बात करूं तो रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है अल्काइल हेलाइट पे डिपेंड कर रही है न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल बर्बाद दे दो बेकार दे दो उसको मतलब ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है अगली बात अगर मैं यहां पर रेट ऑफ एस एन वन की बात करूं दोस्त रेट ऑफ एस एन वन वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है पहली बात रेट ऑफ एस एन वन जो है मेरे भाई वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन मैंने फर्स्ट क्यों लिखा मैंने फर्स्ट क्यों लिखा वाई आई एम राइटिंग फर्स्ट ये जो पहला केटाइन बना है रीअरेंज भी कर सकता है ना तो आप एक तो सोचो मैं रीअरेंज कराने के बाद बेहतरीन बना दूं नहीं पहला कार्बोकेटाइन जो बना है वो मुश्किल से हुआ है भाई बच्चा पैदा होना मुश्किल है बड़ा तो हो ही जाएगा तो ये जस्ट बना है ये मुश्किलों से बना है तो पहले कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से हमें मतलब है तो रेट ऑफ एस एन वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एटाइन यानी कि अगर मैं रेट ऑफ एस एन वन को कंपेयर करूं तो थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइड में टू डिग्री से ज्यादा टू डिग्री में वन डिग्री से ज्यादा और वन डिग्री में सी एस थ्री एक्स से ज्यादा और मैं तो क्या कह रहा हूं इसमें एस एन वन होती ही नहीं है एस एन वन तीच नहीं है संजय भाई थोड़ा पीछे से देख ले यार सॉरी सृष्टि सृष्टि बेटा थोड़ा पीछे से देख लीजिए है ना थोड़ा सा पीछे से देख लीजिए जहां से केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी ना मैंने एस एन वन रिएक्शन वहां से देख लो बेटा वहां से आ जाएगी आप भले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप कर दो और वहां से देख लो आ जाएगी अभी इसी में सेकेंड पॉइंट इसी में सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम यार देख बेटा हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ कुछ लिखा क्या थोड़ी थोड़ी चीजें बस वो हेडिंग वेडिंग लिख रखी है मैंने बाकी हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि तेरे दिमाग में एंट्री मिले सीधे उसको टॉपिक को मैं चाहता तो अभी वो लिखा लिखा ले आता फिर बोल देता तेरे को अच्छा लग जाता थोड़ा सोचना यार वो चीजें क्या होती है बहुत समझदारी से पढ़नी होती है मुझे पता है कहां पे कैसे खेलना है इधर आओ यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा रेट ऑफ एस एन वन किस पे डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर जितना तगड़ा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा आपकी एस एन वन की रेट होगी और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी आपको पता है मतलब यहां सीधे लिख दू क्या रेट ऑफ एस एन वन जो है वो किसमें फास्ट होगी आर आई में आरबीआर से ज्यादा आरबीआर में आरसीएल से ज्यादा और आर एफ में होती ही नहीं है मतलब आर एफ वाला बॉन्ड एस एन वन रिएक्शन शो ही नहीं करता मैं डेंजरस हूं है मैं तो मस्त आदमी हूं यार आरएफ वाला तो सो ही नहीं करता और सुनो बेटा अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा था प्रोडक्ट बन रहा था रेसिमिक मिक्सचर लेकिन अगर मैं सही मायने में प्रोडक्ट की बात करूं सच्चाई में प्रोडक्ट कौन सा बनता है इन्वर्जन वाला थोड़ा सा रिटेंशन से ज्यादा बनता है सच बात तो ये है अगली बात देखिए बेटा अगली really इम्पोर्टेंट बात अरे नहीं मैं तो भाई बहुत हसमुख मिजाज का व्यक्ति हूं देखो आप मैं हूं यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी बेटा क्योंकि जो बॉन्ड तोड़ रहे थे उस बॉन्ड की एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी हियर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन हेलोजन बॉन्ड एज इन प्रोटिक सोलवेंट बोथ एटायन एंड एनायन आर सोल्यूबल सो बॉन्ड एनर्जी कंपनसेट तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कंपनसेट हो जाती है सोल्यूबिलिटी मतलब वो सोलवेशन एनर्जी से एक केस मतलब यहां पे क्या है जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना कभी कभी वो सोलवेंट हो जाता है है ना तो यहां सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है इसलिए इसको सॉल्वोलाइसिस भी बोलते हैं हियर इफ सॉल्वेंट एक्ट एस सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल देन दिस इज आल्सो नोन एज देन दिस इज आल्सो नोन एज सॉल्वोलाइसिस तो इसको सॉल्वोलाइसिस भी कहते हैं बेटा है ना जैसे हाइड पानी है तो हाइड्रोलाइसिस और पॉइंट अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देख बेटा कि फेवरेबल कंडीशन क्या होगी मतलब कब तेरे को लगता है कि मतलब अब तो इससे इससे तगड़ी एस वन तो हो ही नहीं सकती मतलब फेवरेट कंडीशन एस वन होने के लिए फेवरेट कंडीशन क्या है सबसे फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन फॉर एस वन कि भैया थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइड मिल जाए तो मजा आ जाए भाई साहब थ्री डिग्री कटायन ओ हो ऑसम भाई साहब मतलब देखते ही मतलब समझ रहे हो ना थ्री डिग्री कटायन बनेगा ना आह मजा आ गया थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइड मिल जाए दूसरा पोला प्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाए तीसरा जो आपका लिविंग ग्रुप है वो मॉडरेट हो या स्ट्रोंग हो मतलब उसको निकलने में परेशानी ना हो वो मतलब ठीक है हाँ तुम्हें अलग होना है ठीक है मैं जा रहा हूं वैसा मतलब आना कहानी ना करे मॉडरेट हो और स्ट्रांग हो वीक नहीं होना चाहिए पुअर नहीं होना चाहिए चौथी बात जो आपका न्यूक्लियो है वो कैसा होना चाहिए वीक होना चाहिए इस पॉइंट को मैं एसेंट में एक्सप्लेन कर पाऊंगा और प्रॉपर्ली तो आपको जब मैं एसेंट टू पढ़ाऊंगा ना तब ये और प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा न्यूक्लियो आपका वीक होना चाहिए और अगर थ्री डिग्री अल्काइल हेलट की जगह बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस स्टेबलाइज और भाई साहब क्या ही कहने मतलब कोई ऐसा केटाइन बन जाए जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो बैक बॉन्डिंग हो ठीक है ना तो मतलब बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस स्टेबलाइज केटाइन तो मजा आ जाओ भैया जीवन में खुशियां गुल जा इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑसम समझ समझ और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो इच्छा कम है लेकिन ठीक है फिर भी बता ही देता हूँ कि आपने यहाँ पे देखा जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है वो सिर्फ अल्काइल हेलाइट पे डिपेंड कर रही है तो यहाँ पे अपन तीन तरफ के तीन तरह के ग्राफ भी बना सकते हैं इसके पहला ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ एस एन वन और अल्काइल हेलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में दूसरा ग्राफ बना सकते हैं रेट ऑफ एस एन वन और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और एक ग्राफ हम बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ भी पूछ सकता है अब वो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको सुनिएगा पहली बात तो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंडेंसी आ रही है और वो कैसे आ रही है डायरेक्टली तो यहां से इस तरह से ग्राफ बन जाएगा न्यूक्लियो फाइल पर डिपेंडेंसी नहीं है स्ट्रॉन्ग लेके क्या करोगे और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो पाथ चेंज हो जाएगा एसन टू रिएक्शन हो जाएगी थोड़ा वेट कर ले भाई मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको विश्वास मानो मैं आपको साबित कर दूंगा जो बच्चे मेरे को जानते हैं प्लीज इनको बता दो कि ये साबित कर देगा थोड़ी देर में कि इस पर विश्वास कर ले न्यूक्लियोफाइल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है मतलब इस रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसा का वैसा रहेगा कांस्टेंट आपको पता है कितने स्टेप की रिएक्शन थी दो स्टेप की रिएक्शन थी दो स्टेप की रिएक्शन है और पहली स्टेप कैसी थी स्लो जिसका पीक हाई होता है ये स्टेप स्लो है यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे आपने अल्काइल हेलाइड लिया था और यहां से आपका वो आर एन यू बन गया पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप दो स्टेप की रिएक्शन है क्लियर है वेरी गुड यह पूरी एस वन की कहानी हो गई अब एस वन के अंदर अपन एक क्वेश्चन करते हैं कंपेयर रेट ऑफ एस वन रिएक्शन एस वन रिएक्शन को ही सोल्वोलाइसिस भी बोल दिया जाता है उसी को हाइड्रोलाइसिस भी बोल दिया जाता है उसी को रेसिमाइजेशन भी बोल दिया जाता है ठीक है ना आइए क्वेश्चन आप लोगों को ही है हैं योर ऑन दिमाग If available ये ए है ये बी है सी है केटायन की स्टेबिलिटी देखनी है और कुछ नहीं करना अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो उस केस में लिविंग ग्रुप से जज करना है करना आपको ये आई एम ओनली हियर टू सपोर्ट यू बाकी तो मेहनत आपकी है बेटा है ना हम तो इधर आपके लिए खड़े हैं बस दिन रात सुबह शाम जब आप बोलोगे तब ये ए है ये बी है और ये सी है ये ए है बी है ये सी है, ये है। नहीं दो यार अभी लेगा नहीं फिर ये ए है ये बी है ये सी है बताए है? कुछ नहीं करना केटैन बनाना है स्टेबिलिटी चेक करनी है बोलिए देखो भाई यहां पे आप क्या करोगे यहां केटैन बनाओगे इसको हटा के यहां पे इसको हटाके यहाँ के टैन बनाओगे यहां इसको हटाके यहाँ के टैन बनाओगे यहां देखोगे तो इसके लिए दो अल्फा हाइड्रोजन है यहां देखोगे इधर, इधर, इधर अल्फा इधर अल्फा यानी कि पांच अल्फा हाइड्रोजन है यहां देखोगे इधर अल्फा इधर अल्फा इधर अल्फा यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन है स्टेबल कार्बोगेटेन तो सीबी ऑर्डर आ जाएगा यहां देखोगे तो तीनों में केटाइन सेम बनेंगे यहां से ब्रेक करोगे तो लेकिन यहां सीएल माइनस यहां आई माइनस यहां बी आर माइनस बाकी केटन तो तीनों में यही बनेंगे तो कैटाइन से कंपेयर कर नहीं सकते तो लिविंग ग्रुप जितना तगड़ा होगा तो बी सबसे तगड़ा फिर सी फिर ए वही हॉल और किचन की कहानी वेरी गुड शाबाश वाला बताए बेटा बताए यहां से हटाओगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां के टैन यहां से हटाओगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन यहां के टैन यहां से हटाओगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां पर ये कैटायन अब आप देखो कि यहां पर ये ऑक्सीजन कैटायन है तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यहां क्या हो गया बेटा रेजोनेंस हो गया इसी को बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं लेकिन आप तो रेजोनेंस बोल लो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है लेकिन यहां पर इस लोन पेयर फिर यहां सिग्मा फिर सिग्मा पॉजिटिव यहां कोई रेजोनेंस नहीं है तो ऐसे केस में ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस केटाइन पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस केटाइन पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो ये करीब है तो ये ज्यादा माइनस आई लगाएगा ये कम माइनस आई लगाएगा और हमारे प्लस को माइनस आई पसंद नहीं होता वो तो बिखारी उससे क्या इलेक्ट्रॉन चूसने उससे क्या इलेक्ट्रॉन खींचना है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए है फिर आपका सी है फिर आपका बी है ए फिर सी फिर बी हाँ वेरी गुड बेटा शाबाश फोर्थ वाला बताए हाँ वही डी एन पी रूल फोर्थ वाले में जब आप यहां से फ्री करोगे बेटा तो यहां पाई यहां पाई यहां के टैन यहां से फ्री करोगे तो यहाँ पर आप देखिए पाई 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 यहाँ पे के टैन यहाँ से फ्री करोगे तो यहाँ पर क्या टैन अब आप यहाँ ध्यान से देखिए बेटा एक दो तीन चार ये कैसा बन गया बेटा एंटी एरोमेटिक यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः तो ये कैसा बन गया एरोमेटिक और यहाँ पर ये अल्फ़ा ये अल्फा चार अल्फ़ा हाइड्रोजन वैसे ये नॉन एरोमेटिक है ठीक है और आप जानते हो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा बी फिर उसके बाद सी सी के बाद ए तो बीसी आंसर आ जाएगा बी फिर सी फिर ए क्लियर है ये बात शावाँ 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 शावाँ। फिर आप यहां से यहां से यहां से, से करोगे तो क्या बनेगी सिचुएशन देखना जरा यहां पर पाई पाई यहां पॉजिटिव यहां पर क्या बन गया पाई और यहां पॉजिटिव यहां पर क्या बन गया यहां पर ये यह पॉजिटिव आप देखोगे ये कैसा बन गया एंटी एरोमेटिक दिस इज योर एंटी एरोमेटिक यहां पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां रेजोनेंस हो रहा है यहां अल्फा अल्फा चार अल्फा हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा स्टेबल है बी फिर सी फिर अंत में ए क्योंकि वो तो एंटी एरोमेटिक है बेटा बी सी है। वेरी गुड ये तो एंटी तो, होता है ना। तो बी फिर सी फिर अंत में ए क्लियर है वेरी गुड शाबाश और थोड़े से पी वैक्यू पी वैक्यू कल क्या ले। इन एन एस एन वन रिएक्शन ऑन काइरल सेंटर देयर इज रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू रेसिमाइजेशन, हंड्रेड परसेंट रिटेंशन हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन बोला था ना क्वेश्चन आया है बोला था ना क्वेश्चन आया है बोला था ना बोला था ना मैंने कहा था ना तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे वेरी गुड बी इज द करेक्ट आंसर थोड़ा सा इन्वर्जन वाला रिटेंशन से ज्यादा बन जाता है बेटा शाबाश अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियो फ्लिक सब्सटीट्यूशन एक्सक्लूसिवलीस एन वन मैकेनिज्म वन मैकेनिज्म से कौन जल्दी से जाना चाहेगा कौन जाना चाहेगा करके बताओ करके बताओ ये बात करके बताओ वा? करके बड़ा बड़ा वा? ये बात ये फुल ये माहौल ये फुल माहौल बना रहे हो ये प्रो होते जा रहे हो ये क्या है इथाइल क्लोराइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन और ये क्या है बेंजाइल क्लोराइड दिस इज बेंजाइल क्लोराइड ठीक है तो आप जानते हो कि यहां पे आप केटाइन बना सकते हो यहां आप केटाइन बना लोगे यहां पर ये लोन पेयर सिग्मा यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और अगर आपने यहां पे केटाइन बना भी लिया तो sp2 पे बनेगा लेकिन आप यहां पर केटाइन बनाओगे तो यहां बेंजाइल पोजिशन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज ओले ओले ओल्ले इतनी खुशी इतना स्टेबल डी विल बी करेक्ट आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर द वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वर्ड एस एन वन रिएक्शन करिए खूब साले पी वाई क्यू है आ रहा है ना मज़े पोल भी देना पड़ता है क्या बोल बोल टाइम वेस्ट होता है पोल में करो क्वेश्चन को बोल रहा है, ये तो, है अरे तो 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 अरे दोबारा आ सकता है ना उनको पता है तो हुआ था नहीं हुआ था <laughs> बताए जरा देख भाई ये पीएच है और ये पी एच है मतलब ये क्या है पीएच सी एच पीएच और यहाँ पे बी आर लगा होगा तो इस बी आर को हटाइए और इसकी जगह पर आपको क्या बनाना है केटायन बनाना है ठीक है फिर यहां पर देखो यहां क्या है पीएच है सी एच है यहां मिथाइल है और यहाँ ब्रोमीन होगा ब्रोमीन हटाए केटायन बनाए क्योंकि हमें तो कार्बोड बनाना होता है फिर यहाँ पीएच पी है मिथाइल है पीएच है बी पी आर है क्या पी है पीएच है मिथाइल है पीएच है और यहां केटाइन है जहां बी आर लगा होगा है ना और यहां पर पीएच है सी एच टू और केटन है अब आप देखो मजेदार सा क्वेश्चन यहां से इधर से भी रेजोनेंस इधर से भी रेजोनेंस दो तरफ से रेजोनेंस यहां से रेजोनेंस और यहां से तीन हाइड्रोजन यहां से रेजोनेंस यहां से रेजोनेंस प्लस एम मतलब और यहां से तीन हाइड्रोजन और यहां से सिर्फ रेजोनेंस ओ भाई साहब देख रहे हो ये सी आंसर होगा ये फुल कर रहे हो ना आ रहे ना ये, ये इन क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन जेई मेन 2017 का सवाल है खेल जाइए ये लो जेई का क्वेश्चन <laughs> ये ये फुल आनंद आ रहे है ना बेटा अरे एनसीईआरटी आपको उठा के भी नहीं देखनी पूरा पढ़ा दूंगा मैं पटेल साहब पूरा पढ़ा दूंगा मैं टेंशन ही मत लो आप एनसीईआरटी उठा के भी मत देखना बस देखिए दस्ता यहां से सीएल हटाए और इसकी जगह कैटायन बनाए तो यहां पर कैटन ऐसा नजर आएगा आपको यहां से सीएल हटाओगे तो यहां से कैटायन कैसा बनेगा ऐसा बनेगा अब यहां पे क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बेंजीन यहां सी एस टू यहां सीएल और पैरा पोजिशन पे ओ सी एस थ्री लगा है ऐसे करके तो यहां पर जब आप कैटन बनाओगे ना गड़िया गुड़। तो यहां से ये ओ सी एस थ्री का क्या लगेगा प्लस एम यहां दो अल्फा हाइड्रोजन यहां अल्फा अल्फा पांच अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल थ्री है फिर वन है फिर टू है थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू, थ्री वन टू। आ A. A ये आएगा ए ए इज दी करेक्ट आंसर ये बात ये बात ये बात थ्री वन टू भैया आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एस एन वन रिएक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कोई दर्द वाली बात नहीं थी वहां थ्री डिग्री फास्ट देता है वो अपन देख चुके हैं रेट के टाइम पर डिपेंड करती है। वो देख चुके हैं लिविंग ग्रुप रूम सारी सब कुछ कर चुके हैं अब बात करते हैं एस एन टू रिएक्शन की जहां टू का मतलब बायोमोलिकुलर एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एस का मतलब सब्सटीट्यूशन है <coughs> पूरा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वही सारे पॉइंट्स यहां पे भी निकल के आएंगे मैकेनिज्म वाले एक बार बता एस एन वन में मजा आया दिल मार

एक बार फिर से आप लोगों ने मास्टर के एनर्जी भर दी रहे यहां हाइड्रोजन यहां पे ड्यूटेरियम यहां ट्रीटियम और यहां पर हेलोजन इस तरह से ले रहा हूं इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ और करानी है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में यहां पर क्या बनता है इस तरह का प्रोडक्ट बनता है यह ड्यूटेरियम इधर यह ट्रीटियम इधर जिस तरफ आपका हेलोजन है उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल लगता है यहां पे सौ टका मतलब हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है दोस्तों क्या बनता है हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन प्रोडक्ट और इस बात को वॉल्डन भाई साहब ने बताया था हमारे भाई साहब थे वॉल्डन उन वॉल्डन भाई साहब ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था और वॉल्डन भाई साहब ने इसको अपना नाम दे दिया वॉल्डन इन्वर्जन इसको क्या बोल दिया वॉल्डन इन्वर्जन बोल दिया कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कुछ याद नहीं करना पड़ेगा सब यही हो जाएगा तू बस शांति से सुनता रहे अगर जितनी देर तू मेरी बात को सुनेगा ना इतनी देर तक मैं एक रिएक्शन को क्यों बोल रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए इतने पॉइंट्स हैं उसके बारे में कैसे भूल जाएगा तू सोच के देख आइए दोस्तों इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ क्या घटना घटी होगी देखते हैं इसका एपिसोड चालू करते हैं ये ये ड्यूटेरियम है ये ट्रीटियम है और यहां पर हेलोजन है और यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल है अब आपको क्या दे रखा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इस कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि वो केटाइन को तो सोल्यूबल कर लेता है एनाइन को नहीं कर पाता उसके औकात नहीं है इस बॉन्ड को तोड़ दे प्रोटिक होता तो तोड़ देता क्योंकि वो तो दोनों को सोल्यूबल कर लेता तो हमें बॉन्ड एनर्जी मिल जाती है कंपनसेट हो जाती है तो टूट जाता है लेकिन यहां पे ये यह टूट नहीं पाएगा और आपको ये पता है कि कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है वही भाभी भैया अब की बार जो न्यूक्लियो है ना जो वो बाहर वाला था वो थोड़ा डेयरिंग है उसकी डेयरिंग देखना उसकी डेरिंग देखना भैया यहीं पे मौजूद है भैया यहीं पे मौजूद है ये बॉन्ड टूटा नहीं है और ये महाशय न्यूक्लियो जो है वो बोल रहे हैं अरे रुको आ रहा हूं मैं इधर से ये भैया ने भैया के पास यहां पर ये तीन लोन पेयर है ये तीन लोन पेयर से उस न्यूक्लियो के ऐसे दिया ने ऐसे करके तीन लोन पेयर से उस न्यूक्लियर के रेपटे मार दी डुक्के की दिल्ली उसके की कि भ उसको इधर से भगा दिया उसको इधर से एंट्री नहीं दी क्यों क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है और यहां पर ये जो लोन पेयर है ये भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरफ से तो एंट्री ना हो पाएगी ये जो मैंने रीजन बोला है आपके समझने के लिए बढ़िया है लेकिन ये सच नहीं होता ये बेकार रीजन है दिस इज नॉट ट्रूथ कि मतलब ये लोन पेयर है और रिपल्शन लग गया ये सत्य नहीं है जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो ना बेटा तो कोई बॉन्ड तब टूटता जब आप आप उसकी उसकी एंटी बॉन्डिंग पे पे अटैक अटैक करते 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 हो मतलब करते हो करते हो हो मतलब टूई पीछे से हमला तो उस बॉन्ड को आप तोड़ पाते हो। रीजन तो वो है खैर मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये आएगा ये आएगा और यहां पे टॉफी बनेगी ये बॉन्डिंग होगा ये एंटी बॉन्डिंग होगा इसको बोलते हैं टूई है ना बताया था ना बस वही काम किए तो इधर से तो इस महाशय की एंट्री हो चुकी है बंद लेकिन डेरिंग देख रहे हो बंदे की आप भैया वहीं पे मौजूद है और उधर से आ रहा ज्यादा ही आसी की आ रही है उसके अब क्या है कि यहां पर जो है ना यहां पर अब इधर से तो न्यूक्लियो को एंट्री मिल नहीं रही तो वो क्या करता है इस तरफ से पीछे से इसकी टू जो एंटी बॉन्डिंग है वहां पे आता है आना तो है उसे डेरिंग बहुत है उसमें अभी तक भैया निकले नहीं है और ये इसकी पे आके इस तरह से एंट्री मार लेता है अब सिचुएशन समझना आप ये एंट्री मार रहा है तो ये भाभी जो है या तो इसको अलाउ करेंगी या इसको अलाउ करेंगी मतलब अगर इसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो इसके साथ तोड़ना पड़ेगा ना बाबा तो होगा क्या यहां से तो बॉन्ड बन रहा है तो यहां से बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगा मतलब इसकी इस बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग में अटैक हो रहा है तब जाके बॉन्ड टूटेगा सिचुएशन क्या चल रही है सिचुएशन को समझना यहां हाइड्रोजन यहाँ ड्यूटेरियम यहां ट्रीटियम ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है और X रहा है आगे से ये बॉन्ड तो हो रहा है फॉर्म और ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक जिस स्टेट में बीबी और बी साथ में चल रहा हो मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में चल रहा हो उस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या बोलते हैं उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं अब सारा गेम इसका है पता ये कैसी है है ये आज मैं आपको एक सत्य बात बताता हूं जीवन का सत्य बताता हूं एक पता है ये अभी भी पता है ये बहुत बहुत तेज है ये बहुत तेज है ये उसको रखना पसंद करेगी जिसके पास माल ज्यादा होगा अगर न्यूक्लियोफाइल के पास माल ज़्यादा हुआ तो उससे बॉन्डेड हो जाएगी और इसे निकाल देगी जीवन से अगर देखा कि न्यूक्लियोफाइल के पास माल ज्यादा नहीं है किसी के साथ बॉन्डेड रहेगी और उसको बोलेगी चल तू निकल फिर हो सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है जिसके पास माल ज्यादा होगा उस पर इसने देखा कि न्यूक्लियो के पास माल ज्यादा है न्यूक्लियो किधर से आया दोस्त पीछे से एंट्री मारा पीछे से एंट्री मारा तो ये सारे के सारे न्यूक्लियो फाइल इधर से आया सारे के सारे बॉन्ड इस तरफ झुक जाएंगे मतलब वो हाइड्रोजन वो ड्यूटेरियम वो ट्रीटियम इधर हो जाएंगे और न्यूक्लियो इधर और एक्स माइनस इस तरह से जीवन से बाहर निकल जाएगा अरे यार अरे भाई यार, यार। अरे भाई यार तो सच्ची तो बोल रहा है रुक जा भाई यार <coughs> तो इधर से एंट्री बंद थी इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक नहीं किया पीछे से अटैक किया एंटी बॉन्डिंग पे अटैक किया ये सिचुएशन बनी पीछे से बॉन्ड बन रहा है आगे से टूट रहा है क्योंकि पीछे से बॉन्ड बन रहा है तो बाकी सारे बॉन्ड उधर की तरफ निकल जाएंगे तो यह सिचुएशन बनेगी कि जिस तरफ एक्स है उसके अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल बना है मतलब हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन बना है यहां पे पर ना भाई, यार। दा भाई दा। तो यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बना यह कैसी सिचुएशन है एक स्टेप में यह पूरी रिएक्शन हुई है यह पता है क्या है ये ये है यहां से चला यहां यहां ट्रांजिशन स्टेट है एक पीक बनेगा यहां अलकाइल था और यहां पे वो न्यूक्लियोफाइल आ गया बस एक स्टेप की रिएक्शन है ये से ये बना है ये ट्रांजिशन स्टेट तो यहां लाई करती है इस तरह से ऊपर मतलब अगर एक ही स्टेप है तो वही स्लो है वो ही आपकी आरडीएस है गेम बिगिंस नाउ गेम बिगिंस नाउ अब गेम चालू होगा अब वो सारी बातें करेंगे कि ये बायोमोलिकुलर क्यों है स्टेप कितनी है स्लो स्टेप क्या है रेट किस पे डिपेंड करेगी लिविंग ग्रुप का क्या रोल है पोलर अप्रोटिक क्यों लिया पोलर प्रोटिक क्यों नहीं लिया किस किस पे क्या क्या चीजें डिपेंड कर रही है वो सब अब गेम होगा क्योंकि तो हमें स्लो स्टेप का पता चल गया ये बीच में एक स्टेज बनी है जिसमें कार्बन पेंटावेलेंट हुआ है और ये अनस्टेबल है काफी ज्यादा क्योंकि कार्बन की पांच वैलेंसी हो नहीं सकती लेकिन

इतने दो इसलिए बायोमोलिकुलर ठीक है सर ठीक है इसलिए बायोमोलिकुलर शुरुआत में शायद तुम हल्के में ले रहे थे योगेश को लेकिन अब धीरे धीरे मोहब्बत हो रही होगी तो मोलिकुलरिटी तो टू आ गई है अब रेट की बात करते हैं स्लो स्टेप से रेट लिखी जाती है रेट में अलका हेलाइट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का रोल नजर आ रहा होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या रेट के टाइम्स अल्काइल हेलाइट और न्यूक्लियोफाइल तो ये भी वन तो वन वन तो ऑर्डर कितना आ गया टू आ गया ऑर्डर आ गया मोलिकुलरिटी आ गई स्टेप आ गई कि एक स्टेप की रिएक्शन है स्लो स्टेप फर्स्ट है ये भी बात पता चल गई होगी अब मेरी बात सुनना है यार अभी अभी मेरी बात सुन अब गहराई है अब गहराई है एक बच्चा पूछ रहा था उस समय बार बार लिख रहा था न्यूक्लियोफाइल वीक कैसे न्यूक्लियोफाइल वीक कैसे न्यूक्लियोफाइल वीक कैसे न्यूक्लियोफाइल यहां यहाँ स्ट्रॉन्ग चाहिए यहां पे रेट में उसका रोल आ रहा है जितना तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी एसेंटू होगी तो अगर तेरा न्यूक्लियोफाइल फाइल स्ट्रॉन्ग हो गया तो वह एसेंटू रिएक्शन की तरफ चला जाएगा देख रहा ना डेरिंग वाला न्यूक्लियोफाइल है जितना तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा मतलब यहां पे न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट डिपेंड कर रही है हमें ये देखना है इस अल्काइल हमेंट पे कैसे कैसे रेट ऑफ एसेंटू डिपेंड कर रही है मेरे दोस्त तू ध्यान से देख ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है इसके यहां जितने मोटे मोटे ग्रुप लगे होंगे ये मोटा ये मोटा ये मोटा और न्यूक्लियोफाइल भी थोड़ा बहुत तो मोटा होता ही है तो क्या ये एंट्री ले पाएगा पीछे घुस पाएगा सोच तो के देख ये मोटा ये मोटा ये मोटा उधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है घुस पाएगा नहीं घुस पाएगा जितने मोटे मोटे ग्रुप लगे होंगे न्यूक्लियो को पीछे से एंट्री करने में उतनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी तो बोलेगा हाँ होगी सर यानी कि इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होनी चाहिए कम होनी चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम होगी वन डिग्री टू डिग्री या थ्री डिग्री में वन डिग्री टू डिग्री या थ्री डिग्री में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री वन डिग्री फिर टू डिग्री फिर थ्री डिग्री मतलब जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा रेट ऑफ एसेंट टू इसलिए वन डिग्री में फिर टू डिग्री में और थ्री डिग्री में तो होती नहीं है आ गया गया स्वाद पहली चीज अगर तेरा अल्काइल ग्रुप सेम हो गया, तो सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये अटैक कर रहा है वो नहीं मान रहा ये फिक्स है जितनी जल्दी ये निकलेगा उतनी जल्दी एसेंट टू हो जाएगी तो तू तो खुद बताना तू तो खुद बताना आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ जल्दी कौन निकलेगा जिसको निकलने में तकलीफ ना हो बोल अगर अलका ग्रुप सेम होगा तो कौन जल्दी निकलेगा मैं कुछ नहीं बोल रहा तू ही बता रहा है तू ही बता रहा है बोलना कौन जल्दी निकलेगा आर आई क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड टूटने के बाद i माइनस हॉल एफ माइनस किचन ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ले आ गया अलका ग्रुप सेम आर तो आई फिर आरबीआई फिर आरसीएल फिर आर एफ देख रहे हो तो रेट एक तो स्टेरिक पे और अगर अल्काइल ग्रुप सेम तो निकलने वाले लिविंग ग्रुप पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है क्योंकि अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो फिर असैनमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी तो चीजें बिगड़ जाएंगी है ना पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगी आपकी ठीक है ना इतनी बातें मैंने आपको बताई ऑर्डर बता दिया बता दी चलो अब लिखना चालू करते हैं इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं रेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेंटू रिएक्शन एसेंटू रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं पहली बात तो कितने स्टेप की रिएक्शन है एक स्टेप की रिएक्शन है फिर अगर मैं आपसे बोलूं स्लो स्टेप तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप स्लो है यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है अगर इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट जब बनी नहीं रहा तो कहां से रीअरेंज करोगे ठीक है ना? फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए यार वो तो लिखी दिया ना रेट, की बात करता। रेट जो है वो यहां पर किस पे डिपेंड कर रही है अलकाइट पे और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखूं तो यहां पर कितना ऑर्डर आएगा टू और इसकी मोलिकुलटी कितनी आएगी टू अगर मैं इसकी रेट की बात करूं रेट ऑफ टू तो रेट ऑफ टू किस किस बात पर डिपेंड कर रही है पहली बात है कि रेट ऑफ टू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी न्यूक्लियोफाइल को घुसने में उतनी तकलीफ होगी एट हैलाइड एक तो इस पर डिपेंड कर रही है और अगर मैं इसमें लिखूं तो रेट ऑफ एसेंटू क्या निकल के आएगा वो निकल के आएगा सी एस थ्री एक्स वन डिग्री अल्काइल हेलाइट फिर टू डिग्री अल्काइल हेलाइट और थ्री डिग्री में तो होगी ही नहीं ना थ्री डिग्री में तो होगी ही नहीं थ्री डिग्री में तो होगी ही नहीं थ्री डिग्री में तो घुस ही नहीं पाएगा वो एक तो इस बात पर डिपेंड करेगी दूसरी चीज दूसरा फैक्टर अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम उस केस में रेट ऑफ असेंटू इस पे डिपेंड कर रही है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे डिपेंड कर रही है जितना तगड़ा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ असेंटू होगी गलत तो नहीं कह रहा और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के हिसाब से जो रेट ऑफ असेंटू आना चाहिए वो क्या आएगा आर आई आर बी आर आर सी एल और आर एफ और आर एफ में मैं क्या कह रहा हूँ आपसे आर एफ में तो होती ही नहीं है क्यों वह हाँ कर दो हाजी सेठ जी तो ये कहानी हो गई रेट ऑफ एसन टू की और सुनो अभी तो सुनते रहो और अगर मैं इसमें बात करूं अगर मैं इसमें प्रोडक्ट की बात करूं प्रोडक्ट क्या बनता है हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा दोस्त हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है इन्वर्जन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वैच का डैश में बदलना होता है क्या हुआ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है इन्वर्जन मीन्स वेज का डैश में बदलना अगर कोई वेज पर है तो वो डैश हो जाएगा कोई डैश पर है तो वो वेज हो जाएगा बस इतना सा मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है वेज का डैश ठीक है ना इन्वर्जन का मतलब जैसे मान ली मैंने अगर यहाँ ब्रोमीन लगा रखा है है ना तो अगर न्यूक्लियो होगा तो वो वेज पर आ जाएगा न्यूक्लियो डैश का वेज हो जाएगा अगर ये वेज पर होगा तो वो डैश पर आ जाएगा इन्वर्जन का मतलब ये है बात समझ गए दिस इज द मतलब ऑफ इन्वर्जन और कुछ नहीं है है वैच का डैश और एक इंपॉर्टेंट बात कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो एंटी साइड से क्यों अप्रोच कर रहा है क्योंकि किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके तोड़ते हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अपोजिट टू लिविंग ग्रुप बिकॉज बॉन्ड ब्रेक्स बाय अटैक एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके ही बॉन्ड टूटता है बेटा आइए और पॉइंट्स देखिए अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे जम हो और भैया पूछो मत क्या ही एसेंटू हो रही है झमाझम जम। फेवरेबल कंडीशन फॉर फेवरेबल कंडीशन फॉर एसेंटू।, एसेंटू एसेंटू के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी वो पूछ रहा हूं मैं तो सबसे बेहतरीन कंडीशन तो होगी कि सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस मिल जाए सी एस थ्री एक्स बस ये एक्स फ्लोरिन नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लोरिन के केस में बॉन्ड नहीं टूट पाता दूसरी चीज आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाए तीसरी चीज आपका जो लिविंग ग्रुप है वो मॉडरेट टाइप का हो या स्ट्रॉन्ग हो बेकार नहीं होना चाहिए बस चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए अब तेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वीक और स्ट्रांग वाला अरे अटक गया क्या बेटा अटका तो नहीं है ना देखना ज़रा अब नॉर्मल चल रहा है ना बेटा एक बार बताना और क्या है यार नॉर्मल चल रहा है ना बेटा मैं रुक गया हूँ बेटा रुक गया हूँ हाँ हाँ मैं रुक गया हूँ मैंने रुक गया हूँ बेटा बता दो हाँ मैं रुक गया हूँ ना मैं रुक गया हूँ अब सही है ना अब सही है ना ये बताओ हाँ कुछ नहीं है बेटा कुछ नहीं बताया सी एस थ्री एक्स पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट लिविंग ग्रुप मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होना चाहिए तगड़ा होना चाहिए बस है ना चलिए अगली बात जो मेरे मन में आ रही है जैसे वहां आपको तीन ग्राफ पढ़ाए थे वैसे तीन ग्राफ यहां पे भी बनवा देता हूं तीन ग्राफ कौन से बनाए थे रेड यहां पर अल्काइल एल हेलाइट न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है यहां पे भी वन यहां पे भी वन देखिएगा दोस्त है ना तो यहां पर अगर मैं SN2 की के बीच में ग्राफ अगर पहला दूसरा ग्राफ जो है वो मैं रेट ऑफ टू वर्सेस न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाऊं और तीसरा ग्राफ जो है अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ बनाओ अब तो आप खुद ही बना लोगे अब तो आप खुद ही खेद दोगे देखो ना इस तरह से जाएगा लीनियरली अब तो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है तो वो भी लीनियरली और कितने स्टेप की रिएक्शन है दोस्त कितने स्टेप की रिएक्शन है बताना दोस्त एक स्टेप की रिएक्शन है इस तरह से तो यहाँ अल्काइल हेलाइड है और यहाँ पे आपका वो न्यूक्लियोफाइल लग गया और यहां पर वो सिचुएशन बन रही थी कि डॉट 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 इधर से न्यूक्लियोफाइल और इधर से हेलोजन बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड ब्रेक मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी गलत तो नहीं कह रहा ले बड़ा मजा आया कि नहीं आया स्वाद आया कि नहीं आया यहां तक ये बता यहां तक मजा आया कि नहीं आया अरे यहां तक स्वाद आया मजा आया कि नहीं आया या मजा आया तो दिल विल फेंक दे भाई अब रेट के क्वेश्चन करते हैं कुछ कंपेयर करते हैं रेट को दो तीन क्वेश्चन कर लो थोड़ा जीवन में फिर से खुशियां आ जाएगी ये है ए ये है बी यह है सी रेट ऑफ एसेंटू को कंपेयर करने का क्वेश्चन है और यहां पर क्लोरीन यहां पर आयोडीन यहां पर ब्रोमीन ये ए ये बी और ये सी यहां क्लोरीन यहाँ क्लोरीन और यहाँ पर आपका ये क्लोरीन ये ए ये बी और ये सी बेटा शाबाश बेटा शाबाश शाबाश अल्लाहबेटा बेटा फटाफट शाबाश बड़ा शाबाश। अब ये देख, ये ये देख डिग्री डिग्री है, ये टू डिग्री है और ये थ्री डिग्री है तो आपको पता है एबीसी आंसर हो जाएगा एबीसी आंसर हो जाएगा कॉलर वो कॉलर में इसलिए ऊंचा रखता हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे चोट लगी हुई है इसलिए इसलिए ऊंचा रखना पड़ता है शौक नहीं है मेरे को वो ऊंचा रखना पड़ता है तो आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन ठीक है ना जो लिविंग ग्रुप जल्दी अल्काइल ग्रुप सेम है तो बी गन ए क्लियर है जल्दी कौन सा निकलेगा आई फिर बी आर फिर सीएल फिर लास्ट वाले में देख ये वन डिग्री है ये टू डिग्री है और ये कैसा है आपका वन डिग्री अब आप यहां पे देखो ये भी वन डिग्री और ये भी वन डिग्री लेकिन अगर मैं यहां डेल्टा प्लस देखूं जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो ये सीओ का क्या लग रहा होगा यहाँ पे माइनस आई लग रहा होगा माइनस आई से खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का तो और मजा आएगा और जल्दी इस पर अप्रोच करेगा भाई न्यूक्लियोफाइल माइनस है ये प्लस है तो और जल्दी आ जाएगा ना इसके पास में जबकि यहाँ पे डेल्टा प्लस इससे तो कमी ही है है ना तो सबसे पहले सी आएगा फिर ए आएगा फिर आपका बी आ जाएगा कैब वेरी गुड बेटा क्लियर है अब आप इस तरह से ना अंतर लिख सकते हो खुद से एस एन वन एस एन टू में मैंने पहले से लिख रखे कि एस एन वन यूनीमोलिकुलर होती है बायोमोलिकुलर ये कितने स्टेप की रिएक्शन होती है दो स्टेप की स्लो स्टेप वन इंटरमीडिएट कार्बोग रीअरेंजमेंट ऑर्डर वन मोलिकुलरेटी वन सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोडक्ट क्या बनता है रेसिमिक मिक्सचर बनता है ये सारी कहानी आप लिख सकते हो ये बायोमोलिकुलर स्टेप कितनी होती है एक स्लो स्टेप वन होती है इंटरमीडिएट नहीं बनता ट्रांजिशन स्टेट बनती है रीअरेंजमेंट नहीं होता और यहाँ पे ऑर्डर टू मोलिकुलटी टू सॉल्वेंट आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है हंड्रेड परसेंट बोलिए अंतर बता रहा हूं एस एन वन एस एन टू में तुरंत रिवीजन रिवीजन में भी रिवीजन चल रहा है आइए फिर अगर मैं रेट ऑफ एस एन वन की बात करूं तो वो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बो कार्बोकेट पर डिपेंड करती है अगर अल्काइल तो यहाँ पे थ्री डिग्री फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री फिर मिथैलक्स रेट ऑफ एसन वन लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे डिपेंड करती है अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो ये ऑर्डर आ जाएगा लिविंग ग्रुप यहां पर कैसा होना चाहिए दोस्त लिविंग ग्रुप यहां पे मॉडरेट यान टू प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक कम है अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो वही आर आई आरबीआरएफ लिविंग ग्रुप यहां पर भी कैसा होना चाहिए लिविंग ग्रुप यहां पर भी आपका मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेटा ठीक है फिर उसके बाद ये ग्राफ ग्राफ रेट रेट का अगर मैं बनाऊं तो SN1, की पर डिपेंड करता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल की रेट पर डिपेंड नहीं करता है और अगर मैं यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बनाऊ तो पहली स्टेप स्लो दूसरी फास्ट यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है ये आपका अल्काइल अल्काइड है और यहाँ पे आर एन यू दो तो स्टेप की रिएक्शन है एस एन वन के लिए फिर यहां रेट ऑफ एस एन टू की बात करूं तो वो अलकाइल हेलाइट पे भी डिपेंड करता है न्यूक्लियो फाइल पर भी डिपेंड करता है और यहां पर सिंगल स्टेप की रिएक्शन है इस तरह से यहां पर ये अल्काल हेलाइट है और इसके अपोजिट में न्यूक्लियो फाइल लग जाता है इस तरह से बोलिए क्लियर है ये अंतर हो गया ना एस एन वन एस एन टू के अंतर हो गए सारे के सारे पुराना पूरा पूरा रिवाइज हो गया रिवीजन करने का घमंड है हमें अब आगे की बात करते हैं दोस्त अब थोड़ा सा प्रो बनते हैं और प्रो बनते हैं अभी एस एन वन एस एन टू है लंबी चौड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें उसके बाद मैथ ऑफ प्रिपरेशन छोटा सा है हेलो एल्केन थोड़ा सा लंबा चलेगा हेलो एरेन छोटा सा है हेलो एरेन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है बाकी और कहीं पर भी इतना टाइम नहीं लगेगा सुनिए आप ज्यादा वाई विनाइल हेलाइट एंड अरालाइट डज नॉट गिव एस एन रिएक्शन मतलब वो एस एन वन भी नहीं देता है वो SN2 भी नहीं देता है ना SN1 देगा ना SN2 देगा विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड की शक्ल कैसी होती है बेटा ऐसी होती है अराइल हैलाइड की शक्ल कैसी होती है बेटा ऐसी होती है ये है आपका विनाइल हैलाइड और ये है आपका अराइल हैलाइड ना तो ये SN1 देगा ना ये SN2 देगा अब क्यों नहीं देगा वो सुन लो आप आपको पता है ये लोन पेयर सिग्मा पाई ये रेजोनेंस करेगा रेजोनेंस करेगा तो इस कार्बन हाइलोजन के बीच में क्या आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे यहां क्या आएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो तो ये भी करेगा तो मतलब सर यहां पर भी आएंगे? यहां पर पर भी भी आएंगे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा अगर सिंगल बॉन्ड था तभी इसको तोड़ना मुश्किल था अपने आप तो कभी टूटा ही नहीं ना एस में पानी की मदद से तोड़ना पड़ रहा था पानी नाम के गुंडे लाए थे और एस में तो टी बॉन्डिंग पर अटैक करके तोड़ना पड़ रहा था तो अपने आप तो टूट ही नहीं रहा था लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए था मॉडरेट या strong. अब ये तो डबल बॉन्ड जैसा हो गया तो ये लिविंग ग्रुप तो और बेकार हो गया क्या टूट पाएगा नहीं तो पहला रीजन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिविंग ग्रुप इज वीक पहला रीजन है ये रीजन क्यों लिख रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में तीनों स्टेटमेंट लिखी हुई है वही तीनों स्टेटमेंट मैं आपको लिख रहा हूं अपनी जबान में और वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ए वाले क्वेश्चन रीजन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है इसलिए लिख रहा हूं पहला रीजन है क्यों नहीं रहते क्योंकि पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये लिविंग ग्रुप बर्बाद हो जाते हैं लेकिन आपके तो जिद्दी आ गई अब जिद्दी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है आपकी जिद्दी आगे गई साहब आपने तो मतलब ऐसा कर लिया लौट गए वहां पे जमीन पे लेट के यूं 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 कर रहे हो कि नहीं नहीं हम तो निकालेंगे हमने तो निकाल दिया गुरुजी जो हो जो कर लो जिद्दी का तो हिसाब किताब ही नहीं है ना तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके जिद्दी आ गई यदि आपके जिद्दी आ गई आपने लिविंग ग्रुप निकाल के कार्बोकेटाइन बना दिया लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है हाइली अनस्टेबल है कैसे 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 दिखाता हूं ना यहां पर अगर आपने बनाया तो ये कैटायन बनेगा और बेंजीन पर कैटन बनेगा और दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है उल्टा sp2 पे आपने केटाइन बनाया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल मतलब विनाइल और अराइल हाईली अनस्टेबल तो आपकी जिद्दी बर्बाद हो चुकी है कोई फायदा नहीं हुआ नहीं बनेगा तो एस एन वन भी नहीं हो सकती ना एस एन वन भी नहीं हो सकती कैटायन ही नहीं बन रहा एस एन वन ही नहीं होगी ओ माय गॉड तो सर एस एन टू तो हो सकती है सर इसकी टूपे अटैक करके को निकाल देंगे इसकी अटैक करके आओ आवा, आवा, आवा। आवा। आपको प्रॉपर रीजन देंगे जो एनसीआरटी ने भी लिख रखा है लेकिन एनसीआरटी को समझाना नहीं आया हम समझा देंगे टेंशन क्यों ले लेको बताया जो बेंजीन होती है ना बेंजीन उसमें इस तरह से प्योर बाइटल होते हैं यहां पाइबोंड इस तरह से पाइबोंड होता है <सथ> आपको बताए ये पाइबोंड घूम रहे होते हैं इस तरह से पाइबोंड घूम रहे होते हैं मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का गुच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन का गुच्छा और यहाँ जाके वो ट्वी है जो कार्बन हाइलोजन की एंटी बॉन्डिंग है और ये है हमारा न्यूक्लियर फायल ये और ये देखो ये कितना नेता बन रहा है कि मैं यहां से जाऊँगा और इस पर अटैक कर लूंगा क्या ये संभव है ये भी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा और ये इलेक्ट्रॉन का कवच ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको अंदर घुसने ही नहीं देगा भैया इस बार स्मार्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगवा रखा था सेफ्टी के लिए तो ये घुस ही नहीं पाएगा तो यहाँ से एंट्री मिल ही नहीं पाएगी तो पीछे से अटैक हो ही नहीं पाएगा बात समझ गए तो एसेंटू नहीं हो पाएगी सर तो चलो ठीक है सर आपने इसमें तो जुगाड़ बिठा लिया सर इफ 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 वी पीपल आस्क यू कि आप यहाँ पे वो जुगाड़ बना सकते हो क्या वो बॉन्ड वाला जी 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 हाँ बना सकता हूँ जी हाँ यहाँ यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी देखिए सर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और आपको पता है इसकी है और आपको पता है ये, ये न्यूक्लियोफाइल है और आपको पता है ये यहां आना चाहता है लेकिन यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको अलाउ नहीं करेगा तो यहां से भी नहीं एंट्री मिल रही क्लियर है बोलिए ना बोलिए ना सर तो दोनों ही जगह पर आपके न्यूक्लियोफाइल को एंट्री नहीं मिलेगी ना तो एस एन टू ना एस एन वन बोथ आर नॉट पॉसिबल As well as halide, ये पूछ सकता है आपको बताया में इसी तरह की स्टेटमेंट दी हुई है आपको अच्छा लगा <coughs> दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कभी भी एस एन एस एन टू रिएक्शन देते ही नहीं है एस एन टू रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय फॉलोइंग सब मैं आपको साबित भी करूंगा क्यों, क्यों नहीं देते हैं मैं पहले लिख तो दू लिखने तो दो एक तो अभी बताया कि ये कभी नहीं देगा ये कभी नहीं देगा और ये भी नहीं देता है 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 और 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 ये भी नहीं देता है जी ये भी नहीं देता है ये आपको पता है क्यों नहीं देता अभी पीछे बताया ये आपको पता है क्यों नहीं देता अभी पीछे बताया ये क्यों नहीं देता थ्री डिग्री है थ्री डिग्री है पीछे से एंट्री नहीं मिल पाएगी थ्री डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्यों नहीं देता कार्बन फ्लोरिन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टूटता ही नहीं है फ्लोरिन के पास माल ज्यादा है न्यूक्लियफाइल से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी वाला है तो अब की बार इसी के साथ है ना ये फिर से थ्री डिग्री है सर आप ना हमें बेवकूफ़ बना रहे हो सर तो ये तो वन डिग्री है भाई ये तो समझ में आ गया सर ये टर्शरी ब्यूटाइल था तो टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड नहीं देता सर ये तो न्यो पेंटाइल है सर इसको न्यो पेंटाइल कहते हैं सर ये न्यो पेंटाइल हेलाइड है सर और सर ये जो न्यूपेंटाइल हेलाइड है ये तो वन डिग्री है सुनना मेरे दोस्त इस कार्बन को देख इस पे दो हाइड्रोजन है एक हेलोजन और एक ये ग्रुप लगा हुआ है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक पता है क्या लगा है यो मिथाइल यो मिथाइल ये ये अकेला इतना मोटा है कि न्यूक्लियोफाइल को एंट्री नहीं करने देगा कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि यह जो पीछे लगा है ना यह है सुमो ग्रुप सुमो देगा अपन ने सफेद तो चड्डी वाले होते हैं है, तो ये सुमो ग्रुप यम मोटा मोटा सुमो ग्रुप तो यह सुमो ग्रुप है वो पीछे से एंट्री नहीं आने देगा न्यूक्लियोफाइल के सुमो ग्रुप की वजह से बल्कि है सर तो यहां तो आ जाएंगे अले बेटा इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ना एक मिनट कॉपी कर लेता फिर पैसे कर लेता हूं अब इधर देखो यहां पर ये यह पाई बॉन्ड है यहां पर ये यह पाई बॉन्ड है और इसकी टू यहां है और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे से न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है यहां पे एंट्री नहीं मिलेगी एंट्री डिनाइट तो ये कुछ आइटम हैं जो एसेंटू कभी चीनी देंगे थोड़ी देर के बाद ब्रेक दूंगा थोड़ी सी देर के बाद है ना थोड़ी सी देर का एस एन वन एस एन टू और बचा है फिर उसके बाद अपन ब्रेक लेंगे है ना प्लीज मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे आप आइए एस एन वन एस एन टू में और कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कौन से मैं आपको पता आप समझ नहीं रहे हो मैं आपको अभी यहां पे देखना मैं आपको कितने क्वेश्चन करा दूंगा एस एन वन एस एन टू के आप सोच नहीं सकते उतने आइए यहां पर मैंने सी एस थ्री एक्स लिया है यहां पर मैंने आर सी टू एक्स लिया है यहां मैंने आर सी एच आर एक्स लिया है यहां मैंने आर आर ओ सी टू एक्स लिया है यहां मैंने सी एस थ्री सी टू एक्स लिया है एक सेकंड रुकना है यार थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ इसको सिक्स बोल रहा हूँ और यहाँ पे आर सी आर और यहाँ आर एक्स पहले छह एग्जाम्पल है फिर अगले पे और दूंगा आपको क्या करना है सुनिए मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एन वन देगा कि नहीं देगा और एस एन टू देगा कि नहीं देगा और देगा तो एक्सीलेंट देगा या बेकार देगा तो भाई ये है सी एस थ्री एक्स यहाँ सभी जगह पर एक्स जो है वो फ्लोरीन नहीं हो सकता पहली बात तो एक्स फ्लोरीन नहीं है ब्रोमीन है क्लोरीन है आयोडीन है तो ये तो एस वन नहीं देगा और एस टू देगा और केसी देगा झमाझम ज़म इससे तगड़ी एस टू मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है क्योंकि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है ये है आपका वन डिग्री एक नॉर्मल वन डिग्री वाला जो होता है वो भी एस वन देना पसंद नहीं करता है बहुत ही मुश्किलों से देगा या नहीं देगा लेकिन एस एन देगा झमाझम एक्सीलेंट एस दे रहा होगा एक्सीलेंट ये है आपका टू डिग्री और टू डिग्री वाला जो है वो आपकी एस एन वन भी दे देता है और एस एन टू भी दे देता है दोनों दे देता है तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है एस एन वन एस एन टू हाउ कैन वीम लाइक आप कैसे पता करोगे सॉल्वेंट से अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो टू डिग्री वाला जो है वो एस एन वन देगा और अगर आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो टू डिग्री वाला अच्छा अच्छा ठीक है सैयद भाई अरे यार तो पापा को भी मज़े ही आ रहा होगा पूछ ले <laughs> यहां पर थ्री डिग्री दिया हुआ है और भाई यार <laughs> थ्री डिग्री में मस्त के टाइम एक नंबर के टाइम भाई एक नंबर के टाइम मैंने क्या बोल दिया भाई थ्री डिग्री कार हो गए तो बस क्सीलेंट झमाझम एक नंबर एस एन टू चल रही है भाई एक नंबर एक्सीलेंट एस एन टू और अगर वे एस एन टू की बात करूं एक्सीलेंट एस एन वन चल रही है एस एन टू होगी नहीं थ्री डिग्री के अंदर अब यहां पे देखो एस एन वन में क्या बनता है कार्बोगेटाइन तो यहां क्या बनेगा आर ओ सी एस टू प्लस ओ माय गॉड लोन प्योर सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस भाई इतना तगड़ा केटायन ओ oh माय गॉड तगड़ी लेकिन पोला प्रोटिक सॉल्वेंट में वाय क्योंकि यहां पर भी हो सकती है ये वन डिग्री है और यहां डेल्टा पॉजिटिव और ये ओआर जो है ना दोस्त इस ओआर का माइनस आई लगेगा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये और बिखारी हो जाएगा तो ये आपकी एस टू भी देगा लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में पीपीएस दिया हो तो वो कराओ पोलर अप्रोटिक में कराओ अरे यार भी अब इधर देखिए अगर आपने इसमें सीएस थ्री सीओ और यहां पर सीएस टू प्लस बना दिया पहली बात तो यहां रेजोनेंस होगा नहीं उल्टा ये जो सीओ है ये तगड़ा माइनस आई लगा के इस केटैन की बैंड बजा देगा एक तो ये वन डिग्री है ऊपर से माइनस आई से बैंड बच जाएगी तो यहां एस एन वन तो कतई नहीं होगी एस एन वन होगी नहीं अगर मैं यहां की बात करूं एस एन टू की तो मेरे दोस्त मजा ही आ जाएगा जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी देखिए तो सही अभी थोड़ी देर पहले ही आपने आंसर किया है दिखाऊ आपको ए, ये ये अरे कांग्या रे कांग्या भैया रे यार ये देख सी एस थ्री सी तू ने बोला सबसे तगड़ी एस एन ये देता है ट्वेल्व टा प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा हाँ सर हाँ सर, सर सर बात तो सही है सर सर यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि CO का माइनस साइन लगेगा तगड़ा तो ये तो झमाझम एक्सीलेंट एस एन टू देगा और सर ऑसम एस एन टू एस बहुत ऑसम awesome हो जाएगी सर क्लियर है आइए दोस्त और एग्जाम्पल देखिए मतलब आप इस चीज को समझना आप बस खेल किस चीज का बचा हुआ है आपने कितने एग्जाम्पल कर लिए? ये दोनों किस चीजों को समझ रहे हो आप बस आपको रिएजेंट पता हो जाए तो बस आपको की जगह उस उस रिएजेंट को को लगाना, उस को लगाना, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो। चल रहा है है यहां पर सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच एक्स यहां पर बेंजीन और यहां एक्स यहां पर ये वाला एक्सप इस तरह से एक्स ले लिए और यहां पर अब मैं ले रहा हूं ये आर सी डबल बॉन्ड सी एच यहां सी एस टू एक्स यहां बेंजिन और यहां सी एच टू और यहां एक्स और बारह नंबर पर मैं ले रहा हूं सी एस थ्री एफ बताए जरा आए जैक्स ब्रेक चाहिए आए थोड़ी देर रुकी है तो सही अरे अब यार ये बीस टॉपिक में थोड़ी ना छोड़ते हैं बेटा तो अल्लाता और ये देखो पीवाई क्यूवाई ओ तो मेरे दोस्त ना तो ये एस एन वन देता ना एस एन टू देता अभी बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना ये एस एन वन देता ना एस एन टू देता अभी बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर यहां पर आपने इस हेलोजन को हटा के कार्बोकेटाइन बना दिया तो आपने एक रूल सुना होगा ब्रैट रूल वॉयलेट हो जाएगा और जो मुझसे पहले कभी पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे कि टोस्ट बुरा मान जाएगी तो ब्रैट रूल वॉयलेट हो जाएगा तो ये किटैन नहीं बन सकता यहां से चपटा हो जाएगा रिंग टूट जाएगी और एसेंटू हो नहीं सकती क्योंकि ये थ्री डिग्री है तो एसेंटू हो नहीं सकती ऐसी और भूख लगी मैं इंसान नहीं हूं मतलब आई एम नॉट ह्यूमन <laughs> पापा ने <पीज़ी> <laughs> और और यहां देखो आपको पता है यहां पर क्या बनेगा आर सी एस डबल बॉन्ड सी एच यहां पर सीएस टू सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेस स्टेबलाइज मजा आ गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और यहां पर देखोगे तो आर सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू और यहां हेलोजन और आप जानते हो कि कार्बन हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है डेल्टा प्लस तो ये जो है ना इधर सुन एक बार एक बार प्लीज़ ओ हेलो एक मिनट एक मिनट प्लीज ये एस थ्री है ये एस टू है और एस पी टू एस पी थ्री से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब ये माइनस आई लगाएगा माइनस आई लगाएगा तो डेल्टा प्लस बढ़ेगा और ये वन डिग्री भी है ओ सर ये तो झमाझम एस एन टू देगा हाँ लेकिन सर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो एस भी दे रहा है ना हाँ दोनों दे रहा है तो ये इसमें और इसमें आप है ना आप पता है ना तो फायर दे रहे हो ना लव दे रहे हो है ना ना समा दे रहे हो पता नहीं ऐसे कंजूसी क्यों कर रहे हो यार मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना इतनी मेहनत कर रहा आपका मास्टर आप लोगों के लिए है ना सीधे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस रहे होंगे इतनी भाई की गारंटी है इतनी चौड़ में पढ़ाता हूँ मैं इतनी चौड़ में पढ़ा रहा हूँ मैं ज़्यादा हो गया अरे यार ज़्यादा तारीफ कर दी वे, बेंजाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज बंजाइल केन होगी सॉल्व <laughs> थोड़ी ज्यादा ही बात खुद <laughs> की तारीफ कर ली सॉरी भाई मतलब ये, मैं ये कहना था कि मैं कहना पढ़ा रहा हूं मतलब मैं इतनी चोड़ में आपको सिखा रहा हूं तो कुछ तो बनना चाहिए ना यार यहाँ माइनस आई से डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा क्योंकि एसपी थ्री ये एस पी टू हाँ यह बात ये एस थ्री है और यह एस टू है तो डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो यह झमाझम एस एट टू भी देगा मतलब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की कहानी और ये एस एन वन नहीं देगा वन डिग्री बन नहीं सकता और उसकी औकात टूटने की है ही नहीं बहुत तगड़ा बॉन्ड है तो एस एन वन एस एन टू दोनों ही नहीं देगा आइए दोस्त इसी बात पे पीवा क्यू पी पी करेगा तो, ये पी वाई करेगा ये करेगा करेगा ना अस्तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसन टू रियक्टिविटी ए ट्रिपल ही का सवाल है मतलब जेई e का सवाल है एक तरह से यू मान लें फुल पी वाई क्यू ये अरे यार दे तो आंसर तो पोल पोल मत करे यार पोल में टाइम वेस्ट होता है चल पोल कर ले ले। ये पोल कर ये अभी अगर आंसर नहीं बताया ना तो रेपेट पड़ेगी तुम्हारे ध्यान रख लेना मुक्के की मार दूंगा ऐसे कोने की दे लूंगा मैं और कोने की मैं यहाँ देता हूँ यहाँ ये नाक और ये ऊपर वाला होट है ना इसके यहाँ दूंगा तो वो दोनों तरफ लगेगी यहाँ पे है ना इस जगह पे लगेगी अभी एसेंटू पूछ रही है सी आंसर कौन कर रहा एस एंटू दे लूंगा मैं ठीक है आएगा ना भाई अरे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री क्या हो गया भाई पलट गई जनता पलट गई पढ़ जाओ एक और बताओ चलो नीट दो हजार बाईस सर, 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 सर थोड़ा पढ़ के करना पड़ेगा द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरिटी इज और रेसिमे मिश्रा शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन एस एन वन रिएक्शन इल्डर ऑफ बोथ एन एनश्योम द प्रोडक्ट ऑपटेन बाई एस एन टू रिएक्शन ऑफ हेलोनिटी एट द रिएटिव साइड इन वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एनश्योमर आर सुपर इम्पोजिबल मीर इमेज ऑन इच अदर है भगवान दो कौड़ी का सवाल दो कौड़ी का सवाल है भाई पता ही दो कौड़ी का सवाल है देखे बताना था तो, देखे स्टार्ट पोल करें बोल देखे तुम्हारे पास जा रहा है कि नहीं जा रहा देखे तो सही क्या आंसर देती है जनता बताइए जरा क्या आंसर देती है जनता इसका क्या ही आंसर दोगे बताइए अरे क्या ही पूछ लिया है, है भगवान है ईश्वर क्या ही पूछ लिया है ऐसा भी कोई पूछता है क्या बताइए हदे पार कर दिए हैं मतलब इतना आसान कोई कैसे पूछ सकता है गुड और कितने आंसर दिया क्रेटोस ने जो है आ, तुरंत आंसर दिया है हमजा ने दिया है युवराज ने दिया है युवराज गुड यार युवराज बना हुआ है हमारे साथ में और आंसर हो जाएगा ये रेशमि मिक्सचर जो होते हैं वो सही बात है जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं एस वन रिएक्शन जो है वन इज मिक्सचर ऑफ एन देते हैं ठीक है थीके? मतलब फिफ्टी फिफ्टी द प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय एस रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन अगर वो इन्वर्जन हो जाता है सौ परसेंट अगर कायदा सेंटर पर लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए था सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर थोड़ा सा और बचा है एसेंट टू के अंदर आप बोलो तो पढ़ा दूं है ना थोड़ा सा एस एन टू के अंदर और बचा है उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे अपन जैसा आप बोलो थोड़ा सा एस एन टू के अंदर और बचा है उसके बाद ब्रेक ले लेंगे बोलो या ब्रेक ले लें पहले जैसा आप बोलो ये बात आ, नो ब्रेक वेरी गुड देखो इस तरह की टेबल आपको एनसीईआरटी में दी हुई है जिसमें आपको बहुत सारे रिएजेंट दिए हुए हैं न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है ऐसे प्रोडक्ट दिए हुए हैं है ना और क्या क्या बन रहा है वो दिया हुआ है ठीक है ना ठीक है तो इस तरह की चीजें आपको दी हुई है तो अपन इस तरह से नहीं पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा चौड़ में ही पढ़ाता हूं है ना इधर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंट रिएक्शन उस टेबल से कुछ भी अभी पल्ले नहीं पड़ेगा उसी टेबल को मैं थोड़ा चौड़ में पढ़ा रहा हूं इधर देखिएगा आप। बस आपका फोकस इधर होना चाहिए फोकस नहीं हिलना चाहिए बेटा है ना पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट विद एनएसएन एनएसएन के साथ रिएक्शन देखना जरा एनएसएन के साथ रिएक्शन रिएक्शन क्या है कि आपका जो अल्काइल हेलाइट है ना दोस्त अल्काइल हेलाइट उसकी रिएक्शन आपकी एनएसएन के साथ है और एन मैं एन जो होता है ना आपका एन एस आपका जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है आयनिक नेचर का तो यहां से क्या है वो ऐसे बना लेता है एन प्लस और यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन यहां लोन पेयर और यहां माइनस अब ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक साइट है इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है लेकिन कार्बन पे माइनस पूरा पूरा बना हुआ है तो ये आपकी तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट है है ठीक ना <coughs> <coughs> ये आपकी थोड़ी तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो यहां सी माइनस से पीछे से अटैक होगा बस आप ये ध्यान रखना ये आर आपका सी एस थ्री वन डिग्री टू डिग्री होना चाहिए अगर ये थ्री डिग्री हो गया तो एस एन टू नहीं हो पाएगी एस एन टू अटैक होगा तो यहां से आपका आर सी एन बन जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक हो सकता है तो वहां से आपका आर एन सी बन जाएगा लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये वाला बनेगा आर सी एन वाला क्यों क्योंकि ये ज्यादा तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट है आपको भी पता है न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा तगड़ा होगा न्यूट्रल या चार्ज आप बोलोगे चार्ज कोई भी चार्ज स्पीसी इलेक्ट्रॉन देना चाहती है तो ये क्या है दोस्त आपका यह है आपका अल्काइल नाइट्राइट या साइनो भी बोल सकते हो अल्काइल नाइट्राइट अल्काइल साइनाइट भी बोल सकते हो और यह अल्काइल आइसो नहीं नाइट्राइट नहीं आई एम सॉरी आई एम सॉरी आप तो अल्काइल साइनाइट बोल लो यार अल्काइल साइनाइट या अल्काइल नाइट्राइल भी बोलता है नाइट्राइल बोल रहा हूं नाइट्राइल अल्काइल आइसोसाइनाइट अल्काइल आइसोसाइनाइट ठीक है दोस्त अब आप यहां पर गेम देखना मेरा दिस इज माई गेम दिस इज यपी और पैसट है ना और जो अगली रिएक्शन है वो क्या है दोस्त उसका गेम देखना आप यहां से इसको कॉपी और पैसट। अगली रिएक्शन है दोस्त आपकी सेकंड रिएक्शन और वो किसके साथ है एजी के साथ वो किसके साथ है दोस्त एजी के साथ और एजीसीएन जो होता है दोस्त एजी होता है आपका कोवेलेंट नेचर का कैसा नेचर होता है बेटा उसका कोवेलेंट नेचर कोवेलेंट नेचर होने की वजह से यहां पर ये प्लस माइनस बन ही नहीं पाता वो इस तरह से रहता है तो ऐसे केस में जब वो ऐसा रहता है तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बन पाता है तो इसलिए तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट अब नाइट्रोजन का पेयर तगड़ा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ठीक है ना ये नाइट्रोजन का पेयर जो है ना वो तगड़ा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो यानी कि अब ये जो अटैक है ना वो C- की बजाय पहले कहा से होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से होगा यानी कि अब जो मेजर बनेगा वो मेजर इसकी बजाय कौन बनेगा मेजर ये बनेगा बनेंगे तो दोनों ही लेकिन मेजर अब बार कौन बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइट किसके केस में बेटा एजीसीएन के केस में एजीसीएन के केस में देख रहे हो कॉपी पेजट का उस्ताद ठीक वो है, वो है, वो है, वो है तो यहां पे सी माइनस से अटैक होता है साइनाइड मेजर बनता है यहां पर आइसोसाइनाइड मेजर बनता है ठीक है दोस्त ये था एनए एन और एजीसीएन के साथ रिएक्शन ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्त तीसरी रिएक्शन देखो आप रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट विद एन एनओ टू और इसी तरह से रिएक्शन ऑफ अल्काइल हिलाइड विद एजीएनओ टू ए जी एनो टू एनएनओ टू और एजीएनओ सुनना मेरे दोस्त एनएनओ टू जो होता है ना दोस्त एनएनो टू आपका आयनिक नेचर का होता है बेटा आयनिक नेचर का उसकी शकल होती है एन ए प्लस ओ माइनस एन डबल बोन ओ यहाँ नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है पे माइनस है तो माइनस वाली साइड जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी ऑब्वियस सी बात है अब यहां पर वही आपका अल्काइल हेलाइड है और आपको क्या दिया हुआ है दोस्त एन एनओ टू दिया हुआ है एन ए एन ओ टू नाइट्रोजन पे लोन पेयर पे माइनस अटैक दोनों तरफ से ही होगा लेकिन माइनस वाली साइड से मेजर प्रोडक्ट बनेगा एस थ्री वन डिग्री टू डिग्री लेना है अटैक SN2 वाला कराना है तो यहां से बनेगा रोनू और एक बनेगा रानो टू इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड और इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन और मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो ये वाला बनता है क्यों क्योंकि ओ माइनस इज मोर तगड़ा न्यूक्लियोफिलिक्साइड क्योंकि ये आयनिक नेचर का है NaNO2 या KNO2 इस तरह से अब आपको भी पता है कि आपका मास्टर इज़ वेरी वेरी चालाक वेरी चालाक मैन वो करेंगे इस तरह से दिस इज कॉपी की जगह पर वो क्या लिखेगा वो लिखेंगे ए जी टू तो यहां पर क्या आएंगा एजीओ एन ओ तो तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या होगी क्योंकि अब यह कैसा है कोवेलेंट नेचर इसमें थोड़े से डोमिनेट कर जाते हैं तो यहां से जो ए जी एनओ टू है ना दोस्त उसमें नाइट्रोजन वाली साइट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है थोड़ी सी ठीक है ना तो यहां की बजाय अटैक कहां से होने लगता है अटैक कहां से होने लगता है वो देखिए एजीओएनओ की ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो तो दोनों बनते हैं ये भी बनेगा ये भी बनेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका आरएनओ2 बनेगा नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक ओके वही एसएन2 रिएक्शन है फरक समझ रहा आप <laughs> <laughs> अरे यार चीटिंग करता है वाटर वाटर चीटर है रे भाई कुछ गलती नहीं होगी देख लेना लिखने करने में माहौल <laughs> का खेल है देख बोला था ना माहौल बनाएंगे माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा आइए अगली रिएक्शन देखिए रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइट विद एक्वस क्यू एच एनएओएच या आपको एक्वस एजीओ या आपको मोइस्ट Ag2O जी टूओ इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है और इन सबका मतलब सेम है इन सबका मतलब सेम है मोइस्ट एजी टू का मतलब क्या है एजी टू ओ में नमी मतलब जैसे पाउडर है ना पाउडर पाउडर पॉइंट्स पाउडर आता है तो पाउडर में हल्का हल्का नमी आ जाती है ना वैसा है वो तो मैं आपको उसी को क्लियर कर देता हूं ए टू ओ मतलब ए ओ ए है तो मॉइस्चर मतलब पानी तो पानी से यहां से काट दीजिए

और आर जो है आपका वो सी एस थ्री वन डिग्री टू डिग्री होना चाहिए तो यहां पर आपकी दारू बन जाएगी मुबारक हो ये मुबारक हो ये अल्कोहल बन जाएगा एसेंटू से बस सीएस टू डिग्री होना चाहिए फिर है रिएक्शन विद एक्वेएच एक्वस के एस एच के, के साथ रिएक्शन कुछ नहीं करना कॉपी करना है पैसठ करना है और यहां पर इस ओ की जगह पर एस लिखना है यहां एस से अटैक होगा तो यहां थायो अल्कोहल बन जाएगा बेटा क्या बन जाएगा थायो एस एच बन जाएगा क्या बन जाएगा थायो अल्कोहल फिर आइए एक और रिएक्शन देखिए रिएक्शन विद ड्राई एजिट सूखा एजिटवो है पहले पानी वाला था अब सूखा है एक पानी वाला नारियल आता है और एक सूखा नारियल आता है अरे यार <laughs> ये ये मजा रहा भाई आ रहा ये तो यहां पर दो मोल अल्काइल हेलाइट लेने पड़ते हैं और इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी होती है ट्राई एजी के साथ एसेंटू रिएक्शन होगी और यहां से आपको प्राप्त होगा ईथर और साथ में दो मोल AgX जो कि प्रिसिपिटेट होता है प्रिसिपिटेट AgCl सफेद रंग का AgBr हल्के पीले रंग का और AgI जो है वो डार्क येलो कलर का है ना तीनों कलर आपने देख रखे हैं एक तो सफेद रंग देख रखा है हल्का पीला बटर का कलर होता है और गहरा पीला तो क्या ही बताऊं मैं आपको <laughs> इसके लिए सॉट ट्रिक टिर देख लीजिएिरिक ए टिरिक टिरिक देख ले टिरिक टिरिक ए टिरिक टिरिक देख ले टिरिक टिरिक ए टिरिक 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 ए टिरिक यहाँ ओ यहाँ ए जी यहाँ ओ यहाँ ए और यहाँ से इस तरह से काट दे आर ओ आर ए जी एक्स ए एक्स क्लियर है अरे क्लियर है तू समझा नहीं नहीं तू नहीं समझा टिकरओ आर और ये एक और रिएक्शन है एक आखिरी रिएक्शन और देख एक आखिरी रिएक्शन रिएक्शन विद एनएन थ्री एनएन थ्री के साथ रिएक्शन सोडियम अजाइड एनएन थ्री की सकल तो देख एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस पता है तेरे को यहां पर इस तरह से रेजोनेंस करता है और पता है क्या बन जाता है एन टू माइनस एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस यह माइनस न्यूक्लियोफाइल था लेकिन अब यह और तगड़ी न्यूक्लियोफिलिक साइट बन गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट ये और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट बन गई रिएक्शन देखना रिएक्शन है अल्काइल हलाइट एन <laughs> एन थ्री के साथ मतलब इसके साथ इसको ले आओ ना यहां पर और यहां से पीछे से हमला करा दो बस आर का ध्यान रखना सी एस थ्री वन डिग्री टू डिग्री कराने क्या है सन टू और यहां पर भी है ना यहां पर भी मैं आपको बताऊं यहां पर आर सी एस थ्री वन डिग्री रखना है ना टू डिग्री मत रखना उस केस में तो यहां पर क्या बन जाएगा आर एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस एक माइनस इसके पास जा चुका है ओवरऑल आर एन थ्री बन गया इसको क्या बोलूंगा आर एन थ्री इसको बोलते हैं अल्काइल एजाइड अल्काइल एजाइड क्या नहीं बताया रे क्या नहीं बताया क्या नहीं बताया अच्छा एक बार एक बच्चा कह रहा है एक बार फिर से बताओ उस बच्चे की फरमाइश पर एक बार फिर से जैन बता रहा है आ जाओ एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे पूरा का पूरा दोबारा पढ़ेंगे अभी तक जो अपन ने तीन चार घंटे में पढ़ा है चलो दोबारा पढ़ते हैं एक बच्चा कह रहा है दोबारा बताओ है ना तो अभी तक जितना पढ़ा है ना छः सात आठ है ना लगभग चार घंटे होने वाले दोबारा पढ़ते हैं ना है ना दोबारा पढ़ते आओ एक बच्चा कह रहा दोबारा पढ़ते है, आओ दोबारा पढ़ते पूरा का पूरा पूरा दोबारा पढ़ेंगे <laughs> अपन ने क्या पढ़ा अभी तक अपन ने पढ़ा एक दो तीन चार पांच छ सात ऐसी कुछ रिएक्शन पढ़ी एक पढ़ा अपन ने एन एक सी एन एक ने AgCN, एक पढ़ा अपन ने एन एन ओ टू एक ने AgNO2, ओ टू एक पड़ापन ने एक्वे मतलब मोइी टूओ एक पड़ा ने ट्राई एजी टू और एक पड़ा ने पन्ने एक्वेच और एक पड़ा पन्ने एन एन थ्री आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं आप खुद करेंगे खुद यहां पे आर सी एस थ्री वन डिग्री टू डिग्री एस एन टू से रिएक्शन चलेगी मैं यहां तीन रिएक्शन और डिस्क्लोज कर रहा हूं इसकी रिएक्शन आर एम जी एक्स के साथ इसकी रिएक्शन आर टू डन के साथ इसकी रिएक्शन आर टू सी यू एल आई के साथ ठीक है ना आर एमजी जो है आपका ग्रिगनाड रिएजेंट होता है आर टू जेडन जो है वो आपका फ्रेंकलैंड रिएजेंट होता है और आर टू सी यू एल आई आपका गिलमान रिएजेंट होता है गिलमान रिएजेंट इसको कोरे हाउस सिंथेसिस भी बोलते हैं इस रिएक्शन को कोरे हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं बेटा कोरे हाउस सिंथेसिस और ये सब जो है ये सब आर माइनस जनरेट करते हैं कंजूस हो तुम कंजूस हो ए, कंजूस मिल गए आज मेरे को कंजूस कंजूसी कर रहे हैं ना आग फेंक रहे हैं ना दिल फेंक रहे हैं कंजूसी कर रहे हैं भैया आज तो मैंने कंजूसों से मुलाकात करी है कंजूस है कंजूस यहाँ सी माइनस करेगा तो यहाँ आर सी एन बनेगा यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा तो यहाँ आर एन सी बनेगा आइसोसाइनाइड ठीक है <coughs> यहाँ पर एन एन ओ टू है तो एन एन ओ टू में आपका आर डैश ओ एन ओ बनेगा रोनू बनेगा यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो यहाँ पर आर एन ओ टू बनेगा यहाँ ओ OH एच माइनस है तो अल्कोहल बनेगा यहां से आपका ईथर बनेगा यहां से आपका अल्कोहल बनेगा और यहां से आपका आर एन थ्री बनेगा फिर यहां पर ये जितने भी हैं, दे आर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं जब कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है जब कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है तो वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं और ये सब आर माइनस जनरेट करते हैं हा क्या जनरेट करते हैं आर माइनस जनरेट करते हैं ये सब पीछे से अटैक करेंगे हाँ। पता है क्या, है क्या बनेगा इस आर डे पे आर जुड़ जाएगा यहां आर डे पे आर जुड़ जाएगा और यहां आर डे पे आर जुड़ जाएगा मतलब क्या बनेंगे हाइड्रोकार्बन बनेंगे आपके आपके हाइड्रोकार्बन बनेंगे क्लियर है क्लियर है दोस्त बोलिए क्लियर है बोलिए दोस्त क्लियर है का बोलिए दोस्त क्लियर है आइए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन मास्टर चीटिंग करता है रे ए दुख हो रहा है चीटिंग करता है रुक जा रे मास्टर एक्वस्ट के एच यहां एन एस एन यहाँ ए जी सी एन यहाँ एन ए एन ओ टू यहाँ पर आप ले लीजिएगा एक्वस के एस एच यहाँ पर आप ले लीजिए पानी यहाँ लीजिए डी टू ओ और यहाँ लीजिए मिथेनॉल या इथेनॉल ध्यान रहे जहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वहां एस एन वन होगी और जहाँ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वहां एस एन टू होगी जैसे पोलर प्रोटिक है एस एन वन मतलब किटैन बनेगा फिर अटैक होगा लो भैया हल्के में ले रहे क्या मास्टर को ये एम ई एम जी बी आर भी ले लो ये लो खुशियां भर लो जीवन में जीवन में भरने आए हैं हम खुशी यहां पीएचएमजी जी आ लो अब और ज्यादा खुशी आ गई ए खुशियां ही खुशियां भर चुकी है रे ए ए काजल क्या हुआ ए काजल ए काजल का हुआ ऐसा इमोजी कहा भेज रही हो भैया ए, ए का हो गया रे ये का हो गया बोलिए ना ये तनिक बोलिए तो सही बताइए ना आंसर आओ मेरे साथ साथ करो मेरे साथ साथ एक्व्यू एच क्या करेगा एसेंटू तो ये वेज वाला किधर चला जाएगा बेटा डैश पर ओएच एन सी एन क्या करेगा एसेंटू अटैक कहाँ से होगा सी माइनस से तो यहाँ डैश पर सी एन आ जाएगा यहां ए जी सी एन यहां नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो यहाँ डैश पर एन सी आ जाएगा एन एन ओ टू एस एन टू करेगा तो वेज का माल डैश पर और यहां करेगा और यहां पर वेज का माल डैश पर चला जाएगा एस एच पानी के साथ अब होगी एस एन वन क्योंकि ये पोलर प्रोटिक है पोलर प्रोटिक है तो यहां पर क्या आएगा केटायन पक्की बात है अब ये केटायन आएगा तो अब हम देखेंगे क्या ये रीअरेंज कर सकता है फिलहाल तो नहीं कर सकता इसके लिए अल्फाइड्रोजन पांच है अब पानी जो है वो बुड़बक ऊपर से भी अटैक करेगा नीचे से भी करेगा तो यहाँ बन जाएगा ओ तो यह बन गया कायरल सेंटर तो दो प्रोडक्ट बनेंगे एक रा बनेगा एक स बनेगा आर और एस यही काम अगर डिटुआ किया होता ए डिटुआ डिटुआ क्या होता तो ऑडी बनता तब भी दो प्रोडक्ट बनता इथेनॉलवा किया होता तो यहां वो इटी बनता रेसिपिंग मिक्सचर बनेगा दो प्रोडक्ट आर और एस पीएच एम जी बी आर एम जी बी आर इसके साथ क्या करेगा टू तो यहां पर टेस्ट पर पीएच आ जाएगा बोल अरे यार तुम बोल ही नहीं रहे हो स्वाद आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे को इतने सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ समझ नहीं आ रही क्या तेरे ओ भैया बोलना ए भाई हेलो ए भाई मजा ना आ रहा तेरे को क्वेश्चन करने मजा ना आ रहा फील ना रही आ रही तेरे को आ रहा स्वाद ये बात वेरी गुड आइए फिर इसी बात पे आपका मास्टर इज वेरी शाना मैन वेरी शाना एक क्वेश्चन और करेंगे पहले ही कॉपी पेस्ट कर लिया था इधर सॉरी भाई <laughs> यहां पर आपका मिथाइल है यहां इथाइल है यहां लेटर सपोज ड्यूटेरियम है और यहां पर बीआर है बनाइए क्या आंसर आएंगे <laughs> अरे यार आ गया सुद अरे अरे आ गया स्वाद <laughs> कि मिली खेल रहा है यार गेम यार वेज का डैश मतलब एक इन्वर्जन होता है ना एस एन टू में एस एन टू में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या एस एन टू में वेज का डैश होगा एक इन्वर्जन होगा ये तो समझा रहा था इतनी देर से अब इधर देखो यहां पर क्या करना है दोस्त आपको आपको पता है ये दिया हुआ है तो यहाँ एस एन टू होगी तो हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन जिस तरफ बी आर लगा है उसके अपोजिट में ओ एच आएगा बाकी एम ई टी डी वैसे वैसे लिख दो यहाँ सी माइनस है तो यहाँ पर सी एन लिख दो एम ई टी और डी ऐसे लिख दो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो डी इधर और एन सी लिख दो और एम ई टी लिख दो एन ए एन ओ टू है तो यहाँ पर एम ई -E, यहाँ ए e टी यहाँ डी और यहां पर ओ एन डबल बॉन्ड ओ लिख दो एस एच माइनस है तो यहां पर क्या लिख दो मिथाइल यहां पर इथाइल यहां पर ड्यूटेरियम और यहां पर क्या आ जाएगा एस एच आ जाएगा अब यहां गेम है एस एन वन का यहां ऐसे एन वहां तो सब अपोजिट में लगा दिया आपने यहां गेम है एस एन वन का अब आप देख ये कार्बन ये कार्बन फिर ये सी एस टू और ये सी एस थ्री एक दो तीन चार कार्बन की चेन है ये कुल मिला के मतलब ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि यहां ब्रोमीन और यहाँ ड्यूटेरियम लगा हुआ है अब इस ब्रोमीन को हटाओगे तो यहाँ कैटायन बनाओगे इससे बेहतरीन कैटायन नहीं मिल सकता ये रीअरेंज नहीं करेगा फिलहाल नहीं करेगा तो बस जहां भी आर है वहीं पे खेला खेलना है एम ई टी टी यहां ओ एच प्लस ये वाला भी तो बन सकता है ना ओ एच एम ई टी यहां डी मतलब ये क्या बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर बराबर बराबर सेम आंसर जो है आपका इसके लिए भी आएगा बस आपका यहां पर ओ डी डी हो जाएगा ओ डी ओ डी सेम आंसर आपका इसके लिए भी आएगा बस आपका यहां पर क्या हो जाएगा ओ टी ओ टी हाली न्यूक्लियो फाइली तो बदला है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एस एन वन एस वन वही रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा पी के साथ क्या बनेगा एस एन टू होगी तो इधर पी एच इधर डी इधर एम ई इधर ई टी आ जाएगा ए गुड्डू गुड्डू को मजा आ गया रे हो गया रे। ये क्या हुआ अरे ये तो कर रहे हो आप दिमाग के दही कर दिया हो अरे मुन्ना यहाँ पे आप थोड़ा गेम पलट देते हैं रे। रे यहाँ पे यहाँ पे क्या ले सकते हो चलो बस इतना करो तो थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन लेटर सपोज इसको भी हटा देते हैं तो इसको रहना देता है करो ए, खेला रहे अरे यार भाई अरे यार मजाक मजाक में बीस पच्चीस क्वेश्चन करा दिए मैंने बस इसके बाद ब्रेक दे रहे हैं इसके बाद ब्रेक देंगे बेटा इसके बाद अपन है ना ये चार पाँच पी क्यू करेंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच पी क्यू करके फिर ब्रेक देंगे फिर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा फिर एस एन वन एस एन टू और ये सब में कंपैरिजन पढ़ेंगे उसके बाद फिर फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल और वो सब पढ़ना है वो बहुत बाद वाला पार्ट तो फटाफट हो जाएगा मेन तो क्या है कि इसमें टाइम लगता है बस केमिकल प्रॉपर्टी में तो यहाँ पर एस एन टू कराओगे एस एन टू में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा यहाँ एस एन टू कराओगे नाइट्रोजन का लोन पेयर से अटैक होगा तो यहाँ पर डैश पर आइसोसाइनाइड आ जाएगा यहाँ एस एन टू कराओगे तो यहाँ पर इस तरफ ओ एन ओ आ जाएगा यहाँ एस एन टू कराओगे तो यहाँ पर आपका ये डैश पर एस एच आ जाएगा यहाँ एस एन वन कराओगे अब गेम देखो आप यहाँ कैटाइन बनेगा इसके लिए अल्फाइड्रोजन तीन और एक चार है अब आप देखो गेम या मैं इससे बेहतर कार्बोड बना सकता हूं इसको वन मानो इसको टू मानो और वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करा दो वन का माल टू को दे दो टू से हाइड्रोजन वन को दे दो तो यहां के, आ जाएगा। वन का के, टू के पास टू का हाइड्रोजन वन के पास है ना तीन तीन छह दो आठ अल्फा हाइड्रोजन आठ हो गए अब इस पर अटैक होगा आपके पानी का तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा ये वाली अल्कोहल बनेगी यहां रीअरेंजमेंट होगा बेटा यहां रीअरेंजमेंट होगा अरे यार आदित्य भाई यार तू देखते देखते खाली हो यार फिर यहां पर भी वही वाली बात होगी कि यहां पे कैटन बनेगा फिर वो वन टू हाइड्रोड शिफ्ट करके यहां जाएगा फिर वो इथेनॉल का अटैक होएगा, तो वो फाइनली यहां पर ओटी आ जाएगा इस तरह से ठीक है ना एस से ये एस से चलेगी बेटा क्लियर है आ, छोड़ रहा हूँ छोड़ रहा हूं मतलब अभी ब्रेक दे रहा हूं मतलब है ना अपन देख अपन पचास स्लाइड पे पहुंच चुके हैं भाई अपने को 120 130 स्लाइड पढ़नी है 120 130 स्लाइड में मतलब थोड़ी थ्योरी रहेगी थोड़े पी वाई क्यूज है वही है है ना पचास तक तो पहुंच चुके हैं अपन धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन देख इन एन एसेंट टू सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दी टाइप आर बी आर प्लस सी एल माइनस डी एम एफ आर सी एल प्लस बी आर माइनस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज दी हाइएस्ट रिएक्टिविटी जल्दी से बता 2008 का सवाल है नीट का धन्यवाद बेटा अरे यार अनुन भाई यार ठीक है वो अभी पी वाई क्यू में आ जाएंगे बाकी क्वेश्चन तो देखो ये वन डिग्री है बेटा ये भी वन डिग्री है ये भी वन डिग्री है और ये भी वन डिग्री है आप ये देखो सबसे कम स्टेरिक स्टेरिकस किसमें है क्योंकि एस एन टू से चलानी है तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इस वाले में है इसके पीछे भी मोटा ग्रुप लगा इसके पीछे तो सुमो ग्रुप लगा इसके पीछे इतना बड़ा ग्रुप है और इसके पीछे इतना सा ग्रुप है क्लियर है तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हाइएस्ट रिएक्टिविटी डी की होगी बेटा क्लियर है वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफ्लिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन लिस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति देखते ही हो जाएगा देखते ही मतलब कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना ही नहीं चाहता है बताइए कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना ही नहीं चाहता है कुछ भी आंसर मत करो यार थोड़ा ईमानदारी से करो पढ़ रहे हो तुम तो। तो आप यहां पे देखो ये भी दे देगा एस एन वन ये दे देगा एस एन टू ये एस एन वन एस एन टू दोनों दे देगा लेकिन ये महाशय जो है मैंने आपको बताया था विनाइल हेलाइड ना तो एस एन वन देता ना एस एन टू तो बी विल बी दी आंसर ना एस एन वन देगा ना एस एन टू अगला क्वेश्चन वो बी आर लगा है और वो ओ एच लगा है और ओ एच माइनस दिया है तो ये कौन सी रिएक्शन है एस एन वन है एसी टू है एस एन जीरो है अरे यार ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती एस एन जीरो बताओ एस एन वन है या एस एन टू है ये क्या दे दिया वल्लभ उन्नीस सौ सत्तानवे नाइनटीन नाइनटी से मैं तो हो गया था खैर आपने तो आपके लिए तो हिस्ट्री है <laughs> अरे यार अब आप देखो यहां पर एच वहां पर ही है मिथाइल वहीं पे है पांच और छह छह कार्बन वही है जिस तरफ बी आर है उसके अपोजिट में ओ OH एच लगा है तो ये कौन सी रिएक्शन है एस एन टू रिएक्शन है एस एन टू है ना बेटा बी आर के अपोजिट में ओ OH एच लगा बी आर के अपोजिट में ओ OH, एच इन्वर्जन हो गया ना एस एन टू है टर्सरी अल्काइल हेलाइट आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्सटीड्यूशन बाय असेंटू मैकेनिजम बिकॉज ऑफ स्टेरिक एंड्रेंस तो टर्शरी अल्काइल हेलाइट जो होता है ना वो एसेंटू नहीं देता है क्योंकि स्टेरिक एंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है वजह से एक और क्वेश्चन फिर ब्रेक लेंगे इसके बाद ब्रेक लेंगे अपन इन एसेंटू रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इथाइल क्लोराइड आइसो प्रोपाइल और ट्रीटर अरे यार दो गोड़ी का क्वेश्चन जे मे दो हजार चौदह का क्वेश्चन है बताइए बोलिए बोलिए मुंह का ताला खोलिए आंसर की उल्टी करना भाई देख डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये वन डिग्री है यहां पे टू डिग्री है और यहां पर ये थ्री डिग्री और एच एन टू वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री समझ गए आप और इसी के साथ अब हमारा पहला ब्रेक हम लेने जा रहे हैं और एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा दीजिए और अगर मुझे मोहब्बत देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं अपन 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं बेटा बहुत है 15 मिनट पंद्रह मिनट बहुत है पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट बहुत है पंद्रह मिनट बाद अपन मिलते हैं पंद्रह मिनट बाद है ना 15 मिनट्स बाद मिलते हैं ये घड़ी आपकी चालू है 15 मिनट्स बाद वी कैन कंटिन्यू है ना है कि आप कितने बजे सोते हो वो तो मतलब मूड पर डिपेंड करता है भाई। कहाँ से हो कोटा से है भाई कोटा से फ्रॉम कोटा धन्यवाद भाई हाँ हाँ तीन मिनट बाकी है मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा <coughs> अरे यार भाई यार ऐसे तो मत बोले यार थैंक <coughs> यू भाई थैंक यू थैंक यू क्या बात कर थैंक यू थैंक यू भाई अरे <laughs> यार भाई भैया हो गया टाइम हो गया ए भैया टाइम हो गया चलो हो गया बस आ जाओ फटाफट आ जाओ मैन आ जाओ फटाफट आ जाओ टाइम हो गया बेटा अरे आ जाओ फटाफट टाइम हो गया टाइम हो गया बेटा yeah! फटाफट आ जाओ आ जाओ बेटा शाबाश आ जाओ आ जाओ आ जाओ एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे चलो चलो शाबाश 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 अरे भैया आ जाओ आ जाओ ये भले माहौल आ रहा स्वाद आइए दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर से अपन एक बार पढ़ रहे हैं तीन तरह की होती है एक ईवन एक ई टू और एक ईवन सी बी रिएक्शन तीन तरह की आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगी ईवन मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर ई टू मतलब एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर और ईवन सीबी मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस <coughs> वाया कॉन्जुगेट बेस तीन तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन हमें देखनी है आइए स्टार्ट करते हैं समय खराब नहीं करेंगे बेटा सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन हैलोजिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिन निकालना है एलिमिनेट करना है किसे निकालना है हाइड्रोजन को निकालना है और हेलोजन को निकालना है हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालेंगे रिमूवल करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इ टू रिएक्शन होती है और ये बेटा एंटी एलिमिनेशन होती है मतलब अपोजिट साइड से ये दोनों आइटम निकलते हैं आइए दोस्त रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन कैसे चलती है इस तरह से आपको हाइड्रोजन और हेलोजन दिखाई देंगे और इसकी रिएक्शन जो है इसकी रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी अल्कोलिक क्यूएच हीट के साथ जब आप अल्कोलिक क्यूएच हीट से कराओगे तो आपको इस तरह से एल्कीन प्राप्त होगी मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका ये होगा अब कैसे हो रहा है वो देखिए मजा आएगा देखना मजा आएगा देखना जरा दे ये जो ओ एच माइनस है यहां पर ये ओ OH एच माइनस यहां पर बेस का काम करता है ये बेस क्या करता है ये पोजीशन होती है अल्फा जिस पे हेलोजन लगा है ये पोजीशन होती है बीटा जिस पे हाइड्रोजन लगा है तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हमें निकालना होता है ठीक है भैया थैंक यू मेरा भोजन तो अब आया है गुड डे अब अब मेरा भोजन आया है थोड़ा लेट हो गया मेरा भोजन है ना थोड़ा सा मेरा भोजन लेट हो गया है एक बिस्किट खा लेता हूँ थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी ठीक है एक बिस्किट खा लेता हूँ है ना थोड़ी एनर्जी ले, ले लेता हूँ मैं ओह एक क्या होता है यहाँ पे ये जो ओ एच माइनस है ना तो... दोस्त कह एच माइनस यहां से एच लेता है ये बेस है मैंने आपको बताया था बेस किस पे अटैक करता है एच प्लस पे तो यहां से एच लेगा ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से टूटेगा यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा और फिर यहां से वो एक्स निकल जाएगा और यहां पे एल्किन बन जाएगी और ये सारा कार्यक्रम एक साथ हो रहा है मतलब ये बेस आ रहा है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये इसके साथ जा रही है ये इसे छोड़ रही है जो इसका परिवार है उसे छोड़ के जा रही है यहां पे पाई बॉन्ड बना रही है और यहां से ये हेलोजन निकल जा रहा है और ये सारा कार्यक्रम एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है मतलब क्या चल रहा है वो ध्यान से देखिए यहां हाइड्रोजन है यहां हेलोजन है, है, है और वो ओ एच माइनस है ओ एच माइनस क्या कर रहा है यहां पे बॉन्ड बना रहा है यहां से बॉन्ड टूट रहा है यहां से बॉन्ड बन रहा है और यहां से बॉन्ड टूट रहा है मतलब यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सॉरी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस पूरी अवस्था को इस पूरी स्टेज को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ठीक है थीके? इस पूरी स्टेज को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं सुनना बहुत ध्यान से दोस्त जितना तगड़ा यह बेस होगा जितना तगड़ा होगा जितना बढ़िया क्वालिटी का होगा जितनी मोहब्बत भरी होगी इसके अंदर उतनी जल्दी यह इस हाइड्रोजन को ले जाएगा उतनी जल्दी इस हाइड्रोजन को ले जाएगा फिर अगली बात सुनना यहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है कार्बन ड्यूटेरियम का छोटा होता है और कार्बन ट्रीटियम का सबसे छोटा होता है यहां हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है ट्रीटियम है उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी टूट के उसके साथ चली जाती है बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटता है छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटता है बड़ा जल्दी टूटता है छोटा मुश्किल से टूटता है तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम तो हाइड्रोजन होगा तो जल्दी टूट जाएगा उसके साथ जल्दी चला जाएगा वो टूटेगा तो यहां एल्किन बनेगी जितनी तगड़ी एल्कीन बन रही होगी जितनी ज्यादा स्टेबल एल्किन बन रही होगी उतनी जल्दी वो एच वहां से चली जाएगी समझना उतनी जल्दी वहां से चली जाएगी एल्किन कब बनेगी जब यहां से यह हेलोजन निकलेगा ये हेलोजन निकलने के बाद जितना स्टेबल फील करेगा वही किचन और होल वाली बात F- माइनस और I- माइनस वही किचन और होल वाली बात जितना ज्यादा जल्दी ये निकलेगा उतनी जल्दी एल्किन बनेगी और जितनी जल्दी एल्किन बनेगी उतनी जल्दी हाइड्रोजन यहां से जा सकती है और सब कुछ गेम डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला कितना स्ट्रांगली उसे ले जाना चाहता है समझ गया आप अब इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तो ओ एच माइनस और एक पूरा अलका गलत तो नहीं बोल रहा कितने लोग भागीदारी दिखा रहे हैं कितने लोग भागीदारी दिखा रहे हैं बोलिए जरा इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने लोग भागीदारी दिखा रहे हैं बोलिए जरा दोस्त इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने लोग भागीदारी दिखा रहे हैं तो आप बोलोगे सर एक तो ये एक ही है दो लोग दिखा रहे हैं इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है बायमोलिकुलर येल्लो दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं उसकी जगह एक वीक पाई बॉन्ड बन रहा है जब दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं वीक पाई बॉन्ड बनता है चीजें निकलती है तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन इसलिए एलिमिनेशन बाय सही है कितने स्टेप की रिएक्शन है एक स्टेप की रिएक्शन है क्योंकि ये इंटरमीडिएट नहीं है ये ट्रांजिशन स्टेट है तो आओ फटाफट फटाफट लिखे कितने स्टेप की रिएक्शन है एक स्टेप की रिएक्शन है स्लो स्टेप कौन सा है यही स्टेप आपका स्लो स्टेप है फर्स्ट वाला जिसमें यह सारा कार्यक्रम हो रहा है एक ही स्टेप है भाई एक ही स्टेप है यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है यहां क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट बनती है अगर मैं यहां पर रेट की बात करूं तो अल्काइल हेलाइट और बेस दोनों पे ही रेट डिपेंड कर रही है जितना तगड़ा बेस होगा उतनी जल्दी ले जाएगा जितना इसके ही रहो एल्किन जितनी बढ़िया एच जितना बढ़िया तो यानी कि दोनों पे रेट डिपेंड कर रही है स्लो स्टेप में तो यानी कि इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी दो और स्लो स्टेप में दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इसलिए मोलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी फिर मैंने आपको बता दिया ये ई टू क्यों है क्योंकि मोलिकुलरिटी टू है वो भी मैं आपको डिस्क्लोज कर चुका हूं अब बात आती है कि एंटी एलिमिनेशन क्यों हुआ उसकी बात आती है मैंने आपको क्या बोला था जब भी किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके टूटता है तो ये आया जब इसने यहां पर ये पाई बॉन्ड बनाया तो एक्स जब तो जब टूटेगा इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक होकर टूटेगा अपोजिट से टूटेगा मेन कारण तो वो है लेकिन और सिंपल तरीके से समझो यहां पर एक्स के पास लोन पेयर है अगर मान लो ये एच इधर की बजाय इधर होता और ये ओ एच मायरस जैसे चौड़ में आता ले जाएंगे ले जाएंगे एच को ले जाएंगे पिताजी के सामने से हैं ऐसे ये पिताजी के पास लोन पेयर है ओ OH माइनस भी लोन मतलब इलेक्ट्रॉन वाला है ये भी इलेक्ट्रॉन वाला है इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में भयंकर रूप से लगेगा रिपल्शन इसके रेपट देंगे यहां से बक तो इस कारण से रिपल्शन लगने के कारण से ये इस साइड से जिस तरफ एक्स लगा हुआ है उस तरफ से एच नहीं ले जा पाएगा तो अपोजिट से आएगा पीछे के दरवाजे से और एच को ले जाएगा मतलब एच और एक्स कैसे निकलेंगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन से निकलेंगे अपोजिट से निकलेंगे इसका फिर अगला पॉइंट यहां पर मेरे दोस्त इसके अलावा और हम क्या क्या ले सकते हैं अल्कोहलिक क्यूएच के अलावा और क्या क्या ले सकते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स कौन कौन से डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हैं कौन कौन से डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हैं जो ये काम करवा सकते हैं जैसे हीट ने करवाया एक तो अल्कोलिक क्यूएच ही है। दूसरा और क्या ले सकते हो आप ले सकते हो ईटीओ माइनस इथेनॉल हीट यह पूरा का पूरा अपने आप में एक रिएजेंट है और क्या ले सकते हो इसके अलावा आप ले सकते हो टर्सरीबुटोक्साइड हीट और क्या ले सकते हो और आप ले सकते हो हीट हीट इनमें से कोई सा सब का भी, OH भी, भी, भी सबका सुन लीजिए जितना तगड़ा ये बेस होगा अब मैं तेर से पूछ रहा हूं ओ एच माइनस और टू माइनस में तगड़ा बेस कौन है भे? तगड़ा बेस कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो तगड़ा बेस होगा एनएसटू माइनस कौन होगा तगड़ा बेस एनएसटू माइनस मतलब एनएसटू माइनस होता तो और जल्दी चली जाती और जल्दी चली जाती बात समझ रहे हो और जल्दी एस टू एस फोर तो बेटा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में होता है है ना अगर यहां कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम होता तो मैंने आपको बोला हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा ड्यूटेरियम का छोटा ट्रीटियम का सबसे छोटा तो किसमें जल्दी टूटता हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम में ट्रीटियम में बोलना भाई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टीटीएम किसमें जल्दी टूटता हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टीटीएम किसमें जल्दी टूटता बताना भाई आप बोल रहे हो हाइड्रोजन में वाह यार शाबाश जितनी तगड़ी एल्किन बनती एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन से वैसे जितना जल्दी ये लिविंग ग्रुप निकलता लिविंग ग्रुप F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस किचन हॉल कौन ज्यादा स्टेबल होता बताना जरा कौन ज्यादा स्टेबल होता किचन या हॉल बताना भाई किचन या हॉल बोलना भाई किचन या हॉल किचन या हॉल हॉल या किचन जल्दी बता किचन या हॉल 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 मतलब आई में जल्दी ये रिएक्शन होती इन चार फैक्टर्स पे यहां पर इस की रेट मतलब इस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है रेट ऑफ ई टू रिएक्शन तो इन्हीं चार फैक्टर्स को लिख लेते हैं इन्हीं चार फैक्टर्स को लिख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ई टू कौन कौन से फैक्टर्स ई टू को अफेक्ट करते हैं वो बता रहा हूं आप ही को बताना है मतलब पहला तो यहां पर मैं दे देता हूं सी लिया बी आर लिया किसमेंट होगी एन एस टू माइनस लिया ओ एच माइनस लिया किसमेंट होगी सी टी थ्री सी एस टू बी आर आपने लिया सी डी थ्री सी एस टू बी आर आपने लिया सी एस थ्री सी एस टू बी आर किसमें फास्ट होगी आपको बताना है फिर आपने लिया ये बी आर फिर आपने लिया ये बी आर और फिर आपने लिया ये बी आर <coughs> इस फैक्टर को बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट आइसोटॉप है ना वो आइसोटॉप है तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट और मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट जितनी ज्यादा स्टेबल एल्किन होगी उतना मेजर प्रोडक्ट बनेगा मेजर <coughs> प्रोडक्ट कौन सा होगा स्टेबल एल्किन तो मेरे दोस्त आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो CBA क्योंकि ये आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस हो जाएगा इसका आंसर बता एन एस टू माइनस वो एच माइनस का बोलना भाई बोलना भाई बोलना भाई सेकेंड वाले को बता किस में फास्ट होगी इत बोलना भाई बोलना बोलना भाई माइनस ज्यादा स्ट्रॉ बेस है फिर ये अल्फा ये बीटा अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन बीटा से ट्रीटियम बीटा से ड्यूटेरियम बीटा से हाइड्रोजन किसमें फास्ट होगी बोलना भाई बोलना भाई बोलना बोलना भाई <laughs> <laughs> तो सीबीए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा ड्यूटेरियम से फिर ट्रिटियम अब ये थ्री डिग्री टू डिग्री खैर यहां पर क्या है अल्फा पे बी आर बीटा पे एच तो यहां से जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन ऐसी बनेगी यहां से HBR निकल के ये एल्कीन बन जाएगी यहां अल्फा पे बी आर बीटा पे एच तो यहां से बी आर यहां से एच निकल के यहां से एल्कीन ऐसी बन जाएगी ऐसी ऐसी एल्कीन बन जाएगी यहां पे अल्फा पे बी आर बीटा पे एच यहां से एल्कीन कैसी बनेगी ऐसी बनेगी इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है बोलना भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल एल्किन कौन सी है इन तीनों में स्टेबल एल्किन अरे भाई नाइट्रोजन का माइनस और ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा नाइट्रोजन इसलिए वो स्ट्रांग बेस है ना भाई तो यहां पर देख पा रहे होंगे अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर तीन हाइड्रोजन है यहां पर जीरो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना बट अल्फा अल्फा तीन तीन छीन यहां यहां पर जीरो तो टू फास्ट इन दोनों के कंपेरिजन में ठीक है भाई आओ इस इसपे क्वेश्चन करते हैं थोड़े से आइए थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्त आइए दोस्त एक मैं बता रहा हूं बाकी आपको करने हैं फिर मान लीजिए मैंने यहां पर बी लिया है इसकी रिएक्शन में जो है अल्कोलिक हीट के, के साथ करा रहा हूं अब देखो यहां पर अल्फा पे बी है और इन बीटा पोजीशन पे एच है अब इसके पास दो बीटा पोजीशन है दोनों बीटा पे एच है मतलब यहां से भी एच निकल सकता है यहां से भी एच निकल सकता है अगर मान लीजिए यहां से एच और बी निकला तो ये अल्कीन बनेगी यहां से एच निकला तो ये वाली अल्किन बनेगी आपसे अगर मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्किन कौन सी है तो इस एल्कीन के लिए तीन और तीन अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर इस के लिए देखोगे तो यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन है मतलब आप बिना कुछ सोचे बोल दोगे कि जो स्टेबल एल्किन है वो मेजर बनेगी अब यहां पर बात आती है सेट एल्कीन और की ये जो एल्कीन होती है इसे सेट कहा जाता है और ये जो एल्कीन होती है इसे हॉफमैन कहा जाता है लेकिन अब बच्चा क्या सोच लेता है कि सर सेटेफ एल्कीन मेजर बनती है ऐसा कुछ नहीं है कभी भी नाम से एल्किन मेजर नहीं बनती है एल्किन मेजर बनती है उसकी अपनी खुद की स्टेबिलिटी से सेटजेव और हॉफमैन का इतना सा मतलब है इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में यहां पे दो ब्रांच है अल्काइल वाली इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में यहां पर एक ब्रांच है अल्काइल वाली जितनी ज्यादा ब्रांच होगी वो सेटजेफ एल्किन कहलाएगी जिसमें कम ब्रांच होगी वो हॉफमैन एल्किन कहलाएगी दैट सेट जेफ और हॉफमैन का इतना सा काम है बाकी मेजर माइनर आप अल्फा हाइड्रोजन या उसकी स्टेबिलिटी से निकालोगे अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्त यहीं पे मैं ये वाला बेस ले रहा हूं टर्सी बिटोक्साइड टर्सिब्यूटोनोल हीट ये पूरा रिएजेंट है टर्सी बिटोक्साइड टर्सिब्यूटोनोल ये पूरा रिएजेंट है सुनते रहना बेटा अब ये बेस जो है ये आम बेस नहीं है भैंस है भैंस भैंस कैसे है इधर देख ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री ये ओ माइनस ये मोटा ओवरऑल भयंकर मोटा, मोटा, मोटा। यह बेस नहीं है यह है भैंस दिस इज समथिंग विच इज भैंस यह है भैंस अब यह भैंस है तो ये कहां से सुनना <laughs> तो ये जो भैंस है तो ये कहां से आसानी से एच निकाल सकती है जहां पहले ही भीड़ भाड़ कम हो आप देख पा रहे होंगे ये वन डिग्री है और ये टू डिग्री है तो इस भैंस के लिए यहां से एच निकालना ज्यादा आसान है इसलिए यहां से भी दोनों एल्कीन बनेगी यहां से भी और यहां से भी लेकिन यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड हाइड्रोजन होगा वहां से ये मोटा भैंस बेस एल्कीन बनाएगा इसलिए ये वाली मेजर बनी यहां एल्किन की स्टेबिलिटी से नहीं बनी है यहां देखा कि यहां भीड़भाड़ कम थी तो यहां से बना ली गई है क्लियर है अरे क्लियर है भैया क्लियर है भैया हेलो क्लियर क्लियर है आपसे <laughs> ये बात क्लियर होगी ये पहला क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे दोस्त है लेंगे सही में हम नहीं यार अरे यार कर लोगे कर लोगे अरे सर कैसे सर अरे मैं कह रहा हूँ कल लोगे अरे नहीं सर अरे हम कहा सर अरे मैं कह रहा हूँ कर लोगे अरे नहीं सर अबे कह रहा हूं ना कर लोगे नहीं रहे गया अरे सर गुस्सा हो गए आप तो हमारे सर गुस्सा हो गए करिए हाँ अभी तक तो एक ही खाया धीरे धीरे खाएंगे ना धीरे धीरे एनर्जी लेते रहेंगे अरे यार भाई आदित्य जाए यार भाई यार हाँ भाई अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकाल दीजिए ना अरे भाई रुक जाए यार आदित्य भैया तेरा भिजवा दू पैक करके <laughs> अरे भाई ये है अल्फा यहां पे बीटा ये बीटा और ये बीटा ये दोनों बीटा सेम है तो ऐसे केस में यहां पर क्या बनेगी दोस्त यहां पर ये एल्कीन बनेगी यहां से एच और यहां से सीएल निकल के और दूसरी एल्कीन क्या बन सकती है यहां से सीएल और इससे हाइड्रोजन निकल जाए तो यहां से दो प्रोडक्ट संभव है एक ये एक ये अब आप देख पा रहे होंगे यहां दो दो चार तीन सात अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सेवन है यहां अल्फा यहां अल्फा यहां अल्फा इसके लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है दोस्त इसके लिए चार अल्फा हाइड्रोजन है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा ये वाला इस केस में भी यही दोनों प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों हेलो दोस्तों इसमें भी यही दो प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों सेम टू सेम लेकिन यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा क्योंकि ये वन डिग्री है और ये टू डिग्री है और ये मोटा भैंस है दिस इज भैंस दिस इज समथिंग विच इज भैंस करिए आप अगला क्वेश्चन करिए अगले का आंसर बनाइए करिए बेटा आलस मत करो क्वेश्चन करो आलस मत करो अब आप यहां पे देखिए दोस्त ये है अल्फा और ये है आपका बीटा और यह है आपका बीटा यहां से दो प्रकार की एल्किन आपके पास बन सकती है या तो आप एच बी आर यहां से निकाल दीजिए तो क्या बनेगी सी एच डबल बॉन्ड सी एच यहां पर ये यह मिथाइल और यहां पर ये यह मिथाइल प्लस यहां से एच और यहां से बी आर निकाल दीजिए यहां पर क्या बनेगी पी एच सी टू यहां पर एच बी आर निकल के क्या बन जाएगा सी एस डबल बॉन्ड सी यहां पर मिथाइल यहां पर मिथाइल पता है यहां पर ये पाई सिग्मा और ये बेंजीन है दोस्त तो पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस होगा रेजोनेंस होगा तो ये वाली एल्किन मेजर बनेगी क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है जबकि इस एल्कीन के लिए दो तीन आठ अल्फा हाइड्रोजन है, है तीन तीन छह दो आठ अब पता है इधर देख यहां पर एक अल्काइल ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप मतलब यहां इसकी दो ब्रांच है एक ब्रांच दो ब्रांच तीन ब्रांच यहां तीन ब्रांच है पता है? ये वाली तेरी सेट जेफ है और ये वाली तेरी होफमेन है फिर भी मेजर आ रही है रटना नहीं है रटना नहीं है रटना नहीं है अब इधर देखो अल्फा पे बी आर बीटा यह है बीटा ये है आपको मैंने बताया था यह कैसी होती है एंटी एलिमिनेशन होती है तो यहां पर जो एच है वो भी डैश पर यह भी डैश पर कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन यहां पे दो तरह के एच हैं तो मेरे भैया यहां से ये यह काला रंग कहाँ से आ गया तो मेरे भैया यहां से एच और यहां से बी आर निकाल लीजिए ना यहाँ पर मिथाइल और यहां पर इस तरह से एल्कीन बना दीजिए एंटी एलिमिनेशन है तो बी आर और एच अपोजिट से निकलेंगे यार आपको आप प्लीज पढ़ लीजिए ना बेटा आप प्लीज पढ़ लीजिए ना बेटा मतलब अगर आप ऐसे ही करोगे तो फिर छोड़ देते हैं फिर खत्म करो हो गया हेलो हेलो एरेन क्या कर रहे हो यार आपको मतलब आपको इतना सभी नहीं लगता कि सामने वाला आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए ऐसे क्यों कर रहे हो आप यार मेरे को तो लगा था कि आप सीरियसली पढ़ने के लिए आए होंगे मतलब पता नहीं आई डोंट नो आप ऐसे क्यों कर रहे हो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चे क्योंकि मैं तो सोच के ये आया था कि मैंने कहा सीरियसली पढ़ेंगे बच्चे तो पढ़ाने में मजा आएगा लेकिन आप तो ऐसी हरकतें कर रहे हो मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि वाई यू पीपल आर डूइंग सो मच ऑफ हरकत ये क्वेश्चन करिए ये नीट दो हजार बाईस का क्वेश्चन है द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेन टू इन बीटा एलिमिनेशन फॉलो जेटसेफ सेटेफ और जेटसेफ का मतलब सेम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और डीहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है जल्दी से जल्दी से कर लीजिए दोस्त चीज वेरी गुड किस आर टू प्रोमो पेंटेन और एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है लेटर सपोज अल्कोहलिक क्यों छीट के साथ और ये बोल रहा है भाई कि यहाँ से पेंट टू इन बन रहा है तो आप देखिए अल्फा पे से बी आर और बीटा पे से एच निकल के बना होगा यानी कि ये डी हाइड्रोहेलोजिनेशन है ये बीटा एलिमिनेशन है मतलब ये ई टू रिएक्शन है अल्फ़ा बीटा वाली फॉलो जेट सेफ रूल हाँ ये सेट जेफ रूल को फॉलो कर रही है सेट जेफ वाली एल्किन बनाई है डी हाइड्रो एलोजिनेशन हाँ भाई एच और बी आर निकल रहा है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन लेकिन ये डीहाइड्रेशन नहीं है डीहाइड्रेशन में तो पानी निकालता है अपने को पानी नहीं निकालना है अपने को तो ये तीन स्टेटमेंट सही करनी है तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है क्लियर है आइए एक और क्वेश्चन कर लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलाइट फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बताइए कौन सा हेलाइट जल्दी से डीहाइड्रो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा जल्दी से आंसर कर दीजिए बोलिए दोस्तों हेलो दोस्तों बता दीजिए दोस्तों कह है रहे हैं वेरी गुड आर आई गेटे आरबीआर आर सी एल गेट दें आर एफ ठीक है आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस किचन और हॉल वाली बात है एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमिन फ्रॉम टू ब्रोमो रिजल्ट्स रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ बताइए क्या बनाएगा क्या बनाएगा बताइए बताइए देखो भाई टू ब्रोमोब्यूटेन है वही अल्कोहलिक क्यूएच हीट है भैया तो ये है आपका अल्फा ये बीटा पे हाइड्रोजन है यह बीटा पे हाइड्रोजन है यहाँ से ये बन सकती है और यहाँ से ये बन सकती है इसमें अल्फा हाइड्रोजन दो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन छः है तो ये मेजर बनेगी मेजर बनेगी तो ये ज़्यादा बनेगी ज्यादा बनेगी तो इक्वी मोलार नहीं बन सकती तो ये नहीं हो सकता कि बराबर बराबर बने नहीं होगा आंसर होगा ए टू ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा टू ब्यूटीन अरे बी कहां से हो जाएगा बराबर बराबर थोड़ी ना बनेगी ये ज्यादा बनेगी ना ये मेजर है ना अंकल अरे मेजर प्रोडक्ट तो ये है अंकल दीदी अंकल अंकल बोलिए ना अंकल ए बनेगा ये मेजर बनेगा ना मेजर बनेगा तो फिर मेजर का मतलब ही क्या है बराबर बराबर ही बोल देता अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपके डी हेलोजिनेशन रिएक्शन नाम में ही क्या लिखा है डी हेलोजिनेशन हमें क्या हटाने हैं हेलोजन हटाने हैं बेटा क्या हटाने है हेलोजन हेलोजन मतलब रिमूवल ऑफ एक्स टू करना है हमें एक्स का रिमूवल करना है ये भी आपकी इ रिएक्शन होती है ये भी आपका एंटी एलिमिनेशन होता है इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन और हेलोजन हटाया था इसमें हमें हेलोजन हटाने हैं यह भी एंटी एलिमिनेशन है ना अब यहां पर देखिए एक हेलोजन ऐसे एक हेलोजन ऐसे लगा होगा गुड और इसकी रिएक्शन किससे करानी है या तो आप एन ए आई एसीटोन हीट ले सकते हो या आप जिंक डस्ट हीट ले सकते हो और यहां से आपको क्या प्राप्त होगा यह प्राप्त होगा अब पंगा क्या है एन आपको क्या देगा आई माइनस और जिंक आपको क्या देगा जेड एन प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन अब इस आई माइनस या जिंक से निकले हुए दो इलेक्ट्रॉन काम की बात है सुनो आपको पता आई माइनस कैसा इतना बड़ा आई माइनस होल हैल इतना बड़ा आई उस पर माइनस बहुत दूर दूर पड़ा है वो कैसा फील कर रहा है स्टेबल यानी कि कैसा बेस होगा बेकार अगर वो बेकार बेस है उसकी इतनी औकातच नहीं है कि वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तुड़वा पाए क्या बात कर रहे हो सर हाँ और ये यह से जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी भी इतनी औकात नहीं है कि ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तुड़वा पाए तो ये क्या करता है रास्ता बदल लेता है अब बंद तो गया है कुछ तो करना पड़ेगा तो ये इस एक्स की एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है इसके साथ संबंध बनाता है

इंटरमीडिएट नहीं बनेगा यहां ट्रांजिशन स्टेट बनेगी दूसरी तीसरी बात यहां पे भी एंटी एलिमिनेशन है और मेरे दोस्त दोनों का रोल है तू खुद देखना आई माइनस का रोल नहीं है क्या अगर आई माइनस का रोल नहीं होता तो कार्बन हाइड्रोजन को तोड़वा लेता आई माइनस पिक्चर में आया है अभी तो पता चला है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूट सकता तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब मैं डॉट 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 बनाऊंगा तो दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे कि नहीं कर रहे बोल ही नहीं रहे हो आप यार कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोलना भाई कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम्म दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त इसकी ऑर्डर भी दो और इसकी मोलिकुलरिटी भी दो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है ई टू रिएक्शन है एंटी एलिमिनेशन इसीलिए है क्योंकि यहां पेयर है अगर आई माइनस इसी जगह से एक्स को निकालने आया तो लोन पेयर इसके रेपट मार देगा कि भाई से भैया ऐसे करके भगा देगा वो समझ गया आप इसलिए अपोजिट से दोनों हेलोजन निकलेंगे अपोजिट साइड से दोनों हेलोजन निकल के आपको ये मिलेगा आइए दोस्तों आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियां भर देता हूं पता है कैसे ट्रिक ट्रिक टिक ट्रिक शॉर्ट ट्रिक आइए शॉर्ट ट्रिक टिक टिक टिकॉट टिक टिक ट्रिक आइये सॉट ट्रिक यहां बीच में जिंक फंसाओ और यहां से ये जेड एन एक्स टू निकाल दो जेड एन एक्स टू निकाल के आपको एल्कीन मिल जाएगी इस तरह से या फिर आप एक काम करो इस एक्स को नीचे लिख लो ऐसे करके बस मन में ये रखना कि ये दोनों हेलोजन अपोजिट से निकलते हैं और यहां से ऐसे एस जेड एन एक्स टू निकाल दो ठीक है ना ऐसे एस जेड एन एक्स टू निकाल दो मतलब निकलते अपोजिट से अपन ने मान रखा है लेकिन ट्रिक आसान करने के लिए अपन ने ये लिखा है यहां x यहां x और यहां पर आप क्या रख लीजिए एन ए और यहां पर i यहां से एन ए एक्स और यहां से आई एक्स मतलब अगर आप एन ए आई के साथ करा रहे हो तो एन ए एक्स और आई एक्स बनता है और अगर आप जिंक के साथ करा रहे हो तो जेड एक्स टू साइड प्रोडक्ट बनता है एन एक्स और आई एक्स निकल के यहां से एल्किन बन जाएगा अलग क्लियर है क्या क्लियर है एन को एसीटोन में ही रखा जाता है एन एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होता है इसलिए है ना बाकियों में प्रिसिपिटेट हो जाएगा वो आइए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी दोस्तों और आपके जीवन में खुशियां आएगी तो हमारे जीवन में खुशियां आएगी मतलब यार सोचो ना यार आपके जीवन में खुशियां आ गई तो हमारे जीवन में तो आ ही जाएगी ना दोस्तों एन ए आई एसीटोन हीट या जिंक डस्ट हीट क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे बच्चे बताएंगे हे? हाँ सही में हाँ हाँ और क्या क्या बनेगा बताएंगे हमारे बच्चे फटाफट से तीन क्वेश्चन करो फटाफट से तीन क्वेश्चन कर दो हॉड कैसे कर पाएंगे हमारे बच्चे कर लेंगे कर लेंगे दोनों बियाल निकालने हैं जिंक के साथ क्या बनेगा टू ब्यूटीन अच्छा भाई वन भी ये। यहां से जिंक फंसाओ जेड एन बी आर टू निकाल दो एंटी एलिमिनेशन है झमाझम ज्छम निकल जाएगा ये ये बन रहे ना अब ये देखो दो बी आर यहां भी है यहां भी है कौन से निकालोगे नीचे वाले दो या ऊपर वाले दो नीचे वाले दो या ऊपर वाले दो बताइए ना दोस्त नीचे वाले दो या ऊपर वाले दो कौन से निकालोगे अरे भैया नीचे वाले दो या ऊपर वाले दो नीचे वाले क्यों क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है ना एंटी एलिमिनेशन होता है यहां पे जिंक फंसा देंगे यहां से क्या बन जाएगा ये बी आर और यहां से ये यह अब सुनिए एको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है जो ई टू हॉफबेन वाली होती है या इसको आप इत बोल सकते हो एनाइनिक एलिमिनेशन होती ये भी एंटी एलिमिनेशन ही है होती ये भी एंटी एलिमिनेशन ही है मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप की कहानी बताई थी मैंने बताया था कुछ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होते हैं कुछ वीक लिविंग ग्रुप होते हैं ढीट होते हैं तो आओ उस ढीट लिविंग ग्रुप से बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में सुनना मजा आ जाएगा मतलब जीवन में मतलब आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी वही अल्काइल हेलाइड है अल्कोहलिक हीट या वही टर्सरी बुटोक्साइड टर्सरी बिटोनोल वही एनएनएस टू वही सारी कहानी लेकिन अब की बार ये लगा है फ्लोरीन और ये कैसा है पुअर लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप मतलब ढीट लिविंग ग्रुप ये कैसा है ढीट है ढीट लिविंग ग्रुप है अब सुनना दोस्त मजे की कहानी सुनना ये है आपका अल्फा ये बीटा और ये बीटा यहां हाइड्रोजन है, है यहां हाइड्रोजन है, है और ये जो ओ एच माइनस है देखना गेम देखना आप ओ एच माइनस क्या है ओ एच माइनस आया कि ले जाएंगे ले जाएंगे हाइड्रोजन को तो ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे हाइड्रोजन को तो ले जाएंगे मतलब वो तो इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है कि ले जाएंगे ले जाएंगे हाइड्रोजन को ले जाएंगे हाइड्रोजन कह रही है जाऊंगी जाऊंगी ओ एच माइनस के साथ जाऊंगी अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा सो टकी बात है तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा लेकिन ये जो है पिताजी मान नहीं रहे हैं ये निकलना ही नहीं चाह रहे हैं अगर ये नहीं निकलेंगे ये नहीं निकलेंगे तो एल्किन नहीं बन पाएगी और एल्किन नहीं बन पाएगी तो हाइड्रोजन नहीं जा पाएगी हाइड्रोजन नहीं जा पाएगी तो ओ OH माइनस नहीं ले जा पाएगा कहानी देख रहे मजेदार लेकिन कभी कभार क्या होता है हार्ड डिसीजन हो जाते हैं जिंदगी में ये ओ एच माइनस तो पीछे ही पड़ चुका है कि ले जाएंगे ले जाएंगे हाइड्रोजन को ले जाएंगे हाइड्रोजन कह रही है जाऊंगी जाऊंगी ओ OH एच माइनस के साथ जाऊंगी यहां एल्किन बन नहीं पा रही है क्योंकि ये निकलना नहीं चाह रहा तो होता क्या है कि ये यह बॉन्ड यहां से टूटने लग जाता है और इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होने लग जाते हैं अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो होता नहीं है समझने के लिए आसान है सिचुएशन क्या बनती है कि वो एच जो है वो ओ एच माइनस के साथ चली जाती है जो मैं लिख रहा हूँ वो एकदम गलत है लेकिन समझने के लिए आसान है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ जाती है और इसी तरह से ये भी इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ जाती है अगर मेरे दोस्त यहां पर माइनस बनता होता तो इन दोनों माइनस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये वन डिग्री है और ये टू डिग्री है तो वन डिग्री एनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा मतलब ये मोर स्टेबल होगा अब क्या है कि देखो सिचुएशन ऐसी चलती है आपने कि आपने मूवी देखी होगी मूवी में ऐसा चलता है कि भैया जो पिताजी हैं वो मान नहीं रहे हैं वो मतलब अब इश्क हो गया है वो चली गई है मान नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम तक रूठे हुए हैं फिर मतलब क्या होता है कि वापस कभी ना कभी वो उनको दिख जाते हैं दोनों और दिख जाते हैं तो फिर पिताजी का दिल पसीत जाता है और फिर वो जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें खिलाने लग जाते हैं समझ रहे हो ना तो अंत में जो मूवी होती है वो इसी तरह की होती है कि मान ही जाते हैं पिताजी है ना मतलब ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं जो हो गया वो हो ही गया तो बस ये माइनस यहाँ से फ्लोरीन को धक्का मार के ये माइनस यहाँ से फ्लोरीन को धक्का मार के हीट की मौजूदगी में एक तो यह प्रोडक्ट बनाता है एक ये प्रोडक्ट बनाता है लेकिन यहां जो प्रोडक्ट होता है वो इस एनायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है यानी कि यह वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है इसलिए इसे ई टू हॉफमैन बोला या एनायनिक कैरेक्टर वाला ई टू बोला ये नहीं बनता है यह नहीं बनता है सिर्फ समझने के लिए था पूरा पूरा एनायन नहीं बनता समझने के लिए यहां होता क्या है यहां बनता है पार्शियल कार्बन आयन एक्चुअल में इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है दोस्त ध्यान से समझना आप यहां से ओ एच माइनस यहां एच यहां एच यहां ओ एच माइनस सिचुएशन को समझना है ना प्लीज थोड़ी सी देर है ना थोड़ी सी देर सुनिए ये बॉन्ड बन रहा होता है ये बॉन्ड टूट रहा होता है ये बॉन्ड टूट रहा होता है ये बॉन्ड बन रहा होता है अगर इधर से ले जा रहा है तो अब चक्कर क्या है ये तो निकल नहीं रहा तो इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाते हैं डेल्टा माइनस इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाते हैं डेल्टा माइनस इस तरह की आपकी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है मतलब यहां पे क्या बनता है पार्शल कार्बेनाइन बनता है क्या बनता है पार्शल लेकिन इसको फर्क पड़ रहा है यार किसको फर्क पड़ रहा है इतना दिमाग क्यों लगाना है होता सच्चाई में ये है आप तो पूरा बना लो ना पूरा बना लो पूरा बनाया जीवन में खुशियां भरेगी नहीं भरी आसान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हां भाई पूरा बन गया माइनस ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वन डिग्री है तो ये एल्किन ज्यादा स्टेबल बनेगी दैट्स इट बस हम यहां पे पॉइंट लिख लेंगे कि हियर मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ पार्शल कार्बन बनता पार्शल है आप पूरा बना लो ये कब कब लगाना आपको जब आपका लिविंग ग्रुप कैसा हो पुअर निकाल तो वही रहे ना अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकाल तो वही रहे ये कब कब लगाना आपको जब आपके पास फ्लोरीन हो एनएम थ्री प्लस हो एस टी टू प्लस हो ये हो मतलब आपके पास क्या हो पुअर लिविंग ग्रुप हो ढीट लिविंग ग्रुप आपको ऐसे करना है क्लियर है आपको ऐसे करना है अरे <laughs> ओली डेढ़ो ओवर ओवरएक्ट। अरे ओवर एक्टिंग उड़ाते हैं यार अरे ऐसे थोड़ी ना होता है आइए ये बात समझ में आ गई होगी इसके ऊपर भी हमारे बच्चे दो क्वेश्चन करेंगे पहला क्वेश्चन है देवी और सज्जन आपके सामने ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी तरफ फेंक के मार रहा हूं ये रहा और मुझे विश्वास है हमारे बच्चों पे कि वो इसे कर लेंगे ना, कर लेंगे भाई हाँ कर लेंगे कर लो कर लो बेटा कर लो हल्का हो रहा मतलब अरे <laughs> यार भाई यार क्या वजह लेते हो तुम भैया हाँ चलेगा चलेगा अभी पढ़ते रहो बस लो फटाफट वड़ प्रोडक्ट बनाओ तो देखो दोस्त ये अल्फा है ये बीटा है ये बीटा है अल्फा से पूरा आइटम निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन तो यहां पर एक एल्कीन ऐसी बनाओगे एक एल्किन ऐसी और आप भी जानते हो मेजर ये वाली बनेगी हॉफमैन की वजह से मेजर ये वाली बनेगी इंपॉर्टेंट तो है बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब इंपॉर्टेंट है प्लीज या तो आप डिसाइड कर लो आप मुझे बता दो क्या क्या पढ़ाना है तो मैं वो पढ़ा देता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बता दीजिए और अगर आप मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके पढ़ रहे हो तो फिर आप पढ़ लो आप जैसा बोलोगे आप जैसा बोलोगे आप आप देखो मैं तो आपको शुरुआत में बोला सेठ जी जैसा सेठ जी बोलेंगे वैसा कर लेगा योगेश योगेश के कोई फर्क नहीं पड़ता भाई योगेश इस बात से कोई फर्क अभी इधर देख ये वन डिग्री है और ये टू डिग्री है और वन डिग्री एनआईन और टू डिग्री एनआईन में ज्यादा स्टेबल कौन वन डिग्री तो मेजर कौन सा बनेगा ये वाला अब आप खुद सोचो इसमें है क्या जो आप परेशान हो रहे हो बस एनायन देखना है कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है ये वन डिग्री ये टू डिग्री वन डिग्री वाले मेजर बना दी ये वन डिग्री टू डिग्री डिग्री वाली मेजर बना दी कुछ है क्या इसमें अरे कुछ है क्या इसमें तो खुद बता कुछ है क्या सिंपल है यार जबस्ती चिड़चिड़े हो रहे हो परेशान हो रहे हो आइए एक और इसी बात पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ईवन सीबी इन सीबी हाँ एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस यहां पर भी क्या करेंगे रिमूवल ऑफ एचेक्स हाइड्रोजन और हेलोजन ही निकालेंगे अब सिचुएशन वही है जो इससे पहले वाली रिएक्शन में पड़ी सेम टू सेम वही रिएक्शन है मतलब होगा तो वही यहां पर भी क्या देखना भाई ध्यान से यहां पर भी वही ढीट लिविंग ग्रुप होगा बस यहां पर उस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में यह अल्फा है यह बीटा है और यह बीटा है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे लगा होगा इस बीटा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप अगर ये नहीं होता तो हम बोलते ई टू हॉफमैन ये है तो वन से भी नहीं है ई टू है ईवन से भी अब इसकी रिएक्शन भी वही अल्कोहलिक क्यूएच हीट अब यहां पर भी वही होगा इन दोनों बीटा पोजीशन पे क्या बनाना है माइनस सुन रहे हो भाई यहां पर सीओ यहां फ्लोरीन, ये यह तो ढीट है निकलना ही नहीं रहा और क्या बन सकता है यहां सीओ यहां फ्लोरीन, यहां माइनस पक्की बात है पक्की बात है अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है ये माइनस रेजोनेंस कर रहा है यानी कि ये वाला मोर स्टेबल है अगर ये मोर स्टेबल है सुनते रहना आप है ना सुनते रहना आपको नजर नहीं हटानी बेटा इफ यू इफ यू इफ यू इफ यू इफ यू इफ यू नजर गोज एवरी मतलब सब खत्म हो जाएगा यहां से क्या क्या बन सकता है जब ये यह, जब यहां से माइनस और फ्लोरीन निकलेगा देखना आप यहां से माइनस फ्लोरीन तो एल्किन यहां बनेगी यहां से फ्लोरीन निकलेगा मतलब ये माइनस इस फ्लोरीन को यहाँ आप समझ रहे हो ना ये ऐसे धक्का मार के इसको निकालेगा तो यहां से एल्किन ये बनेगी मेजर कौन सी बनेगी ये वाली क्यों क्योंकि ये एनायन ज्यादा स्टेबल था ये एनायन ज्यादा स्टेबल था अब इस ईवन सीबी की कंडीशन क्या है सुनिए दोस्त अरे सब आसान है यार सिंपल सिंपल है कुछ है ही नहीं कंडीशन फॉर इवन सीबी इवन सीबी की कंडीशन क्या है सबसे पहली तो पुअर लिविंग ग्रुप ये पुअर लिविंग ग्रुप दूसरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप ये वाला ये हो एनोटू हो मतलब स्ट्रॉन्ग माइनस एम वाला हो एट बीटा पोजिशन तीसरा स्ट्रोंग बेस और हीट हो मजा आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट ये कंडीशन है इवन सीबी की और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां मेजर प्रोडक्ट किससे डिसाइड हो रहा है मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ पूरा पूरा कार्बे यहां पार्शल नहीं बनता यहां पूरा माइनस बनता है क्यों बनता है क्योंकि उस माइनस को सपोर्ट कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रोइंग ग्रुप अच्छा तू खुद बता अरे तू खुद बताना यार तूने कॉन्जुगेट बेस नहीं सुना कभी कॉन्जुगेट बेस क्या होता है कोई एसिड होता है कोई एसिड मान ली ये एसिड है एच ए इसमें से एच प्लस को निकालता हूं तो ए माइनस जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस नहीं होता वो कॉन्जुगेट बेस होता पक्की बात है यहां हाइड्रोजन है यहां हाइड्रोजन है इस ओ एच माइनस ने इस एच को निकाला ये रहा कॉन्जुगेट बेस इस ओ एच माइनस ने एच प्लस को निकाला ये रहा कॉन्जुगेट बेस इस कॉन्जुगेट बेस में से मैं चीजों को एल्कीन बना रहा हूं तो ये क्या है एलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस इतनी सी बात है एलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस अब सुन अपन ने तीन तरह की डिहाइड्रोलोजिनेशन तीन तरह की पड़ी सुन 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 परेशान मत हो परेशान मतू अपन ने तीन तरह की पढ़ी एक अपन ने पढ़ी कि यहां ब्रोमिन है यहां पर आपका अल्कोलिक क्यूएच हीट है और अगर आपका यहां पर टर्शरी बिटोक्साइड टर्शरी ब्यूटोनोल हीट है तो यहां से आपकी दो तरह की अल्किन बनती है यहां किससे डिसाइड करते हैं यहां डिसाइड करते हैं मेजर प्रोडक्ट स्टेबल एल्कीन से पक्की बात है यहां पर आपकी दो तरह की एल्कीन बनती है यहां ये यह मेजर बना है यहां कैसे डिसाइड करा मोटे बेस से है ना बेस आपका कैसा है बल्कि है तो बल्कि के कारण ये बनेगा फिर अपन ने क्या पढ़ा फिर अपन ने पढ़ा कि अगर आपके पास यहां पर ढीट लिविंग ग्रुप है समझना आप ढीट लिविंग ग्रुप और वही अल्कोहलिक क्यूएच हीट आपको दे रखा है वही अल्कोलिक क्यूएच हीट यहां से आपकी दो एल्किन बन रही है ये वाली और ये वाली लेकिन मेजर यहां पर यह बन रही है यहां पर अपन ने किससे डिसाइड किया मेजर किससे डिसाइड किया स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल कार्बेनाइन से पार्शियल पार्शल से ये कौन सी है ई टू हॉफ मैन ये कौन सी है ई टू ये कौन सी है ई टू पक्की बात है और कैसे पता चला था यहां पर यह ढीट लिविंग ग्रुप था ढीट लिविंग ग्रुप बात को समझना तो है ना बात को समझना है ना अब इसी में क्या कर रहा हूं इसी में इसी में इसी में गेम कर रहा हूं कि यहां पर आपने ये सी डबल बॉन्ड हो यहां पर फ्लोरिन इस तरह से ले रखा है यहां पर आपने वही अल्कोहलिक हीट ले रखा है अब यहां यहां पर पर आपको आपको क्या करना पड़ता है यहां पर आपको इसके एनायन बनाने पड़ते हैं इसके एनायन बनाने पड़ते हैं एक बार तो ये अल्फा ये बीटा ये बीटा एक एनायन यहां बनेगा एक एनायन यहां बनेगा फिर उससे आपकी फाइनल एल्किन डिसाइड होती है इस तरह से एक एल्कीन तो तेरी ये वाली बनेगी और एक एल्कीन तेरी ये वाली बनेगी ये वाली तेरी मेजर क्यों बन रही है स्टेबिलिटी ऑफ से तेरी कौन सी है ईवन सी बी उसकी कंडीशन क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और क्या कंडीशन है पुअर लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप होगा तो एनआईन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा बोल अब क्लियर है क्लियर है क्या बोल यार, आप तो यार ऐसा थोड़ना होता है यार यार इज ईमानदारी यार मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे डिसाइड हुआ है लेस स्टेरिक साइड से यहां मेजर प्रोडक्ट डिसाइड हुआ है स्टेबल एल्कीन से ये बात ये बात फुल माहौल ये ये चाहिए अपने को ये चाहिए आइए दोस्त अब एक इवन रिएक्शन भी होती है अरे सार इवन भी होती है हाँ इवन इज वेरी आसान इवन इज जस्ट लाइक एस वन इवन इज जस्ट लाइक एस वन आइए इधर यहां पर आपने क्या किया सी एस थ्री सी थ्री यहां पर सी एस यहां पर आपने बी लिया आपने क्या किया दोस्त एक तो ये हरे रंग के तीर हमें पसंद नहीं है हमें तो ये पिंक कलर के पसंद है अब अच्छा लग रहा होगा आपको है ना पिंक कलर के तीर देखते हो तो अच्छा लगता है ना है यहां पर इथेनॉल के साथ रिएक्शन और यहां पर इथेनॉल हीट के साथ रिएक्शन इथेनॉल के साथ रिएक्शन इथेनॉल हीट के साथ इथेनॉल और इथेनॉल हीट के साथ रिएक्शन इथेनॉल जो है वो आपका क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा एस एन वन सुनना भाई एस एन वन होती है तो कैसे होती है यहां से बॉन्ड टूटता पहले पढ़ा दिया आपको तो यहां पर क्या बनेगा सी एस थ्री यहां सीएस थ्री यहां सी एस थ्री और यहां पर कार्बोगेटाइन बनेगा है ना यहां इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोगेटाइन फिर उस पर जाके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लोन पेयर यहां पर और ये अटैक करके आपका क्या बना लेगा मेरे भाई यहाँ पर आपका बना लेगा ओ E इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगा एक बार बेटा ये दो चार को औकात दिखाओ है ना हैशटैग समा और लव और वो फायर चलाओ इनको इनके औकात दिखाओ पहले एक बार है ना ज़्यादा बोल रहे हैं हाँ हाँ ये थोड़े लाड़ में आ रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि सामने वाला कौन है है ना ये अबे तू जानता नहीं है अभी क्या बोलूँ अभी तेरे को है ना बच्चा है भाई बच्चे की तरह रहे। ये तेरे को जो कंटेंट दे रहा हूँ ना है तू तो सोच नहीं सकता तेरे जीवन में तू तो किस लेवल का कंटेंट पढ़ रहा है समझ रहा तेरे को पता भी नहीं है अभी अबे ये अलग चीज़ है भाई है ना ज़्यादा इधर उधर की बात मत कर मूड खराब हो जाएगा तो फालतू कुछ कुछ बोल दूंगा बुरा लग जाएगा तेरे को और जिसके यहाँ से आया ना उसको बोल दियो जाके ये बात तो यहाँ पे देख पोला प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है पोला प्रोटिक सॉल्वेंट आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाता है ये आपकी स्लो स्टेप होती है इसमें किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए यही आपकी आरडीएस होती है दिस दिस इज इज योर स्लो स्टेप ठीक है और यह केटाइन बनेगा इस पे अटैक होगा और आपका यह बन जाएगा यह आपको पता है है ना यहां इथेनॉल हीट मतलब यह प्रोटिक सॉल्वेंट है और पोला प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट दिए यहां रिएक्शन चलेगी ईवन लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है वो आपके इस बॉन्ड को तोड़ता है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटैन एनायन सॉल्युबल होते हैं तो यहां से क्या बनता है यहां से भी यही केटैन बनता है सेम टू सेम सब कुछ सेम है इसके बाद जाके चीज बदलती है इसके बाद क्या चीज बदलती है दोस्त यहां जो इथेनॉल है वो हीट के साथ दिया हुआ है दोस्त ध्यान समझना ये इथेनॉल जो है वो हीट के साथ दिया हुआ है और हीट के साथ दिया हुआ है तो इथेनॉल यहां पर किसकी तरफ बिहेव करता है बेस की तरह यहां किसकी तरफ बिहेव कर रहा था न्यूक्लियो की तरह यहां बेस की तरफ बिहेव करता है ये सी और ये हाइड्रोजन ये क्या करता है मेरे दोस्त ध्यान ये लोन पेयर यहां से इस एच प्लस को निकालता है ये यह यहां पर एल्कीन बनाता है अल्फा पोजीशन से है ना तो यहां बन जाता है सीएस थ्री डबल बॉन्ड सी टू और यहां पर सीएस थ्री यहां बन जाती है एल्किन दोनों सेम है जितने पॉइंट मैंने आपको एस एन वन में पढ़ाए थे ना सेम टू सेम वही के वही पॉइंट वन में भी कॉपी पेस्ट होंगे सेम बस अंतर क्या है अंतर क्या है अगर आपको टेम्परेचर लो दिया हो और आपको सॉल्वोलाइसिस करा रखा हो लो टेम्परेचर कोई टेम्परेचर नहीं है और आपको पोला प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है उसकी मदद से हम यहां पे सॉल्वेंट की मदद से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी यहां पर एस एन वन होगी अगर आपको यहां पर यह पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और अगर आपको यहां पर हाई टेम्परेचर दिया हो टेम्परेचर कैसा दिया है हाई टेम्परेचर टेम्परेचर हाई दिया है सोल्वोलिस के साथ तो यहां पर क्या होगी ई वन रिएक्शन होगी बाकी सारे के सारे कॉपी पेस्ट होंगे पॉइंट कुछ भी अलग नहीं है एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट वही इंटरमीडिएट कार्बोड्राइन बनेगा वही रिअरेंजमेंट होगा उसके बाद अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के एल्किन बनानी है बस यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल एल्किन बनेगी बेटा मेजर प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्किन आपकी स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगी अगर एक से ज्यादा डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हो तो उस केस में एल्किन को स्टेबल वाली एल्किन को मेजर प्रोडक्ट बनाना है बाकी सब कुछ सेम है एग्जैक्टली सेम एज एस बाकी सब कुछ सेम है सोल्वोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड ब्रेक यहां से बॉन्ड तोड़ना सॉल्वेंट की मदद से ये सॉल्वेंट है सॉल्वेंट की मदद से बॉन्ड तोड़ रहे बेटा दिस इज सोल्वोलाइसिस दिस इज सोल्वोलाइसिस अब देख तेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, अब SN1, SN2, E1, E2, क्या, है? क्या बवाल चीज चल रही है लिख भी रहा था एक चीज एक बंदा एस एन वन एस एन टू क्या चल रहा है ये कल क्या रहा है कल क्या रहा है आजा तेरे दुख दर्द दूर करता हूँ कंपैरिजन बिटवीन एस एन वन एस एन टू ई वन ई टू तेरे को कब एस एन वन लगानी है कब एस एन टू लगानी है कब ई वन लगानी है और कब ई टू लगानी है वो क्लियर करता हूँ आजा अगर मान ले तेरे को यहां पर सीएस थ्री एक्स दिया हो तो इसमें ऑलवेज एसेंटू और कुछ लग ही नहीं सकता इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेंटू लगेगी ई टू नहीं लग सकती अल्फा पे हेलोजन तो है बीटा तो है ही नहीं E1 नहीं लग सकती मान यहां कार्बोकेटाइन बना दिया एल्किन कैसे बनाएगा एस एन वन नहीं लग सकती क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ एसेंटू देगा अगर तेरे को यहां पर आर सी एस टू एक्स दिया हो यानी कि तेरे को यहां पर क्या दिया हुआ है ये वन डिग्री हेलाइट दिया हुआ है वन डिग्री हेलाइट ये टेम्परेचर का इफेक्ट लिखा तो है अंकल ये हाई टेम्परेचर में इवन और लो टेम्परेचर में आपका वो बनेगा अब ये जो वन डिग्री हैलाइड है वन डिग्री हैलाइड आपको दो प्रकार की रिएक्शन दे सकती है मेनली एक तो आपको देगी एस और एक आपको देगी ए अब एस कब देगी वो सुन लीजिए आप अंतर समझिए बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं और अभी इसके बाद क्वेश्चन करेंगे मजा आ जाएगा जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी एसेंटू <coughs> कब चलेगी जब आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी एसेंटू होगी ई टू कब होगी जब आपके पास स्ट्रांग बेस प्लस हीट अल्कोलिक क्यूएच याद है अल्कोलिक क्यूएच प्लस बीटा पोजिशन पर हाइड्रोजन होगा तो आपकी ई टू होगी अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए तो मैंने आपको पढ़ाए हैं एक्वस के ओ एच मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना और जैसे आई माइनस हो गया जैसे आपका एन एस सी एन हो गया जैसे आपका एजीसीएन हो गया ठीक है ना और एक्सेट्रा बहुत सारे पढ़ाए मैंने आपको वो एग्जाम्पल ऑफ एसेंट टू में एन एन ओ टू ए जी एन ओ टू वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट ये क्या कंडीशन है याद है मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक हीट ले लो या फिर आप क्या ले सकते हो ईटीओ माइनस इथेनॉल हीट ले लो या फिर आप क्या ले सकते हो ये पूरा एक रिएजेंट है बेटा ये पूरा एक रिएजेंट है या फिर आप हीट ले लो ये पूरा एक रिएजेंट है या फिर आप क्या ले सकते हो हीट ले लो ये पूरा एक रिएजेंट है ये चार रिएजेंट है इनमें से कुछ भी ले लो अगर आपके पास इस तरह से टू डिग्री अल्काइल हेलाइट है बेटा कैसा है यह टू डिग्री अल्काइल हेलाइट है यह क्या क्या दे सकता है टू डिग्री वाला देखो क्या क्या दे सकता है यह आपको एस एन वन दे सकता है यह आपको ई वन दे सकता है यह आपको एस एन टू दे सकता है ये आपको ई टू दे सकता है यह सब दे सकता है एस एन वन ई वन एस एन टू ई टू देखना दोस्त देखना दोस्त एस एन वन कब देगा जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे जैसे पानी हो गया जैसे इथेनॉल हो गया जैसे आपका मिथेनॉल हो गया जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया इन केस में आपको एस एन वन देखने को मिलेगी जब आपका टू डिग्री हैलाइड है इवन कब देखने को मिलेगी जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ आपको हीट दियो है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट मतलब ये सारे प्रोटिक सॉल्वेंट हैं आपके और पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है बस इनके साथ हीट लिख के दियो हीट 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 एसे टू कब देगा अभी बताया जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे जब आपके न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे मतलब ये वाले होंगे इस केस में आपकी एसेंटू होगी ई टू क्या होंगी जब स्ट्रोंग बेस हीट हाइड्रोजन मतलब ये आइटम दिए होंगे ना स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट प्लस बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा तो फिर आपकी ई टू हो जाएगी ये टू डिग्री का केस है क्लियर है ये टू डिग्री वाली बात क्लियर है मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी आगे बढ़ रहा हूं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर थ्री डिग्री हो तो क्या होगा अगर आपको यहां पर इस तरह से थ्री डिग्री हेलाइट दे दे ये थ्री डिग्री हेलाइट है दोस्त दिस इज थ्री डिग्री अब थ्री डिग्री आपको क्या क्या दे सकता है वो देखिए थ्री डिग्री आपको एस एन वन दे सकता है थ्री डिग्री आपको ई वन दे सकता है थ्री डिग्री आपको ई टू दे सकता है लेकिन थ्री डिग्री आपको एस एन टू कभी नहीं दे सकता एस एन टू कभी नहीं दे सकता थ्री डिग्री वाला क्लियर है टू कभी नहीं दे सकता एस एन वन कब देगा एस एन वन देगा जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो मतलब वही पानी, अमोनिया, इथेनॉल ये सारे। ठीक जब, हीट, हीट, हीट जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस हीट हो प्लस आपके पास बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी E2 रिएक्शन हो जाएगी ये कहानी है आपकी सी एस थ्री की वन डिग्री की टू डिग्री की और थ्री डिग्री की होपफुली कब क्या लगानी है वो आपको क्लियर हो गई होगी अब क्वेश्चन की बारी है बोलिए आइए दोस्त अब क्वेश्चंस की बारी है और वो आप ही को करने हैं यहां पर मैंने बी आर दे दिया एक दो तीन चार पांच छ सात आइए अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस क्यूएच से कराता हूँ एनएससीएन सी एन से कराता हूँ एन एस सी एन से कराता हूँ ए जी सी एन से कराता हूँ यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन पानी से कराता हूँ टी टू ओ से कराता हूँ इसकी रिएक्शन इथेनॉल से कराता हूँ इसकी रिएक्शन इथेनॉल हीट से कराता हूँ देखना मजेदार सा क्वेश्चन है अब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस अकेले क्वेश्चन से इस अकेले क्वेश्चन से आप देखिए तो सही अल्कोहलिक अल्कोलिकएच हीट के साथ कराता हूँ इसकी रिएक्शन में टर्सरी ब्यूटोक्साइड टर्सरी ब्यूटेनॉल हीट के साथ कराता हूँ और इसकी रिएक्शन में ई टी एम जी बी आर के साथ कराता हूँ करना आपको ही है सब कुछ मैं बता चुका हूँ एक बार आप ट्राई तो करें एक बार आप ट्राई तो करें एक बार आप ट्राई तो, तो करें दोस्त करिए तो सही करना भाई क्या हो गया भाई बस इतना ही दम था क्या है बस क्या इतना ही है क्या इतना ही है क्या बस इतना ही इतना ही पेशन ही पैशन है तुम्हारे अंदर डॉक्टर बनने का है इतना ही पैशन है? है बस बस क्या हम तो देखो हम तो चौड़ में पढ़ा रहे हैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं देख लो हमारे अंदर का पैशन देख लो तुम तुम्हारा पैशन दिखाओ तुम कितना पैशन है देखे तो सही हम भी हम भी तो देखे आइए दोस्त इधर देखिए एक्वस क्यूएच के साथ कौन सी रिएक्शन होगी एन टू और वेज वाला जो है वो डेस में चला जाएगा ओएच OH. यहां पर एस एन टू यहां पर सी माइनस जो है वो डैश पर चला जाएगा यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा पानी के साथ कौन सी रिएक्शन होगी एस एन वन और एस एन वन में आपको पता है दोस्त कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक होगा यानी कि यहां बनेगा ओ OH, एच सेंटर जिसके दो प्रोडक्ट बनेंगे एक आर भी बनेगा और एक एस भी बनेगा बेटा ठीक है डी में क्या होगी बेटा एस एन वन होगी और वही ओडी बनेगा कायरल सेंटर के साथ तो दो प्रोडक्ट बनेंगे एक भी बनेगा और एक एस भी बनेगा सेम इथेनॉल के साथ भी एस एन वन होगी यहां पर भी क्या बनेगा ओ ईटी -E यानी कि कायरल सेंटर है दो प्रोडक्ट बनेंगे भी बनेगा और एक एस भी बनेगा अब इथेनॉल के साथ हीट दिए है मजा तो अब आएगा मजा तो अब आएगा जब इथेनॉल के साथ हीट दिए यहां पे मुन्ना इवन होगी और इवन के लिए ये अल्फा और ये अल्फा यहां से आपको दो एल्कीन मिलेगी एक एल्कीन ये वाली और एक एल्कीन ये वाली अगर आप इस हाइड्रोजन को निकालते हो तो इधर एल्कीन इस हाइड्रोजन को निकालते हो तो इधर एल्कीन अब मेजर कौन सी बनेगी ये वाली क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं छह और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दो तो ये वाली आपकी मेजर एल्कीन बन जाएगी दोस्त आ गया स्वाद ये आ गया स्वाद अल्कोहलिक हीट क्या करेगा बेटा ई टू ये अल्फा पे बी आर यहां बीटा यहां बीटा यहां से भी आपको दो एल्कीन मिलेगी एक ये वाली एक ये वाली लेकिन ये वाली मेजर होगी क्यों क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन छ है बेटा ब्यूटोक्साइड टैसरीब्यूटोक्साइड टैसरीब्यूटोनोल यहां पर भी ई टू होगी लेकिन यहां पर दो एल्कीन में जो बनेगी ना उसमें ये वाली मेजर बनेगी क्योंकि ये भैंस है भैंस क्या है ये भैंस है ना भैया अल्ले भैया भैंस है और इटी एम जी बी आर जो है वो क्या करेगा दोस्त वेज वाले बियार को डैश पर ईटी e लगा देगा क्योंकि यहाँ तो होगी ना भैया यहाँ क्या होगी सन्टू होगी असंटू होगी ना भैया असंटू होगी अब बोलिए ना अब बोलिए ना अब बोल काहे नहीं रहे हो ए, वाटर चीट करता है रे हमारा वाटर चीटर है। हमारा मास्टर तो चीटर निकला रे करो।, करो 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 इसमें ये हटा लो ज्यादा हो जाएगा इतने करो इतने करिए अरे कर लीजिए भैया अरे कर लीजिए भैया भैया जी कर लीजिए क्या हो गया भैया ए भैया गुड्डा गुड्डो क्या हो ए गुड्डू <laughs> <ए गड़ू> भाई <laughs> अरे भाई यार <laughs> मोनू भाई यार <laughs> सॉरी भाई कर लीजिए भैया आइए दोस्त एक्वे जो है वो एस करेगा जैसा कि आपको पता है वेज वाला डैश में चला जाएगा यहां यहां एस एन होगी तो ये सी माइनस तो यहां पर भी ये वेज वाला डैश पे चला जाएगा यहां पे सीएन यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो यहां पर ये यह डैश पे एन बन जाएगा एस के साथ एस होगी दोस्त एस एन वन होगी तो यहां पर क्या बनेगा मेरे भाई यहां के एन बनेगा और ये केटायन गड वन टू ये वन कोमा टू हाइड्राइट शिफ्ट करेगा और वन टू हाइड्रेट शिफ्ट करने के बाद यहां चला जाएगा और इस पर फिर पानी का अटैक होएगा और पानी का अटैक होने के बाद यहां पर ओएच बन जाएगा इस तरह से क्लियर है गर्ल भैया क्लियर वा यहां पर भी एसन वन होगा बे और यहां वो इटी आ जाएगा जब रीअरेंज होगा तो इस तरह से हो जाएगा ना रे इथेनॉल के साथ हीट लिखा हुआ है रे तो अब क्या करेंगे रे एसन वन या इवन करेंगे बोलना रे बोला बोल ही नहीं रहा है बोलना 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 यहां पर इवन करेंगे इवन करेंगे तो पहले तो आप ये कैटन बनाओगे जहां बीआर है फिर आप उस पर क्या करोगे दोस्त उस पे आप वन कॉमा टू हाइड्रेट शिफ्ट लगाओगे वन कॉमा टू हाइड्रेट शिफ्ट लगाने के बाद वो कैटाइन यहाँ आ जाएगा और उस टाइन के लिए आपके पास ये अल्फा है और ये अल्फा मतलब ये दोनों तो सेम है तो एक एल्कीन तो आपकी ये बन सकती है और एक एल्कीन ये बन सकती है यहाँ तीन और दो पांच अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर तीन तीन छ तीन नो यहाँ नौ अल्फा हाइड्रोजन है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा रे ये वाला मेजर हो जाएगा दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट इधर देखिए अल्कोहलिक क्यूएच ही टू <coughs> अल्फा ये बीटा और ये बीटा तो दोस्तों यहां से एक एल्किन ये बन सकती है और एक ये बन सकती है यहां अल्फा हाइड्रोजन नाइन है तो ये बनेगी आपकी मेजर और ये माइनर फिर ये तो भैंस है ये वन डिग्री है थ्री डिग्री है बनाएगा तो दोनों लेकिन एक को मेजर बनाएगा वो ये वाली होगी देख रहा देख रहा यहां पर ईटी यहां पर एस एन टू से रिएक्शन चलेगी यहां से थैंक यू भाई 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 एक बार, एक बार बार हो जाए मतलब थोड़ा माहौल मर के जलाओ यार ऐसे क्या ये जो हमारे ससुराल वाले बार बार आ रहे हैं थोड़ा जलाइए है उनकी ऐसे थोड़ी ना होता है आइए वाई क्यू वाई क्यू कर लीजिए टू ब्रोमो पेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल दम में जब प्रोडक्ट डॉक्टर बता दीजिए अरे भैया बता दीजिए ये, बात। ये बात भाई ये बात मजा आ गया वेरी गुडो टे पोटेशियम इथोक्साइड इथेनॉल ये अल्फा है यह बीटा है ये बीटा यह एल्किन और ये एल्किन मेजर यह बनेगी अब ये जो है वो जी आई भी शो कर सकती है तो एक ये बन सकती है और एक ये बन सकती है यहां पर इन दोनों में रिपल्शन लग सकता है तो सबसे ज्यादा मेजर तो ये बनेगी ट्रांस वाली तो ट्रांस टू पेंटिन विल बी मेजर आंसर या बात यह बात सी विल बी मेजर आंसर अगला सवाल यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तीन तरह की रिएक्शन दे रखी है आप ध्यान से पहचाने उसे और बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अब यहां पे यार कुछ मिस्टेक लग रही है फर्स्ट फटका तो उसने वो ही नहीं दिया फिर भी आप करो तो सही करिए दोस्तों थोड़ा सा मैं यहां पे करेक्शन कर देता हूं यहां पर जो है ना यह बनी हुई है सी एस थ्री सी एस डबल बोन सी एस टू तो ये देखो यह एलिमिनेशन है यहां पर बी आर की जगह ओ एच लगा है यह सब्सटीट्यूशन है और यहां पर यह दो बी आर जुड़े हैं यह एडिशन है यह एडिशन है यह एलिमिनेशन है, है और यह सब्सटीट्यूशन है अब मैच कराइए फर्स्ट इज एलिमिनेशन सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन और थर्ड इज एडिशन रिएक्शन बी आंसर हो जाएगा यह बात वेरी गुड अगला क्वेश्चन कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू यह है इसमें बी आर की जगह ओ OH एच लगा है और इसकी रेट जो है वो ऐसे लिखी हुई है इसमें ओ एच माइनस इथेनॉल लिखा है एल्किन बनी और इसकी रेट ये लिखी हुई है अब ये बोल रहा है चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन ए डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बॉथ द रिएक्शन, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन, बी, हैच विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन बी ओ एच माइनस का बी में कोई रिएक्शन नहीं है ये चार स्टेटमेंट लिखी हुई है बताइए कौन सी सही होगी बताइए कौन सी सही होगी बोलिए दोस्त चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस विल नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन है देखो बेस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना केवल अल्काइल पे डिपेंड कर रही है दोस्त <coughs> बेस पे डिपेंड ही नहीं कर रही बेस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसका मतलब केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है ट्रू है क्लियर है अगला क्वेश्चन इन द गिवन रिएक्शन थ्री ब्रोमो टू टू ब्यूटेन इथेनॉल के साथ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा 2021 का सवाल है जेई मेंस का बताइए बोलिए ना ट्रू पूछा बेटा ट्रू पूछा उसने इसलिए बाकी सब रोंग है तो ये ब्यूटेन है और यहां पे टू टू डाइमिथाइल है थ्री पे ब्रोमो है और यहां पे इथेनॉल दिया है एस एन वन रिएक्शन होगी क्योंकि यहां के टैन बनेगा फिर इसका क्या होगा हो तो वन कॉमा टू मिथाइल शिफ्ट होगा कर रहे हो ना आपू तो यहां से क्या बन जाएगा दोस्त यहां के टैन और इसके टैन पे आपका इथेनॉल का अटैक हो जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा दोस्त यहां पर ओ टी अब इसका यूपीएससी नेम लिखना है तो वन टू थ्री फोर टू इथोक्सी टू थ्री डाईमिथाइल ब्यूठेन देखना जरा टू इथोक्सी टू थ्री मिथाइल ब्यूटेन ये मैच कर रहा बी ए फुल माहौल ये आ, खेल रहा तुम्हारा ये ये टू इथॉक्सी टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन वाई आर अब है रिएक्शन विद मेटल ये आखिरी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएलखेन ही चल रहा अभी मैथड ऑफ प्रिपरेशन मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन छोटा सा है फिर मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन बहुत छोटा सा है फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन में दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एरिन की उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर अंत में जो बच्चे कुच्चे पीवाए क्यू है वो है ना मतलब लगभग दो एक दो ढाई घंटे में अपन फिनिश कर देंगे दो तीन घंटे में अगले मेटल के साथ रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वुर्ज रिएक्शन है वुड रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं सुन लीजिए वुड रिएक्शन क्या होती है आपको पता है कि अल्काइल अल्काइट की रिएक्शन जब आप सोडियम ड्राई ड्राइथर के साथ कराते हो बिल्कुल अपन शॉर्ट में बात करेंगे इसके अंदर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे तो यहां से ये माल डबल हो जाता है बस ये आर आपका सी एस थ्री वन डिग्री और टू डिग्री होना चाहिए अगर ये आर आपका जो है वो थ्री डिग्री होगा तो उस केस में सोडियम ड्राई ड्राईथर के साथ आपकी क्या बन जाएगी बेटा एल्कीन बन जाएगी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना आपको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में क्या लगाना है यहां से हेलोजन हटाना है यहां पे इस आर पे रेडिकल बनाना है और इसको इसके जैसे आर रेडिकल के साथ जोड़ देना है माल को डबल करना है और कुछ नहीं करना दो चार एग्जाम्पल करोगे अपने आप जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लो एक एग्जाम्पल ये ले लो सोडियम तो� ड्राईथर के साथ टोडियम ड्राईथर के साथ ये सब आप मतलब पहले भी पढ़ चुके हो जैसे आपने यहां पे सीएल यहां पे सीएल ले लिया आपने यहां पर इस तरह से सीएल सीएल ले लिया और आपने एक एग्जाम्पल ये ले लिया यहां पाई और यहां सीएल और यहां सीएल बताइए दोस्त सोडियम ड्राइथर के साथ कुछ नहीं करना जितने हेलोजन दिख रहे हैं वहां रेडिकल बनाओ और माल डबल कर दो थ्री डिग्री में अल्किन बनाना है आराम से पढ़ाएं मतलब सो जाऊं कुछ नहीं करना बेटा आपको ये हेलोजन निकालना है वहां रेडिकल बनाना उसकी जैसे रेडिकल से डबल कर देना है अरे यार आयुष भाई मैं क्या करूं यार <laughs> अब देखो यहां से सीएल हटाया यहां बनाया रेडिकल एक और रेडिकल इसके जैसा लिया दोनों को जोड़ दिया तो यहां क्या बनेगा इस तरह से बन जाएगा टू थ्री डायमि ब्यूटेन अरे यार।, <laughs> यार भाई यहां से इसको हटाओगे यहां पर आप थ्री डिग्री रेडिकल बनाओगे लेकिन ये डबल नहीं होता है क्योंकि यहां पर ये रेडिकल जो है थोड़ा बल्कि हो जाता है मिथाइल 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 के कारण ज्यादा बल्कि होने के कारण दूसरे रेडिकल इसके पास कंबाइन होने आई नहीं पाता जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सुमो दूसरे सुमो के कभी गले नहीं मिल सकता क्योंकि पहले ही पेट टकरा जाएंगे तो गले कैसे मिलेंगे तो ऐसे केस में आपको इसकी बीटा पोजिशन से मतलब ये जो है ना इसकी अल्फा पोशन यहां से आपको एल्कीन बना देनी है ऐसे करके ऐसे करके एल्कीन बना देना डिग्री में एल्किन बनानी आप। है आपको थर्ड वाला बताएं। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉसिबिलिटी और खुद से किसी और के हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी कौन सी ज्यादा है भाई मेरा मन है मेरा हाथ मिलाने का मन कर रहा मैंने अपने हाथ से हाथ मिला लिया मजे हो गए मेरा मन है आपसे हाथ मिलाने का आप मान ही नहीं रहे हो मैंने आपको मतलब मैंने आपको वो चॉकलेट वॉकलेट खिलाई फिर भी नहीं मान रहे हो आप हाथ ही नहीं मिला रहे हो फिर बहुत देर बाद माने तब जाके तो मतलब वो प्रोसेस स्लो हो गया इसका मतलब इंटरामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन इंटर मोलिकुलर एंटीन एंड अनलेस खुद से खुद के हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है दूसरे से एंटीन एंड अनलेस प्रोडक्ट अनस्टेबल ना बन जाए जैसे यहां से और यहां से निकालोगे तो यहां पर रेडिकल आएगा और यहां पर रेडिकल आएगा इन दोनों रेडिकल को अगर आप कंबाइन करोगे तो यहां क्या बन जाएगी एल्कि बन जाएगी एल्कीन थ्री डिग्री में बेटा एल्कीन बनाना आपको रेडिकल बनाओ उसके जस्ट बगल वाले हाइड्रोजन से मतलब ऐसे करके एच सी एल निकाल के एल्कीन बना दो है ना फिर यहां पर आप रेडिकल बनाओ यहां पर रेडिकल बनाओ इन दोनों रेडिकल को जोड़ दो बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा हाँ अरे इन दोनों को जोड़ दो ना भाई बाईसाइक्लिक बन जाएगा जब वन टू पे बनेगा तो एल्किन बनेगी वरना हर केस में बाईसाइक्लिक बनेगा स्पायरो नहीं बेटा बाईसाइक्लो फिर यहां पर सीएल सीएल हटाओ और यहां पर आप यहां रेडिकल बनाओ यहां रेडिकल बनाओ इस तरह से रेडिकल रेडिकल बनाए अब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो यह बन गया आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं तो इसलिए आप इसको फॉर्म नहीं करोगे इसके बजाय आप क्या करोगे ऐसा ही दूसरा रेडिकल लोगे और इनको आपस में ज्वाइन करोगे इस तरह से तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बेटा कम से कम ये नॉन एरोमेटिक तो है एंटी एरोमेटिक तो बनता ही नहीं ना एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहां क्या बनेगा नॉन <coughs> क्या बनेगा नॉन एरोमेटिक वुड्ज रिएक्शन इसमें कोई तकलीफ ये थी आपके वुड्ज रिएक्शन इसमें कोई तकलीफ है क्या बताइए आइए दोस्त एक और रिएक्शन में बता रहा हूं सेकेंड आपका ग्रगनाड रियजेंट क्या होता है देखिए इधर ग्रिगनाड रियजेंट देख तो लीजिए अरे देख लो ना अरे देख लो देख लो अरे देख लो देख लो अरे देख लो देख लो ग्रिगनाड रियजेंट होता है आपका आर एम जी एक्स एमजीएक्स जो होता है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दोस्त क्या है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड बना हुआ है जब मेटल से डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है तो उस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं आइए दोस्त देखिएगा इधर यहां रिएक्शन कैसे चलती है अल्काइल हेलाइट की रिएक्शन होती है और किसके साथ होती है दोस्त मैग्नीशियम ड्राईर के साथ और यहां बन जाता है आपका आर एम जी एक्स कैसे बनता है थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूं देख लीजिए इधर जो आपका मेटल है जब तक आप मेटल देख रहे हो उनका एक ही काम है इलेक्ट्रॉन छोड़ना जैसे सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जिंक है तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा ये लो छोड़ दिए और एक है आपका अल्काइल हैलाइड अल्काइल अलकाइट इस दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा देखिए जरा ये, ये इलेक्ट्रॉन पीछे तो रिएक्शन को जोड़ दीजिए जब आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो यहाँ आर एक्स है और मैग्नीशियम है आर एक्स और मैग्नीशियम जुड़ गए इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे ये आर माइनस एम जी प्लस टू और एक्स माइनस यहां से बन जाएगा आपका आर एम जी एक्स अब यहां पे आप एक्स कुछ भी ले सकते हो सबके साथ गिरनाड बन जाता है सबके साथ गिरगनाड बन जाता है बेटा सबके साथ एग्जाम्पल करो जीवन में मजे करो यहां पर सीएल ले लो पहला यहां पर आप ऐसे ले लो यहां पर सीएल एक आप ये ले लो क्लोरोबेंजीन और इनकी रिएक्शन आपको किससे करानी है मैग्नीशियम ड्राई इथर के साथ करानी है मैग्नीशियम ड्राई इथर मैग्नीशियम ड्राई इथर बनाइए ग्रिगनाड बनाइए बेटा ग्रिगनाड बना दीजिए ग्रिगनाड बना दो बेटा फटाफट से ग्रिगनाड बना दो आ, मेरे को भी मेरे को भी भाई मोर स्टडी मेरे को भी मेरे को भी यार लेकिन अब क्या करें कुछ कर रहे? तो है ना सकते बात तो सही है रहा कुछ नहीं करना कार्बन क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम लगा दो यहां क्या हो जाएगा MgCl कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या लगा दो यहां पर MgCl यहां पर इन दोनों के बीच में क्या लगा दो यहां पर भी एमजीसीएल ठीक है ना इस तरह से क्लियर है? एमजीसी तो एंटर करना है और कुछ तो ना करना है क्लियर है बोलिए आइए दोस्तों इसी बात पे फिर पी वाई क्यू कर लो ना 2020 का पीवाई क्यू है नीट का विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड इल्ड बाय वुड्स रिएक्शन जैसा आपने देखा वुड्स रिएक्शन में माल डबल होता है डबल का मतलब दो कार्बन चार कार्बन कार्बन आठ कार्बन तो इवन कार्बन तो बना सकते हैं ऑड कार्बन में तकलीफें हैं बताइए आंसर बोलिए अरे बोलिए रे देख भाई टू थ्री डायमिथाइल ब्यूटेन टू थ्री डायमिथाइल ब्यूटेन ये कैसे बनाओगा इस रेडिकल को इस रेडिकल से कंबाइन कर दोगे ये बन जाएगा एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन कैसे बना होगा इस रेडिकल को इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर दोगे तो डबल होके यह बन जाएगा एन हेक्सेन आप इस रेडिकल को इस रेडिकल के साथ डबल कर दीजिए तो आपका एन हेक्सेन भी बन जाएगा लेकिन एन हेप्टेन जो है वो नहीं बन पाएगा उसके लिए अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे पंगा हो जाएगा तो बी इज दव ब्रोमो थ्री क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन

तो यहां पर क्या दिया है वन ब्रोमो और थ्री क्लोरो तो वन ब्रोमो थ्री क्लोरो करोगे तो यहां रेडिकल और यहां रेडिकल इन दोनों का जोड़ोगे तो यही तो बनेगा लेकिन सर ये तो अलेम ना ऐसे बना ले चाहे ऐसे बना ले एक ही तो बात है भाई आइए अब हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल फाइनली अरे भाई <laughs> इस प्रकार से आपकी केमिकल प्रॉपर्टियों के अरे यार भाई यार वह जो है यार मैं कोई मज़े तो कर नहीं रहा हूं देख लो आप है ना अरे भाई यार अरे यार भाई आप जाके अरे भाई यार अरे भाई अरे आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो हम तीन तरह से कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में भी हम किस किस से बना सकते हैं हम यहां पर एल्केन से बना सकते हैं दोस्त हम से बना सकते हैं हम एल्कीन से बना सकते हैं और हम एल्काइन से बना सकते हैं इसको आप चोर में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा क्योंकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा है ना फिर भी मैं आपको बताऊंगा बाकी चौड़ में आप हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर देखें अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको पूरा चौड़ में बताऊंगा वो मेरा पार्ट है फ्रॉम अल्काइल अल्काइल में पिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और एक स्वार्ट्स रिएक्शन ये दो रिएक्शन हमें देखनी है नेम रिएक्शन है सस्ती रिएक्शन है एक पेज में दोनों खत्म हो जाएगी पिंकलस्टीन और स्वार्ट्स ठीक है सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में देख रहे हैं एल्केन से कैसे बना सकते हैं फोटो फोटोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन फोटो एलकेशन ऑफ एल्केन एक सिंपल सी रिएक्शन है आइए इधर देखिए ये आपका हाइड्रोकार्बन है इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो एक्सटू एच के साथ तो यहां पे आर एक्स और एच एक्स बन जाता है हालांकि ये रिएक्शन आधे पौने घंटे की होती है जो आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हो तो फिर वो मेरा काम नहीं है आपको कुछ नहीं करना हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन लगाना है दैट्स इट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये हो जाता है मैं आपको एग्जाम्पल जरूर कराऊंगा वो मेरा फर्ज बनता है तो यहां पर मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया और मैं इसकी रिएक्शन जो है वो बी आर टू एचन यू से करा रहा हूं और उसे एक मोल ले रहा हूं यहां पे करना क्या होता है सुनिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं आप सुन लीजिए यहां पे करना क्या होता है यहां पे आपको डिफरेंट हाइड्रोजन को ब्रोमीन से बदलना होता है या हेलोजन से बदलना होता है रेडिकल मैकेनिज्म से तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ है यहां पे डिफरेंट हाइड्रोजन ढूंढने आप देखोगे तो ये वाला और ये वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एग्जेक्टली exactly सेम है ये वाले और ये वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एग्जेक्टली exactly सेम है तो आपने ये देखा कि यहां पे और यहां पर ये डिफरेंट हाइड्रोजन है तो रेडिकल यहां बन सकता है और रेडिकल यहां बन सकता है जहां जहां रेडिकल बन सकता है वहां बी रेडिकल को जोड़ दीजिए तो इसको हटाइए इसको हटाइए यहां पे बी आर लगा दीजिए बेटा और यहां पर बी आर लगा दीजिए इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं दोनों के आई यूपीएससी नेम डिफरेंट है ठीक है यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है तो ये एक ही बनेगा लेकिन यहां पर कायरल सेंटर है तो ये कितने बनेंगे दो बनेंगे बेटा एक बनेगा आर और एक बनेगा एस अगर आपसे सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछे तो दो बनेंगे अगर आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करके पूछे तो तीन बनेंगे होपफुली आपको ये बात क्लियर 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 हो हो गई गई होगी होगी है बाकी इस रिएक्शन को आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से देखें बेटा मेरी बात समझिए आप क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहली चीज तो लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाई गई होगी वहां पे आप इसको चौड़ में देख सकते हैं आप समझिए इस बात को है ना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है होपफुली यू गॉट माई पॉइंट बोलिए बेटा यहां से भी आपका हेलो एल्केन बन रहा है बोलिए बोलिए यहां से भी हेलो एल्केन बन रहा है बोलिए बेटा मतलब मैं आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं बेटा आपको डिटेल में पढ़नी इसीलिए बोल रहा हूं हाँ वेरी गुड हाँ ये ये अच्छी बात लगी आप समझदार हो समझदार को इशारा काफी होता है बेटा है ना अब यहां पर देखो ये इसके ऊपर पीवा क्यू है जेईमेस का दो हजार बारह का पीवाई क्यू है वो कर लेते हैं अपन विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर मास सेवेंटी यू गिव ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो अल्काइल अलकाइट सिर्फ एक मोनो मोनोसब्सटीट्यूटेड अल्काइल हेलाइट देगा सिर्फ एक मोनो अल्काइल अलकाइट मतलब मैं क्या करूं मतलब आयुष क्या हो गया आप वो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में से देखो उसे आप समझो बात को ऐसे तो फिर पढ़ते रहेंगे अपन चीजों को है ना जो चीज जहां पढ़ने की है वो वहां पे पढ़ने की होती है वहां डिटेल में पढ़ाई गई है देखो बेटा यहां पर एक तो सेवनटी टू यू की बात करी है आइसोहेक्न आप तो ये देखो ना ये आपका आइसोहेक्न है अब इसमें आप देखो डिफरेंट हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच यहां से पांच तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं हेक्जेन, नियो हेक्जेन का मतलब अब आप न, तो ये अलग है है। आयुपीएस जोड़ोगे अलग आयुपीएसी नेम यहां जोड़ोगे अलग आयुपीएस नेम यहां तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड टर्सरी तो खुद ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता नियोपेंटेन की बात करते हैं नियोपेंटेन कैसा होता है बेटा यहां यहां पर इस तरह से से होता है अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे सारे तरह के हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो कहीं से भी लगा लो ना एक जैसे हैं तो कहीं भी आप हेलोजन लगा लो एक ही प्रोडक्ट बनेगा अब आप चेक भी कर सकते हो इसका सेवन आ रहा है कि नहीं आ रहा एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन है और तीन तीन छ तीन नो तीन बारह बारह हाइड्रोजन है पांच कार्बन बारह पंजे साठ और बारह सिक्सटी प्लस टू सेवेंटी टू इसका मास भी आ रहा है इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है वेरी गुड क्लियर है अब सेकेंड तरीका जिससे आप हेलो एल्केन बना सकते हो वो है एल्कीन अगेन ये भी आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बहुत चौड़ में पढ़ते हो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एच बी आर मार्कोनिक रूल मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं आइए देखिए जरा इधर रिवाइज करवा रहा हूं बेटा मैं मेरा फर्ज है रिवाइज कराना वो मैं नहीं भूलूंगा वो मैं करवा रहा हूं आप इधर ध्यान से देखिए मान लीजिए आपने ये एल्किन ली है इस पर आपने एच के साथ रिएक्शन करा दी इसमें आपने एच के साथ परोक्साइड वाली रिएक्शन करा दी मतलब आप एनसीआर टी कोल के देख लो अगर एनसीआर ने ये हेलो एल्केन हेलो एलन में दियो ना तो नाम बदल देना मतलब वो भी वहां हाइड्रोकार्बन में दे चुका है तो वो बोलता है कि ये पोर्शन वहां पे जाके पड़े ठीक है ना आप समझो ना जब आप समझो ना बात को जो चीज जहां पर अब मैंने मैंने देखो मैंने आपको एस एन वन एस एन टू सब चोड़ में पढ़ाई हालांकि मुझे तो ई टू भी नहीं पढ़ानी चाहिए थी क्योंकि वो भी आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखी है लेकिन मैंने वो भी आपको चोड़ में पढ़ाई की नहीं पढ़ाई क्यों क्योंकि वो मेरा पार्ट है मेरे को पढ़ाना था लेकिन ये चीज आप ऑलरेडी डन कर चुके हो लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं आइए आइए बेटा फटावट बटावट आंसर लिखेंगे इसके मुझे विश्वास है आप कर लोगे मुझे विश्वास है कर लोगे हम्म हाँ 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 बेटा कराई होगी सर हाँ तो ने हाँ बिल्कुल जय श्री सही करो तो ईटू मैंने पढ़ाई ना ईटू मैंने पढ़ाई दी अब सुनो यहां पे मार्कोनी को विद रीअरेंजमेंट लगता है अब देखो होता क्या है ये एल्किन इस एच प्लस पे अटैक करती है मैं पढ़ा रहा हूं आपको देख लो इधर यहां पर ये एच जुड़ेगा तो केटाइन यहां बनेगा अब ये जो केटाइन बना है दोस्त सुनना ध्यान से ये वन और ये टू ये वन कोमा टू हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकता है वन हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये यहां पहुंच जाएगा यहां पहुंचने के बाद यहां पर इस पे बी आर माइनस का अटैक होगा जो फाइनल केटाइन है तो यहां पर बी आर लग जाएगा यह है मार्कोनिकॉफ रूल विद रीअरेंजमेंट क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है ठीक है बेटा एच बी आर जब परोक्साइड केवल एच बी आर परोक्साइड इफेक्ट शो करता है और वहां क्या लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब यहां पर आपका एच और यहां पे आपका बी आर लगेगा इस तरह से ठीक है एच सी एल HCl के साथ अगेन मार्कोनोकोव विद रीअरेंजमेंट मतलब यही पूरा प्रोसीजर वहां पे भी चलेगा तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं Br की जगह Cl आ जाएगा HCl के साथ परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ लगता है तो यहां पर भी मार्कोनोकोव विद रीअरेंजमेंट मतलब ये का यही प्रोडक्ट यहां पर भी बनेगा सेम टू सेम यहां पर ये यह प्रोडक्ट बनेगा Br2CCl4 जो है वो क्या करता है बेटा मार्कोनिको विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब वहां मार्कोनिको तो लगता है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता क्यों क्योंकि वहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेट बनता है और वहां पर एंटी एडिशन होता है दोस्त एंटी एडिशन तो इस प्रकार से दो बी लग जाते हैं वो ओपन चेन में फील नहीं देते ओपन चेन में उसमें फील नहीं आएगी आपको कि वो अपोजिट है या सेम साइड है ओपन चेन के अंदर क्लोज चेन होती है तो फील आती है जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर देखो अगर मैं बी आर टू सीसी की बात करूं ना दोस्त तो बी आर टू एक डैश पर जुड़ेगा ये कहानी है एंटी एडिशन की दिस इज द कहानी ऑफ एंटी एडिशन मुद्दे की बात आप देखो क्या हम एल्किन से अल्काइल हैलाइड बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हम एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए टाइम ट्रेवलर तुम पढ़ने वाले बच्चों क्या कर रहे हो यार तुम इतने अच्छे बच्चे हो गए ऐसी हरकत कर रहे हो क्या लगता है कैसे है बेटा ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप फिर मैंने आपको रिवाइज करा दी एलकिन के साथ अब इसी बात पे एक पीवाई क्यू हो जाए 2020 का पी क्यू है सिंपल सा पी क्यू है बताइए दोस्त यहां पर H प्लस है बेटा एल्किनिस H प्लस पे अटैक करेगी तो यहां पर क्या बनेगा यहां पे कैटायन फिर आपका सीएच है फिर आपका सीएच है फिर आपका मिथाइल है फिर मिथाइल है अब आप यहां पे देखिए बेटा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, है? पांच इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा तीन और दो पांच अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास क्या ये करेगा नहीं अगर आप इसको रीअरेंज कराओगे तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो इस पर आप सिर्फ बी आर माइनस का अटैक करा कराइए सेकेंड कार्बन पे बी आर आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही मैच कर रहा है ये थर्ड कार्बन पे चले गया है ठीक है ए ऑप्शन विल बी करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड बेटा शाबाश आइए दोस्त एक और रिएक्शन में आपको रिवाइज करा देता हूं एनबीएस एच न्यू के साथ एनबीएस क्या होता है सुनिए एनबीएस क्या होता है सुनिए दोस्त एनबीएस होता है एन ब्रोमो एन ब्रोमो सक्सीनामाइट एन ब्रोमो सक्सीनामाइट एन ब्रोमो ये इसको बोलते हैं एन बीएस। एन बीएस क्या करता करता है? है. और पे बी आर लगाने का काम करता है। इधर देखिए आप. मान लीजिए आपके, CS, आपके पास बेंजीन और एस एस सी एस थ्री दे रखी हो इसकी रिएक्शन अगर आप न्यू से करा रहे हो न्यू से आपको क्या करना है दोस्त आपको सबसे पहले जितनी भी अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है उसे फाइंड आउट करना है जैसे ये अलाइलिक पोजीशन है ये पोजीशन आपकी बेंजाइलिक पोजीशन है अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद आपको वहां रेडिकल बनाना है और उन रेडिकल पे आपको बी आर रेडिकल को जोड़ देना है सिंपल है जैसे यहां पर आपने क्या किया यहां पर आपने ये रेडिकल बनाया ये रेडिकल को आपको रेजोनेंस करा के देखना है

अगर आप बेंजीन में लेके गए तो फिर बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी तो वहां नहीं लेके जाना है तो यहां पर आप बियाल लगा दीजिए मतलब अलाइलिक और बेन्जिक पोजीशन पे आपको बियाल लगाना है सेट। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको अब एक आप कर दीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं फिर आपसे क्या कह रहा हूं सुन लीजिए मेरी बात को मैं आपसे कह रहा हूं अलाइलिक पोजिशन फाइंड आउट कीजिए वहां रेडिकल बनाए उस रेडिकल का रेजोनेंस कराएं अगर उसकी शक्ल अलग है तो उसे भी काउंट करना पड़ेगा जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी शकल हु वैसी की वैसी ही थी तो कोई फायदा नहीं था दोनों सेम थे अलग होती तो मैं उसे भी काउंट करता अगर मेरी बातों को समझ पाया हो तो एक बार इसे ट्राई करो बाकी मैं डिस्कस करूंगा इसे अभी औरड इफेक्ट यहां तो होना लगता है वो तो पहले ही रह गया ना यार भाई क्या कर रहा है यार टाइम ट्रेवलर यार क्यों हरकत कर रहा है भाई सबसे पहले आपने यहां पर देखा कि ये पोजीशन आपकी अलाइलिक पोजीशन है इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो यहां पर आपने ये रेडिकल बना लिया होगा एनबीएस एच न्यू के साथ रिएक्शन करानी है यहां पर आपने ये रेडिकल बना लिया होगा अब आपको क्या करना है दोस्त इस रेडिकल का रेजोनेंस कराना है तो यहाँ क्या बनेगा दोस्त यहाँ पर यह रेडिकल और यहाँ पर यह डबल बॉन्ड सी एस टू बन जाएगा अब क्या ये दोनों रेडिकल सेम शक्ल के नहीं ये वन डिग्री या टू डिग्री अलग अलग शक्ल है हम दोनों पे क्या करेंगे हम दोनों पे बी आर रेडिकल को जोड़ेंगे इस पे भी बी आर रेडिकल और इस पे भी बी आर रेडिकल दोनों पे बी आर रेडिकल जोड़ने के बाद यहां क्या बनेगा यहां बनेगा आपका सी एस टू बी आर यहां बनेगा आपका यहां पर बी आर और यहां पर सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू अब आप ध्यान से देखोगे अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछे तो दो बनेंगे एक बार यार एक बार आप जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा दिल विल फायर वायर फेंक के मारो यार थोड़ा सा ये देखो ये भी तो कितने लगे पड़े हैं ना पता तो चले कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हक्के मारो यार इनके मुंह पे हम्म शाबाश हम्म ये बात क्यों भाई सफे मर जली क्या तेरी जलगी ना आया मज़ा हमारे बच्चे हैं मेहनती नहीं जीत पाएगा तू इनसे समझ गया अलग लेवल के होते हैं जीत पाएगा सपेमर ध्यान रखियो हो। मेहनती होते हैं हमारे बच्चे अब यहां पर देखो आप इस कार्बन पे हाइड्रोजन अलग पीएच अलग इस कार्बन पे हाइड्रोजन अलग सी टू बी आर अलग मतलब ये एल्किन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम शो करेगी मतलब यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे एक सिस बनेगा और एक बनेगा ट्रांस है यहां पे आपको कैरल सेंटर नजर आ रहा होगा तो यहां से भी दो बनेंगे एक आर बनेगा एस तो टोटल कितने बने चार अगर कोई स्ट्रक्चरल पूछता है अगर आपसे कोई स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पूछे तो कितने बनेंगे दो एक और एक दो स्टीरियो को इंक्लूड करके पूछे इंक्लूडिंग स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो करके पूछता है इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बनेंगे दो चार ओनली स्ट्रक्चरल दो इंक्लूडिंग स्टीरियो चार क्लियर डा बहुत बढ़िया तो आप यहां देखो NBS न्यू से भी आपका हेलो एल्केन बन रहा है आइए दोस्तों एल्काइन से भी आप हेलो एल्केन बना सकते हो देख लीजिए ना आइए देखिए दोस्तों आर सी ट्रिपल वी एच इसकी रिएक्शन देखिए ना इसकी रिएक्शन दो मोल एच बी आर और बी आर टू फोर हीट के साथ अब आप ध्यान से देखना यह पाइबोन जो है वो इस एच प्लस पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा दोस्त आर डबल बॉन्ड यहां पर एक एच पहले से था यहां सी एस टू यहां पर कैटैन बन जाएगा इस कैटैन पे जो है इस कैटैन पे वो बी आर माइनस अटैक करेगा वही मार्को वाली बात कर रहा हूं कुछ अलग बात तो है नहीं तो यहां बन गया आर सी बी आर डबल बॉन्ड सी एस टू इस प्रकार से अब इसके पास अभी भी माल है इसके पास अभी भी एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी है तो अब क्या होगा एचबीआर ये तो यहां पे कैटायन बनेगा अब ये कैटायन यहां बनाने में फायदा है क्यों क्योंकि ब्रोमीन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस कर सकता है यहां से CH3 और फाइनली इस पे Br- का अटैक करा दीजिए इस जगह पर तो यहां क्या बन जाएगा यहां दो Br लग जाएंगे इस तरह से इस तरह से दो बी तो यहां से बनेगा जेम डाईलाइट ठीक है ना पहले एक एच बी आर जोड़ा मार्कोनिक फिर दूसरा एच बी आर जोड़ा यहां क्यों बनाया? लोन सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस की से। अरे अरे मतलब इलेक्ट्रॉनिटिव बीआर टू सीसीएल फोर क्या करेगा आप जानते हो बीआर टू सीसीएल फोर एंटी एडिशन करता है पहले एक पाइबोन तोड़ना एक बी आर और एक बी आर लगाना क्या बनेगा दोस्त आर सी बी आर डबल बॉन्ड सी यहां बी आर और एच फिर एक और पाई तोड़ना फिर बी आर बी आर लगाना क्या बनेगा आर सी यहां बी आर यहां पर बी आर यहां पर बी आर यहां पर बी आर मतलब इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां चार बी आर बनेंगे इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां दो बी आर लगेंगे ये एल्काइन की रिएक्शन हो गई इससे भी आपका क्या बन सकता है हेलो एल्केन बन सकता है ये भी आपने हाइड्रोकार्बन में चौड़ में पढ़ रखा है क्लियर है ए क्लियर बा हेलो 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 हाँ, टेस्ट ऑफ अनसेन भी है अनसेचुरेशन टेस्ट जो ब्राउन कलर को कलरलेस कर देता है यह बात आइए दोस्तों अब हम दारू से हैलाइड बनाएंगे हैं दारू खराब कर देंगे हाँ दारू से अल्काइल अल्काइट बनाते हैं तो यहां पर यह पहली रिएक्शन है जिसका नाम है डार्जन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन आइए यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन है और अल्कोहल से क्या बनाना है अल्काइट एसोसियल टू हीट और एसओसियल टू पिरीडीन हीट यहां पे जो मैकेनिज्म चलता है वो चलता है एसएनआई और यहां जो मैकेनिज्म चलता है वो चलता है एस एन टू यहां जो बनता है वो बनता है आर सी एल एसओ टू गैस और यहां पर एच सी एल गैस बनती है गुड्डू यहां पर यह बनती है और पता है गुड्डू यहां पर भी यही बनती है सेम टू सेम पता है यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ना गुड्डू वो बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट रिटेंशन मतलब जिस तरफ OH है उसी तरफ सीएल लगता है और जिस तरफ OH है उसके अपोजिट में सीएल लगे तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट एस एन टू में इनवर्जन होता है भाड़ में गया मैकेनिज्म आइए एक झमाझम जम शॉर्ट ट्रिक ले जाइए आइए एक झमाझम जम। ए ट्रिक 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 शॉर्ट ट्रिक आइए शॉर्ट ट्रिक ले लीजिए भैया शॉर्ट ट्रिक ले रहे शॉर्ट ट्रिक यहां पे आर ओ एच यहां पर रख एसओ यहां पर सी एल यहां पर सीएल ऐसे सी एल सी एल की बाहें फैला दे सीएलसीएल की बाहें फैला के ऐसे काट ऐसे काट, काट आर सी एल एसओ टू एच सी एल कौन सी ट्रिक है ये सोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे, 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 मुझे दे दे गब्बर सोले मूवी ठाकुर सोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर ये हाथ मुझे दे दे हाथ मुझे दे दे गब्बर मूवी ठाकुर हाथ मुझे दे दे गब्बर अभी क्वेश्चन करेंगे एक साथ है ना अब आप आर को मिथाइल रखो इथाइल रखो 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 कुछ भी रखो ना आपकी मर्जी पड़े जो है ना ये बनेगा प्रोडक्ट और ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हलाइट बनाने का क्योंकि यहां जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस है और ले चाटे ले चाटे ली चैटेली क्या कहा था कि जिस तरफ से चीजें कम हो जाए रिएक्शन को उस तरफ ले जाइए इस तरफ से चीजें कम हो गई है तो रिएक्शन आगे चल जाएगी मतलब है ना यह पहली रिएक्शन थी डार्जन रिएक्शन एस एन आई और एस एन टू यहां रिटेंशन या इनवर्जन आइए दोस्त अगली रिएक्शन देखिए है है ना ना अभी क्वेश्चन करेंगे आप देखिएगा आपका अल्कोहल भैया और अल्कोहल की रिएक्शन पीसीएल फाइव के साथ यह भी रिएक्शन आपकी एस एन टू रिएक्शन होती है यहां से बनता है आर और बनता है पीओ और एच गैस बन जाती है यहां से एच गैस टिरिक ट्रिक टिरिक ट्रिक ट्रिक टिर सॉट ट्रिक ट्रिक टिर सॉट ट्रिक एसेंटू हो रहा है मतलब इन्वर्जन होगा जिस तरफ ओ है उसके अपोजिट में CL आइए सॉर्ट ट्रिक देख लीजिए दोस्तों ट्रिक टिर ये पी सी को तीन इधर एक्सीएल इधर एक्एल इधर सोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर आरसीएल पीओसीएल थ्री एच सी एल ऐसे नहीं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन होती है मैकेनिज्म जानने की आवश्यकता नहीं है बस ये ध्यान रखो वहां पे रिटेंशन होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन है ना मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पे है ना ये बन गया फिर आपकी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पी एक्स थ्री या पी प्लस एक्स टू हीट आइए यहां पर आपका अल्कोहल है और इस अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो हमें पी एक्स थ्री हीट या पी प्लस एक्स टू हीट से करानी है अपन पी सी एल थ्री लेते हैं तो एक सेकेंड हो गया पी सी एल थ्री हीट या पी प्लस सी एल टू हीट से कराते हैं तो यहां पर आपका आर सी एल और एस थ्री थ्री बनता है यहाँ पे आपको तीन मोल अल्कोहल लेने पड़ते हैं ट्रिक 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 सॉ ट्रिक 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 यहां पर भी असेंटू होती है यहां पर भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है आइए यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए अल्कोहल 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 और यहां पर ये तीन ऐसे करके लिख दो और यहां से इस तरह से डब्बा बना दीजिए दोस्त आर सी एल आर सी एल आर सी एल एस थ्री पी ओ थ्री इस तरह से आपका आर सी एल और एस थ्री थ्री बनता है एक मिनट मैं बैटरी चेंज करवा लेता हूं आइए तो यहां से आपका आरसीएल बन गया ठीक है ना आवाज आ रही होगी आपको तीसरी रिएक्शन थी चौथी रिएक्शन है HCl ZnCl2 के साथ जिसको आप लुक्का के नाम से भी जानते हो लुकास रिएजेंट आपने सुना होगा लुकास रिएजेंट है ना आइए इस केस में जब आप अल्कोहल की रिएक्शन HCl ZnCl2 से कराते हो दोस्त HCl ZnCl2 हीट तो यहाँ पर आपकी एस एन वन रिएक्शन होती है जहां ओ OH एच लगा है वहां आपका कार्बोकेटाइन बनता है ये जो है ना आर ओ एच उसमें कार्बोकेटाइन बनता है और ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये रीअरेंज भी कर सकता है अगर संभव हुआ तो रीअरेंज इफ पॉसिबल रीअरेंज इफ पॉसिबल मेरे भाई और उसके बाद इस पर आपका सी एल माइनस अटैक कर देता है और यहां से आर सी एल बन जाता है जिसकी वाइट कलर की

उतनी जल्दी सफेद कलर की गंदगी आएगी अब ये कार्बोगाड्राइन जल्दी कब बनेगा वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री जल्दी बता किसमें जल्दी बनेगा कार्बोगाट्रेन जल्दी बता भाई क्या कर रहा है यार किसमें जल्दी बनेगा बोल ही नहीं रहा तू तो तू तो, तो बोल ही नहीं रहा हां वेरी गुड वेरी गुड चिरंतन वेरी गुड थ्री डिग्री फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा शाबाश बेटा शाबाश मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट बस आपको ध्यान रखना है जहां ओ OH है वहां पर केटन बनाए उसे रीअरेंज कराए और आरसीएल बना ले आए एक बार फिर से रिविजन कर लें इन चीजों का आए एक बार फिर से रिविजन कर लें आए एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं आइए तो मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको यह पढ़ाया कि अल्कोहल जो है ना अल्कोहल आपका वो अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन कर सकता है एक दो तीन चार और ये पांच एक कर सकता है एसोसीएल टू हीट एक कर सकता है एसोसियल टू पीरियडीन हीट एक कर सकता है प्लस हीट पीसीएलता रिएक्शन होती है वो एस एन आई होती है ये जो रिएक्शन होती है वो एस एन टू ये वाली एस एन टू ये वाली एस एन टू और ये वाली एस एन वन होती है डियर डियर ये वाली एस एन वन होती है अब यहां पर आप देखिए यहां क्या बनेगा आपका आर सी एल यहां क्या बनेगा आपका एसओ टू और यहां आपका एच सी एल गैस बनेगा सेम प्रोडक्ट आपका यहां पर भी बनेगा इसको कर लीजिए कॉपी इसको कर लीजिए पेस्ट यहां पर आपका क्या बनेगा आर सी एल यहां पर पी सी एल थ्री और यहां पर एच सी एल बनेगा यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है दोस्त यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन वाला बनता है यहां पर इन्वर्जन वाला बनता है ऑल मेले त्या ए भैया तुम लोग क्या आर सी एल प्लस एच थ्री बनेगा ले यहाँ पे भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पहले काल्बो के तैन बनेगा उस काल्बो के तैन पे पता है क्या होएगा उस काल्बो के तैन पे तेल एल माइनस अटैक कल देगा आर बन जाएगा एथ एन से क्योंकि काल्बो के तैन बन रहा है तो रियल एन भी करेगा ना रियल एन इज पॉसिबल पर आपको रीअरेंजमेंट भी कराना है ठीक है रीअरेंजमेंट भी कराना है क्लियर है क्लियर है आइए दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए जीवन में खुशियां बढ़ जाए आपके आइए दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए जीवन में खुशियां बढ़ जाए क्या ही कहने अरे क्या ही कहने खुशियां दोस्तों एसओसीएल टू पीरिडीन हीट आइए दोस्तों पीसीएल फाइव हीट आइए दोस्तों पीसीएल थ्री हिट आइए दोस्तों एच सी एल प्लस जेड एनसीएल टू हीट आइए दोस्तों बना लीजिए आंसर आंसर बना दीजिए अंतर बना दो आंतर आंतर अरे बोलना भाई मुका ताला खोलना भाई हलवा सवाल ये बात ये बात वेरी गुड हाँ बड़ा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता अरे स्वाद आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए साइड प्रोडक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट मेन प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट टेल मी दी आंसर प्लीज नेशन वॉन्ट्स टू नो यहां पर ये नहीं बनेगा दोस्तों ये बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा जिधर ओ एच एधर ही सी होगा हैशटैग समा चला दीजिए हैश समा चला दीजिए हैश समा हैशटैग स्वाद आया मजा आया लव फायर जला दीजिए मर की यहां पर एस एन टू लगेगा दोस्तों आई आई इंट्रामोलिकुलर अरे यार भाई यार अरे यार खान साहब ने क्या बोल दिया यार वो तो मुझे भी पता है भाई अब क्या कर सकते हो उस चीज का आपके साथ भी होने वाला है वही चीज बेटा ये तो नेचर आजकल नेचर ऐसा ही हो गया है क्या कर सकते हैं है ना तो यहां पर वेज का वेज पे ओएच एच डैश पे सीएल आ जाएगा वेज, वेज पे ओएच एच डैश पे सीएल आ जाएगा फिर पी सी एल थ्री हीट जो है वो एस एन टू करेगा यहां पर वेज वाला जो है वो सीएल डैश पर आ जाएगा मतलब ओएच डैश पर अब इसमें क्या होगा एस एन वन रिएक्शन होगी एस एन वन होगी तो यहां पर कार्बोगेटाइन बनेगा और इस कार्बो के पे फिर सी एल माइनस अटैक करेगा तो यहां पर यह सीएल आ जाएगा मतलब सीएल माइनस इसके टाइम पे अटैक करके यहां पर ये यह बना देगा टू क्लोरोब्यूटेन और ये काइरल सेंटर बनेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आर बी और एस बी यानी कि यहां पर आपका रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा क्लियर है एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा एक और क्वेश्चन कर लीजिए दोस्त यार आप लोग हल्के हो यार मतलब करते हो यार मतलब जवाब ही नहीं देते हो यार आप लोग यार करिए बेटा करिए करिए होएगा होएगा ईमानदारी से करते जाइए बेटा ईमानदारी से करते जाइए अरे यार भाई जयदीप भाई यार, <coughs> यार भाई आजकल के बच्चों को देखो ये तो रेस्पेक्ट है करते हैं वो टीचर्स की बताइए वाह यार तेरा कुछ नहीं होगा भाई ईश्वर मतलब क्या बोलूं तेरे को ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है तेरा कुछ ना हो <laughs> बताइए <laughs> दोस्त आंसर बनाइए बस ये होने वाला है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म होने वाली है फिर आपकी वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन आ जाएगी फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर कुछ पीवाई थोड़े बहुत बचे हुए खत्म हो जाएगा बस थोड़ा है ज्यादा नहीं है अब आप आप ही तो बोले थे जोश में कि पूरा पढ़ाई है सब कुछ पढ़ाई है एन सी आर टी पढ़ाई है या पढ़ाई है तो सब पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं छोड़ रहे हैं देखिए बताइए आप सब जे ई वेई के सवाल करवा दे रहे हैं है ना नीट तो छोड़िए जेई के सवाल करवा दे रहे हैं और क्या लोगे बच्चे की जान लोगे हैं यहाँ पर एस एन आई होगा एस एन आई होगा तो यहाँ एम ई यहाँ ई टी यहाँ एच जिधर ओ एच लगा है उधर ही सी एल यहाँ पर एस एन टू होगी बेटा तो जिस तरफ ओ OH है उसके अपोजिट में सी लगेगा यहाँ एम ई यहाँ ई टी यहाँ एच पी सी एल फाइव हीट के साथ यहाँ एस एन टू यहाँ एम ई यहां ई टी जिधर ओ OH है उसके अपोजिट में सी लग जाएगा पी सी एल थ्री के साथ यहां पर एस एन टू लगाओगे तो यहां एम ई यहाँ ई टी जिधर ओ है बेटा उसके अपोजिट में सी लग जाएगा और यहाँ पर एस एन वन एक कार्बन दो कार्बन फिर यहाँ पर सी एस टू सी एस थ्री चार कार्बन है और जहां है उस स्थान पे केटाइन आएगा मतलब आप समझिए यहां पर ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इसी पे सी एल माइनस का अटैक होगा अटैक होगा तो यहां पर ये सेंटर बन गया तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा आर ओ रेस वाला तो अभी क्या कर रहा हूं मैं अभी भी तो मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं इसीलिए तो टाइम लग रहा है दोस्त आपको क्या लग रहा है मजाक चल रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इससे ज्यादा बेसिक तो बेटा एबीसीडी पढ़ लो फिर एक काम करो है ना इसकी रिएक्शन एसोसियल SO टू हीट और एसोसियल SO टू पीरिडीन हीट के साथ कराना जरा एसोसियल SO टू और एसोसियल SO टू पीरिडीन हीट के साथ <laughs> अरे यार <laughs> अरे बिस्किट खत्म नहीं हुआ आदित्य यार पढ़ा है अभी तो पढ़ा है पढ़ा है बिस्किट पढ़ा है भाई खा लेता हूँ यहाँ एस एन आई होगी जहाँ ओ एच है वहाँ सी लगेगा लेकिन वेज पर क्योंकि वेज का वेज रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा ना रिटेंशन और यहां पर एस एन टू होगी ओ एच अपोजिट में सीएल लग जाएगा और ये बन जाएगा ठीक है आइए दोस्त एक लास्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की वो पढ़ लेते हैं फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज पहली रिएक्शन है इसमें फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थोड़ी सी एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक है रिएक्शन एक, एक स्वर्ट्स है यहां पे अल्काइल हेलाइट की रिएक्शन किसके साथ करानी है एन एसीटोन के साथ करानी है बेटा एन एसीटोन के साथ यहां क्या बनेगा आर आई और एनएएक्स बनेगा और ये जो एनएक्स बनता है ना ये प्रिसिपिटेट बन जाता है एसीटोन के अंदर एसीटोन जो होता है उसमें NaI सोल्यूबल होता है लेकिन यहां जो क्लोरिन ब्रोमिन होगा तो यहां NaCl और एन बनेगा तो बेसिकली NaCl एंड NaBr आर प्रिपिटेट आउट इन एसीटोन अगर ये प्रिसिपिटेट बना लेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी अकॉर्डिंग टू ली एटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन प्रोसीड होगी एसे टू से तो ये आर जो है आपका वो सी एस थ्री वन डिग्री या टू डिग्री हो सकता है बस अब आर को आप कुछ भी रख लीजिए अभी इतने एग्जाम्पल लिए हैं यहां पर आप देखोगे तो ये अल्काइल हलाइड है और इसकी रिएक्शन जो है दोस्त वो हमें डी ब्लॉक के मेटल फ्लोराइड जैसे एजीएफ हीट सीओ एफ टू हीट एच जी टू एफ टू हीट एस बी एफ फाइव हीट इनके साथ करानी होती है डी ब्लॉक के मेटल फ्लोराइड के साथ बनाता है एजीसीएल एजीआई थ्री होगा हाफ थ्री सीओ एफ थ्रीट एजीएफ सीओ एफ थ्री एच जी टू एफ टू कर नहीं, COF2 ही तो होता भाई सीओ एफ टू हीट एच डी टू एफ टू एस बी एफ थ्री और आर एफ बनेगा यही मात्र एक मेथड है जिससे आपका अल्काइल फ्लोराइड बनता है और एजी एक्सा प्रिस बनेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी क्लियर है अब आर अगेन ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है एस एन टू टाइप की रिएक्शन है आपकी तो यहां पे आर जो है आपका सी एस थ्री वन डिग्री टू डिग्री होना चाहिए बेटा ये फिंकलसीन और स्वार्थ रिएक्शन है नेम रिएक्शन गुड चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्त मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन अरे यार क्यों इज्जती कर रहा है भाई श्रेयस यार अरे कोई बता दो रे इसको यार भी कर रहा है आइए दोस्त हेलो एरिन बनाते हैं किससे बेंजीन से और टॉलवीन से बेंजीन और टॉलवीन से हम हेलो एरिन बनाएंगे ठीक है ना पहले अरे छोटा सा छोटा सा अभी अभी यूं खत्म हो जाएगा यू यू खत्म हो जाएगा इसको पढ़ लेते हैं ताकि फिर ब्रेक लेके अपन फिर मजे से आगे का पढ़ पाएंगे है ना बस अरे अब दस मिनट दस मिनट में खत्म करूं दस मिनट जैसे आपके पास ये बेंजीन है बेंजीन की रिएक्शन आपको किससे करानी है X2 टू प्लस एल एक्स थ्री हीट के साथ या फिर आप क्या ले सकते हो X2 टू प्लस एफ एक्स थ्री हीट ले सकते हो या आप क्या ले सकते हो X2 Fe एफ ले सकते हो यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है X प्लस इस हाइड्रोजन की जगह पर यहां हेलोजन लग जाता है बेटा इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग जाता है हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन इधर देखना इसका मैकेनिज्म बताता हूं आपके जीवन में अभी ऐसी खुशियां आप भी सोचोगे सुनिए दूल्हा दुल्हन रिएक्शन कैसे है भाई आपको बताया देखो जो दुल्हन होती है वो मतलब मेकअप जब मतलब मेकअप वेकअप करने में टाइम लगता है समय लगता है तो मेनली दुल्हन को तैयार होने में ही समय लगता है तो एक्स प्लस हमारी दुल्हन है और हमारा दूल्हा है बेंजीन ठीक है ना तो बस हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाने में ही टाइम लगता है जैसे यहाँ पर एक्स के पास लोन पेयर है और एल्यूमिनियम जो है ना आपका ए एल एक्स थ्री इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर ये लुईस बेस ये लुइस एसिड तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एक्स प्लस और साथ में बन जाएगा ए एल एक्स फोर माइनस ये बन गई आपकी दुल्हन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही दुल्हन बनेगी दूल्हा तो बेचैन था आइए दूल्हे की मुलाकात दुल्हन से करा ही देते हैं क्यों तड़पाए जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन को देखा तुरंत अटैक कैसे ये यहां पे अटैक कर देगा इस तरह से अटैक करने के बाद यहां क्या होगा पाई पाई यहां एच था और यहां एक्स लग गया और इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां प्लस आ गया और यह स्टेप थोड़ा सा स्लो है स्लो स्टेप है यही आपका आरडीएस है क्यों है क्योंकि यहां पर आपने थोड़ी देर के लिए ही सही बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खराब कर दिया है <laughs> अरे यार सही है भाई यार सॉरी भाई <laughs> यहां पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हुई है एरोमेटिसिटी लूज हुई है इसलिए ये कहानी चली है अब होगा क्या जो एल एक्स फोर माइनस है ये एल एक्स फोर माइनस जो है ये आपको एक्स माइनस देगा ये एक्स माइनस एच एक प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा और H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां घेर के चला जाएगा और वापिस से जो है यहां पर एक्स लगा देगा इस तरह से है ना एच निकाल के वापिस से एरोमेटिसिटी रिगेन हो गई इसका मतलब ये फास्ट स्टेप है और देखो ने दुल्हन पे अटैक किया था तो प्रोडक्ट में दोनों के कैरेक्टर तो मिलने ही थे ये जो प्रोडक्ट है वो दोनों के जैसा दिख रहा है देख लो आप क्लियर है? अब यही बेंजीन की जगह अगर आप टोलवीन लेते हो टोलवीन इस तरह से टोलवीन लेते हो अगर आप टॉलवीन लेते हो तो आप जानते हो यह सीएस थ्री है और सीएस थ्री का प्लस एच इफेक्ट होता है और उसकी वजह से ये कैसा हो जाता है पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है कैसा हो जाता है पैरा डायरेक्टिंग ये पूरी कहानी ऐसी की ऐसी है मतलब यही आइटम यहां लेने अच्छा एच ले लेते हैं ना चल अल्ले चल इसको कर लो कॉपी इसको कर लो पेचट ये कर दिया और ये कैसा हो जाएगा प्लस एच की वजह से ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो जाएगा मेरे भाई कैसा हो जाएगा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग और उस कारण से यहां पर जो दुलन है अब वो कहां लग सकती है ऑर्थोपे लग सकती है और कहां लग सकती है पैरा पे लग सकती है अब यहां इन दोनों में ये भी मोटा ये भी मोटा तो रिपल्सन आएगा इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा पैरा वाला फिर हमारा हेलो एरिन तो बन रहा है ना ये भी हेलो एरिन है ये भी हेलो एरिन है ठीक है ना ये भी हेलो एरिन है ये भी हेलो एरिन है बोलिए क्लियर है अरे बोलिए क्लियर है क्या भैया भैया क्लियर बा क्लियर बा कि नहीं क्लियर पेरा विल बी मेजर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लीजिए तो जीवन में खुशियां आ जाएगी द रिएक्शन ऑफ टॉलुन विदेंस एल थ्री गिव्स एक्स एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स वाई दस एक्स एंड वाई आर अच्छा एक चीज बताओ एक चीज एक चीज में आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं ये बीच बीच में पीवाई क्यूज ले रहा हूं ये सही लग रहा है आपको या एकदम एंड में पीवाई क्यू लू तो वो सही लगता मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ताकि मतलब अगली बार ध्यान रखा जाएगा उस चीज का आप जैसा बोलोगे बोलिए ये ठीक है चलिए दोनों आंसर दे रहे हो बहुत फर्जी लोग हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि यहां पे टॉलवीन की रिएक्शन है और टॉलवीन की रिएक्शन वो बोल रहा है कि आपको सीएल टू एफ सीएल थ्री के साथ करानी है तो यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे एक तो आपका ऑर्थो वाला और एक आपका क्या बनेगा पैरा वाला ठीक है ना और फिर वो बोल रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्स एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये तो आपका एक्स हो गया एंड रिएक्शन इन अगर Cl2 टू लाइट की प्रेजेंस में कर रहा है लाइट की प्रेजेंस में मतलब एक्स टू एच एक्सेस में दिया है तो ये जितने भी हाइड्रोजन है ना ये सब हेलोजन में बदल जाएंगे तो ये सी एक्स थ्री बन जाएगा देखना जरा ऐसा सी तो ऑप्शन लग रहा है क्या ऑर्थोपेरा क्लोरोटोलोइन और ट्राइक्लोरोल बेंजिन ट्राईक्लोरो मतलब एक्स टू मतलब सीएल टू है तो यहां पर वो सी सी एल थ्री आ जाएगा ट्राईक्लोरोल बेंजिन सी ऑप्शन हाँ वेरी गुड शाबाश अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन ही चल रहा अपना बेंजिन डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से हम हेलो बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं पहले तो बेंजिन डाइजोनियम सॉल्ट खुद कैसे बनता है वो देखिए आप लेते हो एनिलीन इस तरह से आपने एनिलीन लिया है उस एनिलीन की रिएक्शन हमें किससे करानी होती है एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल हीट के साथ या फिर एच एन ओ टू भी दिया हो सकता है लेकिन वो एच एन ओ टू हाथों हाथ प्रिपेयर होना चाहिए इन सी टू मतलब हाथों हाथ प्रिपेयर एच एन ओ टू और ये जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस की कहानी है जीरो से पांच डिग्री तक की कहानी है तो ये जो एनएस टू है ना दोस्त ये एनएस टू आपका एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस में बदल जाता है मतलब यहां पाई यहां पाई यहां पाई वैसे तो एन टू दुनिया का सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप है आपको पता है लेकिन जीरो से पांच डिग्री तक ये स्टेबल फील करता है पाई सिग्मा पाई यहां रेजोनेंस हो रहा होता है जिस कारण से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं ये सवाल पूछ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं शांति से सुन ले तो यहां पर ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिस विल बी स्टेबल ये स्टेबल हो जाता है एट जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस तक ये है आपका बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट एनिलीन से बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट एनिलीन से क्या बनता है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनता है बेटा ठीक है अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपका बना है इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से हम बहुत सारे तरह के हेलो एलिन बना सकते हैं आइए देख लीजिए ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस इसकी रिएक्शन हमें किससे न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन अभी अपन कौन सी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन वो जो अपन ने हेलोजन लगाया था ना वो इलेक्ट्रोफाइल को सब्सिट्यूट किया था बेसिकली दुल्हा रिएक्शन अब अपन क्या कर रहे हैं अब अपन कर रहे हैं अब अपन कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन दोस्त बस इसके बाद दे रहा हूं ना ब्रेक यार।, कर यार आप मैं तो सोच रहा था सही बता रहा हूं मैं सोच रहा था कि इस सीरीज में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे बहुत कॉन्फ मतलब मैं मतलब देख रहा था मतलब बहुत मतलब एनर्जी होगी उनके अंदर में कर रहे हो आप लोग अब देखो होगा क्या यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है यहां प्रोडक्ट बनता है कि इस N2 की जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो जाता है अभी भी ये दुल्हन है और ये दूल्हा है लेकिन अब की बार दुल्हन जो है वो दहेज लेके आई है पहले दुल्हन कौन थी इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास कुछ नहीं था अब ये दुल्हन जो है ये दहेज लेके आई है तो इसके हिसाब से ही काम चलेगा आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म देखो आप इसके लिए मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगली छह सात रिएक्शन इसी से जुड़ी हुई है आइए इसका मैकेनिज्म दिखाता हूं आपको मजा आ जाएगा जीवन में आपके एक बार फिर से खुशियां घुलेगी एक बार देखिए तो सही यह है एन और यह है आपकी दुल्हन और ये दुल्हन अब की बार इलेक्ट्रॉन हैज के पास मतलब दहेज लेके आई है यहां पे अटैक करेगी तो यहां से पाई पाइबोन टूटेगा दोस्त क्या बनेगा यहाँ पाई यहाँ पाई यहां पर एन टू प्लस और यहां लग जाएगा न्यूक्लियो फाइल क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके आई थी तो पाई पाइबोन को शिफ्ट करा के यहां क्या बना देगी माइनस हालांकि ये स्लो स्टेप होगा क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी तो यहां पर भी लूज हुई है ना दोस्त एरोमेटिसिटी तो लूज हुई है बात तो समझ में आ रही होगी अब इसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी कि ये माइनस वापिस लोटेगा बेंजिन की रीगेन कराएगा यहां से कौन दुनिया का सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप एन टू यहां से निकल जाएगा यहां से एन टू गैस निकल जाएगी और यहां क्या बन जाएगा पाई 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 और यहां मेरे भाई ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा अगेन ये स्टेप कैसा है फास्ट स्टेप है क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी क्या हो रही है रिगेन हो रही है दोस्त एरोमेटिसिटी क्या हो रही है रिगेन एंटू की जगह पर क्या लग गया दोस्त न्यूक्लियोफाइल लग गया पहला स्टेप स्लो है दुल्हन दहेज लेके आई थी समझ आप समझ रहा? समझ रहा? बस अपने को कुछ नहीं करना अपने को डिफरेंट डिफरेंट डिफरें न्यूक्लियोफाइल को इस एंटू की जगह पे रिप्लेस कराना है आइए एक ही पेज पे वो सारी रिएक्शन खत्म कर देते हैं एक ही पेज पे वो सारी रिएक्शन खत्म कर देते हैं यहां है आपका ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इसके बाद ब्रेक दूंगा इस पेज के बाद ब्रेक दूंगा इस बेच के बाद ब्रेक दे दूंगा टेंशन मत लो इसकी रिएक्शन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह सीयू टू सी एल टू एच सी एल सी यू टू सी एल टू एच बी आर टी यू टू सी एल टू एच सी एन या के सी एन भी ले सकते हो यहां पे कॉपर एच सी एल कॉपर एच बी आर यहां पर के आई हीट और यहां पर एच बी एफ फोर ए बनेगा और फिर उसको हीट करूंगा तो यहां से आपका बी बनेगा यहां एच बी एफ फोर यहां से ए बनेगा फिर उसको NaNO2 एन ओ टू कॉपर के साथ एन ए एनओ टू कॉपर हीट करूंगा तो यहां से बी बनेगा और इसकी रिएक्शन एस थ्री पीओ टू के साथ हीट करूंगा इथेनॉल के साथ हीट करूंगा और पानी के साथ हीट करूंगा आइए दोस्तों बनाते चलते हैं प्रोडक्ट आइए यहां पर इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन एन टू हटके क्या लग जाएगा क्लोरीन लग जाएगा यहां से सीएल माइनस यहां से आपको बी आर माइनस यहां से आपको सी एन माइनस यहां से आपको सी एल माइनस यहां से आपको बी आर माइनस यहां से आपको आई माइनस मिलेगा यहां से आपका क्या बनेगा ब्रोमोबेंजिन यहां से आपको क्या मिलेगा बेंजोनाइट्राइल यहां से आपको क्या मिलेगा क्लोरोबेंजिन यहां से आपको क्या मिलेगा ब्रोमोबेंजिन यहां से आपको क्या मिलेगा आयोडोबेंजिन अब ये सब नेम रिएक्शन है ये तीन रिएक्शन जो होती है इनका नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन और जो हमारा गाटरमान है गाटरमान रिएक्शन इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन और गाटरमान जो होता है गाटरमान जो है वो बहुत ही शाना है बहुत शाणा है वो हमेशा दूसरों का चुरा के और अपना बना लेता है थोड़ा बहुत चेंज करके <laughs> तो उसने सैंड मेयर का चुरा के गाटरमान बना दी इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है एच के साथ आप कराओगे तो यहां बनेगा पीएच एन टू प्लस बी एफ फोर माइनस एक्चुअल में एच बी एफ फोर के साथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है जब आप इसको हीट करते हो ना तो ये आपका फ्लोरो बेंजीन बना देता है और इस रिएक्शन का नाम पता है क्या होता है बाल रिएक्शन इसको क्या बोलता है बाल सीमान रिएक्शन बाल रिएक्शन है ना बाल रिएक्शन एच बी एफ फोर के साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो पहले तो क्या बनेगा ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है एन टू के साथ कॉपर हीट करोगे तो यहां से आपको ये नाइट्रोबेंजीन दे देगा बस दुल्हन बदलती जा रही है आंसर बदलते जा रहे हैं एस्थ्री टू के साथ क्या बनता है यहां बनता है बेंजीन और साथ में बनता है एस्थ्री थ्री यहां बनता है बेंजीन और साथ में बनता है इथेनल यहां से इथेनल बनता है ये दोनों रिएक्शन जो है ना दोस्त ये दोनों रिएक्शन ये दोनों रिएक्शन है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बता सर n2 की जगह पर यहां पर h लग गया यहां पर भी h लग गया और h3po2 h3po3 में बदल गया इसका हुआ है ऑक्सीडेशन इसका हुआ है रिडक्शन एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन रेडॉक्स एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन रेडॉक्स बात समझ गए जब आप इसको पानी के साथ हीट करोगे तो इस N2 की जगह पर आपका OH लग जाएगा और यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा फिनॉल प्राप्त होगा इस तरह से आप देखो यहां पर हेलो बन रहे हैं ना आपके ये हेलो बन रहे हैं। सारे तरह के बन गए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोडो बोलिए बोलिए दोस्त ठीक है ब्रेक कितने मिनट का लें ये बता दो आप कितने मिनट का ब्रेक लेना है कितने मिनट का ब्रेक लेना है ये बता दीजिए दस मिनट का बहुत है दस मिनट हाँ दस मिनट बहुत है दस मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको टेन मिनट्स का ब्रेक है आपके लिए दस मिनट बाद अपन मिलेंगे अब वैसे भी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है अब मेनली केमिकल प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन खत्म हो गया अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन बची है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ पी बचे हैं ठीक है ना मिलते हैं दस मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा रिवाइज करने का एक ही तरीका है क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करो कनेक्टेड सब्जेक्ट है बेटा ये है ना आपकी जी ओ सी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आगे की चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है बस चालू कर रहे हैं एक मिनट की और बात है अरे वो दिल विल और वो तो फेंको यार भायर भायर दिल विल तो फेंको यार ऐसे क्या कर रहे हो यार है ऐसे क्या कर रहे हो हवा बन रहा है यार <laughs> यार आदित्य भाई यार तू यार मुझे बहुत ले रहे हो यार <laughs> यह या बात <laughs> ये, 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 ये। बस थोड़ा ही बाकी ज़्यादा नहीं है अब तो और मज़ेदार चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब थोड़ी सी अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरियर है ना वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है मैथड ऑफ प्रिपरेशन तो पूरा आएगी आपके सामने लिखा हुआ है देखो बस केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर बस खत्म है ना थोड़े बहुत कुछ पी वाई क्यूज हैं वो कर लेंगे बीच बीच में करा ही दिया आइए दोस्तों आइए आइए आइए

फिर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन है वही दूला दुल्हन वाली रिएक्शन जो भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था दूला दुल्हन वाला इलेक्ट्रोफिलिक वाला वही है और एक रिएक्शन विद मेटल जैसे वुड रिएक्शन होती थी ना वैसे फिटिक उलमान वो वाली रिएक्शन है आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आपका हेलो एरिन ये है आपका हेलो एरीन और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही मतलब दो तीन घंटे पहले कि ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है आप भी जानते हो कि लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड यहां पे क्या होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा दोस्त यहां पर क्या होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जिस कारण से ये लिविंग ग्रुप बेकार हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता मेरे दोस्त तो फिर क्या मतलब है सर क्या पढ़ना है कि नहीं बढ़ना आगे है। पढ़ना है भाई पढ़ना है ये कैसे देगा वो देखना है इसे बोलते हैं डॉस प्रोसेस जिसे बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं और एस एन रिएक्शन भी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन देन एडिशन आइए दोस्तों बहुत आसान रिएक्शन है और बहुत मजेदार सी रिएक्शन है देखिएगा जरा यहां पर यह है आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्शन देखो रिएक्शन क्या है यह क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाँ, है। यहीं से प्रीवियस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा डाउस प्रोसेस के अंदर देखो वैसे तो आपका हेलो एरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिड्यूशन रिएक्शन नहीं देता लेकिन अगर जबरदस्ती कुछ कराया जाए तो हो ही जाता है जैसे जा जा जबरदस्ती में आपको पढ़ा रहा हूं दे दे <laughs> समय रात हो गई छूट नहीं रहा बारह बजे छोट नहीं रहा लेकिन यहां पे चीजें कैसी होंगी जबरदस्ती होंगी टेम्परेचर इतना ज्यादा ले रखा है प्रेशर इतना देख रहा अपने ऊपर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा इसके ऊपर तीन सौ एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है देख रहो तो यहां से क्या बन जाता है दोस्त यहां से आपका फिनॉल बन जाता है क्या बन जाता है फिनॉल बन जाता है अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है आइए फोकस कर लीजिए दो मिनट में इसका मैकेनिज्म खत्म कर लेते हैं आइए दोस्तों हेलो दोस्तों देखो भाई हो क्या रहा है कि यहां पर ये 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 क्लोरोबेंजीन है है और ये जो माइनस OH माइनस OH इस क्लोरीन को यहां से हटाना चाहता है अब उसे परमिशन मिल नहीं पा रही है क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है लेकिन ओ एच माइनस ने तो इरादा बना लिया है कि भैया मैं तो रिएक्ट करूंगा जिद्दी आ गई उसकी जिद्दी एच OH माइनस के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है उसने अपने घर वालों से बोला नहीं नहीं, मुझे तो नहींचर तो प्रेशर इतना दे दिया। इतने ज्यादा टेम्परेचर ये, ये मोल्टन फेज में होता है पिघला हुआ तो ओ एच माइनस यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं कर सकता लेकिन वो इरादा बदलेगा नहीं वो क्या करता है इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे थर्मोडाइनिकल रिएक्शन की तरफ चला जाता है और ये अल्फा है तो ये बीटा है तो बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो ये माइनस OH उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है देख रहा जबरदस्ती क्या कर रहा है देख रहा और वो करने के बाद यहां पर यह सीएल और यहां पर माइनस आ जाता है एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद अब ये माइनस जबरदस्ती यहां पर पाई बॉन्ड बनाता है और इस सीएल को बाहर निकाल देता है बस यही स्टेप आपकी स्लो स्टेप है क्योंकि चीजें जबरदस्ती हो रही है और यहां से क्या बन जाता है दोस्त यहां से बन जाता है इस तरह से यह बेनजाइन इंटरमीडिएट बन जाता है और यह बेनजाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि यहां पर यह एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहां पर एंगल स्ट्रेन अब होता क्या है बस इसी मौके का इंतजार उस ओ OH माइनस को था वो इतना ज्यादा जिद्दी था उसने बोला बिहेव तो मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह ही करूंगा ऐसे नहीं तो कैसे भी पहले उसने एसिड रिएक्शन करी माइनस बनाया, बनायान बना ली अब इसे मजबूर कर दिया उसने कि अब क्या होगा अब तो हमारे साथ करना ही पड़ेगा अटैक तो ओ एच माइनस अब इस मजबूरी का फायदा उठाता है और यहां पे अटैक करता है ये थोड़ी अनस्टेबल होती है अनस्टेबल होती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन जैसे ही यहाँ पे ओ एच माइनस अटैक करता है तो यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और यहां पर क्या बन जाता है यहां बन जाता है पाई 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 यहां ओ OH, एच और पाई बॉन्ड जब टूटता है तो यहां पर माइनस बन जाता है अब थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट लाते हैं अगर मान लीजिए मैंने यहां पर यह सितारा लगा दिया होता सितारे का मतलब क्या है कि ये कार्बन आम कार्बन नहीं है आइसोटोपिक कार्बन कार्बन फोर्टीन है तो यहां पर भी क्या आता मेरे दोस्त सितारे वाला कार्बन आता कार्बन फोर्टीन तो यहां पर भी क्या आता मेरे दोस्त सितारे वाला कार्बन आता कार्बन फोर्टीन तो ये ओ एच ने अभी कहा अटैक किया है सितारे वाले कार्बन पे अटैक किया है तो ये प्रोडक्ट बना ऐसा भी तो हो सकता था कि ओ एच माइनस यहां ना अटैक करके यहां अटैक कर सकता था और यहां से बॉन्ड को तोड़वा देता बात तो सही है सर तो ऐसे केस में जो दूसरा प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता यहां पाई यहां पाई यहां पाई यहां ओ एच यहां माइनस मतलब अब की बार जो माइनस बनता वो सितारे वाले कार्बन यानी कि कार्बन फोर्टीन पे बनता अब देखो ओ एच माइनस को मोहब्बत तो थी ओ एच माइनस ने जबरदस्ती चीजें करी लेकिन मोहब्बत तो थी मोहब्बत तो थी तो इस तरह से खुला तो नहीं छोड़ सकता उस एनायन को तो उसने पैसे की कोई कमी नहीं थी उसने एसिड खरीदा और एसिड से इस प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करवा दिया इस प्रोडक्ट को एसिड से न्यूट्रलाइज करवा दिया और एसिड के साथ ये माइनस जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर एच और यहां पर एच आ जाएगा कहां, कहां पर यहां, यहां पर जहां माइनस था वहां एच प्लस अब यहां पर देखो दो जगह पर यहां पर दो जगह पर ओ OH एच जुड़ा है एक तो उसी जगह पर जहां सीएल लगा हुआ था तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं डीएसपी प्रोडक्ट डीएसपी मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मेरे भाई डायरेक्ट सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट डायरेक्ट सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट एक कहां लगा लगा है जहां क्लोरीन लगा था उसके जस्ट बगल वाली पो, पोजिशन पे लगा है इसको बोलते हैं सीएसपी सी एस पी मतलब साइंस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मेरे भाई सीएसपी मतलब क्या है साइंस सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट इस प्रकार से यहां दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर कार्बन अलग अलग हो तो अन्यथा नहीं अगर कार्बन अलग अलग हो तो और सुनिए सुनिए तो सही आपको पता आपको क्या लग रहा होगा कि ये जो बेंजाइन है यहां पर इस कार्बन का एबडेशन आपको लग रहा होगा सर ये तो सर एसपी लग रहा है एसपी नहीं 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 सुनिए तो सही नहीं नहीं सुनिए तो सही यहां पर है क्या सिचुएशन देखिए तो सही अरे देखिए तो सही यहां पाई यहां पाई और यहां पाई यहां पर वो जो पाई बॉन्ड बन रहा है थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं ताकि आपको ज्यादा इधर क्लियरिटी से दिखेगा यहां पर यह बेंजीन है और वो जो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है वो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कहां बन रहा है वो इस तरह से sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना वो sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पाई बॉन्ड है मतलब इस बेंजाइन के अंदर सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ये जो पाई बॉन्ड बना है ना वो sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला है इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्त एस एन ई ए की कंडीशन क्या है पहली बात तो ये एस एन ई ए क्यों है बेंजाइन मैकेनिज्म इसलिए क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बेंजाइन बना है एस एन ए क्यों है एच OH माइनस ने एच प्लस लिया पहले यहां से ये सी एल निकला है ये कौन सी स्टेप है ये आपकी एलिमिनेशन स्टेप है दोस्त क्या है एलिमिनेशन पहले चीजें निकली है फिर OH जुड़ा है ये आपकी एडिशन स्टेप है और अगर आप यहां से यहां देखोगे तो ये क्या है क्लोरीन की जगह पर ओ एच सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये क्या हो गया सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोविलिक पहले एलिमिनेशन देन एडिशन एलिमिनेशन Then addition, then addition, तो एस एन ई ए इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया एस एन ई -E ए पहले एलिमिनेशन हुआ है फिर ओ एच जुड़ा है इसलिए एस एन ई -E ए ये रिएक्शन का नाम पड़ गया एस एन ई ए सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन देन एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है अगर इस बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होता ना तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती चाहे ओ OH एच माइनस कितनी भी मोहब्बत कर ले अगर इस बीटा पे हाइड्रोजन नहीं होता तो ये रिएक्शन चालू भी ना हो पाती तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना पहला दूसरा आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए तो ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी अन्यथा नहीं हो पाएगी तो आइए दोस्त इसकी कंडीशन को लिख लेते हैं ना इसकी कंडीशन कंडीशन फॉर एस एन ई एस एन ई ए कब हो पाएगी दस्त हेलो दस्त एस एन ई ए कब हो पाएगी जब बीटा हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट चाहिए एग्जाम्पल देखिए और बताइए क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई अगर मैं यहां पर ओ सी एस थ्री और यहां पर सीएस थ्री लिख दूँ और इसकी रिएक्शन एन एच ईट के साथ करा दू तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है बनेगा भी या नहीं बनेगा वो भी आपको बताना है हे? हमें बता देंगे हाँ सही में हाँ नहीं अरे बता दोगे बता दोगे एन एन एस टू हीट और यहीं पर पी एच माइनस एल आई प्लस हीट बताइए कोशिश करिए दोस्त अल्ले आल आ गया यार बच्चे कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है ये बीटा है और बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नो बीटा हाइड्रोजन इसलिए नो रिएक्शन वाह यार मजा यार अगले वाले का आंसर बताओ अगले वाले का आंसर बताइए दस्त क्या बनेगा बोलिए ना दस्त बोलिए ना, दोस्त। <laughs> ना दोस्त। यहां पर क्या बनेगा क्लोरीन की जगह पर ओ OH आ जाएगा फिनॉल जैसे ओ एच माइनस है उससे तगड़ा तो एनएसू माइनस है ना तो एन टू माइनस आ जाएगा क्लोरीन की जगह पर तो यहां आ जाएगा एनिलीन और ये पीएच इस सीएल की जगह लग जाएगा तो एक बेंजीन पहले से है और उस बेंजीन पर सीएल की जगह फिर बेंजीन लग गई तो यहां से क्या बन जाएगा पाएफिन बन जाएगा इसमें किसी को कोई दिक्कत अबे एनिसोल से बोल रहा है एनिलीन एनिसोल नहीं बोलते इसको एनिलीन बोलते हैं इसको बायोफिन और इसको फिनोल कहते हैं क्लियर क्लियर ये देखिए दोस्तों झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं 2021 का सवाल है द अबाउट रिएक्शन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन ये रिएक्शन कब हो पाएगी बताइए अब बोलिए ना अब बोलिए किस पे टिक करेंगे 623 किस पे टिक करेंगे रे ये आंसर हो जाएगा वेरी गुड 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर साबास देख रहे हो अगली रिएक्शन देखिए दोस्त SN2AR और SNAE रिएक्शन आइए दोस्तों आइए दोस्तों दोस्तो। अब यहां पर क्या है वही क्लोरोबेंजीन है लेकिन उसकी ऑर्थो पैरा पे आपको इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप दिखेंगे इस तरह से एनओ टू एनओ टू करके अब इनकी रिएक्शन देखो आप प्लीज फोकस थोड़ी सी देर की और बातें थोड़ी सी देर की और बातें पढ़ लो अच्छे से आ जाएगा जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी है ना फिर अपन घर पे घर पे जाएंगे और सो जाएंगे pH 14 हो और यहाँ पे डेढ़ सौ डिग्री सेल्सियस यहाँ एन है और पीएच की वैल्यू टेन है और यहाँ पे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और एक केस और बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से यहां पर तीसरा केस क्या है कि यहां पर एक और एनओ टू हो और उसकी रिएक्शन अगर आप गर्म पानी से भी करा दोगे ना वार्म वॉटर से या फिर आप एनओ ले लो 40 डिग्री पे गर्म पानी ले लो या 40 डिग्री पे एनओ ले लो पता है क्या बनेगा यहां क्लोरीन की जगह पर है ना पिनोल आ जाएगा ऐसे करके ओ एच एनोटू पता है यहाँ पे क्या बनेगा <coughs> यहां पर ओ OH एच आ जाएगा यहां एनोटू एनोटू और पता है यहां क्या बनेगा आप जानते हो इसको ओ नो नोटू नो टू इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड तो क्या कहते हैं दोस्त पिक्रिक एसिड कहते हैं इसको क्या कहते हैं पिक्रिक एसिड तो ये तीन रिएक्शन है देखिए दोस्त ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा जिस कारण से जो यहाँ पे पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो भी उसके भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो करा तो हम जबरदस्ती रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले रखा है और फुल माहौल बेसिक कर रखा है फोर्टीन से ज्यादा पीठ हो सकता है क्या तू खुद सोच फुल बेसिक माहौल कर रखा है और इस OH माइनस को मौका दिया जा अपनी जिंदगी हटा दे सीएल को और ओ OH एच लगा दे दो, -दो एनोटू लगा दिए ओ भाई मतलब फुल इलेक्ट्रॉन की खिंचाई चल रही है तो मतलब अब और कम में काम चल जाएगा तो टेम्परेचर भी कम बेसिक माहौल भी कम तीन तीन इनोटो लगा दिए उसकी तो हालत ही खराब हो गई भैया तो गर्म पानी से ही हो जा रहा हो तो देख रहा हो गर्म पानी से हो जा रहा है तो <coughs> गर्म पानी से हो जा रहा अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं और वो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में भी दे रखा है इंपॉर्टेंट है उससे रेट के क्वेश्चन बनते हैं आइए मजेदार सी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आइए देख लीजिए आइए दोस्तों यहां पर आपको दिया हुआ है पाई पाई पाई, पाई यहां क्लोरीन यहां पर NO2 और इसकी रिएक्शन किसके साथ है इसकी रिएक्शन है OH माइनस मतलब एनओ के साथ आपको याद है दुल्हन दहेज लेके आई है लेके आई है तो यहां अटैक करेगी और पाई बोन को यहां से तोड़वा देगी हाँ। तो यहां पे क्या बनेगा यहां पाई यहां पाई यहां टू मेरे भाई यहां पर यहाँ पर ओ एच और ये बोन टूट के क्या बन जाएगा माइनस जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में प्लस बनता है जिसको अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेन इंटरमीडिएट बोलते हैं इसी तरह से इसका नाम भी है इसे बोलते हैं मीजन हाइमर कॉम्प्लेक्स मीजन हाइमर कॉम्प्लेक्स अरे गुड्डू गुडिया सुनता सही पता है ये स्लो स्टेप है क्योंकि तो बेंजीन की एरोमेट्रीसिटी गई तो ये क्या है आपका स्लो स्टेप है यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है सब कुछ इसी से डिसाइड होगा सब कुछ इसी से इसके बाद की चीज बाद में बनाएंगे पहले यहां से डिसाइड करेंगे सब कुछ सब कुछ यहां से डिसाइड करेंगे मेरे दोस्त मैंने आपको बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 वो या तो ऑर्थो पे होना चाहिए या पैरा पे मेटा पे वो काम ही नहीं करेगा क्यों आप देखिए जो माइनस बना है ये रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा आएगा तो NO2 के पास आ गया NO2 के पास आते ही पता है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा रेजोनेंस करके माइनस एम क्या बात कर रहे हो सर हां <coughs> अगर मेरे दोस्त एनोटू यहां होता तो सीधे माइनस एम लगा रहा होता बात तो सही है बात तो सही है लेकिन दोस्त तू खुद बता अगर एनोटू यहां होता तो क्या कभी ये माइनस इस के करीब आ पाता। बोलता, नहीं आ पाता तो ये क्या करता सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगाता माइनस आई से काम ना चलेगा माइनस एम चाहिए कम से कम सारा गेम है कि ये एनायन कितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी यहां इंटरमीडिएट क्या बन रहा है इंटरमीडिएट एन बन रहा है जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा सेम और, तो पे तो और ज्यादा स्टेबल होता और अगर एक दो तीन एनोटू लग जाते ओ भाई साहब तीन एनो टू तीन माइना सेम और ज्यादा स्टेबल और जल्दी रिएक्शन और जल्दी रिएक्शन बात समझ में आई क्यों गर्म पानी में हो रही है क्यों सौ डिग्री पे ही हो रही है क्यों डेढ़ सौ डिग्री लग रहा है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त तू ये बता क्या इस स्लो स्टेप में अभी तक मैंने इस क्लोरीन को उखाड़ के बाहर निकाला है क्या क्या मैंने इस क्लोरीन को उखाड़ के बाहर निकाला है क्या नहीं निकाला बताइए क्या कर रहा है ये भी इसको माइनस आई लगा के दे रहा है अगर मेरे दोस्त मैंने यहां क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लिया होता तो फायदा फ्लोरीन में होता कि क्लोरीन में होता जल्दी बता अगर मैंने क्लोरीन की जगह यहां पे फ्लोरीन लिया होता तो फ्लोरीन में ज्यादा फायदा होता कि क्लोरीन में क्या मैंने उसे बाहर निकाला है क्या नहीं तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा माइनस आई कौन लगाता फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा माइनस आई कौन लगाता फ्लोरीन और क्लोरीन में ओ भाई निकाला नहीं है फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है तो फ्लोरीन का माइनस आई और ज्यादा लगता मेरे भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में किस में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती तू बता अगर यहां फ्लोरीन होता तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती कि क्लोरीन होता तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती कौन ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है बोलना बोलना बोल फ्लोरीन में ज्यादा होती अगर फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन सब ले लेता तो ऑर्डर लिख के बता, ऑर्डर लिख के बता किस में ज्यादा होती अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लिख के ज़्यादा होती? बोल। वेरी गुड फ्लोरीन में फिर क्लोरीन में फिर ब्रोमीन में फिर आयोडीन में लगता ऐसे है कि सर आयोडीन में ज्यादा होगी सर वो तो जल्दी टूट जाता है लेकिन टूट कर रहा है गुड्डू तोड़ा ही नहीं हमने तो वह तो लगा हुआ है तो फ्लोरीन में क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन में ब्रोमीन से ज्यादा ब्रोमीन में आयोडीन से ज्यादा ये बात तो सही है अब इधर देख इस स्लो स्टेप में इसका और इसका दोनों का रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा जितना तगड़ा यह होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा दोनों के कैरेक्टर नजर आ रहे कि नहीं आ रहे दोनों के कैरेक्टर ये भी ये भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है और ये भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है मोलिकुलेटी कितनी होगी मोलिकुलरिटी कितनी होगी मोलिकुलरिटी कितनी होगी कितने लोग पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं अरे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो लोग कर रहे हैं तो मोलिकुलरिटी दो होगी रेट क्या इन दोनों पे रेट डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी जितना बढ़िया ये होगा जितने ज्यादा एनओ उतना फायदा जितना तगड़ा न्यूक्लियोफाइल उतना फायदा रेट कितनी ऑर्डर कितना होगा ऑर्डर ऑर्डर कितना होगा ऑर्डर कितना होगा ऑर्डर कितना होगा ऑर्डर भी टू होगा ऑर्डर भी टू होगा मतलब अपन ने यहां से कितनी चीजें डी कर ली अभी अभी लिखेंगे अब इसके बाद क्या सिचुएशन चल रही होगी इतनी देर तक थोड़ी ना रुकेगा बेंजीन की एरोमेटिसिटी बर्बाद हो रही है इतनी देर तक नहीं रुकेगा ये माइनस लौट के आएगा और यहां से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा झमाझम जम क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और पता है गुड्डू यहां पर ओ लग जाएगा गुड्डू ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल नहीं नहीं नहीं, नहीं। माहौल कैसा है ओ एच माइनस बेसिक है अरे माहौल कैसा है तगड़ा बेसिक है माहौल तो तगड़ा बेसिक है गुड्डू, तो यहां पर ओ एच माइनस ओ एच नहीं बनेगा ओ माइनस बनेगा क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा बेसिक है इसलिए इसलिए अंत में हमें बाहर से एसिड लेना पड़ेगा टपक 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 ताकि ये प्रोडक्ट कैसा हो जाए ये प्रोडक्ट आपका न्यूट्रलाइज हो जाए तो अंत में एसिड की बूंदे डालेंगे तब जाके प्रोडक्ट आपका न्यूट्रलाइज होगा अन्यथा वो माइनस बनके ही रहेगा गुड्डू हमने इस ओ एच माइनस को जोड़ा है मतलब ये स्टेप क्या है एडिशन है गुड्डू हमने सीएल को निकाला है मतलब ये क्या है एलिमिनेशन है गुड्डू <coughs> यहां से यहां तक देख सीएल की जगह पर ओ OH एच सबस्टिट्यूट हुआ है यानी कि सब्सटीट्यूशन हुआ है सीएल की जगह न्यूक्लियोफाइल का पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन इसलिए गुड्डू इसका नाम पड़ गया एस एन ए गुड्डू दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं गुड्डू गुड्डू दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए यह बायो मोलिकुलर है लेकिन है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन और किस पे हो रहा है एरोमेटिक रिंग पर इस न्यूक्लियोफाइल को सब्सिट्यूट कर रहे हैं गुड्डू इसलिए है स्लो स्टेप <coughs> कौन सी है स्लो स्टेप आपकी फर्स्ट स्टेप स्लो है इंटरमीडिएट क्या बनता है इंटरमीडिएट कार्बेन बनता है ठीक है, रेट किस पे डिपेंड कर रही है रेट आपकी इस सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही है तो यहां से ऑर्डर कितना आएगा गुड्डू ऑर्डर दो आएगा मोलिकुलटी कितनी आएगी गुड्डू दोनों मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप नहीं होता तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती और वो भी कहां पे ऑर्थो पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक एनोटू इज रिक्वायर्ड एट ऑर्थो एंड पोजीशन तभी जाके ये रिएक्शन संभव है अन्यथा नहीं है डू। क्लियर है मजा कि नहीं आया जिंदगी में खुशियां भर गई देखो आप जितने ज्यादा एन टू होंगे उतना ज्यादा माइनस स्टेबल उतने कम ड्रास्टिक कंडीशन में हम ये प्रोसीड करा सकते हैं अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कंपेयर रेट ऑफ एस एन टू ए आर अभी देखना आप आराम से अभी 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 देखना लिखते ही खत्म करोगे ए ए ये ए है ये कह रहा हूं मैं ए ए ये आपका बी है ये आपका बी है ये आपका सी है और ये आपका डी है अभी देखना आप लिखते ही खत्म कर दोगे आप ही बता दोगे इन चारों के रेट मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा आपसे अभी देखना आप खुद ही बता दोगे झूठ तो है ना कह रहा हूं अभी देखना आप अभी देखना आप ए, ए क्या हो गया कॉपी हो जा रहा भैया ए ए ए ये फ्लोरीन ये क्लोरीन ये ब्रोमीन और ये आयोडीन ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है चल चल बेटा शाबाश चल बेटा चल बेटा देखते भाई करना पड़ता है क्या करें यार करना पड़ता है पापी पेट का सवाल है वहां तो पेट भी बड़ा है यहां पर देख तीन एनओ टू है तीन एनओ टू का माइनस एम लगेगा बेटा यहां दो एनो टू है तो यहां दो माइनस एम लगेंगे बेटा यहां पे ये पैरा वाले का माइनस एम और इसका सिर्फ माइनस आई और इसका माइनस एम सबसे तो ज्यादा माइनस एम कहां है <laughs> तो ये <या>... बी <coughs> सी डी। तीन माइनस एम दो माइनस एम एक माइनस एम माइनस आई और सिर्फ माइनस एम <coughs> ये रेट आ <आगी>। सेकंड <coughs> सेकेंड बताओ <coughs> बताना जरा इसका आंसर अगेन इसका आंसर एबीसीडी क्यों क्योंकि फ्लोरीन में जल्दी मतलब फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा लगेगा और इस पर थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने प्रोडक्ट बनाने पहला सवाल <coughs> 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 सॉरी यहां पे क्लोरीन यहां पर एनओ टू <coughs> इसकी रिएक्शन एन हीट के साथ इसकी रिएक्शन एन ए एन टू हीट के साथ है ना ये आपका पहला सवाल है दूसरा सवाल क्लोरीन यहां एनओ टू यहां एनओ टू इसकी रिएक्शन एनएच हीट के साथ यहां क्लोरीन यहां फ्लोरीन और यहां एनओ टू इसकी रिएक्शन एन एच हीट के साथ इसकी रिएक्शन एन ए टू एस हीट के साथ कर लोगे मेरे दोस्त मुझे विश्वास है आप लोगों पे एन ए टू एस हीट के साथ इसके दो मोल लेने चलिए बेटा साबास हो जाएगा हो जाएगा <coughs> अरे रेड और ट्यूब में पानी मिलाएगा भाई पानी बचेगा ही नहीं <coughs> बोलिए ना यहां पर देखो यहां पर आप क्या बनाओगे पैरानाइट्रोफिनोल यहां नाइट्रो एनिलीन यहां क्या बनाओगे क्लोरिन की जगह ओएच लगा दोगे और क्या करोगे यहां पर ओएच यहां पर एनोटू यहां पर एनोटू अब यहां फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन जाएगा वो बताओ आप मेन बात यह है कि ऑर्थो या पेरापेनोटू होना चाहिए बताइए अरे मैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपको पी वाई क्यू साथ करा रहा हूँ आपसे हो ही रहे आपने देख लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं है ना इंपॉर्टेंट आप चीज़ों को समझो आप ये देखो कि वाई हम आपको पी वाई क्यू क्यों करा रहे हैं ताकि आपको ये एहसास होता रहे कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एक लेवल ऊपर ही है पी वाई क्यू कितने सस्ते सस्ते हैं आपने देख लिए गलत तो नहीं बोल रहा तो यहाँ पर क्लोरीन जाएगा बेटा क्योंकि वो एनओ टू के पैरा पोजिशन पे है और हमें पैरा वाले से मतलब है हमें फ्लोरीन गया भाड़ में हमें पैरा वाले से मतलब है यहां दो मोल है एनए टू एस अब यहां पर देखो एन टू एस क्या देगा आपको एस माइनस टू एस माइनस टू यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा एस माइनस और यहां पर एनओ टू अब ये क्या करेगा अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा क्यों करेगा दोस्त क्योंकि ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल है तो ये यह यहां अटैक करेगा अटैक करने के बाद सकल कैसी हो जाएगी एनओ टू ये एस ये तो ये था इसने इस पर अटैक किया तो यहां पर यह बेंजीन और यहाँ पर एनओ टू मजा आ गया बस थोड़ी सी देर की और बात है बेटा मानसी थोड़ी सी देर की और बात है अब देखो ना मैं भी तो पढ़ा ही हूं ना मैं कोई समय आपका खराब तो कर नहीं रहा हूं आपको भी नजर आ रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर गो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन मोस्ट ईजिली कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन सबसे आसानी से चला जाएगा बताइए बेटा मोटिवेशन देखो मोटिवेशन में आपको बताऊं आप पढ़ रहे हो आपके जीवन में आप क्या बनना चाहते हो वही मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ ही नहीं हो सकता कोई दूसरा आपको मोटिवेट क्या ही करेगा मुझे नहीं लगता किसी दूसरे को आपको मोटिवेट करना चाहिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो खुद का होता है आपके जीवन में आप क्या बनना चाहते हो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हो आप आप खुद सोचो ना अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है मुझे अच्छा लगता है समझो बात को तो इसलिए मैं कर पा रहा हूं है ना मुझे इस बात की फिक्र है कि मुझे आपको पढ़ाना है मुझे आपको सब कुछ कराना है ठीक है ताकि आप का पेपर अच्छे से जा सके तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर एनओ टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रोइंग ग्रुप है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां बढ़िया से हो जाएगा बाकी प्लस एम लगा रहा है प्लस एच लगा रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कुछ नहीं होगा <coughs> अरे मैं टीचर तो हूं लेकिन इंसान भी तो हूं ना मेरा दोस्त अब मैं चाहूं तो चीजें उड़ा भी तो सकता हूं तेरे को क्या ही पता चलेगा विच क्लोरो मोस्ट रेडिली विथ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड टू furnish दी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फटाफट से कर दे फटाफट से <coughs> उसमें बेटा एफ इसलिए नहीं जाएगा क्लोरीन इसलिए जाएगा क्योंकि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में एनोटू पैरा पे है तो एनोटू का माइनस एम लगेगा फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में उस एनोटू का माइनस आई लगेगा समझ गया ये कहानी है दोस्त क्लियर है आंसर क्या हो जाएगा ए क्योंकि तीन तीन एनओ टू का क्या लग रहा है माइनस एम माइनस एम माइनस एम बाकी एन एम ई टू का प्लस एम एक एनओ टू का माइनस एम तो सबसे बेहतरीन तो ए ही होगा ना सबसे बेहतरीन तो ए ही होगा अगला क्वेश्चन ये तो मैंने करा ही दिया जेई मेन्स में दो हजार बीस में सवाल आया था और ये सवाल हम नौ दस साल से कराते आ रहे हैं <coughs> तो देखो यहां एक माइना सेम यहां दो माइना सेम और यहां पर तीन तीन माइना सेम और वहां तो एक भी माइना सेम नहीं है और पूछ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के प्रति तो फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन फोर थ्री टू वन सी इज दी करेक्ट आंसर देख रहो तुरंत तुरंत हो जा रहे हैं अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वही दूल्हा दुल्हन वाली रिएक्शन है आइए फटाफट से कर लेते हैं अब हमारे पास है हेलो बेंजीन और सुनिए दोस्त हेलोजन जो होता है उसका माइनस आई गेटर है हेलोजन जो होता ना उसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है मतलब ये डीएक्टिवेटिंग होता है लेकिन उसके बावजूद ये कैसा होता है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है मेरे दोस्त ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग अब इसकी घनी सारी रिएक्शन हो सकती है वो घनी सारी रिएक्शन में बता देता हूं आपको देखिए इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड एच थ्री प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फोर हीट के साथ हो सकती है इसकी रिएक्शन एक्स टू प्लस एल एक्स थ्री हीट के साथ हो सकती है इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फोर हीट के साथ हो सकती है इसकी रिएक्शन आर एक्स प्लस एल एक्स थ्री हीट के साथ हो सकती है AlX3 के साथ इसकी रिएक्शन हीट के साथ हो सकती है गुड्डू मैंने आपको बताया था यह है आपकी रिएक्शन। केवल बदलेगी, दूल्हा तो वही है और उस दूल्हे के रेस्पेक्ट में चीजें कहां जुड़ेगी पे और पेरापे यहां से जो दुल्हन आती है वो आती है एनओ टू प्लस यहां से दुल्हन आती है एक्स प्लस यहां से दुल्हन आती है एसओ थ्री यहां से दुल्हन आती है आर प्लस और ये दुल्हन रूप बदलती है ये दुल्हन रूप बदलती है रीअरेंज भी तो कर सकती है ना और यहां से दुल्हन आती है RCO+. इसको बोलते हैं ठीक है? आइए दोस्त यहां से क्या बनेगा यहां से बनेगा एक्स इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थोपे पे टू इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे एनो टू सुनिए तो सही गड्डा बढ़िया यहां पे पता है क्या होगा यहां से ये NO2 NO2 हट जाएगा और यहां पर ये दो हेलोजन लग जाएंगे गड्डू बढ़िया सही यहां पे पता है क्या बनेगा देखते रहे ना आप मजेदार चीज अरे देखिए तो सही <coughs> यहां पे पता है क्या बनेगा यहां से एक्स एक्स के यहां आ जाएगा एसओ थ्री एच यहां पर एसओ थ्री एच सल्फोनेशन हो जाएगा यहां पर क्या लग जाएगा वो आर लग जाएगा बेटा आर ऑर्थो पे और पैरा पे यहां पर क्या होगा वो हेलोजन हटके आपका क्या लग जाएगा सीओ आर और सीओ आर लग जाएगा पता है ये जितने भी ऑर्थो वाले हैं सब में यहां पर रिपल्शन आएगा सब में यहां पर रिपल्शन आएगा ठीक है ना तो यहां पर ये पैरा पोजीशन पे आपका ये मेजर हो जाएगा क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं है पैरा वाला सभी केस में मेजर हो जाएगा 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 मेरे दोस्त yeah. आ गया स्वाद आ गया सफिशियंट है मैं तो आपको पूरा ही पढ़ा दिया कुछ छोड़ा ही नहीं रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन विद मेटल आसान आसान सी रिएक्शन है पिटिक रिएक्शन जैसे वुड्स होती थी ना

तो फिटिक को भी पुरस्कार मिल गया अराइल हेलाइट के लिए वही माल डबल होगा रेडिकल मैकेनिज्म से फिर एक दिन वुड्स और फिटिक दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार भाई फिटिक भाई एक जुगाड़ और कर सकते हैं एक पुरस्कार और बना सकते हैं उसने कहा कैसे कि यार तुम अपना अराइल हेलाइट आओ मैं अपना अल्काइल हेलाइट ले आता हूं तो वुड्स अपना अलकायल हेलाइट आया फिटिक अपना अराइल हेलाइट लिया अराल हेलाइट अलकाइट इसका रेडिकल बना इसका रेडिकल बना सोडियम ड्राई इधर की प्रेजेंस में और यहां से क्या बन गया इस तरह से अल्काइल बेंजीन बन गई एक और पुरस्कार उन्हें मिल गया वुड्स फ्रीडिक को और सुनिए अभी सुनते रहिए दोनों ही चोर थे इन्होंने चाचा उल्मान का फॉर्मूला चुराया था चाचा उलमान काफी उम्र के थे और चाचा उलमान पुराने ख्यालों के थे चाचा उल्मान ने इस रिएक्शन को पहले ही फाइंड आउट कर लिया था लेकिन चाचा उलमान जो है वो जनरली आयोडीन वाले कंपाउंड के साथ खेलते थे अल्काइल आयोडाइड अराइल आयोडाइड इस तरह से खेलते थे और चाचा उलमान जो है वो पुराने ज़माने के थे तो उनके पास चांदी सोने और तांबे के बर्तन हुआ करते थे तो उन्होंने तांबे के बर्तन में इस अराइल आयोडाइड को गर्म किया था ये भी मेटल है ये भी मेटल है और वो खिड़की खोल के गर्म किया करते थे उस खिड़की में से वुड्स और फिटिक झांक के देखा करते थे कि चाचा उलमान कर क्या रहे हैं तो चाचा उलमान आयोडीन वाले कंपाउंड्स को गर्म करते थे कॉपर के बर्तन में और उनका माल ऐसे डबल हो गया बस इसी फॉर्मूले को वुड्स ने चुरा लिया और फिटिक की भी मदद कर दी तो ये दोनों ने चुराया और मॉडर्न तरीके से बाजार से नमक की थैली लिया है उसमें से सोडियम अलग कर लिया और अल्काइल अल्काइल अल्काइट और अरेट के लिए माल डबल कर दिया बात समझ रहे हो लेकिन था फॉर्मूला चाचा उल्मान का तो चाचा उल्मान जो है मेन तो वो है उनका चुरा अरे यार अरे यार भाई क्लियर है बोलिए दोस्त तो ये कहानी थी फिटिक वुड्स और उलमान की मेटल के साथ रिएक्शन मेटल सोडियम मेटल कॉपर के साथ रिएक्शन अब सुनिए दोस्त अब अपन को पढ़ना है तो इस प्रकार से आपका वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएलकेरिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन खत्म अब अपन को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हेलो एन सी आर टी की कट टू कट लाइन है सुनिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है अपियरेंस मजा आएगा आप सुनते रहना फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है अपियरेंस कलर कैसा है सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है लिक्विड है कि सॉलिड है वो सब तो जो लोअर हेलो एल्केन होते हैं छोटे हेलो एल्केन जैसे मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड वो कैसे होते हैं गैस फॉर्म में हल्के रहते हैं हल्का लगे हल्का तो वो गैस होते हैं जो हायर हेलो एल्केन होते हैं वो थोड़े भारी हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं तो वो कैसे होते हैं लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो आपका अराइल है उसमें तो बेंजीन है बेंजीन का मतलब छह कार्बन है तो वो तो भारी है तो वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होता है आपका क्लोरो बेंजीन या उससे भारी वाले जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं अगर मैं कलर की बात करूं तो जितने भी हेलो एल्केन हेलो एरेन है जनरली उनमें कलर नहीं होता लेकिन कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड एटमोस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर सनलाइट की ब्रेंस में कलर दे देते हैं ऑल हेलो एल्केस इन प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म में वो कलरलेस होते हैं रंगहीन होते हैं कोई कलर नहीं होता है सम ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड जनरेट कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूं तो जो लोअर हेलो एल्केलो एल्केस फॉर्म में होते हैं वो वॉलेटाइल नेचर वॉलेटाइल मतलब जल्दी से मतलब जल्दी से बॉयल हो जाते हैं कम बॉयलिंग पॉइंट होता है उनकी स्मेल स्वीट स्मेल होती है अब स्वीट स्मेल जैसे परफ्यूम वगैरह होते हैं ना परफ्यूम की स्मेल होती है ना वैसी स्वीट स्मेल होती है उनकी आगे चलते हैं दोस्त अब बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ठीक है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात बाद में करूंगा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है दोस्त <coughs> किसी लिक्विड को पहले तो मैं यहाँ पे इसको हाइड ही कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज ही होते रहोगे अपन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात बाद में करेंगे अपन किसकी बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की <coughs> किसी लिक लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए जो आग चाहिए होती है ना जो आग चाहिए होती है जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे पास पास होते हैं ऐसे पास पास होते हैं पास पास अब लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास है इनको दूर लेके जाना है दूरियां बढ़ानी है मतलब इनका तलाक कराना है और तलाक कराने के लिए आपको पता है कि बाहर से एनर्जी लगेगी ना तभी तो दूर जा पाएंगे जितना जितनी स्ट्रोंग मोहब्बत होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उतना ज्यादा तो पॉइंट का फंडा कुछ नहीं होता जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट यानी कि वॉन्डर वॉल फोर्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के ये चार फैक्टर है जिसपे बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है बेटा जब हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो अगर हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा तो ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अथवा नहीं होगी ये ध्यान रखें अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो सबसे तगड़ा फोर्स जो होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसके बाद आपका डायपोल डाइपोल होता है ये डायपोल मूवमेंट वाला उसके बाद आपका वॉल फोर्स होता है और वॉल फोर्स जो है बेसिकली वो आपका मोलिकुलर वेट बढ़ने से बढ़ता है फिलहाल जो आपका हेलो हेलो एरेन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती वो तो अल्कोहल होता कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ही हो सकती थी तो अभी काम अपना किससे चल जाएगा अपना काम मोलिकुलर वेट और सरफेस एरिया वाले से चल जाएगा आप यकीन माने अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आपसे ना बने तो बताना आपसे ना बने को बताना ये ए है ये बी है और ये सी है आप ही को बताना है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन है यहाँ आयोडीन है आप ही को बताना है बॉइलिंग पॉइंट और मेरे दोस्त यहाँ क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है आप ही को बताना है दोस्त बॉइलिंग पॉइंट इन फैक्टर्स से बताइए <coughs> आपको साफ साफ दिख रहा है यहां चार कार्बन है यहां तीन है या दो है तो जितना ज्यादा आपका मोलिकुलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट होगा सिंपल है भैया जी है कि नहीं है इसमें बताइए सेकंड वाले में यहां आयोडीन है या ब्रोमीन है देखो इतना पोर्शन तो सब में सेम है बस वेट का फर्क है आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन का जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो सी होगा फिर बी होगा फिर ए होगा आयोडीन फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन, सिंपल है थर्ड वाला बताओ थर्ड वाले में देखो ये लीनियर मॉलिक्यूल है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ये थोड़ा सा ब्रांच हो गया सरफेस एरिया कम हो गया और ये और ज्यादा ब्रांच हो गया तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ए गेटर धन बी गटर सी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा सिंपल एबीसी आपका आंसर आ गया बोलिए क्लियर है आ, क्लियर बा अरे क्लियर है आइए अब एक एनसीआरटी में ये डाइक्लोरोबेंजीन का सवाल दे रखा है सुन लीजिए ऑर्थो मेटा पैरा मैं आपसे क्या कह रहा हूं सीधे सीधे ऑर्डर याद रखो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़ो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं लेकिन टाइम वेस्ट ही होगा कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं सुनिए दोनों ही केस में मेटा हारेगा चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो दोनों ही केस में मेटा हारेगा देख लो चार सौ तिरपन सबसे कम इसी का है दो सौ छप्पन सबसे कम इसका है दोनों ही केस में मेल्टिंग पॉइंट हारेगा अब ए बी सी डी में बी पहले आता है सुनना जुगाड़ बता रहा हूं एबीसीडी में बी पहले आता है और एबीसीडी में एम पहले आता है कि ओ पहले आता है कि पी आता है एम एन ओ पी ओ पहले आता पी बाद में तो ओ पी देन एम ऑर्थो पैरा मेटा आइया फिर एबीसीडी में एम बाद में आता है बी और एम में एम बाद में आता है और एबीसीडी में और पी में पी बाद में आता है तो पेरा क्लियर है जुगाड़ समझ रहे हो OPM और पीओ एम एबीसीडी में बी पहले आता है इसलिए ओ पहले लिखा है एबीसीडी में एम बाद में आता है इसलिए पी बाद वाला पहले लिखा है है अब एक डायपोल मूवमेंट की कहानी सुन लो डायपोल मूवमेंट जो होता है ना वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इसकी यूनिट होती है डी बाय ठीक है तो बेसिकली आपका अगर मैं डायपोल मूवमेंट बताऊं तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपका सीएस थ्री एफ सी एस थ्री सी एल सीएस थ्री बी आर और सीएस थ्री आई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डायपोलमेंट होगा तो आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए सीएस थ्री एफ सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री बी आर सी एस थ्री आई लेकिन आई एम सॉरी यह गलत है एक्चुअल में जो सही ऑर्डर होता है वो सही ऑर्डर क्या होता है सीएल फिर एफ फिर बी आर फिर आई पंगा क्या है यहां की लड़ाई इन दोनों की लड़ाई इनसे क्या चल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसमें कोई दर्द नहीं है लेकिन यहां पर क्या है थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है और उस डिस्टेंस को जब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह वैल्यू बढ़ जाती है इसकी तुलना में तो यहां पर सीएस थ्री सी एल फिर सी एस थ्री एफ फिर सी एस बी आर फिर सीएसई ये निकल के आता है इस केस में देख लो आप इन दोनों केस में डिस्टेंस वाला फैक्टर लगाया है बाकी केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला फैक्टर लगाया है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है बस यहां पर डिस्टेंस से है? बोलिए अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो आपका जो पानी है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और मैंने आपको बताया डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है तो वो कैसे डायपोलोमेंट क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सकता नहीं तो क्या पानी के अंदर अल्काइल होंगे बहुत माइन्यूटली सोल्यूबल हो सकते हैं अन्यथा नहीं हो सकते हेलो हेलो एल्केन्स एंड आर और स्लाइटली इन वॉटर क्यों क्योंकि जब आप आर और एक्स लिखोगे तो यहां डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इनके बीच में है डाइपोल और जब आप पानी देखोगे तो पानी क्या है एचओ एच एचओ एच एचओ एच उनके बीच में अलग ही लेवल की मोहब्बत चल रही है वो मोहब्बत क्या चल रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तगड़ा फैक्टर है से डायपोल से इसलिए जनरली हेलो हेलो हेलोएल सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं पानी में लेकिन जो आपका हेलो एल्केन हेलो एरन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो घुलेगा ना लाइक डिजोर्व लाइक तो दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन सीसीएल फोर वगैरह नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो घुल जाता है क्यों क्योंकि वो डाइपोल डाइपोल वाला है और वो वाला है क्लियर <coughs> है अभी इंपॉर्टेंट बात है रुक जा थोड़ी सी देर थोड़ी सी देर और रुक जा ओ भाई थोड़ी सी देर और रुक जा थोड़ी सी देर रुक जा पानी में इंसॉल्यूबल है क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए और तगड़ी चीज़ होनी चाहिए जो कि अल्काइल हेलाइट के पास नहीं है वो तो एक प्लस माइनस वाला डायपोल है और डायपोल डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक फैक्टर होता है तो वो तोड़ नहीं सकता इसलिए सोल्यूबल नहीं हो पाता है लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें वॉन्डरवॉल्व फोर्स होता है और डायपोल डायपोल वॉन्डरवॉल्व फोर्स से बड़ी चीज़ है इसलिए वो नॉन पोलर सोल्वेंट में घुल सकता है यार तुम तो टाइम देख रहे हो तुम तो यार तुम इस चीज को तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो कि यार तुमको क्या लेवल दे रहा हूं और तुम तो टाइम देख रहे हो यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार ऐसा मजा नहीं आता यार ये तो गलत बात कर रहे हो तुम यार <coughs> यहां अलग लेवल की बात चल रही है तुम टाइम टाइम की बात कर रहे हो यार अरे यार भाई तू एक बार बता कोई किसी को शौक है क्या कि वो ऐसे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं आप बताओ आप खुद बताओ किसके लिए कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना अच्छा एक बार बता मैं तेरे को एक चीज बताता हूं मैं तो इस चैप्टर को डेढ़ घंटे में भी पढ़ा सकता हूं दो घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ पांच घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ दस में भी बीस में भी चालीस घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन आप ये सोचो ना कि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम कंटेंट दिया है आप उस चीज को तो मतलब आप बोल ही नहीं रहे हो आप तो बस टाइम टाइम कर रहे हो होते यार मतलब मतलब ठीक है यार कुछ बोल नहीं रहे मतलब इसका मतलब ये थोड़े ना है आप ही लोगों के लिए तो है यार हमारे लिए है क्या ये मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ आप ही लोगों के लिए मेरे क्या फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ाऊंगा मैं तो बंद कर दूंगा अभी मेरे कोई फर्क पड़ रहा है क्या सोचना आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कर लेते हैं पॉलीहेलोजन मतलब एक से ज्यादा होना जैसे सबसे पहले तो हम क्लोरो और क्लोरो की कहानी सुनते हैं सुनना मैं आपको मुंह जवानी कहानी सुना रहा हूं क्लोरोफॉम और ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉम ब्रोमोफॉर्म ये आपके लिक्विड होते हैं और ये एनेस्थेटिक होते हैं और जो आयोडोफॉर्म है वो आपका येलो सॉलिड होता है और वो कैसा होता है एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता होता है, बेटा, वो नेचर का होता है। पुराने जमाने में क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता था पेशेंट को बेहोश करने के लिए या लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन क्या हुआ कि वो कितनी देर में होश में आएगा उसका पता नहीं चल पाता था पहली चीज दूसरी चीज कि अगर ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉम दिया तो वो निपट भी सकता है क्लोरोफॉर्म तो को डार्क कलर की बोतल में भर के रखा जाता है सुनना क्लोरोफॉर्म की जानकारी दे रहा हूं क्लोरोफॉर्म को तो डार्क कलर की बोतल में भर के रखा जाता है पूरा ऊपर तक अप टू द ब्रिम भर के रखा जाता है डार्क कलर की बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि सनलाइट के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए अप टू द ब्रिम इसलिए रखते हैं ताकि उसमें कोई ऑक्सीजन या एयर का कॉन्टेक्ट ना हो जाए और ढक्कन लगा के रखा जाता है उसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिला के रखा जाता है क्योंकि थोड़ा सा तो एयर के कॉन्टेक्ट में वो आ ही जाएगा एक्चुअल में जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो फोस्टीन गैस बना लेता है जो जहरीली होती है पॉइजनस होती होती है CO -Cl2. <coughs> CO -Cl2, जहरीली होती है गैस जहरीली सुनते रहे ना आप <coughs> तो डार्क कलर की बोतल में रखते हैं सनलाइट की ब्रेंस में ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए अप टू द ब्रिम ढक्कन लगा के रखते हैं थोड़ा सा इथेनॉल डालते हैं इथेनॉल डालने का रीजन क्या है इथेनॉल डालने का रीजन इतना सा है कि ये जो फॉजडिन गैस थोड़ी बहुत जो फॉजडिन गैस बन जाएगी वो सी एल सी एल जो है वो ओ ई टी ओ टी से रिप्लेस हो जाएंगे वो एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये आपका नॉन टॉक्सिक होता है जब आप बॉटल भर के रख रहे होते हो तो थोड़ा तो एयर कॉन्टेक्ट हो ही जाता है तो उसमें एक परसेंट इथेनॉल मिलाने से वो नॉन टॉक्सिक बन जाता है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की वो भी देख लीजिए जैसे सी एस सी एल थ्री हीट के साथ ये जो क्लोरोफॉर्म है ये जब हम छ मोल ए के साथ रिएक्ट कराते हैं इस तरह से तो आपको कुछ नहीं करना आपको यहां से इस तरह से डब्बा बना देना है और यहां से क्या बन जाएगा सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी एच यहां से आपका सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी एच बन जाएगा और साथ में ए जी सी का वाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा मतलब आपका एसिटाइलिन बन जाएगा दोस्त क्लोरोफॉर्म एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है क्लोरोपिक्रीन जिसको नाइट्रो ये नाइट्रो है और ये क्लोरोफॉर्म है जिसको नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं और ये टीयर गैस होती है जब जो सपेमर्स होते हैं ना सपेमर्स जब सपेमर्स बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं शरारत करते हैं तो आपने देखा होगा वो जब बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा रहे होते हैं कहीं पे कोई तो जो अपने पुलिस वाले होते हैं जब वो लाठी चार्ज करते हैं उससे भी नहीं मांगते तो फिर वो टीयर गैस छोड़ देते हैं वहाँ पर तो फिर सपेमर जो है वो गीले हो जाते हैं कारण गीले होने का तो कुछ और होता है लेकिन आंखों से आंसू आ जाते हैं टीयर गैस है ना अब ये कैसे बनता है यहां पर ये सी एच सी एल थ्री लिख दिया और एच एन ओ थ्री बना रहा हूं ओ OH, एच यहां ओ NO, यहां पर ये एच एन ओ थ्री अपने को क्या है अपने को पानी निकालना है पानी निकालते हैं आपका ये बन जाएगा <laughs> क्लोरोफॉर्म टोन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है क्लोरीटोन क्या बनता है हिप्नोटिक ड्रग तो तो उसमें रूमाल लगा के लोग आते हैं वो यूज कर रहे हैं आप समझ रहे हो किसके लिए तो सपेमर भी क्लोरोफॉर्म लेके घूम रहा है रूमाल के अंदर योगेश सर मिल जाए कहीं पर क्लोरोफॉर्म सुखा दूर एक्चुअल में जैसे ही वो क्लोरोफॉर्म को एसीटोन वो क्या करता है क्लोरोफॉर्म के साथ नेल पोलिश रिमूवर भी मिला देता है पता तो होता नहीं उसको तो वो हिप्नोटिक ड्रग बन जाती है और जब मिला रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा वो गैस उसके पास चली जाती है फिर वो ऐसे बात कर रहा होता है नाम जो सफ़ेद मैं तीन करता हूँ मैं शरारती हूँ मैं क्लास में जाता हूँ और मैं टीचर्स को परेशान करता हूँ एकदम सब सच सच बोलने लग जाता है सब कुछ सच सच बोलने लग जाता है नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले जनरली यूज करते हैं सच उगलवाने के लिए ठीक है ना तो ये कैसे बनता है वो बता रहा हूं आपको आप देखिए ये एसीटोन है सीओ यहां सी एस थ्री यहाँ सी एस थ्री ये टूटेगा एक्चुअल में ये पाइबोन टूटेगा यहां प्लस और यहाँ माइनस बनेगा और वो जो सी एच सी एल थ्री है उसमें H पे प्लस और यहाँ माइनस इस प्लस को इस माइनस को दे दो और सी सी एल थ्री को यहाँ जोड़ दो आप देखना ये क्या बन जाएगा ओ OH, एच ये दो सी एच थ्री वैसे के वैसे हैं और इस कार्बन पे सी सी एल थ्री लग गया दिख गया आप प्लस को माइनस को दे दो और इस माइनस को प्लस को दे दो आपका क्लोरीटोन बन जाएगा क्लियर है आयडोफॉर्म के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्लोरोफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि क्लोरिटोन क्या होता है टीयर गैस क्या होती है कैसे एसिटेलिन बनती है क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होती है ब्रोमोफॉर्म एनेस्थेटिक होती है कलरलेस होती है टाक कलर की बोतल में रखा जाता है टू द ब्रिम भर के रखा जाता है ढक्कन लगा के रखा जाता है एक परसेंट इथेनॉल डाल के रखा जाता है ताकि फॉस्टीन गैस ना बन जाए क्योंकि फॉस्टीन गैस जहरीली होती है आयोडोफॉर्म जो है आईडो ऑफ हम याद है बचपन के वो दिन जब हमें ना शरारत कर रहे होते थे कहीं गिर जाते थे हमारे चोट लग जाती थी फिर हम घर जाते थे फिर घर वालों को बताते भी नहीं थे क्योंकि पता था कि अगर ये चोट घर वालों को दिख गई तो घर वाले दो लपड़ की और मारेंगे लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा होता था तो रात में एकदम से बहुत दर्द होने की वजह से हम थोड़ा सा आंसू निकल जाते थे तो फिर मम्मी देख लिया करती थी फिर मम्मी पूछती थी, थी कहाँ गया था फिर मम्मी वो आइडेक्स वगैरह लगाती है फिर डॉक्टर के पास लेके जा रही होती हैं तो डॉक्टर अपने क्या है वो पीले रंग की दवा लगा देता है पीले रंग की दवा लगा के पट्टी लगा देता है तो वो जो पीले रंग की दवा लगती है ना वो बेसिकली टिंचर ऑफ आयोडीन होती है बेसिक सोल्यूशन ऑफ आयोडोफॉर्म ऑफ ऑफ आयोडीन आयोडीन नहीं नहीं टिंचर बेसिक सॉल्यूशन होता है आड़, का और वो एंटीसेप्टिक होता है वो जो लग जाती है वहां सेप्टिक ना हो जाए इसलिए उसे यूज किया जाता है तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी बात समझ गया फिर एक होता है सीसीएल फोर टेट्राक्लोरोन जिसको क्या बोलते हैं बेटा पायरीन बोलते हैं और ऐसा तो आपने देखा ही होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है सपेमर सफेमर जहां भी दिखे ना सफेमर पे ऐसे छोड़ दो तो ये फायर बुझाने के काम में आता है फायर होता है इसमें CCL4 भरा होता है फायर फिर आपका प्रियोन्स प्रियोन्स जो होते हैं वो जनरली क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स मिथेन के जैसे सीसीएल टू एफ टू जैसे सी टू एफ फोर सी एल टू है ना मिथेन और इथेन के कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं और ये जनरली ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं और वो फिर डिप्लीट होने के बाद वहां से यूवी रेडिएशन छोड़ती है और हमें ही नुकसान पहुंचता है और ये प्रोड्यूस होने का कारण भी हम ही लोग हैं हमने हमारी सहूलियत के लिए फ्रिज इस्तेमाल करना चालू किया एसी इस्तेमाल करना चालू किया उससे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है वो ओजोन लेयर पे जाती है उसमें छेद करती है वहां से वो यूवी रेडिएशन आती है हमारी स्किन को डैमेज कर देती है कैंसर का कारण बन जाती है तो इंसान खुद अपनी वाट लगा रहा है नेचर के साथ खिलवाड़ करके तो ये फ्लो ये आपका फ्रीओन है फिर आपकी बात करें डीडीटी की तो डाइक्लोरोल ट्राइक्लोरोन ये आपका डीडी होता है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में लेकिन फिर उसके बाद बैन कर दिया गया क्योंकि ये हवा में आ, मतलब वहां पे किसान वगैरह भी काम कर रहे होते हैं या जो जमीन होती है वो भी पल्यूट हो जाती थी मतलब वो भी बर्बाद हो जाती थी बंजर हो जाती थी जमीन इसलिए इस इंसेक्टिसाइड को यूज करना इस पेस्टिसाइड को यूज करना बैन कर दिया डीडीटी को होता क्या है पहले तो ये इथेन है अब इस पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ये आपका फिनाइल है ये आपका फिनाइल है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये होता है आपका टी 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 ये दो कार्बन है तो इथेन ट्राइक्लोरो तो ट्राइ इथेन डाइक्लोरो डाइ डाइफिनाइल इथेन बोलिए डाईक्लोरोनाइल इथेन बोलिए ये होता है आपका डी डी टी यूज एज इंसेक्टिसाइड इस प्रकार से आपका पूरा थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है अब थोड़े बहुत पीवा बचे हैं वो कर लेते हैं भाई फटाफट से ज्यादा नहीं है दस पंद्रह पीवाई क्यू बचे हुए हैं कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने के लिए पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया बस ये बच रहा है एस एन एन जी पी इज नॉट इंपॉर्टेंट एस एन एनजीपी से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और एस एन एन जी पी जो है वो दो बार एस एन टू बोलते हैं उसको दो बार एस एन टू कराने को ही एस एन एनजीपी बोलते हैं एक बार एस एन टू कराओगे इन्वर्जन दोबारा एस एन टू कराओगे रिटेंशन दैट्स इट नहीं है आपके सिलेबस में ये करिए बोलिए दोस्त तो देखो एनिलीन एच के साथ ये H प्लस है ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और यहां से एनिलीनियम आयन बना लेगा एनएस थ्री प्लस कोई फायदा नहीं हुआ बेंजीन सीएल टू एनहाइड्रस एफिस थ्री यहां से आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा और हमसे शायद यही पूछा है क्लोरोबेंजीन हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा पिनोल एनएनओ टू के साथ एनएनओ टू सी एल कुछ नहीं करता एनिलीन होता तो फायदा भी होता और एच सी के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता वरना उसकी एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी अगला क्वेश्चन टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ सी एच थ्री सी एच ओ एस सी एच विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड बताइए बताइए दोस्त सी एनैन्शियोमरस हो जाएंगे ठीक है ना क्यों क्योंकि यहां पर आपका ओएच OH और यहां पर सीओएच एक कायरल सेंटर वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसके दो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं जो एनैन्शियोमर होते हैं क्लियर है ये वाला करिए नीट 2019 का क्वेश्चन है द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग स्लोवेस्ट कौन चलेगी बताइए सिंपल है तो बता दीजिए देखिए दोस्त यहां पर ओ OH एच माइनस मस्त यहां पर अटैक करके सी को बाहर निकालेगा एस एन टू रिएक्शन से तो ये बन जाएगा लेकिन यहां पर ये लोन पेयर जो है इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो इतना इजीली ये चीज़ नहीं हो पाएगी हो जाएगी लेकिन बहुत इजीली नहीं हो पाएगी बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए और यहां पर ओ एच माइनस ईजिली इस पर अटैक कर देगा और यहां से एस एन टू रिएक्शन करके ओ OH एच बना देगा यहां पर ओ एच माइनस यहाँ पर ईजीली OH अटैक करके एस एन टू रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बना देगा तो केवल बी है जो दिक्कत करेगा पार्शियल डबल बोन कैरेक्टर की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस एन वन रिएक्टिविटी अरे यार भाई आयुष भाई पढ़ तो रहा है लेकिन ये फालतू की बात कर है अरे यार भाई कमाल करते हो यार भाई यार आइए दोस्त आप यहां से इसको निकालोगे सेटाइन बनाओगे यहां से इसको निकालोगे बनाओगे यहां से इसको निकालोगे केटाइन पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां पर रेजोनेंस हो रहा है इसके लिए तीन अल्फा इधर है और दो अल्फा इधर है टोटल मिला के पांच अल्फा हाइड्रोजन है और इसके लिए यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन है तो टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन एप्शन मिल रहा भाई मेरे को तो ए होगा भाई तुम तो सी बता रहे हो पाई सिग्मा पॉजिटिव है यहां पर तो ये होगा ना भाई क्या कर रहे हो अगला क्वेश्चन सी सेवन एच एट तीन मोल सीएल टू एच न्यू सी टू हीट और फिर बी आर टू एफ जिंक सी एल बताइए बताइए दोस्त बताइए बताइए शर्माइए नहीं बोलिए बोलिए दोस्त शर्मा कहे है रहे हैं आइए दोस्त मैं क्या कह रहा हूं तीन मोल सीएल टू हीट है पहले बात तो सी सेवन एच एट क्या है डी DU निकालिए डी कैसे निकालते हो सी प्लस वन माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू कार्बन कितने हैं सात तो सेवन प्लस वन हाइड्रोजन कितने हैं आठ तो एट बाय टू यानी कि एट माइनस फोर यानी कि इसकी डी यू फोर आ रही है मतलब ये बेंजीन वाला कंपाउंड है बेंजीन है और उस पर सी एस थ्री होगा ये टोलुईन है टोलोइन पे तीन मोल Cl2 टू हीट दे रखा है तो यहां पर ये यह तीनों सी एस थ्री जो है वो सी एल थ्री में बदल जाएंगे और थ्री का माइनस एच इफेक्ट होता है और उसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे आपका बी आर टू एफ के साथ यहां बी आर लग जाएगा मेटा पोजिशन पे अब ये आपको जिंक और एच सी एल दिया हुआ है तो जिंक एच सी एल क्या करेगा जिंक एच सी एल का काम होता है वो सारे क्लोरीन को हाइड्रोजन में बदल देगा वो रिड्यूस कर देता है इसे रिड्यूस कर देगा Cl सारे हटा के सीएस थ्री और यहां पे ब्रोमीन तो आपका आंसर ए आ जाएगा मेटाब्रोमोटोलविन है ना सीएल हटा के एच लगा देगा बेटा वो सीएल हटा के एच ये अभी पढ़ा है क्लोरोपिक्रीन इज ऑप्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ रही है <laughs> बताइए हाँ वेरी गुड तो अभी बताया था आपको कि आप जो क्लोरोफॉम लेते हो आपने लिया क्लोरोफॉम और क्लोरोफॉम के साथ लिया एच थ्री नाइट्रिक एसिड आपने को क्या पानी निकालना है पानी निकालने के बाद यहां पर तीन क्लोरीन और यहां पर एनओ टू नाइट्रोक्लोरो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराओगे तो आपका ही आ जाएगा ठीक है ना क्लियर है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन बाय ओ एच माइनस आयन इसमें कॉन्फिग्रेशन रिटेंड हो जाएगा जेई मेन दो हजार उन्नीस का सवाल है बहुत सिंपल क्वेश्चन है हल्का सा दिमाग लगाना आपको हल्का सा रिटेंशन कहां होगा मैंने आपको बताया था कि जब कायरल सेंटर पे अटैक होता है तो इन्वर्जन हो सकता है या रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं मतलब रेसिमी मिक्सचर बन सकता है या कायरल सेंटर पे अटैक होगा तो इन्वर्जन हो सकता है अगर कायरल सेंटर पे अटैक ही ना हो तो दिक्कत तो ही खत्म बताइए बी बोल रहे हो बी बोल रहे हो बी बोल रहे हो सी बोल, बोल रहे हो कुछ भी देख भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कायरल सेंटर है कैरल सेंटर पे अटैक कराएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा ठीक है अब मेरे भाई तू खुद सोच ये है तेरे पास वन डिग्री ये है तेरे पास टू डिग्री ये है तेरे पास टू डिग्री और यह है तेरे पास टू डिग्री अब बता अब बता अब बता वन डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री <laughs> पलट गई जनता <laughs> जनता पलट गई रे जनता पलट गई भाई ना भाई ए विल बी आंसर मेरे भाई पहली बात तो वन डिग्री है सुनना मेरे भाई ये वन डिग्री है पहली चीज और यह कायरल ही नहीं हो रहा यहां सेंटर ही नहीं है अच्छी बात ये तो आप आप सोचना यहां एस एन वन के तो कोई चांस ही नहीं है एस एन वन क्यों नहीं हो सकती क्योंकि वन डिग्री कार्बोकाइड्राइड बन नहीं सकता वन डिग्री कार्बोकाइड्राइड नहीं बनेगा तो वो रीअरेंज भी नहीं होगा पहली चीज तो यहां बस चांस किसके है एस एन टू के और बिना कार्यल सेंटर के करा रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है बिना कारियल सेंटर के दिक्कत ही नहीं है बोलो क्लियर है अगला क्वेश्चन अ सॉल्यूशन ऑफ वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन इन टोलुइन रेसिमाइजे स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एस बी सी एल फाइव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ करो वेरी गुड तो इथेन है उस पर वन पर क्लोरीन है फिनाइल है और यहां पर यह है और एस बी सी एल फाइव है और एस बी के पास ऑर्बिटल है तो क्लोरीन का लोन पेयर जो है जैसे वो होती है ना फिडल क्राफ्ट फिडल क्राफ्ट आर सी एल ए एल सी एल थ्री बिल्कुल वही कंडीशन है तो pH यहां पर CH+ प्लस यहां सी एच थ्री तो यहां से कार्बोकेट बनेगा तो ए आंसर हो जाएगा करिए करो इस क्वेश्चन को करो ना? तो है ना? 2018 का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है अरे वो भाई भाई दिमाग लगा के ओ भाई वो एस एन वन एस एन टू ई वन ई टू में कंपेयर कराया था ना थोड़ा दिमाग लगा के एम यू माइनस एम यू एच एम यू माइनस एम यू एच थोड़ा नहीं 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 दिमाग लगा के नहीं 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 भाई नहीं दिमाग लगा के भाई ओ ओ भाई नहीं नहीं दिमाग लगा के हाँ अब पलट गई जनता वापस जनता वापस पलट गई मुझे बस इसी चीज़ का इंतजार था कि जनता कब पलटेगी भैया यहाँ ओ एम ई माइनस एम यू एच है तो यहाँ ई टू रिएक्शन होगी अल्फा से बी आर और बीटा से एच यहाँ बीटा पे एच ही नहीं है तो यहां से एच बी आर निकल के यहाँ पर आपकी जो फॉर्म होगी वो एल्कीन फॉर्म होगी तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर आप सोच रहे हो एस एन टू कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो टू डिग्री है और ऊपर से यहाँ पर ये स्टेरिकल हिंड्रेंस है तो एस एन टू के चांस तो वैसे ही नहीं है भाई समझ गए

विच आर करेक्ट बताइए बेटा रिएक्शन के बारे में है एस एन वन रियक्शन के बारे में जे के सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं जो भी क्वेश्चन question, अच्छे क्वेश्चन है ना बेटा उसके हिसाब से एक सेकेंड इसमें ना ऑप्शन गलत है यार ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन नहीं होंगे एक सेकेंड बेटा ऑप्शन हटा दो इसके ऑप्शन को डिलीट कर दो इसमें से ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं आपसे यहां पे करेक्ट पूछा है कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है आप तो राइट और रॉन्ग बता दो मुझे बस हटाओ इसको इन चारों में से कौन सा मतलब आप तो ये बता दो राइट और रोंग बता दो बस आप खुद बताओ द रिएक्शन इज फेवर्ड बाई वीक न्यूक्लियो फाइल क्या एस एन वन वीक न्यूक्लियो फाइल से होती है बात तो सही है आर प्लस वुड इजिली फॉर्म इफ दब्स्टिड आर बल्कि जितना बल्कि होगा मतलब थ्री डिग्री में जल्दी के टर्न बनेगा फिर टू डिग्री में यह भी बात सही है द रिएक्शन इज अ बाय रेसिमाइजेशन रेसिमिक मिक्सचर बनता है आपको भी पता है एस में बिल्कुल बात सही है द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सोल्वेंट ये बात गलत है कि नहीं है नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो सकती है कि बेटा खुद बता दो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो सकती है कि नहीं किसमें होती है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एबीसी राइट है डी वाले गलत है शाबाश बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया अरे यार दिल जीत लिया भाई भैया दिल जीत लिया तुमने ये वाला क्वेश्चन करो ये चार रिएक्शन है है ना और इसके ऑप्शंस भी हैं वो बाद में देखेंगे ये ऑप्शन उस पर मान ही रहे होंगे इसलिए अलग से आप तो ऐसे मिला लो ना ऐसे ऐसे ही पहचान जाओगे सब पढ़ा दी आपको ये सारी पढ़ा दी मैंने आपको ऐसे ही मिला लो ऐसे ही मिला लो बेटा भाई देख थोड़ी सी देर की और बात है आंखों में नींद बहुत है आंखों में नींद बहुत है लेकिन अभी सोना नहीं है यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है आइए देख भाई सीयू टू सी एल टू लिखा है सीयू टू सी एल टू लिखा है ना तो ये कौन सी रिएक्शन है तेरी सेंड मेयर मतलब ये वाली किससे मैच कर रही है सेकंड से ए वाला सेकंड से कॉपर एस सी एल गाटरमान रिएक्शन है यह किससे मैच कर रही है फोर्थ से सोडियम ड्राई माल डबल हो गया यह वुर्द रिएक्शन है यह किससे मैच कर रही है फर्स्ट से और यहां पर भी माल डबल है लेकिन यह अरे एक तो यहां पर यह सी सिक्स एच फाइव है, है बेटा यह आपका अराइल हेलाइड है माल डबल हो रहा है यह कौन सी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन है तो यह थर्ड से मैच हो रही है तो देख ए का टू बी का फोर का वन डी का थ्री अब यार वो मिला लेंगे अगर मिल जाएगा तो का टू बी का फोर ए का टू बी का फोर ए का टू बी का फोर सी का वन डी का थ्री यही था क्या टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री मैच हो गया मैच हो गया मैच हो गया वाह यार मैच हो गया ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो दो हजार आठ का सवाल है सिंपल सा सवाल है हो जाएगा एस पी एच माइनस यहां पर क्या दे रखा है ये दे रखा है एस माइनस एन ए प्लस और डाई मिथाइल फॉर्माइट डीएमएफ में दे रखा है क्या होगा बताओ बस दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन पे छोड़ रहे हैं दो क्वेश्चन के बाद छोड़ दूंगा बेटा तो आपको पता है यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी एसेंटू रिएक्शन तो ये तो जान ही सकता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कौन जाएगा सिर्फ बी आर ये वेज पर है वेज का डैश हो जाएगा तो वेज का डैश कहाँ हो रहा है ये डैश पर एसपीएच आ गया बाकी वो वैसा का वैसा ये वेज ही है ये वेज है ये बस ए आंसर हो जाएगा एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन जो अभी 2022 में आया था जेई मेंस में ये वाला और कर लो अब देखो बात वही है वापिस देखो दो में फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया ये आयोडीन है एस पी एस से चेक चेंज करना है तो वैच का डैश हो गया ये वही है वही है वही है ले भाई ए आंसर हो जाएगा मेरा भाई अरे <laughs> यार मजा आया स्वाद आया कि नहीं आया, आया नहीं आया कि नहीं आयान टू से सबसे क्वेश्चन आते हेलो हेलो रेन से। एकदम चोड़ में पढ़ाया मैंने एस एन वन एस एन टू तेरे को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने तेरे को ई टू टू ऑफ मैन ईवन सी बी चौड़ में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया पढ़ाया मैंने तेरे को मैंने तेरे को डॉस प्रोसेस चौड़ में पढ़ाया नहीं पढ़ाया चौड़ में पढ़ाया मैंने तेरे को मैंने तेरे को बेंजाइन मैके mechaniz... मतलब वो एस एन टू ए आर वाला चौड़ में पढ़ाया नहीं पढ़ाया चौड़ में पढ़ाया तेरे को जहां जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सब चौड़ में पढ़ाया तेरे को एनसीआर टी की एक एक, एक लाइन मैंने तेरे को चौड़ में पढ़ाई मजा आया स्वाद आया कि नहीं आया बता दे वो दूसरे क्वेश्चन जो है वो काम के क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने नहीं कराए हैं ठीक है वो एडवांस जे एडवांस का क्वेश्चन है कोई मतलब नहीं है मजा एक बार फुल दिल फायर हैशटैग समा चला दे यार भाई एक बार दिल फायर हैशटैग समा चला देख यार अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं यार आपने भी करी मैंने भी करी मजा आ गया ठीक है दोस्त तो अब बस आपको हेलो हेलो हेलोएल पूरा बता दिया है है ना अपने हिसाब से इससे शॉर्ट नोट्स बनाए है।, है ना प्रॉपर तरीके से और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है वो अल्कोहल फिनोल इथर का रहेगा अब मेरी बात सुन लो जो चीजें मैंने यहां पर अल्कोहल फिनोल इथर की पढ़ा दी है वहाँ पे मैं उसको क्विकली पढ़ाऊँगा जैसे यहाँ पर आपने देखा वो डार्जन रिएक्शन वगैरह वो वापस वहाँ आएगी बहुत सारी चीज़ें वापस यहाँ की वहाँ उठ के आएगी है ना तो उसको अपन थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे बात समझ गए ठीक है ना धन्यवाद सेठ जी